हेलो पीपल आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल और यहां पर ये आ चुका है यारों एक तूफान सा मैराथन फॉर सीएस प्रोफेशनल फंडिंग ठीक है बेटा जी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बातें करेंगे यहां पे और हर एक चीज आई ट्राई एंड मेक यू गाइस क्लियर कि इस मैराथन में क्या क्या कवर्ड है और आपको इसके अलावा अगले सेशंस जो करने हैं वो कब होने वाले हैं कैसे होने वाले हैं बट इसके पहले यारों आई सिंसियरली होप दैट यू गाइज आर वर्किंग हार्ड यू गाइज आर रियली प्रिपेयरिंग वेल फंडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अगर एफर्ट्स देते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट आना 200 हंड्रेड परसेंट श्योर है मेहनत की है तो मार्क्स आएंगे पीपल हैव स्कोर्ड आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन दिस है एंड श्योर दैट यू रिवाइज दिस सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम खूब 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 बार रिवाइज करना है कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और एग्जाम में हंड्रेड मार्क्स का पेपर लिख के आना है क्या बोला मैंने खूब बार रिवाइज करना है बार 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 लगातार रिवाइज करना है एग्जामेशन के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ने में छोड़ना नहीं है, है एंड ड्यूरिंग के अंदर मार्क्स लेने के दैट इवन ओवरऑल जो आपके तीनों ग्रुप जो बच्चे दे रहे हैं वो क्लियर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन आपको जो एग्रीगेट सरप चाहिए वो यहां से मिल सकता है ठीक है गुंडो तो खूब 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 मेहनत करो बहुत अच्छे से पढ़ो सब्जेक्ट को आज यहां पे क्या होने वाला है बेटा जी ये पर्टिकुलर यस yes. ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप बच्चों को मेरे जो सारे रिविजन हैं वो कंपाइल करके आप बच्चों के लिए एक मैराथन बना दिया गया है आप बच्चों को वैसे भी ऑलरेडी क्विक रिविजन देते हैं बट अ फ्यू स्टूडेंट्स जो प्रोबेबली चाहते हैं कि सर एक ही साथ हमें मैराथन जैसा देखना है तो उन बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है बहुत केयरफुली शुरुआत के दो मिनट के इंस्ट्रक्शन सुनिएगा ओके बेटा जी सबसे पहली चीज इस पर्टिकुलर मैराथन में वॉट ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड। चैप्टर नंबर फाइव इज नॉट कवर्ड सिक्स इज नॉट कवर्ड देन सेलेवेन इज नॉट कवर्ड देन ट्वेल्व इज कवर्ड थर्टीन इज नॉट कवर्ड एंड देन फोर्टीन इज कवर्ड 15 एंड 16 आर नॉट कवर्ड तो सबसे पहली चीज इस पर्टिकुलर मैराथन में क्या क्या कवर्ड है चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन इन सब चैप्टर्स का एक बेहतरीन सर्विजन इस मैराथन के अंदर कवर्ड है सबसे पहली चीज बिल्कुल ठीक है तो ये मैराथन ऐसा भी नहीं है कि एक बार ये मैराथन बार बार लगातार देखते रहना है जिससे कि ये सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ जाए सबसे पहली चीज क्लियर है कि इस पर्टिकुलर मैराथन के अंदर हमने सीएस प्रोफेशनल फंडिंग के ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स आर कवर्ड हियर ये पहली चीज चलो सर समझ गया थम्स अप सर इसके अलावा इसके अलावा गुंडो आपके जो चैप्टर्स बच जाते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर चैप्टर नंबर 15 और और 16 की तो 15 और 16 पार्ट बी के वो है जिनके लिए रिवीजन नहीं हो सकता है उनके लिए हम इसके मेरे डॉक्यूमेंटेशन जो चैप्टर है उसका बहुत बेहतरीन सा चार्ट चैप्टर नंबर का एक बहुत बेहतरीन सा चार्ट बनाया उसके अंदर आपका पूरा चैप्टर सिक्सटीन समराइज है एंड चैप्टर नंबर फिफ्टीन के मेरे हैंड रिटन नोट्स ठीक है सो बी सुपर सॉर्टेड अगर आपने सिर्फ वो चार्ट और हैंड रिटन नोट्स भी देख लिए ठीक है. है मस्ती से चलो बच्चे ये हो गया सर चैप्टर वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन इसका आ गया मैराथन फिफ्टीन और सिक्सटीन का आपने बता दिया वट अबाउट फाइव सिक्स इलेवन एंड थर्टीन थर्टीन जो है ये आ है नेक्स्ट बात वॉड ऑल सेशन आर अपकमिंग अरे मैं सब कुछ बात करूंगा आप चिंता ही मत करना सर ये चार्ट समय कहां से मिलेंगे बताऊंगा रुको बस ये अच्छे से वीडियो देख लो अपकमिंग सेशन जो मेरे आने वाले हैं वो आएंगे बेटा जी फ्रॉम टेंथ अप्रैल टू सिक्सटींथ अप्रैल 16 17 18 थोड़ा सा आगे पीछे हो ही सकता है और ज्यादा बट हाँ 10th टू 16th अप्रैल का प्लान है जिसके अंदर मेरे और सेशंस आने वाले हैं इन 10th टू 16th अप्रैल में और क्या आने वाला है गुंडो इन 10th टू 16th अप्रैल के अंदर ये जो यहाँ पे चैप्टर 13 दिख रहा है ना बेटा जी ये आने वाला है इन अपकमिंग सेशंस हो सकता है कि ये मैराथन कोई व्यक्ति बाद में देख रहा हो तो आई एम टॉकिंग अबाउट टेन टू सिक्सटीन अप्रैल टू हो सकता है कोई व्यक्ति इसको ट्वेंटी एंड में कभी भी देख रहा हो तो वो सेशन फिर ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे राइट right? तो कोई परेशानी नहीं आप ढूंढेंगे तो आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे इंस्पायर एकेडमी के अंदर आप अगर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मोस्टली आपको अच्छे से सी एस प्रोफेशनल फंडिंग करके प्लेलिस्ट के अंदर एक्सेस मिल जाएंगे अच्छे से ठीक है बेटा जी तो योग्य अपकमिंग सेशंस टेंथ अप्रैल टू अप्रैल होने वाले हैं उसमें बेटा जी जैसे कि मैंने ऊपर बताया वैसा ही आपका होने वाला है चैप्टर थर्टीन का रिविजन चैप्टर थर्टीन इज एलओडीआर एलओडीआर का एक तूफान रिविजन हम करेंगे अपकमिंग सेशन के अंदर ठीक है सर तो ये हो गया सर अब फाइव सिक्स और इलेवन का बता दो सर बिल्कुल बता देता हूं फाइव को लेके बच्चे फाइव के अंदर क्या था पहले दो रेगुलेशन हुआ करती थी शेयर बेस्ड इंप्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 इन दोनों रेगुलेशन को मर्ज करके एक नया रेगुलेशन आ चुका है सेबी शेयर बेस्ड इंप्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 अब फाइव के अंदर आपको क्या करना है ये वाला जो न्यू रेगुलेशन है दैट इज सेबी शेयर बेस्ड इंप्लॉयी बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 ये देख रही है अब इसको बहुत केयरफुली समझना सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आईसीएसआई शायद से नया मॉड्यूल के अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में नया कंटेंट देगा आईसीएसआई ने नहीं किया आईसीएसआई का भी रिसेंट सप्लीमेंट आया सी एस प्रोफेशनल के अंदर उस सप्लीमेंट के अंदर जो उन्होंने डेटा दिया है वो डेटा ऑलरेडी वो एक साल पहले के सप्लीमेंट में दे चुके थे तो चैप्टर फाइव के लिए द वीडियो फॉर यू गाइस इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब तो यहां पर उन्होंने क्या किया है उन्होंने पूरा कंटेंट जो मॉड्यूल में देते हैं वैसा नहीं दिया इस बार भी उन्होंने ये नया रेगुलेशन सप्लीमेंट के माध्यम से ही दिया है मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना इन्होंने ये नया रेगुलेशन एग्जाम में एप्लीकेबल है फॉर जून 2022 फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी फॉर जून 2023 फॉर जून 2023 ट्वेंटी थ्री एन अब ये नया रेगुलेशन में है। लेकिन ये उन्होंने मॉड्यूल के, के माध्यम से ही दिया है सप्लीमेंट आया है उसके अंदर उन्होंने बट उन्होंने एग्जैक्टली सेम दिया है जो उन्होंने पिछले साल के सप्लीमेंट में दिया था उसका वीडियो उसके नोट्स सब प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं उसका बेटा जी आपको लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च भी करोगे शेयर बेस इंप्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट रेगुलेशन बाय शुभम सुखलेचा तो मोस्टली आपको मेरा वो वीडियो ही जाएगा उसमें वो पूरा रेगुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में कवर करवाएगा तो वो रेगुलेशन आपने देख लिया वो वीडियो आपने देख लिया जो इस वीडियो के लिंक में भी अगर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा तो आपका चैप्टर नंबर फाइव हो गया सुपर सॉर्टेड अभी क्लियर ये एक और चीज़ हो गई सर चैप्टर फाइव भी हो गया अब आती है बात चैप्टर सिक्स और इलेवन की सर उसका क्या तो बेटा जी जो अपकमिंग सेशंस से, हैं उसके अंदर मैं आपका पूरा का पूरा सप्लीमेंट भी कवर करा दूँगा जो आई आई का रिसेंट सप्लीमेंट आया है ये पूरा का पूरा सप्लीमेंट भी मैं कवर करा दूंगा तो आपका विध रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नंबर इलेवन भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है चैप्टर सिक्स और चैप्टर इलेवन जो है उसको लेके जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है ये मैं अपकमिंग सेशन के अंदर करा दूंगा तो आपका पूरा सप्लीमेंट भी करा दूंगा और इसको सेपरेट पॉइंट कर देता हूं और चैप्टर नंबर सिक्स इलेवन को लेकर आपको जो भी पढ़ना है हो जी? चलो। इसके बाद में, सर, अपकमिंग में और क्या होगा न्यूमरिकल्स भी वैसे तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे पर आपके न्यूमरिकल्स जो है वो उस अपकमिंग सेशन में भी ले लिए जाएंगे तो, वे वैस वैस वैस। तो जो सिक्स और इलेवेंथ है इसका भी आंसर हो गया कि हो होगा अपकमिंग सेशन के अंदर एकदम आराम से सिक्स इलेवन थर्टीन अपकमिंग सेशन के अंदर हो जाएंगे और सिक्स और इलेवन सेशन में प्रॉपरली लिए जाएंगे डिटेल डिटेल में 13 में ठीक है का रहेगा लेकिन और प्रॉपर लिए जाएंगे कि आपको अपने जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए क्या पढ़कर जाना है हंड्रेड परसेंट क्लियर चलो गुड डे ठीक है सर एक लास्ट चीज बता दो सर ये जो भी आप नोट्स वगैरह बोल रहे हो ये सब कहा से मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे आपने बताया है सर कि हमें ये चार्ट मिल जाएंगे ये हैंड रिटन नोट्स ये चार्ट्स या इनके नोट्स ये हमें सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे बेटा जी जैसे कि हमेशा आपको बताया गया है शुभम पे डॉट कॉम पर जाएंगे वहाँ पर आपको फ्री रिसोर्स दिखेगा वहाँ पे आपको सी एस प्रोफेशनल में जाना है और वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ड्राइव लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे ओके okay? तो आई थिंक आपके मेजोरिटी जो भी सवाल हो सकते थे वो सब यहां पे अच्छे से क्लियर हो गए ताकि जो भी येलो हाईलाइटेड अब आती है बचे हुए की तो बचे हुए का मैंने आपको एक एक करके बता दिया, आपका हो चुका है उसका रिविजन आ जाएगा 15 और 16 के चार्ट और हंड्रेड नोट्स आपके पास हैं मस्ती से पढ़ लिए अब बचता है फाइव सिक्स फाइव सिक्स एंड इलेवन फाइव को लेके मैंने बता दिया आपको कौन सा वीडियो देखना है सिक्स और इलेवन आपके अपकमिंग सेशन के अंदर कवर हो जाएगा आई गेस यू आर सुपर सॉर्टेड हियर ठीक है बेटा जी तो अब अगर आप शांति से चाहें तो आप अपने फंडिंग के सारे चैप्टर्स को वन टू थ्री फोर करके लिख सकते हैं देख सकते वन का सब कुछ सॉर्टेड है टू का सब कुछ सॉर्टेड है थ्री का सॉर्टेड है फोर का फाइव का भी सॉर्टेड है सिक्स का अपकमिंग सेशन में हो जाएगा सेवन इज सॉर्टेड एट इज सॉर्टेड नाइन इज सॉर्टेड टेन इज सॉर्टेड इलेवन का अपकमिंग सेशन में हो जाएगा

ये चलिए उट वेस्टिंग एनी टाइम फोड़ना शुरू करते हैं चलिए एक पीडीएफ है हमारे लिए यस आप लोगों ने नंबरिंग कर लिए नोट्स के अंदर परफेक्ट चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे और मैं ओपन करना चाहता हूं एडिशनल शीट को भी एडिशनल शीट को ओपन करने के लिए क्या करना होगा मुझको यस yes.

टाइप्स ऑफ ये क्या कहते है? कितने प्रकार के होते हैं इन्होंने कह दिया आईपीओ एफपीओ मतलब अगर मैं कहूं तो एक्चुअली पब्लिक इशू होता है और पब्लिक इशू के दो टाइप हो सकते हैं आईपीओ एंड एफ राइट राइट उसके बाद ले सकते हैं राइट इशू बोनस इशू ये दो और नए टाइप के इशू हो गए बोनस इशू right क्या डिफरेंस होता है सर पब्लिक इशू राइट इशू इशू के अंदर जब एक कंपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी फॉर फ्री दैट इज बोनस इशू डैम इजी एंड सिंपल बहुत पहले पढ़ लिया था फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इश्यू के अंदर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकता है एक ही के सबसेट हो रहे हैं इस तरह से दे दिया तो हमने इस प्रकार से पढ़ लिया न नॉट बी आज इन द एग्जामिनेशन दिस इज जस्ट अ बेस टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ऑफकोर्स फर्स्ट टॉपिक डन कोई परेशानी नहीं है सेकंड टॉपिक आता है आईपीओ एफपीओ अ बेस इंट्रोडक्शन कोई परेशानी की बात नहीं है आईपीओ व्हेन अ वन इशूंग सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखना है रिलायंस रिटेल एक अनलिस्टेड कंपनी है उसने अपने सिक्योरिटीज इशू किए लेकिन उसको आईपीओ नहीं बोलते हैं अ कंपनी व्हेन अ सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट नोन एज आईपीओ अ कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज आईपीओ बिकॉज सिक्योरिटीज लॉक के दायरे में तो वो उसके बाद में आई है ना ऐसा तो एकदम सिंपल तरीके से कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम इज आईपीओ अ कंपनी अंपनी सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर सेकंड थर्ड फोर्थ सब टाइम इज नोन एज एफपीओ डैम इजी कोई परेशानी की हमें बात आती नहीं है चलिए फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टॉपिक नेक्स्ट है आईपीओ के टॉपिक नंबर थ्री एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टॉपिक नंबर फोर एलिजिबिलिटी टॉपिक नंबर फाइव जनरल कंडीशन सही है मार्किंग ऐसी हुई है टॉपिक नंबर सिक्स एंटिटी इज नॉट एलिजिबल फॉर एफपीओ टॉपिक नंबर सेवन एलिजिबिलिटी फॉर एफपीओ एंड टॉपिक नंबर एट जनरल कंडीशन इजी पीजी ऐसा ही कुछ है यस ये अगर कंटेस्ट कर लेते तो हम ऑलमोस्ट फर्स्ट टेन टॉपिक्स को कंप्लीट करके बैठ जाएंगे सो इजी राइट चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे एंट्रीज एलिजिबल नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ आईपीओ के लिए कौन कौन सी एडिटीज एलिजिबल नहीं है यहां पर ध्यान रखना है फोर प्लस वन है फोर प्लस वन है चार मेन पॉइंट जो हर जगह पर दिखते हैं और एक पॉइंट है जो यहीं पर दिखता है यह पॉइंट आगे हमें कहीं पर दिखा नहीं था फिफ्थ वाला तो चार मेन पॉइंट कौन से सबसे पहले इशु प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर और द डायरेक्टर श्योर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग डायरेक्टर इनमें से कोई भी अगर डिबार्ड है तो कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती वेरी इजी ठीक है सेकंड पॉइंट संगत बुरी है तो कम, वेन है उस कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर भी डिबार्ड नहीं है बट ये लोग किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर है और वो कंपनी डिबार्ड है तो दिस कंपनी ऑल्सोनोट कम अपन आईपीओं जिसके प्रमोटर डायरेक्टर है प्रोटर डायरेक्टर कंपनी दैट कंपनी इज डिबार्ड कंपनी ऑल्सोट कम अपन आईपीओ ए लिमिटेड

फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर यहां पर ईश्वर नहीं आता है बिकॉज कंपनी भाग के जा नहीं सकती है प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकॉमिक ऑफेंडर तो वो भी आईपीओ लेके नहीं आ सकते ये चार पॉइंट तो कंठस्थ होने चाहिए हर जगह पर चार पॉइंट आ जाते हैं कहीं ना कहीं अब राइट इशू की बात करो कहीं ना कहीं पर आई जाएंगे जैसे कि हम याद करते हैं ऐसी राइट इशू को तो राइट इशू के अंदर ये सारे पॉइंट्स नहीं थे फर्स्ट था सेकेंड था उसके बाद में फोर्थ था थर्ड नहीं था थर्ड उन्होंने आगे सब्जेक्टिव कंडीशन ले आए थे कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का इशू प्रमोटर एक्टर विलफुल डिफॉल्टर भी है तो भी आप राइट इशू कर सकते हो लेकिन प्रमोटर्स वगैरह अपने राइट इशू को नहीं कर सकते अभी अ फेयर आइडिया तो मोटे यही बेस रहेगा आगे की मेजोरिटी चीजों के लिए चार चीजें कंटेस्ट हो गई फिफ्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं था अगर एक कंपनी के कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या फिर राइट्स आउटस्टैंडिंग है राइट्स मतलब ऐसा कोई भी राइट वॉरेंट है आपने कुछ भी देखा किडिंग right है जहां पे उसको इक्विशन मिलने वाली है अगर कंपनी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और राइट right आउटस्टैंडिंग है तो एक कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती राइट right इशू में भी इनके लिए कुछ तो था राइट right इशू में ये लिखा था इस पॉइंट के लिए कि अगर एक कंपनी की कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है तो राइट right इशू करते समय उनको उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए भी राइट right इशू अभी से कर कर साइड में रखना होगा ताकि जब वो कन्वर्ट होंगे उनको उनका राइट right पोर्शन मिल सके

लेकिन इट विल बी फुल्ली कन्वर्टेड बिफोर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे उसके पहले कन्वर्ट हो जाने वाली है तो भी आप आईपीओ लेकर आ सकते हो बिकॉज जब आईपीओ आएगा तब तो आपकी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग नहीं रहने वाली है दीज आर फाइव एंटिटीज विच आर नॉट एलिजिबल डैम इजी याद रखने परेशानी भी नहीं है डिबार्ड संगठ डिबार्ड फिजिटो इकोनॉमिक ऑफेंडर विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉड बॉरवर और ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला पॉइंट आ गया डैम इजी चले पहला टॉपिक खत्म उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एलिजिबिलिटी अरे ये तो अब रग रग में बैठ चुका है इसके रेफरेंसिंग इतनी आती है हर जगह पे कि बहुत आसान हो जाता है चार एलिजिबिलिटी है अगर किसी भी कंपनी को आईपीओ लेकर आना तो पहली चीज उसका नेट टेंजिबल असर हैज टू बी इन प्रीसीडिंग ईच इन प्रीसीडिंग थ्री ईयर्स ईच हर साल में आपका तीन साल का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए एंड नॉट मोर देन फिफ्टी शुड बी इन ऐसा आ जाए कि आपकी कंपनी के फिफ्टी परसेंट ज्यादा मॉनिटरी फॉर्म में है तो आंसर यह नहीं लिखना है कि कंपनी आईपीओ के लिए नहीं जा सकती एग्जाम में एक स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है नॉट मेन फिफ्टी परसेंट सुड बी मॉनिटरी असेट तो कहते हैं आईपीओ के नहीं जा सकती अरे भैया अगर आपकी कंपनी का फिफ्टी परसेंट ज्यादा मॉनिटरी असट में तो भी आप आईपीओ के लिए जा सकते हो यूल कमिटमेंट क्स्ट मॉइट आ जाता हैव प्रोफिटू हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि हर एक साल में 15 करोड़ एवरेज शुड भी 15 करोड़ बट हर साल में प्रॉफिट होना जरूरी है उसके बाद में लास्ट मॉइंट आ जाता है हमारा नेटवर्क शुड बी वन क्रोर इन ईच प्रीसीडिंग थ्री इयर फोर्थ पॉइंट है इफ कंपनी हैज चेंज इट्स नेम इन प्रीसीडिंग वन ईयर इट इज फिफ्टी द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम लाइफ इज इजी बहुत आसान है कोई परेशानी की बात नहीं नेक्स्ट टॉपिक भी हो गया उसके बाद में है हमारी जनरल जनरल कंडीशन नाम ही है जनरल है ये क्या कहती है सुन अच्छे से सबसे पहले ये चार जनरल बातें करती है कि सारी इंटरमीडियट के साथ कोऑर्डिनेट कर लो फिर ये दो बहुत स्पेसिफिक बात करती है इसके केस स्टडी क्वेश्चन सेपरेटली भी, भी बन सकता है ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट का रूल जनरल so, कंडीशन में पहले चार पॉइंट तो ठीक है उसके बाद में अच्छे से ध्यान रखना पहले चार के आते हैं यू हैव इन प्रिंसिपल फ्रॉम स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज अप्रूवल ले लो डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लो प्रमोटर की सारी होल्डिंग डीमैट में होनी चाहिए एंड शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप आलू डाल दो हर जगह पर

अन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट दोनों कंडीशन है कंफ्यूज नहीं होना है पुरानी कंडीशन हट के नई कंडीशन नहीं, नहीं आई है पुरानी भी है नई भी है तो आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा नहीं दे सकते और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और अन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट मिला के थर्टी फाइव परसेंट के ज्यादा नहीं दे सकते तो इंटरनल लिमिट है जनरल कॉर्पोरेट पे इंटरनल लिमिट अनिफाइड इन्वेस्टमेंट पर नहीं है एक कंपनी अन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट पैंतीस परसेंट दिखा देती है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से एक पैसा भी नहीं दिखा सकते एक कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे 35 परसेंट दिखाना चाहती है नहीं दिखा सकती आप कहेंगे फैर आइडिया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे एक इंटरनल लिमिट है 25 की और इन दोनों पे मिला मिलाकर एक लिमिट आती है थर्टी की ठीक है, इजी उसके बाद में आता है आप इशू कर रहे हैं तो लेने वाले हैं। मतलब ये जो इशू कर रहे हो उसको भी हटा दो जो से उसको भी हटा दो तो इसको लिखा किस तरह से जाता है फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल फॉर एटलीस्ट सेवेंटी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द इश्यू साइज एंड इंटरनल अक्रूवल्स इसको लिखना कठिन होता है तो इसको केयरफुली जब भी समझता है एक बार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और यहां पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ऑफ द आई पी ओ टॉपिक नंबर थ्री फोर फाइव एंटिटी इज नॉट एलिजिबल एलिजिबिलिटी एंड जनरल कंडीशन डैम वेरी इजी इसके बाद विदाउट हमारे एफपी के ऊपर दिमाग लगाने ही नहीं है एंटिटी इज नॉट एलिजिबल में वही के वही चार पॉइंट है एज इट इज कॉपी पेस्ट है बेस्ड एलिजिबिलिटी में उन चार की जगह सिर्फ एक पॉइंट आता है इफ द कंपनी इज नॉट चेंज इट्स नेम इज ने फिफ्टी फिर यहां पे आ जाते हैं जनरल कंडीशन में एज इट इज सब कुछ आता है हमें ऐसा दिखता है हमने बेरेक्ट से पढ़ा था बेरैक्ट के अंदर यहां पर एक पॉइंट नहीं दिख रहा था एक पॉइंट नहीं था कि प्रमोटर की सारी शेयर होल्डिंग डीमैट के फॉर्म में होनी चाहिए बेरैक्ट में पॉइंट नहीं था आप मॉड्यूल में देखोगे तो वो पॉइंट मिलेगा एफपीओ में भी ऐसा बट उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको समझ में आ रहा है वो एकदम इरेलीवेंट है क्यों इरेवेंट है वो एफपीओ में इसलिए नहीं लिखा है बेरेक्ट ने लॉजिकली बिकॉज जब वो चीज आपने आईपीओ के टाइम पे सारे शेयर्स डीमेट में करवा लिए हैं और अब जो इशू हो रहा है ये भी आप डीमेट में ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है एफपीओ के टाइम पे सारे शेयर्स तो डीमेट में होंगे ना मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है वापस एक बार रिपीट करता हूं पॉइंट आईपीओ के टाइम पे सारे शेयर्स डीमेट में होने चाहिए ठीक है 2018 के बाद में कोई भी 2019 के बाद में कोई भी कंपनी अपना आईपीओ नॉन डीमेट फॉर्म में लाई नहीं सकती अब सारे शेयर्स प्रमोटर के उस टाइम पे डीमेट में थे आगे तो सारे शेयर्स डीमेट के फॉर्म में ही आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एफपीओ के टाइम पे प्रमोटर के सारे शेयर्स कैसे होंगे डीमेट फॉर्म में तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी पॉइंट की आवश्यकता नहीं है बट उन्होंने लिख के दिया है तो ठीक है तो आपके लिए और इजी बीजी है, है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप लिखोगे तो भी ठीक है नहीं लिखोगे तो भी ठीक है कभी कभी तो क्या होता है अपन बहुत ज्यादा अकेडमिकली सोचते हैं कि ये इतना ये इतना यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट नहीं है मतलब मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूँ बिकॉज चेक क्या पता किस माइंडसेट से फॉलो कर रहा हूँ बट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स का रेलेवेंसी ही नहीं है अब वो पॉइंट वहां पे लिखो है नहीं लिखो बिल्कुल इर हो जाता है अभी करेंगे फेयर आइडिया चलो आप अगर लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चलिए

बात चलो ठीक है यहां पे कुछ नहीं बता रहे हैं बट हम थोड़ा सा दिला देते हैं कि कोई भी बैंक अगर बनना चाहती है, वो आसबा लेना चाहती है है वो एप्लीकेशन लेना तो उसको बनना पड़ेगा सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक

मैंने मेरे बैंक को बोल दिया है कि आप क्या करो एप्लीकेशन दे दो और उतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दो तो फॉर एग्जांपल माय बैंक अकाउंट है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और ये है 15, का. तो 15, रुपीज मेरे ही बैंक अकाउंट में रहेंगे लेकिन वो ब्लॉक हो जाएंगे अब मेरे बैंक अकाउंट में दिखेंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मुझे लेकिन मैं खर्च नहीं कर सकता मैं सिर्फ थर्टी फाइव थाउजेंड खर्च कर सकता हूँ बिकॉज फिफ्टीन थाउजेंड ब्लॉक हो गए अब ये बैंक एप्लीकेशन देगी कंपनी को कि ये आईपीओ आ रहा है उसमें शुभम शुक्ला वांट्स टू अप्लाई और उसका जो एप्लीकेशन है उसका पैसा है उसके पास वो हमने ब्लॉक कर रखा है Now says, okay, up. हमारी कर लेगी पहले जैसे आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता था आप एंट्री करते थे तो एंट्री नहीं होती अब क्योंकि पैसा आप कंपनी को दे ही नहीं रहे अब कंपनी को पता है उनके पास इतने सारे एप्लीकेशन आ सा चुके हैं और इन सबका पैसा उनके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में ब्लॉक्ड है नाव कंपनी डिटर्म को अलॉटमेंट करना है क्योंकि हिस्ट्री है कहती है दस में से नौ इशूज को ओवर सब्सक्रिप्शन होता है भारत में तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन करती है तो फिर कंपनी नोटिफाई करती है लिस्ट ऑफ अलॉटीज है।, है कि इन लोगों को अलॉटमेंट हो रहा है इन लोगों को रिजेक्शन अब बैंक के पास जिन लोगों को रिजेक्शन हो रहा है उनका पैसा बैंक कंपनी को देगी क्या नहीं उनका पैसा सिर्फ ब्लॉकेज को हटा देगी तो मान लो शुभम सुखा को अलॉटमेंट नहीं मिला तो मुझे जो अभी तक अकाउंट में फिफ्टी थाउजेंड रुपीस थे जिसमें से फिफ्टी थाउंड बॉक थे वो ब्लॉकेज हट जाएगा मैं फिफ्टी थाउंड खर्च कर सकता हूं और जिस व्यक्ति को अलॉटमेंट हुआ बैंक उसके अकाउंट से एक्चुअली वो ब्लॉक्ड पैसा जो कंपनी को ट्रांसफर करेगी इससे फायदा ये हो जाता है जो इतना सादा था ना कि एप्लीकेशन मनी भेजो रिफंड होता था वो पूरा बंद हो चुका है नाउ द एप्लीकेशन इज नॉट सेंट विथ मनी द एप्लीकेशन इज सेंट विथ ब्लॉक्ड अमाउंट कस्टमर भी खुश पैसा अकाउंट में ब्लॉक्ड है इंटरेस्ट वगैरह सब चालू है

यस yes, चलो यहां पर हाँ कुछ लोग ऐसा डाउट आएगा कि सर मैंने एक आईपीओ के अंदर बिड किया था तो मेरे तो अकाउंट से डेबिट हो गया था तो बैंक्स कभी कभी क्या करती है कि बैंक्स आपको मैसेज भी भेज देती है डेबिट का बट वो पैसा एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में ही है तो जस्ट टू मेक इट कन्वीनियट अदरवाइज क्या होता है कि लोगों को समझता नहीं है कि हमारे अकाउंट में पचास हजार है तो हम कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो हो क्यों नहीं रहा है आप फेर आइडिया तो बैंक सेंड्स यू मैसेज ऑफ डेबिट ऑलसो बहुत सारे बैंक्स का प्रैक्टिस क्या है कि किसने ने के थ्रू अप्लाई भी किया यूपीआई के थ्रू अप्लाई किया तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से पंद्रह डेबिट हो चुके हैं बट वो एक्चुअली आपके अकाउंट में ही पंद्रह हजार रुपए है वो कहीं जाते नहीं है

रिफंडेड और फोरफिटेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड बाई से एकदम आराम से सिंपल है तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की सिक्योरिटी डिपॉजिट इज वन पर्सन ऑफ टू बीवन टू स्टॉक एक्सचेंज टू एनश्योर दैट वी विल अंडर गो वी विल डू ऑल दम्पलाइंस एंड एट द एंड ईदर इट विल फोरफिट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाई से बहुत ज्यादा ईजी है और यहां पर हम लोग बेटा जी हमारे 10 कर चुके हैं दिस वॉज नाइन्थ एंड दिस इज टेंथ एकदम सिंपल रहो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट गया ऐसे कह रहे हो जस्ट मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। चल। यहां पर आते हैं हम लोग यहां पर हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? हम लोग यहां तक आ चुके आईपीओ एफपीओ तो इन दोनों का पूरा का पूरा चार्ट एक ही एलिजिबिलिटी में ठीक है वो अलग अलग नहीं है तो आई सेट के थ्री फोर फाइव ये सब लोग हाँ क्या बोल रहे थे इट वॉज थ्री एंड इट वॉज फोर समझ में आ रहा है तो यहां पर हमें ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने बाकी एकदम आराम से रुक जाओ दिस इज एंटायरली थ्री ये तुमने मार्किंग किए कि नहीं किए मैंने पूछा सब लोग हां तो बोले मार्किंग करके आए हो सब सुबह सुबह सब लोग भंड बैठे हैं थ्री बात समझ में आ रही है एंड दिस इज एंटायरली फोर रुको कौन है जो मार्किंग कर कर रहा है सारी सारी मार्किंग की है? मुझे बुक दे दो मेरे पास टॉपिक्स uh, में यहां पे किए नो नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम चलो सब लोग यहां पे अब हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट टॉपिक डन है फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट टाइप्स ऑफ इशू सबको दिमाग में क्लियर है सेकंड टॉपिक इज व्हाट आईपीओ एफपीओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है थर्ड टॉपिक इज आईपीओ इन टोटैलिटी तो उसमें क्या क्या कवर हो जाता है आईपीओ के अंदर एंटिटीज नॉट एलिजिबल एंटिटीज एलिजिबिलिटी एंटीटी की जनरल कंडीशन फिर हमने पढ़ लिया एफ पीओ एफ पीओ के अंदर तीन चीजें एलिजिबिलिटी जनरल कंडीशन यहां तक हम सब लोग आ चुके हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमको दिख रहा है नेक्स्ट टॉप इज वॉट ऑफर चॉरी ओ एफ एस हा 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 फन टॉपिकॉपिक वेडिंग ऑन इज ओ एफ एस 100% परसेंट फोकस यहां पे चाहिए द पर्पज कि जब सेशन खत्म होगा तब तक आपको चैप्टर टॉपिक के नाम के साथ याद होना चाहिए कि सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है और उसके चीजें कवर्ड है अब यहां पे आता है OFS. OFS के अंदर yes. ये है ओएफएस की समरी यह सब आपको मिल जाएगी जिससे क्या पेंड डाउन कर सकते हैं बट फोकस स्क्रीन राइट नाउ ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल क्या होता है सबसे पहले हम सबको बताएं व्हेन अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग शेयर होल्डर दिस पर्सन इज सेलिंग हिज सिक्योरिटीज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर्स कि प्रॉपर प्रोस्पेक्टर इशू होता है उससे अपनी सिक्योरिटी एजिस्टिंग शेयर होल्डर सेल कर पा रहे हैं दट इज ऑफर फॉर सेल हमने जब टॉपिक पढ़ा तब सोला वाइन यार्ड का दिखाई तो ओ एफ एस सोला वाइन यार्ड में एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं थ्रू ऑफर फॉर सेल प्रॉपर प्रोस्पेक्ट इशू होता है पूरा फॉर्मेटी फॉलो किया जाता है एक्जैक्टली लाइक अ पब्लिक इशू बस फर्क इतना सा होता है कि कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है और एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं

है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाती है प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट फर्क है ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब ये का वाला खेल खेल चुके हैं उसके बाद जब आप फाइनली ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो उसके पहले आपकी सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो जानी चाहिए और ये पूरा डिस्क्लोजर आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में देना है ठीक है डिस्क्लोजर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट द होल्डिंग पीरियड ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बी फॉर कैलकुलेटिंग वन ईर आपको वन ईयर के लिए सिक्योरिटी को होल्ड करना है आप OFS कर सकते हो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर को वन ईयर तक होल्ड करके रखना है आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को वन ईयर तक होल्ड करके रखा था फिर वो कन्वर्ट हुई और उसके दस दिन बाद आपने ओएफएस कर दिया अलाउड है तो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड है वो काउंट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ वन ईयर का कंसिडरेशन आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया This is all about OFS. आराम से अब नीचे जो आएगा वो आएंगे किस किस केस में एक्सेप्शन की बात हो जाती है दो ही एडिशनल कंडीशन है दो पॉइंट ये वन ईयर कब तक कंप्लाई हो जाना चाहिए ड्राफ्ट ऑफ डॉक्टर फायल करने के पहले लेकिन अगर कन्वर्टेल सिक्योरिटी है तो ध्यान रखना है कन्वर्टल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जानी चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने के पहले और

नहीं है फर्स्ट एक्सेप्शन यू आर गवर्नमेंट कंपनी और स्टेटरी और कॉर्पोरेशन और मतलब इन तीनों ने, ने मिलके कहीं से इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो अगर आप यहां पर इनकवर होते हैं तो आपके ऊपर वन ईयर का होल्डिंग पीरियड आता नहीं है दूसरा इफ द शेयर अप्रूव बाय कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल इन ल्यू ऑफ बिजनेस और इन्वेस्ट कैपिटल विच वॉज एन एक्सिस्टेंस फॉर मोर देन ईयर आई रिपीट अगेन इफ एट ऑल यू है आप ओ एफ एस में स्कीम अप्रूव बाय दीज थ्री पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट इन लू ऑफ बदले में आपसे क्या लिया गया आपसे शेयर या इन्वेस्टेड कैपिटल ली गई विच यू आर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट वन ईयर तो अगर आप वो वन ईयर तक होल्ड करके बैठे थे पुरानी इन्वेस्टेड कैपिटल तो उस केस के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं आपको तुरंत क्या कर दिया जाएगा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओएफएस ओ कर सकते हो आपको वन ईयर तक वापस ये नई सिक्योरिटी मिली है होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना आज मेरे पास में अगर कोई इक्विटी शेयर्स थे तो मुझे वो वन ईयर तक होल्ड करके रखना पड़ेगा उसी के बाद मैं ओएफएस कर सकता हूं लेकिन अगर मुझे ये इक्विटी शेयर्स मिले थे क्योंकि मेरे पास कोई और कंपनी के शेयर्स थे वो मेरे पास एक साल से ज्यादा के लिए थे और ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अगर अप्रूव करके और मुझे नए इक्विटी शेयर दे दिए तो मुझे ये वापस एक साल तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है पॉइंट उसके बाद में लास्ट आ जाता है बोनस शेयर्स रिसीव फॉर शेयर्स विच आर हेल्ड फॉर वन ईयर वन और रिसीव विचर हेल्ड फॉर वन और मोर इयर तो मतलब अगर मान लीजिए मैंने इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे फॉर मोर देन वन ईयर उसमें जो बोनस शेयर मिले मुझे वो वापस एक साल तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है तो बोनस रिसीव फॉर शेयर विच आर हेल्ड फॉर वन अर ईयर बोनस इशू मस्ट भी इशूड फ्रॉम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी बोनस इश्यू मस्ट नॉट बी इशूड फ्रॉम रिवे रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमें पता ही है ना ये तो अलाउड ही नहीं है तो सवाल ही नहीं आता और ये हो जाता है OFS के बारे में फोकस करना चाहिए हमको लेकिन तो बहुत आसान हो जाएगा सबसे मतलब क्लियर होना चाहिए का मतलब होता है, जिनको हम सेलिंग होल्डर बोलते हैं पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट प्रॉपर प्रोपेक्ट इशू करके सिक्योरिटी अरे पब्लिक को तो पता भी नहीं होता है नब्बे लोगों को ये के के आज सोलाबेन यार्ड का

ओके एडिशनल कंडीशन शेयर्स शुड बी शेयर्स शुड बी फुली पेड यू नीड टू होल्ड दो शेयर फॉर एटलीस्ट वन ईयर अब वन ईयर के अंदर दो पॉइंट आ जाते हैं कि वन ईयर कब कंप्लाई होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले और अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो बस वो ऑफर डॉक्यूमेंट पहले कन्वर्ट कर दो इतना सा करो और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो होल्ड कर रखी है उसका जो वन ईयर है वो भी कंसिडर किया जाएगा

सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल इन्होंने स्कीम अप्रूव किया और मुझे इन लू ऑफ मैंने क्या दिया था इन्वेस्टेड कैपिटल विच आई वाज होल्डिंग फॉर एटलीस्ट वन ईयर एंड बोनसॉज होल्डिंग फॉर वन और मोर इयर तो यहां पर मुझे बोनस शेयर को भी एक साल तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है दीज आर ऑल दंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल अभी क्लियर चलो दिस इज न टॉपिक गुड टॉपिक डन डन विफर फॉर सेल चलो सुंदर ऑफर फॉर सेल इज टॉपिक नंबर फाइव मुझे कोई व्यक्ति एडिशन अरे एडिशन शीट की तो आपको पास कॉपी नहीं ना अभी तक ठीक है चलिए ये हो गया फाइव वंडरफुल अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है फाइव के बाद सिक्स वारंट है अरे वारंट तो बहुत ही गरीब टॉपिक है उसमें आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है चलो वारंट <laughs> वॉरेंट क्या कहता है सिंपली वॉरेंट इज नॉट अ सिक्योरिटी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अ राइट टू बाय अ सिक्योरिटी वॉरेंट इज नॉट अ सिक्योरिटी वॉरेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स यू अ राइट टू बाय अ सिक्योरिटी ओके वंडरफुल वॉरेंट का टेन्योर कैन नॉट एक्सीड एटीन मंथ्स तो द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ वॉरेंट कैन बी एटीन मंथ्स उससे कम हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं वंडरफुल पहला पॉइंट हो गया हमारा एटीन मंथ्स दूसरा पॉइंट हो गया वॉरेंट के अंदर आपको उसी टाइम पे पैसे कितने देने पड़ेंगे

What is a warrant? Kya hota hai? Cheez, it is not a security, it is, a, it is an instrument which gives you a right to buy and security. The maximum tenure of the warrant can be 18 months. 25% has to be paid up front and the balance has to be paid on the due date of payment. If within 3 months also, or from the due date of payment, you do not make the payment, then the initial money paid can be forfeited. Kuch hai nahin, kuch hai nahin, kuch bhi issue of warrant is topic number 6. Chalo, issue of warrant is 7th. Offer document? Offer document? ऑफर डॉक्यूमेंट मुझे को की नहीं है फोकस करो अच्छे से ये तो एक ही डायग्राम के अंदर हम दो टॉपिक कवर करते हैं जो नोट्स में दो तरह से दिए हुए फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ड्राफ्ट ऑफ अर डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू पब्लिक ये सब ये सब साथ में कवर हो जाता है बहुत ईजीली हो जाएगा आपका पूरा फोकस स्क्रीन के अंदर रखना चलिए सेवन और एट सबसे पहले स्टेप वन कोई भी ईश्वर अगर पब्लिक इशू करना इसको याद ही कर लो अच्छे से क्लास में अभी ये तो हर जगह वापस आने ही वाला है बस क्या चेंज होगा यहां पे जो 30 डेज का टाइम पीरियड है ना कि सेबी कैन गिव ऑब्जर्वेशन विद इन थर्टी डेज ये कभी 15 हो जाएगा ये चेंज हो सकता है बाकी सब कुछ सेम रहता है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दे रहा है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कितनी कॉपीज में दे रहे हैं तीन कॉपीज में अलॉन्ग विद से अलॉन्ग विद्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू गिव सर्ट अ सर्टिफिकेट

फ एट ऑल इट इज अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर कवर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है सिंपल तो हमने सिंपल देखा सबसे पहले सर क्या करना है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सभी को देना है तीन कॉपी में देना साथ में फीस देनी है साथ में एक अग्रीमेंट देना है सर्टिफिकेट देना है एक अग्रमेंट एंटर हो चुका है ड्यू रिलिजन सर्टिफिकेट देना बाई लीड मैनेजर ड्यू रिलीजन सर्टिफिकेट बाईर इनकेसवर्टेबल सिक्योरिटी तो डेम वेरी इजी ठीक है स्टेप वन हो गया सबसे पहले सभी उसके बाद में स्टेप टू हूं स्टेप वन अभी और चीजें भी है खैर

ट्वेंटी वन डेज जब अपलोड किया ट्वेंटी वन डेज तक पब्लिक कमेंट इन्वाइट किए जा सकते हैं तो स्टेप वन के अंदर हम ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को हर जगह दे रहे हैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सभी को दिया ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को दिया और ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया स्टेप वन इज नाउ डन स्टेप टू विद इन टू डेज from this you have to give a newspaper advertisement in one english one hindi one regional ye newspaper advertisement mein aap kya kehte ho ki draft of a document hamari website pe publish ho chuka hai now logically understand aapne public comments invite to kar diye but public ko pata kaise chalega ki draft of document aapne file kiya abhi tak aapne sebi ko file kiya और आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया पब्लिक को पता तो चलना चाहिए तो आप न्यूज़पेपर पेपर देते हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट ऑफ document है वो website पे आ चुका है And we are inviting your public comments. पब्लिसाइज कर दिया स्टेप टू नाउ स्टेप थ्री

जिस दिन ईश्वर लीड मैनेजर ने सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको दे दिया है वहां से डेज स्टार्ट होंगे वेरी क्लियर या फिर अगर आपने रेगुलेटर से कोई इंफॉर्मेशन मांगी और जिस दिन उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी वहां थर्डी डे स्टार्ट होंगे तो ये चार पॉइंट्स में विच एवर इज लेटर वहां से आपके डेज स्टार्ट होंगे very logical the date of giving of draft of a document the date of obtaining in principle approval the date of receiving satisfactory reply in case of any question or information is asked by the company the date of receipt of information if in case any information or question is asked by the regulator

अकेले बैठ के आप इमेजिन करोगे उसको नहीं देख रहे हो डायग्राम को स्टेप वन में हम ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को पब्लिसाइज करते हैं सभी को भी दे दिया तीन कॉपी में दे दिया साथ में हमने क्या दिया पहले तो एक सर्टिफिकेट दिया <laughs> फीस दी उधर साथ में एक सर्टिफिकेट दिया अग्रीमेंट है सर्टिफिकेट दे दिया और ड्यू सर्टिफिकेट बाय ट्रस्टी भी देंगे इन स्पेशल केस वंडरफुल ये हो गया फिर हमें ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी देना अलॉन्ग डिटेल्स ऑफ प्रमोटर अरे क्यों डिटेल्स ऑफ प्रमोटर अरे स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है ना ये प्रमोटर सही है कि नहीं है इसने पहले कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ये सब करके हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी दिया फिर हम वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया तीनों की स्टॉक एक्सचेंज सभी मर्चेंट मैंग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया टू इनवाइट पब्लिक कमेंट्स फॉर ट्वेंटी डेज नेक्स्ट हमने अब ये कर दिया पब्लिक को इन्फॉर्म तो करना है ना न्यूजपेपर में दिया इंग्लिश हिंदी रीजनल ताकि पब्लिक एक्चुअली आए ये विद इन टू डेज आपको करना है इसके बाद में कुछ नहीं आप रुकते हैं जैसे ही डेज एक्सपायर हुए पब्लिक कमेंट्स आए इसकी कॉपी बना के आपने किसको दे दी सेबी को दे दी नाउ यू आर वेटिंग फॉर थर्टी डेज टू कंप्लीट जैसे डेज कंप्लीट होते हैं उसके अंतर्गत सेबी को आपको देना है ऑब्जर्वेशन सेबी ऑब्जर्वेशन देता है लेटर ऑफ द फॉलोइंग फोर में से वहां से थर्टी डेज उनके स्टार्ट होते हैं डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट

आईपीओ आईपीओ एफपीओ इंट्रो के लिए तीनों चीजें, नॉट एलिजिबल, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज वेल एज जनरल कंडीशन एफपीओ की भी मैं मान के चलता हूं आ, आपकी वही तीनों चीजें यहां पे कवर कर लेता हूं मैं आई की भी एंटिटी इज नॉट एलिजिबल एंड जनरल कंडीशन एडिशनल कंडीशन फॉर ओ अब याद करो दिमाग टॉपिक हाँ वन ईयर वन ईयर कब तक हो जाएमेंट तो कन्वर्टेबलिटी करेंगे एक ही चार्ट के अंदर पूरा टॉपिक कवर हो जाता है आसपास सारे पब्लिक इश्यू आसपास से ही होंगे अब एंड सिक्योर डिपोजिट वन परसेंट टू स्टॉक एक्सचेंज फोर फीट भी हो सकता है एज़ ए मैनर स्पेसिफाइड बाई सेबी और यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं अभी अब इस चार्ट का थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ शुरुआत में बिना आइडिया दिए चार्ट को शुरू कर दिया मैंने अच्छे समझना सेबी आई सी डी आर रेगुलेशन टू थाउंड की कोशिश करें वट इजीआर इज ट्राइंग टू डू वट इशू ऑफ कैपिटल कोई भी कंपनी कैपिटल इशू करना चाह रही है कैपिटल इशू कैसे करती है आईपीएफ से तो कोई भी कंपनी जब आई पी एफ पी ओ करना चाहती है तभी आईसीडीआर रिवोक होता है ठीक है साथ साथ में डिस्लोजर रिक्वायरमेंट तो एक बार एक कंपनी आईपीएफ कर रही है तो उस टाइम पे क्या-क्या क्या, -क्या आएंगे, ये सब भी यहां पर आता है। है। सर, होने के बाद में भी हैं, हैं, उसके लिए जब जब आप आप कर कर रहे हैं, जब आप ओ कर रहे हैं, तब आपको आईसीडीआर का ध्यान दे है। और वेर एज वंस यू आर डन विर आईपी एफ देन आप पे जो जो कंप्लाइन थ्रू आउट रखना समझो देव एक्सपर्ट एन एक्सपर्ट ऑफ आईसीडीआर वो व्यक्ति काम करेगा इन अ फर्म जो कि अलग अलग कंपनीज का बार बार आईपीओ एफ हैंडल करती है एक कंपनी किसी आईसीडीआर के एक्सपर्ट को हायर करके क्या करेगा मेरी बात समझ में आ रही है बिकॉज आईसीडीआर इज अ वन टाइम कंप्लाइंस कंपनीज विल प्रेफरेबली हायर एन एक्सपर्ट ऑफ एल बिकॉज एल जो एलओडीआर में एक्सपर्ट है उसको तो थ्रू आउट कंप्लाइंस करना है ना सो so इस प्रकार से वो समझो कि जब भी एक कंपनी इशू कर रही है तब आईसीडीआर आएगा एक बार इशू कर दिया फिर जो थ्रू आउट द लाइफ कंप्लाइंस करना है वो एलओडीआर में आएगा एंड दैट इज वाई दीज टू चैप्टर्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ पेजेस कंटेंट एग्जाम में क्वेश्चन सब एलओडीआर आईसीडीआर बिकॉज जैसी कंपनी आईपीओ करेगी एपीओ करेगी वहां पर आईसीडीआर आएगा तो टुमारो इफ यू वर्किंग इन अ फर्म तो फर्म कैसे मर्चेंट बैंकर की तरह काम करती है वहां पे हेल्प करेगी तो so जब भी एक फर्म में काम करोगे तो अलग अलग कंपनीज का आईपीओ करना है तो पर्सन हैज टू हैजू एक्सपर्ट ऑफ आईसीडीआर इस कंपनी का आईपीओ कराया उस कंपनी का आईपीओ कराया इस कंपनी का आईपीओ कराया आई ऐसा एंड इफ एट ऑल टुमारो यू आर वर्किंग इन अ कंपनी

फर्म्स को भी एलओडीआर का काम मिलता है बट जनरली हर एक बड़ी कंपनी एलओडीआर के लिए रखेगी ना डेली का काम है हर क्वार्टर एंड पे रिपोर्ट देनी है तो उसके लिए इन रखेंगे और का काम वो बाहर से करवाते हैं आउटसोर्स करके चलो कोई बात नहीं? बात नहीं समझ में आनी है एक कंपनी जब भी इश्यू करेगा कैपिटल गा उस टाइम पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर क्या डिस्कलोजर है वो सब आईसीडीआर में कवर होता है इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है ये फोकस यहां ये क्या है ये पूरा एक आईपीओ को टाइमलाइन पे लगाया है कि अगर कल को आप एक कंपनी का आईपीओ कर रहे हो तो आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करोगे फोकस या अगर कभी भी आईपीओ कर रहे हो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे आप करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को चेक सर यहां पे वन टू कुछ पॉइंट्स मिसिंग है जी हां क्योंकि यहां पर जो फोर्टी टू पॉइंट्स हैं ये आपके सिलेबस में है राइट लेकिन हर एक पॉइंट उस चार्ट में नहीं आएगा क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं कंसेप्चुअल कुछ पॉइंट प्रोसीजरल नहीं है उस चार्ट में वही आएंगे जो स्टेप्स में बैठाए जा सकते हैं जैसे कि डिफ्रेंशियल प्राइसिंग तो वो स्टेप्स में कहीं पे बैठा ना मुश्किल है उसको वो तो देर इज समथिंग यू नीड टू नो मतलब इधर देखो जो जो ग्रीन में लिखे हैं दीज आर इशू के प्रोसीजर्स ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है जो भी येलो में लिखे हैं दीज आर कंसेप्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ये आपको फॉलो नहीं करना है राइट right? और ग्रीन में लिखा है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये छोटे मोटे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहीं कहीं पे आते नहीं है जैसे कि एग्जिट पॉल्स डिसेंडिंग शिवटर ये थोड़ी ना आएगा आईपीओ में ये तो आईपीओ के बाद में अगर अभी तक आपने वो IPO का पैसा यूटिलाइज करते टाइम तो है तब प्रेफरेंशियल क्वालिफाइड ये सब नॉर्मल आईपीओ में आते नहीं है एफपीओ में आते नहीं है ये सब स्पेशल केस है जो कि ब्लू में दे रखे तो पढ़ने का तरीका सबसे पहले ग्रीन पे होल्ड आ जाना चाहिए अगर ग्रीन पे होल्ड आ गया है तो वैसे आर सेट ग्रीन पे होल्ड जाना चाहिए जैसे कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये सारे टॉपिक्स पढ़े हमने भी वन टू टेन को कंप्लीट कर लिया है पूरा टू स्टार्ट विथ ताकि हमारा फ्लो बने हम उसके बाद में अब आराम से पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल पार्ट पे एवरी वन हैज टू फोकस यूर प्रोसीजरल पार्ट पे okay. यह क्या हो रहा है जब भी यह कंपनी आईपीओ करती है जब भी यह कंपनी आईपीओ करती है तब उसको स्टेप्स क्या फॉलो करने लॉजिकली सोचो सबसे पहले वो क्या करेगी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करेगी ना अगर आई पी ओ है या फिर एफ पी ओ है तो ठीक है सर वाई इज इट नॉट वन एंड टू बिकॉज गधे ये दिस इज थ्री एंड फोर इन दिस चार्ट ना वन एंड टू इस टाइप्स ऑफ इश्यू आईपीएफ मुझे बताओ कोई कंपनी अगर आज आईपीओ करती है तो पहले टाइप्स ऑफ इश्यू का चार्ट देखती है क्या नहीं ना उसको करना है आईपीओ तो आईपीओ करने के लिए आ रही है तो स्टेप वन इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर दे फॉलो इज वॉर्ड दैक द एलिजिबिलिटी एकदम तो हमने सारे टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में हमारे नोट्स में है उनको फोर्टी टू पॉइंट में कर दिया तो आपको फोर्टी टू टॉपिक्स ही पढ़ने है. अब हमारे प्रोसीजर में इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं सबसे पहला आता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सो व्हेन एवर यू आर कमिंग एन आईपीओ एंश्योर आईपीओ की बात करता हूं नॉट एलिजिबल इफ इट ऑलोर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर दे आर डिबार्ड तो आप आईपीओ नहीं ला सकते इफ द कंपनीज प्रमोटर डायरेक्टर आर ऑल्सो प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी इन दैट कंपनी डायरेक्टर आर डिफॉल्टर ऑफ फ्रॉडिल ऑफेंडर योग आईपीओ नहीं ला सकते छोटा सा पॉइंट आता है सिक्योरिटी एक्सेप्शन आते हैं एक तो ये ईसॉप है तो चलेगा और अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीड बिफोर आपका फोटो कमेंट फाइल करने के पहले कन्वर्ट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी कहेंगे बस ठीक है Wonderful. इसके बाद में थ्री क्रोर वन करोर सबको ठीक है फिफ्टी परसेंट फ्राम शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी उसके बाद यहां पे फोर प्लस टू फोर प्लस टू में क्या हो गया स्टॉक एक्सचेंज प्रिंसिपल अप्रूवल डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट प्रमोटर की सारी होल्डिंग डीमैट फॉर्म के अंदर ऑल द शेयर शुड बी फुली पेड अप फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट सेवेंट फाइव पर जनरल जनरल एंडिफाइड इनवेस्टमेंट नॉट मोर देंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट की दिमाग में क्लियर होनी चाहिए दैट दी अमाउंट व फर्म अरेन्जमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट अमाउंट एक्सक्लूडिंग पब्लिक इश्यू एंड इंटर लक रूल वेरी गुड फिर आ जाता है ऐसे आईपीएफ फिर आता है एडिशनल कंडीशन फॉर ओ एफ एस अगर एक कंपनी ओ एफ एस कर रही है तो उसके अंदर कुछ एडिशनल कंडीशन आ जाएगी क्या फुल्ली पेडअप एंड वन ईयर न ईयर के अंदर ध्यान रखना इट है डॉक्यूमेंट be अगर कन्वर्टल सिक्योरिटी है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा और कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट ठीक 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 है 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 यहां तक तो है, 3, 4, 5, है? तो सबसे पहले क्या किया है हमने ये चेक कर लिया है कि हमारी कंपनी एलिजिबल भी है या नहीं फॉर अ पब्लिक इश्यू सर एलिजिबल है तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे पॉइंट नंबर नाइनटीन प्राइसिंग सर प्राइसिंग क्या कहता है एकदम आराम से इधर आते हैं पॉइंट नंबर नाइनटीन प्राइसिंग नोट्स में जाओ पॉइंट नंबर नाइनटीन प्राइसिंग दो लाइन का पॉइंट है तो मैं ओपन नहीं कर रहा हूं पेज नंबर वन पॉइंट टू वन दो लाइन का पॉइंट है प्राइसिंग इतना सा कहता है इश्यूअर इज फ्री टू डिटरमिन द प्राइस

इस मुकाम तो अपना पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो टाइम वेरी इजी प्राइसिंग कर लिया सर उसके बाद में फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एंड एट अरे पढ़कर ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करना है सेबी को तीन कॉपी में कर देंगे साथ में क्या देंगे फीस साथ में डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला एक सर्टिफिकेट दैट एन अग्रीमेंट हैज बीन डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय लीड मैनेजर डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय एंड वो हो जाएगा इनकेस वाला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ये कर दिया स्टेप वन इसमें स्टेप वन में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को फिर हमें स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे अलॉन्ग डिटेल्स ऑफ प्रमोटर साथ में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहां पे देंगे वेबसाइट कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज मर्चेंट बैंक का सबके वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे हम पब्लिक कमेंट्स इनवाइट करते हैं फॉर ट्वेंटी साथ में न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट दे, दे देंगे, देंगे दो दिन के अंदर उसके बाद में हम वेट करते हैं पब्लिक कमेंट्स आने का पब्लिक कमेंट्स आते ही हम पब्लिक कमेंट्स देंगे सभी को फिर हम थर्टी डेज एक्सपायर होने का वेट करते हैं फिर ऑब्जर्वेश आए तो उसको इंक्लूड करेंगे और हम ऑफर डॉक्यूमेंट दे, दे देंगे हर जगह पे स्टॉक एक्सचेंज आर पब्लिक एज वेल एज ऑन द थ्री वेबसाइट डैम वेरी इजी चलिए सेवन इंडियन कंप्लीट भी हो गया ठीक है सर यहां तक हम लोग पहुंच गए पहुंचे एक्चुअली आईपीओ कर रहे हो एलिजिबिलिटी चेक की

ये रहा। प्री इशू एडवर्टीजमेंट पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट प्री एडवर्टीज आप कब करते हो आफ्टर रजिस्ट्रिंग डॉक्यूमेंट विद आरोसी प्री इशू इश्यू होने के पहले अब आपको एडवर्टीजमेंट देना है ये कैसा है जैसे ही ऑफर डॉक्यूमेंट हमने दिया ऑफर डॉक्यूमेंट आ गया लास्ट स्टेप में हमने उसका आरोसी के फाइल किया था ना लास्ट स्टेप में जैसी आरोपी फाइल किया है उसके बाद में आफ्टर रजिस्ट्रिंग ऑफर डॉक्यूमेंट

मॉनिटरिंग एजेंसी मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी क्या हां मॉनिटरिंग एजेंसी आपको अपॉइंट करना जरूरी है इफ द इशू साइज इज मोर देन हंड्रेड सीआर एंड और बोलते रहो इशू हंड्रेड सी आर से ज्यादा है नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्लूडिंग ओ एफ एस बैंकिंग कंपनी वगैरह नहीं होगा आप किसको अपॉइंट करते हो इस मॉनिटरिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये कब तक काम करती रहेगी

Members, ये लोग करते हैं। लेकिन जो है, उसकी प्राइम रहती है, की तो अगर सिंडिकेट कर पाए तो उनकी भी अंडर राइटिंग करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर की जो लोग अंडर राइटिंग करते हैं वो क्या पब्लिक इशू से फिर शेयर खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का पोर्शन अंडर होता है नहीं होता है इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमने वहां पर पढ़े थे बिल्कुल ठीक है जी

रिफंडेड और फोर फिटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाई से तो अगर आपने पूरा लॉ अच्छे से कंप्लाई किया तो पूरा पूरा पैसा एंड में रिफंड हो जाएगा और कहीं पर कुछ इशू आया तो हो सकता है पैसा थोड़ा बहुत तो फोर फिट भी कर लेरिटी डिपोजिट इसके पापा टॉपिक ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आराम से डिटेल में हम देखने वाले एक बार प्रोसीजर के अंदर जितना याद है उतना देखने में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कितना अमाउंट गोल्डन परसेंटेज क्या है

फिर आते हैं हम टॉपिक पे कि ये जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज इन एलिजिबल होती है दिमाग पे जोर डालोगे तो मजा आएगा चार पॉइंट्स पड़ते हैं इन एलिजिबल सबसे पहला सिक्योरिटीज अक्वाय ड्यूरिंग प्रीसीडिंग थ्री पहलाइजेशन ऑफ इंडेबल इनवॉल्व ओके सेकेंड पॉइंट इफ इन प्रीसीडिंग थ्री रिसीव

एट ए प्राइस लोअर पब्लिक इशू प्राइस ठीक है लेकिन इसके और दो ओ एफ एस के पॉइंट आ जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट आ जाएगा और एक वो वाला कि आपने स्कीम के कारण आपको शेयर्स मिले थे ठीक है। ये हो गया उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है वापस इफ द

मुझे बोला ट्वेंटी परसेंट खरीदनी पड़ेंगे मैंने कहा ठीक है ट्वेंटी थर्टी परसेंट लेंगे मैंने खरीद ली और फिर उन सिक्योरिटीज को प्लेस पे रख के पैसे को वापस फ्री करा दिया तो पर्पज क्या रहा आज मैंने सौ करोड़, करोड़ के शेयर्स खरीदे परपज य था कि प्रमोटर का सौ करोड़ लगना चाहिए ना कंपनी में प्रमोटर ने सौ करोड़ के शेयर लिए और इस सौ करोड़ के शेयर्स फिर बैंक को रख के और वापस इसके ऊपर अस्सी नब्बे करोड़ का लोन ले लिया तो प्रमोटर के जेब से तो पैसे लगे ही नहीं ना तो अगर प्रमोटर की कोई सिक्योरिटीज प्लेच करा लेता है तो वो एलिजिबल नहीं है प्रमोटर के जेब का इतना पैसा लगा होना चाहिए

फर्स्ट पॉइंट शेयर्स हैव टू बी फ्रीक्वेंटली डेड फॉर लास्ट थ्री उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ द लास्ट क्वार्टर आउट ऑफ 95% शुड हैव बीन रिड्रेस सो 95% ऑफ लास्ट क्वार्टर शुड बी रिड्रेस और लास्ट पॉइंट आता है कि यू शुड बी कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 फॉर एटलीस्ट इयर्स और यहां पे जब तीन साल की हम बात करते हैं यहां पर अगर आपने डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके कोई भी नॉन कम्पलाइंस किया भी होगा तो वो चलता है इफ इट ऑल एज ऑन डेट आपने कंप्लाइंस कर लिया और आपने इसका डिस्कलोजर दे दिया था ऑफर डॉक्यूमेंट में टैम फेरी टैम फेरी ठीक है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से बात कर ली इन की बात कर ले तो बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाते प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से बात लॉक इन की बात करें प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यून कितने समय का लॉक इन लगता है जो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यून प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है ट्वेंटी परसेंट का उसके ऊपर लॉकिन लगेगा एटीन मंथस लेकिन अगर जो आपने पैसा लिया है उसका सब्सटेंशियल पार्ट यूजिंग फॉर

थ्री डेज सब्जेक्ट मैक्सिम टेन डेज लाइफ इज इजी को प्रॉब्लम की बात है ठीक है और ऐसी बात करें प्राइस बैंड को रिवाइज करने की बात करता हूँ तो प्राइस बैंड के अंदर जब भी आप प्राइस बैंड रखना चाहते हैं या तो फ्लोर प्राइस रखो प्राइस बैंड रखो अगर आप प्राइस बैंड रखते हैं तो दी अपर बैंड टू बी कैन बी मैक्सिमम वन ट्वेंटी लोअर बैंड एंड द फ्लोर प्राइस द लोअर बैंड लोअर बैंड का मैक्सिमम 120 परसेंट हो सकता है अपर बैंड एंड लोअर बैंड का मिनिमम 105 होना चाहिए अपर बैंड ये बैंडिम यह मैक्सिम अभी गुड राइट तो लोअर बैंड जो भी है उसका मिनिमम 105 परसेंट तो लेना ही पड़ेगा अपर बैंड को और मैक्सिमम 120 ट्वेंटी परसेंट ले सकते हो अपर बैंड को ठीक है सर ये समझ में आया इसका मतलब है अगर मान लीजिए हजार का आपका लोअर बैंड है तो आपका अपर बैंड हो सकता है मैक्सिमम बारह का एक हज़ार पचास हो सकता है आपका कम से कम लोअर अपर बैंड चलो ये हुआ सर क्या हम सबसे पीडियड ऑफ सब्सक्रिप्शन से रिलेट कर रहे हैं इसलिए एक बार हमने पीडियड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया फिर हम प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकते हैं येस yes. अगर आपने प्राइस बैंड को रिवाइज किया तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड्स बाय थ्री डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टेन डेज वंडरफुल अब यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ना चाह रहा हूँ ये है कि अगर हम पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन के दौरान प्राइस बैंड को कर रहा रखते हैं रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम है, 20 परसेंट इन ईदर डायरेक्शन टू द लोअर बैंड ये बात ध्यान रखना अपर बैंड की कोई इज्जत नहीं है लोअर बैंड की इज्जत है लोअर बैंड इधर चला तो अपर बैंड भी हाँ हाँ मैं भी चलता हूँ लोर हाँ हाँ मैं भी चलता हूं आप इधर कहाँ जा रहे हो तो लोअर बैंड जहां जाएगा अपर बैंड चुपचाप पीछे 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 चलता हुआ जाएगा फुल हजबैंड वाइफ का खेल है यहाँ पे इधर आओ पढ़ा लिखा है ध्यान दो वन थाउजेंड अब अगर हम प्राइस बैंड को रिवाइज करना चाहते हैं अभी हमने सबसे पहले डिस्कलोज किया था प्राइस बैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा कर दूंगा मैं नीचे जगह इधर आओ हमने प्राइस बैंड दिया था

कोई पीरियड ऑफ सबक एक्सपायर वाला था बात समझ हमने थ्री डेज के लिए रखा था वी कैन ओपन द सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम थ्री मैक्सिमम टेन डेज वी हैड द चॉइस तो वी केप इट ओली फॉर थ्री डेज ओके वंडरफुल तो एटीन टू टी का था यहाँ पे जैसे ही एटींथ और हमने प्राइस बैंड रखा था हजार से बारह जैसे ही हमने ओपन किया एटींथ को तीन एटींथ तो को सब लोगों ने ही बिड किया है बारह सौ बारह सो बारह सौ बारह सौ बारह सो हमें दुख हो रहा है हम खुश नहीं है हमें लग रहा है कि यार अगर हम प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा रख देते तो पीपल वर विलिंग टू पे मोर फेयर आइडिया तो पे कंपनी डिसाइड करती है टू रिवाइज द प्राइस, तो प्राइस, 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 प्राइस रिवाइज होता है तो जो पुरानी बिड्स होती है वो सब कंडीशनल हो जाती है फ्रेश बिड्स आती है उसके बाद में तो प्राइस बैंड यहाँ पर रिवाइज हो रहा है तो प्राइस बैंड हमारा टॉपिक इतना है कि प्राइस बैंड कितना रिवाइज कर सकते हैं मेरे एग्जाम्पल में हम प्राइस बैंड को रिवाइज करेंगे हायर साइड पर सुनाओ अंडरस्टैंड मुझे बताओ लोअर और अपर में इंपॉर्टेंस किसकी है लोअर की तो इनका कहना है लोअर बैंड कैन बी रिवाइज इन ईदर केस को मैंने इश्यू ओपन किया एटीन फेब्री पूरा हो गया और एक भी एप्प्केशन नहीं आई अब मुझे लग रहा है भाई अपने बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया है। लोग इस प्राइस पर देने को रेडी नहीं है नाउ आई वॉन्ट टू रिवाइज ऑनअर साइड आई कैन रिवाइज इट ऑन द लोअर लोअर साइड तो ये नया बैंड क्या हो जाएगा मेरा 800 और अपर बैंड तो मेरे हाथ में ना मैं जितना भी चाहूं रख सकता हूँ बट मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ ठीक है तो आप ये समझो कि जो अपर बैंड है उसकी तो कोई वही नहीं है कुछ भी नहीं है लोअर बैंड के हिसाब से अपर बैंड एडजस्ट होता रहेगा हमेशा अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया यस 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 वंडरफुल चलिए यस 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 और हमारे एग्जाम्पल में ये है ये ध्यान रखने का है, है ठीक ना? इंपोर्टेंस उन्हीं की है साथ में अगर कोई आ जाता है तो अच्छी बात है कोई नहीं आता है तो भी चलेगा लड़का हो नहीं हो, हो तो ठीक है बोनस है नहीं हो तो कोई बात नहीं चलिए इधर आते हैं हम लोग पढ़े लिखे भी ध्यान देते हैं वरना भटक जाएंगे चलो चलिए ऑफ पे टॉपिक डिस्कशन कर लिया जैसे पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन थ्री ओवर हो गया अब सीधे आप लोग भेड़ रहे हैं टॉपिक ऑफ अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहां पे हमने क्या पढ़ा था अरे भाई साहब यहां पे बहुत कुछ पढ़ा था हमने अब जैसे ही इशू क्लोज होगा ना वी टू डू द अलॉटमेंट अलॉटमेंट में हमने आरआई का अलॉटमेंट डिटेल में पढ़ा था नॉर्मली अगर अलॉटमेंट का ओवर भी दू तो अलॉटमेंट कैसा होता है ये डिपेंड करता है कि आप पब्लिक इशू कैसा कर रहे हैं अगर आप पब्ल्यू कर रहे इन्वेस्टर को तो अलॉटमेंट होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे जिसको देना है उसको देंगे जिसको नहीं देना है उसको नहीं देंगे अगर अलॉटमेंट हो रहा है टू आर आई आई बी गिवन टा और बाकियों को कर रहे हैं तो वो होता है प्रोरेटा बेसिस पे चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आरआई है का डिस्कशन कर देते हैं है के दे कितने होनी चाहिए वन थाउजेंड मिनिमम अलॉटीज होनी चाहिए चलो ठीक है ठीक है उसके आदमी यहीं पर अलॉटमेंट रिफंड एंड इंटरेस्ट का बात आ जाती है आप जब भी सब कुछ कर लेते हैं विद इन फोर डेज यू टू इंश्योर कि आप सारा प्रोसीजर कंप्लाई कर लें कि जिनको नहीं दे मतलब जिनको अलॉलमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनका रिफंड भी हो जाना चाहिए उसके बाद में कभी लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो भी रिफंड हो जाना चाहिए ये सब चीजें हो जानी चाहिए चार दिन के अंतर्गत पहले पे सेवन और एट डेज का कंफ्यूजन हुआ करता था नाउ इट इज बीन मेड फोर डेज उसके बाद में इंटरेस्ट अगर आप टाइम पर सब कुछ अलॉटमेंट रिफंड नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर है ना अरे यार ये नहीं लगता है सब रिटेंडेंट हो गया

यस yes. ये हो गया अलॉटमेंट रिफंड वाला अलॉटमेंट प्रोसीजर इसको हम डिटेल में भी देखेंगे उसके बाद में नेक्स्ट जैसे ही हो गया हमारा इशू उसके बाद में नेक्स्ट चीज देखना होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 90 परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको अचीव करना है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी बात ही खत्म

अगर एक कंपनी को एक्चुअली आईपीओ करना है तो इसी स्टेप्स के अंदर चीज़ों को फॉलो करेगी बट हमें सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं पढ़ने पड़ते हमें प्रोसीजर के अलावा कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट भी पढ़ने पड़ते हैं कंसेप्चुअल पॉइंट लाइक अगर कभी भी एक कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है तो उसको कुछ लिमिट का भी ध्यान रखना है कि वो कौन से टाइप का इशू कर रही है अगर वो अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग में इशू कर रही है तो मिनिमम सेवन फाइव परसेंट हैस टू बिलेड टू क्यू देन नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट टू एन नॉट मोर देन टन टू आर अगर नॉर्मल केस है बुक बिल्डिंग का तो एटलीस्ट थर्टी फाइव परसेंट टू आर आई आई एट लीस्ट फिफ्टीन परसेंट टू एन आई आई नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट टू क्यू आई बी देखिया तो वो प्रोसीजर में नहीं आता बट वो भी हमको पता होना चाहिए तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चालीस पॉइंट फोर्टी टू पॉइंट पता होने चाहिए चलो ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं हमारा रिविजन कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सर अभी तक क्या था रुको तो सही कि टेंथ तक हमने रिविजन किया था फिर हमने ब्रेक लिया था हमने ब्रेक लिया था जिसके अंदर हमने पूरा इशू का प्रोसीजर समझा जिसको हमें समझ में आया कि एक्चुअली आई में क्या होता है अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि आप हाँ बताओ कि कंपनी को पब्लिक इशू का प्रोसेस बताओ तो प्रोसेस यही तो है कि हम पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद में प्री इशू एडर्टीमेंट दे, दे देंगे प्री एडवर्टीजमेंट के बाद में हम डिसाइड कर लेंगे इसके बाद में प्राइसिंग का डिसाइड कर लिया इसके बाद में हमें जो भी यहाँ पे मॉनिटरिंग um, एजेंसी को अपॉइंट कर लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट कर लेंगे प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इशू ओपन होने के एक दिन पहले आना चाहिए ये सब ले लेंगे फिर इशू ओपन होगा तीन दिन के लिए दस दिन के लिए, जैसे ही क्लोज होगा अलॉटमेंट करेंगे सबक्रिप्शन वन परसेंट लग रखते हैं यह सब प्रोजर होने के बाद में हम लोग इवेंचुल पोस्ट एश्योरिटी क्लोज करेंगे वॉट इज दिसर प्रोसिजर हाउ कंपनी गोस फोर एंड आईपीओ ऑलगोडिया चल उटिंग so, कंटिन्यू किया तो हमने टेन तक कंप्लीट कर लिया यहां पर एक्चुअल रिविजन किया अभी तक उसके बाद हमने ओवरव्यू देखा वन टू टेन टॉपिक्स का रिविजन हो चुका है तो अनादर शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा हमारा इलेवन टू नाइनटीन बस इलेवन टू नाइनटीन का शॉर्ट टर्म टारेटे उसके बाद आगे बढ़ेंगे नोट्स पर इलेवन ओपनिंग ऑफ द इशूपनिंग ऑफ द इशू का पेज नंबर बताएगा कोई वन पॉइंट वन पॉइंट वन से वहीं पर था ये चलिए नंबर इलेवन सुपर मार्डरफुल पूरी क्लास का फोकस यहां पे कंठस्थ मतलब कंठस्थ हो जाना चाहिए एकदम ध्यान रखो इलेवन ओपनिंग ऑफ द इशू हम लोग यहां पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि कभी भी इशू कब ओपन होना चाहिए बहुत से टॉपिक है इशू ओपन होना चाहिए आपका हमने जो हमारे अपने पूरे टाइमलाइन पे देखा इशू ओपन हुआ था हाँ इशू ओपन हुआ था और वो ड्राफ्ट ऑटमेंट फाइल हुआ था हाँ हुआ था उसके बीच में टाइम पीरियड का रिलेशन है इशू शुड बी ओपनिंग आफ्टर थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट ये आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था उसके बाद में आपने प्री इशू एडवर्टीजमेंट दिया था उसके तीन दिन के बाद ही आपका इशू ओपन होना चाहिए पे कितना सारा काम करना है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है ये सब काम कर लो आप उसके बाद में इशू ओपन होना चाहिए तो जब ऑफर डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है वो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद में तीन दिन के बाद ही आपका इशू ओपन होगा पहली चीज तो इशू हैज टू ओपन आफ्टर थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट ओके एंड इट हैज टू ओपन विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन

तो जिसकी लाइफ ट्वेल्व मंथ है उसके ट्वेल्व के अंदर इशू करोगे तो 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 क्या क्लोज ही हो जाएगा शेल्फ तो के अंदर यू टू इंश्योर नहीं वहां करोस्पेक्टर आपको ये थ्री डेज टू ट्वेल्ल मंथ्स नहीं मिलता है वहां पर थ्री डेज टू थ्री मंथ्स मिलता है कि आपको ऑब्जर्वेशन मिला है उसके तीन महीने के अंदर आपको उसको इशू ओपन कर लेना है पहला इशू आपका उसके अंदर मल्टीपल इशू जो आगे के ओपन हो रहे हैं वो तो आप एक साल में कभी भी कर सकते हैं विद गिविंग एन इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ याद आ रहा है बच्चों ने पढ़ा था चलिए बहुत सब यहां पर सिलेबस का ऐसी ही पार्ट नहीं है ये आता है ओपनिंग ऑफ इशू टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है ओपनिंग ऑफ द इशू जो बात करता है वो इतनी सी बात करता है कि हमारा इशू आखिर ओपन कब होगा तो इशू विल ओपन आफ्टर थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट एंड इट विल ओपन विद इन ट्वेल्व मंथ रिसीट ऑफ ऑब्जर्वेशन फास्ट इशू एज पर कंपनीज एक्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस में विद इन ट्वेल्व की जगह विद इन थ्री इजी दैट इज इलेवन ओपनिंग ऑफ द इशू ट्वेल्थ टॉपिक क्या है

मुझे ओपनिंग ऑफ द इशू फॉर दैट मैटर इवन ऑफर फॉर सेल इवन एलिजिबिलिटी का डर नहीं है दो स्पेसिफिक पॉइंट हमने क्लास में मेहनत की आपने किया आप फोड़ के आओगे डर है इन पॉइंट्स का बिकॉज दे आर वेरी जनरल यहां पे भूल जाते हैं एक पॉइंट वहां पे आप थ्री करोड़ फिफ्टीन करोड़ वन करोड़ नहीं भूलोगे अगर आप मेहनत करके गए हो तो लेकिन डिस्पाइट ऑफ मेहनत करने के बाद ये जनरल पॉइंट्स भूले जा सकते हैं तो जब भी कोई जनरल टॉपिक पढ़ते हो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देकर पढ़ना है कि पॉइंट्स याद रहे चार्ट बनाओ जो भी करो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो इस तरह से ध्यान रखना है आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि हाँ मुझे अंडर का टॉपिक है कंपनी सबसे पहले दो पॉइंट दो केसेस बनते हैं कंपनी इशूर्स टू तो अदर देन बुक बिल्डिंग तो वहां पे तो अंडर सेवन राइटर से बी रजिस्टर अंडर राइटर पॉइंट करने से बी गोइंग अ कंपनी गोइंग फॉर बुक बिल्डिंग इशू वहां पे कुछ पॉइंट्स आते हैं कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः पॉइंट हैं यहाँ पे दिमाग में क्लियर किया सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कौन राइटर बनता है लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड मैनेजर किया जाती है एक अग्रीमेंट एंटर करना होता है ये लोग बाहर से नहीं खरीद सकते हैं ये चार पॉइंट चार पॉइंट चार पॉइंट दे याद नहीं आ रहा है

कुछ भी नहीं है मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंट ऑफ द टोटल इशू साइज इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये आपको आना ही चाहिए आपको ध्यान रखना होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर अचीव नहीं हो तो यू टू रिफंड ईच एन एवरी पेनी एकदम इजी पीसी चले बस कुछ भी नहीं है मिनिमम सब्सक्रिप्शन फोर्टीन पॉइंट इज

फोकस है इसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे बहुत अच्छे तो से बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसके अंदर सबसे पहली चीज जब भी, भी आप अलॉटमेंट कर रहे हैं अगर आप एंकर को कर रहे हैं तो डिस्क्रिशनरी पे होता है बाकियों को प्रोडेटा पे करता है और आर आई आई को अगर आप कर रहे हो तो वन अलॉट टू एवरी आर आई आई एंड बैलेंस प्रो ये आप करेंगे इफ पॉसिबल अगर मान लीजिए आर आई आई की इतनी ज्यादा एप्लीकेशन कि, कि हर एक को एक एक लॉट नहीं दे सकते तो फिर जितने दे सकते हैं उतने जितने लोगों को एक एक लॉट दे सकते हैं उतने लोगों को एक एक लॉट दे दो और बाकियों को रिजेक्ट ये आप हंड्रेड परसेंट अपने जीवन में देखोगे वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आप आईपीओ में अप्लाई करोगे आपको मिलेगा ही नहीं या फिर मिलेगा तो एक ही लॉट मिलेगा ये वहां होता है पॉपुलर आईपीओ में इतने लोग अप्लाई कर देते हैं कि कंपनी हर एक को एक एक लॉट दे पाए ये भी कठिन हो जाता है तो अगर आप भले चार लॉट के लिए अप्लाई करो आप तीन के लिए अप्लाई करो आप पांच के लिए अप्लाई करो या तो आपको मिल ही नहीं रहा है और मिल रहा है तो भी मैक्सिमम एक ही मिल रहा है क्योंकि वापस वही बात के, भारत में बहुत सारी क्या है तो उस कारण से जो एप्लीकेंट है और कोविड में लोगों ने मचा दिया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग अकाउंट ओपन हुए कोविड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिमेट अकाउंट दो कारण उसके एक तो लोग फ्री भी थे ठीक है तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उन पर कमाने का प्रेशर था ये भी हो गया बिकॉज जॉब वॉब गई थी बहुत लोगों की और दूसरा उस टाइम पे जब घर पे बैठे थे फ्री तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा आए थे एकदम फुल डीमेट अकाउंट घर पे बैठे क्या कर रहे हो पैसा कमाओ तो नहीं बट तो दोज पीपल वर मोटिवेटिंग डीमेट अकाउंट ओपनिंग हुई है रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम तो उसके कारण एक और चीज़ क्या हो जाती है नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले तो रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा है मतलब जब भी एप्लीकेशन अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक को एक एक लॉट भी दे दिया तो आपका आईपीओ पूरे खत्म हो जाए थर्टी फाइव पोर्शन आ रहा है वाला है तो वो चलो ठीक है समझ में तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पर आते हैं यहां पर हैं। यहां बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ठीक है यहाँ पे सबसे पहले हजार अलॉट ही होना कंपलसरी है आप वन परसेंट मैक्सिम अलॉटमेंट कर सकते हैं केस का फिर यहाँ पे हमने पढ़ लिया था अच्छे से कि क्या होता है एंकर इन्वेस्टर का बेसिस पे होता है बाकियों का प्रोडाटा पे होता है और आर आई का वन लॉट ईच बैलेंस ऑन प्रोरेटा बेसिस ठीक है उसके बाद में हमने एक और चीज पढ़ी थी ये हमने कहीं और भी पढ़ा है इम, जब भी इंप्लॉइज के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है तो इंप्लॉयज कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन टू लाख अलॉटमेंट टू एन एम्प्लॉय विल बी नॉट मोर देन टू लैक बट अगर वहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो इंप्लाइज कैन बी गिवन एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग फाइव लैक वैसे दो लाख ही दो लेकिन अगर बच गए हैं तो हर एक इंप्लाई को एक्स्ट्रा दे सकते बट नॉट मोर देन फाइव लाख वैसे कुछ यहाँ पे आ जाता है हर एक को एक, एक लॉट देंगे वगैरह इन्होंने पे लिखा है देन वी आर गुड ये हो गया अलॉटमेंट प्रोसीजर अलॉटमेंट इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है इस इसमें न्यूमेरिकल अभी तक तो नहीं आया लेकिन न्यूमेरिकल आने का एक छोटा सा पॉसिबिलिटी रहता है तो इसका न्यूमेरिकल देखना चाहिए सिक्सटीन सेवेंटीन इज वॉट अलॉटमेंट रिफन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चलिए बहुत जबरदस्त

फिफ्टीन परसेंट परिणाम सेबी हैज मेड एन एंडेवर ये ट्राई करा है कि लिस्टिंग टाइम को थ्री डेज तक लेकर आ जाए जो कि एग्जिस्टिंग सिक्स डेज लगता है एकदम तो कुछ नहीं बताया इन्होंने क्या बोला कि अलॉटमेंट रिफंड टाइम में कर देना अलाउटमेंट रिफंड टाइम में कर देना उसके बाद बोला कि अगर आप टाइम में नहीं कर पाए तो 15 परसेंट परिणाम का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाएगा और लास्ट में एक एडिशनल पॉइंट बताया कि सेबी स्ट्राइंग से भी कोशिश कर रहा है कि जो लिस्टिंग टाइम अभी सिक्स डेज है फाइव टू सिक्स डेज लगते हैं प्रैक्टिकली फाइव में हो जाता है पर फाइव टू सिक्स डेज लिस्टिंग टाइम लगता है उसको रिड्यूस करके थ्री लगना चाह रहा है थ्री का मतलब क्या है जिस दिन इशू पीरियड क्लोज होगा तो थ्री टू टेन डेज का सब्सक्रिप्शन पीरियड है ना जिस दिन ये क्लोज होगा उसके तीन दिन में आपके शेयर्स लिस्ट भी हो जाएंगे

पैसा इसको अकाउंट में आ चुका था अगर आपने सारा कंप्लाइंस कर लिया और स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल भी आ चुका है देर आफ्टर द मनी विल भी रिलीज विद इन फोर डेज और अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया है द मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन फोर डेज देखते हैं क्या लिखा है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फोकस करना अच्छे से In case the issuer fails to obtain listing or trading permission from the stock exchange where the specified securities were to be listed, it shall refund through verifiable means the entire money received within four days of receipt of intimation from stock exchange. ये पहले सेवन डेज एट डेज आप बहुत कंफ्यूज करता अगर आप एग्जीक्यूटिव नोट्स ओपन करोगे तो पे सेवेंथ डे एथ डे ऐसे प्रोविजंस देखें कंफ्यूजिंग थे थोड़े से अब बहुत ईजी कर दिया। एवरीवेयर इट इज फोर डेज़। कि अगर कभी भी लिस्टिंग का रिजेक्शन हुआ आपने एप्लीकेशन दिया था लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया स्टॉक एक्सचेंज को आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया था स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनल अप्रूवल दिया ही नहीं रिजेक्ट कर दिया लोगों का पैसा लेके बैठे हो अब आप स्टॉक एक्सचेंज ने पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था और तभी तो आप आगे बढ़े इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज अ प्री रिक्वेस्ट इन जनरल कंडीशन याद है ना तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था फाइनल अप्रूवल रिजेक्ट कर लिया तब तक लोगों का पैसा हाथ में ले बैठे हो अब क्या करोगे जैसे रिजेक्शन हुआ विद इन फोर डेज यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी

तो स्टॉक फाइनल के रिजेक्ट कर देगा तो उसके चार दिन के अंदर रिफंड करना है, pricing, इसका है? इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझको बहुत इन कंसल्टे मर्चेंट बैंक एंड डिफरेंशियल ट्वेंटी चलो यहां पे क्या लिखा है कुछ भी नहीं हो जाना चाहिए तो अच्छे से डिफरेंशियल प्राइसिंग सबसे मुझे बताओ क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या जनरली डिफरेंशियल प्राइसिंग नॉट अलाउडरेंशियल डिफरेंट प्राइसन डिफरेंशियल प्राइसिंग इज नॉट अलाउड बट बाट बट इन थ्री एक्सेप्शनल केसिस कभी भी शेयर इशू कर रहे हैं रिटेल इंडिविजल इन्वेस्टर रिटेल इंडिविज और इंप्प्लॉय इनको डिस्काउंट दे सकते कितना नॉट मोर देन टेन परसेंट इनको टेन परसेंट का डिस्काउंट दे सकते ठीक है अगर आप इशू कर रहे हैं थ्रू बुक बिल्डिंग सम, किसको डिस्काउंट नहीं दे सकते एंकर इन्वेस्टर इफ इट ऑल आप समझो क्या में स्मार्ट होनी चाहिए सुनना अच्छे से जो आपको याद कर रहे हो वो और जो आप लिखोगे उसमें माइनर डिफरेंस रखना होगा क्योंकि आप जब चीजों को याद रखते हो आप उसको ऐसे याद रखते हो कि मैं कम से कम कंटेंट में ज्यादा ज्यादा टॉपिक को याद रख पाऊं ठीक है बट एग्जाम में लिखते टाइम यू टू राइट इन द लैंग्वेज कि एग्जामिनर दीवाना हो जाए आपका ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीखोगे जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ते हैं हम लोग याद रखने के लिए समरी में क्या लिखोगे एंक एनवेस्टर को डिस्काउंट पे नहीं देना है लेकिन वेल राइटिंग इट इन द एग्जामिनेशन को स्मार्टली लिखना है द द प्राइस सिक्योरिटीज आर टू एंकर इन्वेस्टर शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस द सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू अदर शेयर होल्डर तो एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा अवीटिंग फेयर आइडिया और उसमें एफर्ट्स तो कुछ लगी नहीं रहना याद ही कर रहे हैं इसको बस हमें अच्छी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन में लिखना है और ये कब होगा जब अपन मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं मल्टीपल रिवीजन के अंदर अपन जो बोल रहे हो तो रिवीजन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से और ये जो है ये आप रीड करोगे तो दिमाग में बैठता है फॉर एक्जाम्पल हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में क्वालिफाइडेंशियल प्लेसमेंट का उसकी प्राइसिंग हमने पढ़ी थी उसकी, उसकी प्राइसिंग हमने पढ़ा था कि हम प्राइस करते हैं एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग ट्वेंटी सिक्स वीक ठीक है उसमें नीचे टॉपिक पढ़ते हैं एडजस्टमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ हम लिख देते हैं वहां पे मान लीजिए बोनस इशू है राइट इशू है कंसोलिडेशन है स्प्लिट है रीक्लासिफिकेशन है उसी को जब आप एग्जाम में लिखेंगे आपको बहुत केयरफुली लिखना है आप सिंपल रीक्लासिफिकेशन लिख के छोड़ नहीं सकते स्टॉक स्प्लिट लिख के छोड़ नहीं सकते आपको इनकेस इन द कंपनी है स्प्लिटेड स्टॉक करके पूरा आपको लाइन लिखना होगा तो याद करते टाइम आप क्या पढ़ते हैं और आप क्या लिखेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है एंड दैट इज वाई हम लोग रिपीट करते हैं लाइन बट जब आप रिवाइज करेंगे तब एक बार यहाँ पे जो लिखा हुआ एग्जैक्टली रीड भी करेंगे सो दैट योर आंसर इज इसका क्वालिटी आंसर अभी करेंगे फेर आइडिया और सबसे अच्छी बात है कि उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है आर्ट अगर एक बार समझ में आ गई तो आपको हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में रिवाइज हेल्प करेगी रिविजन करते हैं उसकी याद करनी है लिखते हैं उसको इलेब्रेट करके लिखना आवी क्लियर चले यू की डिफेन्शियल प्राइसिंग की दूसरी बात डिफरेंशियल प्राइसिंग के अंदर लास्ट बात क्या है अगर आपनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग से कर रहे हैं देन द स्पेसिट लॉटेड टू कैन भी एट डिस्काउंट नॉट मोर देन टेन परसेंट इजी और लास्ट पॉइंट आ जाता है इशू है तो राइट इशू प्राइस एंड पब्लिक इशू प्राइस कैन भी

अरे भाई ये क्या जादू हो रहा है नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है उस पर लिखा है एडि आईसीडी एडिशनल टॉपिक्स ओपन करो तो बुक क्यों आ रही है चोर आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आईसीडी एडिशनल टॉपिक्स उसमें जादू से बुक कैसे हो गई लोग हैं यार ऐसे कौन करता है? चलिए नहीं 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 आपको फ्री नहीं छोड़ सकता हूं आपके दिमाग को रुक जाओ तो क्या हो गया हाँ। फोटोज दिखा दू आपको पे कह हो? इधर नहीं ठीक है कोई बात नहीं आते हैं टेक्नोलॉजी इतनी पसंद नहीं थी मुझे लेकिन भाई सही काम करती है कभी कभी की क्या पहला तो दिखाई नहीं रहते मुझको क्या की बोलते हैं चोर चलो स yes, पीपल यहां तक तो एकदम आराम से स्लो एंड स्टडी सबसे बड़े चैप्टर को तोड़ तोड़ के बढ़ो कोई परेशानी होगी तो वन टू टेन सबसे पहले सेट में हो गया कोई नहीं है. अब हमने पढ़ा इलेवन टू ट्वेंटी का सर इलेवन टू ट्वेंटी का सभी कोई डिफिकल्टी लग रही है इजी लग रहा है देखते हैं ओपनिंग ऑफ दशू मुझे बताओ ओपन होगा वर्क डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन फास्ट ट्रेक इशू हो रहा है तो वो एज पर कंपनीज है अगर शेल्फ प्रस्पेक्ट दिद इन

अप्लाई नहीं करता है अपॉइंट करते हैं हंड्रेड परसेंट जब तक यूटिलाइज नहीं करे तब तक ये रहेगा क्वार्टर रिपोर्ट देनी पड़ती है और कंपनी उसको अलॉटमेंटमेंट ये प्रोसीजर है अलॉटमेंट रिफंड इंटरेस्ट जो भी टाइम पीरियड होगा स्पेसिफाइड उसके अंदर अलॉटमेंट रिफंड कर देना नहीं किया तो 15 का इंटरेस्ट लगेगा रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है उसके चार दिन के अंदर पैसा पूरा रिलीज करके आपको पब्लिक को देना है नहीं दे पाए तो फिफ्टीन परसेंट पर नाम का इंटरेस्ट लगेगा प्राइसिंग फ्री हो आप आपका जो मनी हो प्राइसिंग रखो डिफरेंशियल प्राइसिंग हाँ प्राइसिंग जो मैंने वो रखो लेकिन अलग अलग प्राइस पर अलग अलग लोगों को दे नहीं सकते हाँ ये कुछ केसेस अलाउड है पहला केस आप रिटेल जो शेयर होल्डर को टेन परसेंट का डिस्काउंट दे सकते हो बुक बिल्डिंग मैकेजमेस्ट को नहीं दे सकते ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग है तो इंप्लाइट को टेन परसेंट डिस्काउंट सकते हो और कम्पलिट इशू आपका हो रहा है वैराटी इशू प्राइस प्राइस कैन बी डिफरेंट डायरेक्ट क्या है क्या इसमें अब हम लोग क्या करते हैं ट्वेंटी वन

टू डेज प्रायर इन केस ऑफ एफपीओ डे प्रायर इन केस ऑफ आईपीओ लाइफ इज़ इजी ठीक है ठीक आईपीओ में टू डेज प्रायर वन डे प्रायर परफेक्ट आईपीओ में टू डेज प्रायर एफपीओ में वन डे प्रायर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीओ के अंदर कोई बेस स्टैंडर्ड ही नहीं है ना

मिनिमम फ्लोर प्राइस कैन बी रिवाइज मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट इन इधर डायरेक्शन लाइफ इज गुड चलो प्राइस प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन चलो देखते हैं इसके हमको बताया गोल्डन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द लाइफ इज इजी उसके बाद में जाओं परसेंट प्राइसान अगर आके बात करूं सबसे पहले एक्सैक्ट डिटेल में आईपीओ है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल एफपीओ तो परसेंट ऑफ और ट्वेंटी परसेंट ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल कॉम्पोज ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्रपोज इशू एक्सक्लूडिंग

रिजर्व कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेजिबल अटोनस इश्यू रिसीव आउट ऑफ दो सिक्योर्ड विच आर इन एलिजिबल पहला पॉइंट क्योंकि फिर आता है इनका दूसरा पॉइंट इनका दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सेम है बट दूसरे पॉइंट में कुछ क्योर है और तीसरा एक स्पेशल केस आता दूसरा पॉइंट इफ द प्रमोटर और हेल्पर्स हैव अक्वायर्ड सिक्योर इन प्रेसिडिंग वन ईयर एट ए प्राइस लोअर देन द पब्लिक इश्यू प्राइस तो इन एलिजिबल सिक्योरिटी आ जाएगी तीन क्यों पहला फिर दिफर जो जो दो है वही में है में हमने पढ़े थे में एक एक हो गया ये गवर्नमेंट कंपनी है ऐसा कॉर्पोरेशन स्टेटरी अथॉरिटी है उनका एसपीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या फिर ये जो लोग हैं इनको शेयर मिले थे बिकॉज ऑफ एन स्कीम अप्रूव बाय कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल एंड देव गॉट दिस इन ल्यू ऑफ शेयर हेल्ड फॉर एटलीस्ट वन ईयर एकदम क्लियर है तो ये तीन हो जाते हैं यहां पर क्योर ऑफ द सिक्योरिटीज इन एलिबल अच्छे समझना समझ ना एलिजिबल में चार पॉइंट है सेकंड में सिक्योरिटी इन एलिजिबल हो जाएगी कंसिडर नहीं की जाएगी लेकिन तीनों में कोई भी क्योर है तो कसिडर की जाएगी फिर आता पॉइंट इफ प्रवाइड एंड सिक्योर इन प्राइस लोअर दें द पब्लिक इश्यूअर इज फॉर्मड आउट ऑफ

प्राइस एंड प्राइस बैंड यहां पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी हमने जो डिस्कस कर लिया वैसे भी क्या आप प्राइस को क्या कर सकते हो अगर आपका प्राइस है तो वो आपको प्रोस्पेक्टस में बताना होगा और अगर प्राइस बैंड है तो वो आप कहां बताओगे रेड हेर एंड प्रोस्पेक्टस में वहां पर एक और चोस आप चाहो तो रेड एंड में बताओ प्राइस बैंड को या फिर न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो प्राइस प्राइस बैंड में एक और चॉइस होता है फ्लोर प्राइस दो या फिर प्राइस बैंड दो वंडरफुल न्यूज पेपर के अंदर डे प्रायर बताना होगा इनकेस ऑफ एफपीओ एंड टू डे प्रायर बताना होगा इनकेस ऑफ आईपीओ वंडरफुल ठीक है उसके बाद में 120% एंड 105% वाला रूल प्राइस बैंड में अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120 ऑफ ऑफ द द लोअर लोअर बैंड 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 एंड अपर हैज टू बी डिस्कशन हो गया उसके बाद में फ्लोर प्राइस कभी भी आपका जो फेस वैल्यू उससे कम नहीं हो सकती ओके टू डेज वन डेज न्यूज पेपर वाली बात हो गई कोई परेशानी की बात नहीं है उसके बाद में आपको सारे रेशियोज भी हैं वो भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं ऑन द बेस ऑफ बोथ अपर बैंड एज वेल एज लोअर बैंड नॉर्मली अगर आपका फिक्स प्राइस इशू है तो, तो आपका जो नया शेयर कैपिटल होने वाला है नया प्राइस वाला उसके हिसाब से आप रेशियो कैलकुलेट कर लेते हो लेकिन अगर आपने प्राइस बैंड दिया तो रेशियोज कैसे कैलकुलेट करोगे उन्होंने कहा रेशियो को आप अपर बैंड के हिसाब से लोअर बैंड के हिसाब से दोनों के हिसाब से रेशियोज कैलकुलेट करते हुए आपको वहां पर देना है बहुत ही सुंदर यह सब आप वेबसाइट पर भी देते हो और जो न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के अंदर भी आपके आइडिया देते हो ये रेशियोज होने वाले है एकदम सिंपल तो ये हो गया प्राइस एंड प्राइस बैंड का रिलेशन बहुत ईजी अब आता है प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी दो बार तीन बार देख लिया हमने एक बार लास्ट टाइम इसको देख के क्लोज कर लेते हैं चलो ए इधर नहीं कोई मुनी बनाएगा प्रमोटर प्रोमोटर की हम लोग बात करें प्रमोट कॉन्ट्री गोल्डन परसेंटेज ट्वेंटी कैपिटल हम बात करते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए ऑफ इनकेसपी हेस्ट टू भी ट्वेंटी इन ऑफ कॉम्पोज इशू इट हैज टू बी पोस्ट इशू एक्सक्लूडिंग राइट इशू और ट्वेंटी परसेंट ऑफ हमने क्लास में बहुत ज्यादा समय लिया था डिस्कस करने के लिए कि राइट इशू पे क्यों नहीं आता है तो हमने समझा था कि राइट इशू के अंदर वैसे भी जो प्रपोर्शन चेंज होने वाला नहीं है तो कभी भी प्रमोटर को राइट इशू के टाइम पे कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है उससे अपना शेयर अपना पाती जो अपना पोर्शन है वो लेता है तो भी बहुत हो गया उसको कोई भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए एक्सक्लूडिंग राइट इशू होता है ट्वेंटी उसके बाद वापस एक बार सिक्योरिटीज इन एलिजिबल सबसे पहले सिक्योरिटी इन एलिजिबल कौन सी हो जाएगी सिक्योरिटीज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग थ्री इयर्स

तो यहां पर भी इन एलिजिबल हो जाएगा तीन इफ फर्स्ट इफ्टर इफ द रेड टू ब्रिंग इन द डिफरेंस सेकंड और थर्ड जो एफपीओ के ऑफर फॉर सेल के दो कंडीशन आ जाते हैं वो फिर लास्ट सेकंड लास्ट यहां पे आ जाता है कि अगर मान लीजिए इश्योर और हेल्पर एनी इन वन लोअर पब्लिक इशू प्राइस एंड द हैज बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप और एलएलपी एंड द मैनेजमेंट इज नॉट चेंज कोई क्योर नहीं है बात खत्म और लास्ट द सिक्योरिटीज आर ब्लेस्ट हम बात कर लेते हैं अब यहां पर जो आपके <coughs>

इयर्स का और वहीं जो ओवर एंड अब प्रमोटर ट्वेंटी होल्ड करके रख रखा है उसके ऊपर ये हो सकता है का और वहीं मतलब प्री इशू शेयर होल्डर्स जो है प्रमोटर के अलावा जो इश्योर में शेयर होल्ड करते हैं उनके ऊपर लॉके लगता है six months. Damn very easy. Contribution. उसके बाद में ये तो हमें पता ही है minimum offer to public, minimum public मिनिमम मिनिमम ऑफर टू पब्लिक पब्लिक के अंदर क्या कंप्लाई करना होता है जैसे आप पहले पढ़ते हैं अगर आपका शेयर कैपिटल ऑन द इश्यू प्राइस इज अपू सिक्सेंट देनी है इफ इट इजेंड करोड़ से नया क्या आया वन लाख करोड़ तक तब आपको टेन परसेंट देना पड़ता है, है तो फाइव परसेंट पब्लिक को देना ही पड़ेगा शेयर होल्डिंग ठीक है इसके बाद में यहां पे बहुत सारे

तो आपको एटलीस थर्टी फाइव परसेंट करना है, है को बैलेंस नॉट मोर देन कैन बी टू अब ये आ गया 32 यार हम कंडीशन नहीं कर पाए तो ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से आ रहे हैं तो मिनिमम सेवन परसेंट टूवन टू क्यू आई बी

रिजर्वेशन में कुछ ऊपर ऊपर से आपको एक दो तो चीजें दिखा देता हूं अच्छा समझना रिजर्वेशन होता कैसा है कॉम्पिटिव बेसिस पे होता है कॉम्पिटेटिव बेसिस का मतलब होता है कि विद इन रिजर्वेशन भी क्या होगा कंपटीशन होगा जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ऐसा नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सब शेयर मिल जाएंगे उसमें भी प्रोरेटा हो सकता है विद इन रिजर्वेशन ऑल्सो रिजर्वेशन इज ऑन कॉम्पिटेट बेसिस ठीक है उसके अंदर बात करते हैं कि आप रिजर्वेशन कर सकते हैं शेयर होल्डर के फेवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद में लेकिन आप कभी भी रिजर्वेशन किसके उम्र में नहीं कर सकते चार मार्क लीड मैनेजर रजिस्ट्रार सिंडिकेट मेंबर आप रिजर्वेशन करो जिसके मन में आपके इंप्लॉय के फेवर में करो फेवर में करो जिसके मन में करना है करो लेकिन आप कभी भी रिजर्वेशन नहीं कर सकते लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर एंड रजिस्टर टू एन इश्यू इनके फेवर में रिजर्वेशन नहीं कर सकते ना ही इनके कोई भी रिलेटेड ग्रुप कंपनी के फेवर में ना ही इनके डायरेक्टर प्रमोटर किसी इनको और इनके रिलेटेड लोगों के फेवर में कभी भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता ये पॉइंट ध्यान रखना है अभी क्लियर चार

अंडर सब्सक्रिप्शन तो एक एप्प्लॉय को मैक्सिमम फाइव लाख मिल सकता है इंप्लॉयज के लिए कितना हो फाइव परसेंट ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल इतना रिजर्व कर सकते हो फिर थोड़ा थो सा आगे जाते हैं शेयर होल्डर टेन परसेंट ऑफ द इशू साइज शेयर होल्डर एक्जिस्टिंग होल्डर के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो मैक्सिमम टेन परसेंट ऑफ इशू साइज तो इंप्लॉय के लिए मैक्सिमम फाइव परसेंट ऑफ द ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल और शेयर होल्डर्स एक्सिस्टिंग होल्डर के लिए टेन परसेंट ऑफ द इशू साइज ये मैक्सिमम लिमिट है जितना आप रिजर्वेशन कर सकते हो सर कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है है like, like वाला पॉइंट ध्यान रखना का जो हमने पढ़ा था अलाउड कोई भी अनसब्सक्राइब अगर रिजर्वेशन में एक का है तो आप यहां से निकाल के किसी और को दे सकते हो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है फिर यहां पे और रेयर केस भी बताते हैं ए, तुमको भी जरूरत होगी तो मदद मैं कर दूंगा अरे क्या मदद कर दोगे तुम कोई मतलब नहीं है तो आपका अनसब्सक्राइब कैटेगरी जो भी है वहां से स्पिल ओवर हो सकता है कोई तो प्रॉब्लम नहीं दोनों बस बाकी कुछ खास नहीं रिजर्वेशन के सबसे की हाइलाइट्स वाले पॉइंट थे अब बाय गॉड्स ग्रेस हम कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं ट्वेंटी फोर तक ट्वेंटी फोर तक हम लोग पहुंच चुके हैं इसके बाद में थोड़ी दुनिया बदलने वाले पॉइंट्स आते हैं जिनका हमारी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है ये सब पिकनिक पॉइंट्स हैं जैसे कि एस और आई को तो पिकनिक ही बोलते हैं फिर ये टॉपिक्स है जो हर एक आई में आने वाले नहीं है क्वालिफाइड एसोशन हर आई पी में थोड़ी ना होगा प्रेफरेंशियल इशू राइट इशू ये सब अलग टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेकिन आइसोलेटेड तरीके से इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे ऐसा रिक्विटेड अलग पॉइंट है आइसोलेटेड है हर एक जगह पर नहीं आएगा एडजस्टमेंट इन प्राइस कभी कभी आएगा एडजस्टमेंट प्राइस इज अ टॉपिक अंडर प्रेफरेंशियल इशू उसके बाद में आईजीपी जैसे कि हमने ऑलरेडी नीचे लिया ठीक है माइग्रेशन का जो पॉइंट आता है फास्ट हैं। और फिर जो रेगुलर सीरीज आता है जनरल ऑब्लिकेशन ऑफर ऑब्लिकेशन इशोर के होते हैं जो हमने एडिशनल टॉपिक में पढ़ा का ध्यान रखना इंसेंटिव नॉट अलाउड मुझे क्या नहीं आप किसी भी व्यक्ति को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन थ्री मैक्सिमम टेन एवर्टीजमेंट दो प्रकार के होते हैं प्री प्रीश्योरटीजमेंट एंड पोस्ट प्री पोस्टर प्रीसमेंट भी तीन पॉइंट याद रखने पोस्ट में भी तीन पॉइंट याद रखने क्या क्या तीन पॉइंट तीन पॉइंट प्री में तीन पॉइंट ये होने चाहिए कब देंगे क्या देंगे और कैसे देंगे कब देंगे आफ्टर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट क्या देंगे ऑफर डॉक्यूमेंट इंग्लिश हिंदी रीजनल कैसे देंगे पोस्ट इश्योरिटीजमेंट वही कि कब देंगे विद इन टेन डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज क्या देंगे जो भी आपके डिटेल्स होंगे अलॉटमेंट के सब्सक्रिप्शन के एंड कैसे देंगे इंग्लिश हिंदी रीजनल रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू ये टॉपिक याद आ रहा है पढ़ा था कि आप एक बार जब पब्लिक इश्यू शुरू हो चुका है आपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया है उसके बाद में एंड तक जब भी चल रहा है इस बीच आप कोई और इशू लेकर नहीं आ सकते इस बीच ईशॉप वगैरह हो सकता है जगह एक्सेप्शन में आता है अदरवाइज आप कोई भी इशू लेकर नहीं आ सकते फिर हमने उसको क्या था फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट से लेकर एंड तक लिस्टिंग तक लेकिन यहां पर अगर हमारा फास्टर इशू है तो उसमें ड्राफ्ट ऑफर फाइल नहीं होता तो वहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइलिंग से लेकर एंड तक लिस्टिंग तक अभी आप फर्दर फर्देशन नहीं कर सकते और लास्ट आता है मैनर ऑफ कॉल भैया जो भी कॉल है वो एक साल में मंगवा लेना उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए लेकिन अगर मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड है तो एक साल वाला लिमिट आपके ऊपर आता नहीं है और यहाँ पे आपका फोर्टी टू पॉइंट तो खत्म होते हैं हमें डिस्कस करने और ये ब्लू पॉइंट्स तो डिटेल में डिस्कस करने हैं बट लेट्स डू वन थिंग लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक रिवेशन टू कंप्लीट दर चैप्टर का रिवेशन टूडे सो दट एक ही वीडियो में आपके पास रहे ये वीडियो आपके पास रहेगा ताकि आप जब आईसीडर रिवाइज करना चाहें तो आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और साथ में डिटेल रीड के तो कर ही सकते हैं कल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आज एकदम क्विकली देखेंगे कि सब चीजें दिल्ली दिमाग में बैठी हुई है और उसके बाद स्टार्ट द फ्रेश चैप्टर टुडे चलिए हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि आईसीडी का पूरा प्रोसीजर इस तरह से दिमाग में बैठ जाना चाहिए लेट्स सी कि हमें स्टेप वाइज भी ध्यान के लिए पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट राइट तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं आईपीओ एफपीओ की ऑफर फॉर सेल वगैरह की कि हम जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है हमने जैसे चेक कर लिया एलिजिबल है उसके बाद वी सेट द प्राइसिंग यहां पे हम डिसाइड क्यों कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट देना है ना तो यहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें फिक्स प्राइस इशू लेकर आना है या फिर बुक बिल्डिंग और बुक बिल्डिंग में भी हमें प्राइस बैंड क्या रखना है यही डिसाइड कर लेना चाहिए था जी हाँ लॉ ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि अगर हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो बस ये डिसाइड कर लो बुक बिल्डिंग करना है प्राइस बैंड थोड़ा टाइम बाद बता देना लेकिन यहां पे एटलीस्ट बेसिक डिसीजन ले लेने होंगे और अगर कोई फिक्स प्राइस इशू ले रहे हैं तो उनको प्राइसिंग फाइनलाइज भी करनी होगी यहीं पर आ जाएगा जैसे ही हो गया फिर ऑफर डॉक्यूमेंट का गेम खेलेंगे पूरा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे फिर उसके बाद में हम सब जगह पब्लिसाइज करेंगे न्यूज पेपर में देंगे कमेंट्स देंगे सभी को सभी उनका रिप्लाई देगा और उसके बाद में हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं गुड जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कर दिया ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया उसके होते ही हमें क्या देना होता है एक प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट प्रीटीजमेंट में हम ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिसाइज करते हैं अब जब हम ये सब कुछ कर चुके हैं नाउ वी आर ऑल रेडी टू ओपन द इशू सुन अच्छे से प्री इशू प्रीज जैसी ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल होकर आ गया यहां पर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल होकर आ गया सब लोग यहां पर हैं

बिल्कुल ठीक है उसके बाद में अंडर राइटर्स को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा कंपल्सरली उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना पड़ेगा वन परसेंट का और उसके बाद में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा अब आप ध्यान से देखोगे तो कैसा है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हैजॉर्टेन वन डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू यस सिक्योरिटी डिपॉजिट का मनी हैज टू बी गिवन प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू ओके फर्दर अंडर राइटर एंड मॉनिटरिंग एजेंसीज आर ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू बट ये जो दो पॉइंट है ना ट्वेल्व और फिफ्टीन ये यहां भी हो सकते हैं एक कंपनी पहले से डिसाइड कर सकती है कि अंडर किसको अपॉइंट करना है सही है एक कंपनी पहले से डिसाइड कर सकती है मॉनिटरिंग एजेंसी किसको अपॉइंट करना है सो so ये सब पहले भी संभव है ये हम वहां पे बस इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है दैट इज मोर लॉजिकल कि एक बार ऑफर डॉक्यूमेंट सभी से, से आ तो जाए उसके बाद में हम डिसाइड कर लेंगे दैट इज मोर लॉजिकल बट हां अगर आप चाहें तो इनको पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहां तक कि कुछ कंपनीज के ऑफर तो डॉक्यूमेंट के अंदर तो उनके अंडर वगैरह के डिटेल्स होते हैं तो होते हैं मतलब उन्होंने पहले से अपॉइंट किया होगा ना तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है हम इसको यहां पर लिख देते हैं गेटिंग फेयर आइडिया बट ये लोग पहले भी आ सकते हैं सबको समझ में आ रही बात ठीक है ये हुआ इसके बाद में इशू ओपनिंग हो गया इशू ओपनिंग के बाद में इशू ओपनिंग का प्रोविजन आ जाएगा पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन जैसे इशू क्लोज हुआ उसके बाद में सीधे हमें भिड़ना किस पे अलॉटमेंट प्रोविजन पे ठीक है साथ में हमें ध्यान रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर करना चाहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90 परसेंट तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम 101 परसेंट हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है अगर 100 करोड़ का इशू कर रहे हैं तो कम से कम 90 करोड़ का तो अलॉटमेंट होगा ही होगा नाइन्टी करोड़ का तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए और मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकते हैं वन करोड़ का तो ये प्रोविजन भी ध्यान रखेंगे अलॉटमेंट कर देंगे उसके बाद में क्या करना है अगर अलॉटमेंट हो गया और सभी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन भी आ गई देन वी विल रिलीज द सब्सक्रिप्शन मनी अब अगर रिजेक्शन होता है तो यहां पर वी विल रिलीज टू शेयर होल्डर्स और अगर एक्सेप्टेंस हुआ तो रिलीज इट टू द कंपनी क्योंकि पैसा एक में रखा जाता है, जब सारे पूरे हो जाते है, फिर ये पैसा को दिया जाता है तो रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टॉक एक्सचेंज आपको रिजेक्ट कर दिया कि आपकी लिस्टिंग परमिशन रिजेक्ट कर दी तो उस के अंदर विद इन फोर वर्किंग डेज यू हैव टू रिफंड मनी टू शेयर होल्डर्स नहीं कर पाए तो पंद्रह परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा और फेर आइडिया तो अरे बेटा जी ये तो आपको

प्राइसिंग देखो एक्चुअली नेक्स्ट चीज हमारी इच्छा थी यही ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करने की लेकिन उसके पहले हमें क्या डिटरमिन करना पड़ता है प्राइसिंग तो हमने प्राइसिंग डिटरमिन कर ली कर ली उसके बाद तो हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया उन्होंने सबसे पहले भाग के जाके देते हैं इशू एडवर्टीजमेंट यहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ <laughs> और हम जाके प्री प्रीश्योर दे देते हैं नाउ जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ उसके तीन दिन के अंदर हम इशू को ओपन कर सकते हैं राइट इशू कैन ओपन आफ्टर थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट इट हैज टू ओपन विद इन ट्वेल्व मंथ्स तो हमें पता है बट तीन दिन के बाद हम चाहे तो कर सकते हैं लेकिन अब इस बीच हमें कुछ चीजें करके रखनी रुकना इशू ओपन होने के एक दिन पहले क्या जाना चाहिए प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोटर हैज टू टू ब्रिंग इन डे प्रायर ओपनिंग ऑफ द इशू उसके पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को क्या देना होता है सिक्योरिटी हो गया और दो पॉइंट ऐसे है, वो हम पहले भी कर सकते हम हैं बट हम तो हमारी लिख रहे हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन चला जैसे ही ओवर हो गया दो चीजें साथ में देखते हैं एक कह लो हम अलॉटमेंट का प्रोसीजर करना चालू कर देंगे अलॉटमेंट इन सच पीरियड एज सेबी एंड रिफंड ज नॉट डन इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ फिफ्टी परसेंट पर्णन लेव वेरी इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेम यहां पर प्रोविजन भी देखते हैं कि कम से कम नाइन परसेंट तो आया होना चाहिए तभी अलॉटमेंट करोगे और मैक्म ओवर सब्सक्रप्शन वन परसेंट का एंड दट टू जस्ट फॉर दर्पज ऑफ राउंडिंग ऑफ सर ये सब कुछ हो गया उसके बाद में क्या करना है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी अगर स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल आ गया है तो वंडरफुल अपलॉटमेंट करो लिस्टिंग करो लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया है दिन योट टू रिफंड द मनी विद इन फोर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपकी लिस्टिंग रिजेक्ट कर लिया सर लेकिन एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे जनरल कंडीशन आती है वहां पर हम कह तो देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है एलिजिबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें एंटिटीज नॉट एलिजिबल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड जनरल कंडीशन वहां पे लिखा है ना स्टॉक एक्सचेंज इन प्रिंसिपल लिया है तो रूल ये कहता है कि जब भी आप कंपनी की सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं सिक्योरिटीज इशू करने के पहले आप स्टॉक एक्सचेंज लेते हैं क्या इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक एडवांस अप्रूवल और जब सिक्योरिटी इशू जाती है फिर वापस स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके लेना होता है फाइनल अप्रूवल अगर स्टॉक एक्सचेंज ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया तभी तो हमने पूरा खेल खेला पर वॉट इफ स्टॉक एक्सचेंज ने यहां पर आके हमें फाइनल अप्रूवल नहीं दिया अगर स्टॉक किसी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया तो जिस दिन उन्होंने हमें इंटीमेट किया इन्फॉर्म किया कि फाइनल अप्रूवल नहीं दे रहे उसके चार दिन के अंदर यू टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी इफ यू डू नॉट रिफंड 15 परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा आवी क्लियर एंड दिस इज द एंटायर प्रोसीजर फाइव सी डी आर डैन आपने अकेले बैठे बैठे भी प्रोसीजर बताना चाहिए कोई पूछ ले कि आईपीओ कैसे होता है एफपीओ कैसे होता है तो आप सिंपली बता पाए कि आईपीओ पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि हम एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल में तो नहीं आते हम ये थ्री करोड़ फिफ्टीन करोड़ वन करोड़ फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू वाली कंडीशन कंप्लाई करते हैं करते हैं जनरल कंडीशन कंप्लाई करते हैं करते हैं प्राइसिंग डिसाइड करनी होगी सर बुक बिल्डिंग कर रहे हैं या फिक्स प्राइस कर रहे हैं कर ली फिर ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो उसको वेबसाइट पर पब्लिसाइज करो उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो फिर जो वेबसाइट से हमें कमेंट्स आए हैं वो सेबी को दो फिर सेबी ने जो ऑब्जर्वेशन दिए उसको इनकॉर्पोरेट करो फिर उसको फाइलिंग कर दो हर जगह पर सर जैसी फाइलिंग फिर क्या

if a company's promoter or director is also promoter director of another company that company is debarred so this company also cannot come with an ipo next if at all issuer promoter director are willful defaulter or fraudulent borrower to so us case mein bhi debarred hai and if the promoter director are fugitive economic offender आप इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो प्रॉब्लम की बात ऑब्वियसली नहीं है ठीक है उसके बाद में लास्ट आता है अगर आपकी कंपनी की आउटस्टैंडिंग क्या है

उसमें से इश्यू का अमाउंट निकाल दो इंटरनल रूल निकाल दो मतलब जो अमाउंट का आप लोन लेने वाले हैं उसका 75 परसेंट का आपके पास फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए थ्रू फेरीफाइबल नीड्स

Compulsorily make the issue by book building mechanism and at least 75% has to be allotted to QIB. Life is easy यहाँ तक भी ये हुआ। फिर आते हैं additional condition for offer for sale। दो ही additional condition हैं। एक तो आलू shares have to be fully paid up और दूसरा selling shareholder must be holding those shares for at least one year। अब ये one year को लेके कुछ चीज़ें को ध्यान रखना हैं। ये one year का condition comply हो जाना चाहिए before filing of draft offer document।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उनको वन ईयर की कंडीशन कंप्लाई करने कोई आवश्यकता नहीं है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है कोई ऐसे शेयर अक्वायर्ड पर्सन टू स्कीम अप्रूव बाय हाईकोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल इन ल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल और शेयर्स विच देवर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट वन ईयर तो भी उनको कंप्लाई करने की वन ईयर की जरूरत नहीं है और लास्ट क्या जाता है बोनस अगर बोनस शेयर्स शेयर्स अगर इशू किए गए हैं ऑन सिक्योरिटीज दे हैड होल्ड फॉर वन ईयर मैंने इक्विटी शेयर्स होल्ड करके थे एक साल के लिए उस उसमें बोनस शेयर मिले मुझे बोनस शेयर को वापस वन ईयर के लिए होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है मैं उसके ऊपर डायरेक्टली ऑफर फॉर सेल कर सकता हूँ फिर नीचे कुछ सब्जेक्टिव कंडीशन है जो ऑब्वियस बात है कि जो बोनस शेयर्स है ना ये आपके क्या

ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द कंपनी एंड द इश्यू मैनेजर लीड मैनेजर ठीक है अलॉन्ग विद्यू सर्टिफिकेट बाय लीड मैनेजर अलॉन्ग विद्यू डिलीजन सर्टिफिकेट बाय ट्रस्टी बाई देर इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वंडरफुल हो गया उसके बाद में हमको इसकी कॉपी किसको देनी होती है स्टॉक एक्सचेंज अलॉन्ग विध डिटेल्स ऑफ प्रमोटर वहां पे ध्यान रखना है प्रमोटर अगर इंडिविजुअल है तो कुछ डिटेल्स अलग आएंगी प्रमोटर अगर कंपनी है तो कुछ डिटेल्स अलग आएगी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वहां पर और यहां पे इंडिविजुअल का नंबर आएगा ठीक है उसके बाद में आते हैं अगर यही जो हमारी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये हमें वेबसाइट पर अपलोड करना है इन्वाइट पब्लिक कमेंट्स कौन कौन सी वेबसाइट पर सेबी स्टॉक एक्सचेंज मर्चेंट बैंक मतलब लीड मैनेजर इनकी स्टॉक इनकी वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे टू तो इनवाइट पब्लिक पब्लिक कमेंट अब को पता कैसे चलेगा तो इसके ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करने के दो दिन के अंदर हमें देना है न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट के हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिक कमेंट इन्वाइटेड पब्लिक कमेंट्स जैसे ही आते हैं उनकी एक समरी रिपोर्ट बना के हमको देनी होती है सेबी को

को भी दे हैं, को दे देते हैं सभी को साथ ही साथ तीनों वेबसाइट पे भी फिर जगह जगह रखना वेबसाइट पे अपलोड किया है एग्जैक्ट वही वर्ड टू वर्ड ऑफर डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक को देना है आप ऐसा नहीं कर सकते वेबसाइट पे कुछ और अपलोड कर दिया है और को कुछ और same, बात है, यह यहां पर है of document, document, सारी एप्लीकेशन कैसे आएगी कंपल्सरी आसबा के थ्रू ही आएगी एप्लीकेशन लॉक डॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको देते हैं स्टॉक एक्सचेंज कितना वन परसेंट ऑफ इश्यू साइज और इसका क्या होगा इधर विल बी रिफंडेड और फोरफिटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी। ओपनिंग ऑफ द इश्यू आफ्टर थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन अगर फास्ट ट्रैक इशू है तो एस पर कंपनीज एक्ट अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो विद इन थ्री मंथ्स के अंदर आपका फर्स्ट इशू ओपन हो जाना चाहिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस में मल्टीपल इशू होते हैं तो फर्स्ट इशू विद इन थ्री मंथ्स ओपन हो जाना चाहिए अंडरराइटिंग अब यहां पे ध्यान से ये परेशान करता है जनरली अंडरराइटिंग के अंदर हमको क्या ध्यान रखते हैं फसल तो अगर आप इशू कर रहे हैं अदर देन बुक बिल्डिंग तो यू अपॉइंट अंडरराइटर

सौ करोड़ इफ द इशू साइज दूस हंड्रेड करोड़ ये ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल का ध्यान रखना है उसके बाद में कौन अपॉइंट हो सकता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स उसके बाद में ये रिपोर्ट कैसे देंगे क्वार्टरली कब तक रिपोर्ट देते रहेंगे जब तक हंड्रेड परसेंट ऑफ द मनी हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड अच्छा है एग्जाम में आ सकता है इसमें आर आई आई को खुद खोद के पढ़ा था आर आई आई के अंदर एवरी वन द बैलेंस टू भी अलॉटेड प्रोडेटा बेसिस पे इसके अंदर ध्यान रखेंगे जब भी पढ़ रहे हो आप और आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो मॉड्यूल ओपन करेंगे मॉड्यूल में न्यूरिकल उसको एक बार देख लेंगे गुड चलिए अलॉटमेंट रिफंड एंड इंटरेस्ट वेरी सिंपल कि आपको प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अलॉटमेंट कर देना है रिफंड कर देना है अनब्लॉकिंग कर देनी है अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 15 परसेंट पर एनम। और ये सब इंटरेस्ट पेबल होता है ज्वाइंटली एंड बाय इश्यूअर एंड डायरेक्टर डायरेक्टर भी पे पिक्चर में आ जाते हैं रिलीज सब्सक्रिप्शन मनी कितने समय में फोर डेज में ये भी ध्यान रखेंट है पहले सेवन एट डेज लिखा था इसको फोर डेज कर दिया गया चार दिन के अंदर जब स्टॉक एक्सचेंज ने आपको कह दिया कि वो आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं कर रहे फाइनल अप्रूवल रिजेक्ट हो गया उसके चार दिन के अंदर यूव टू रिफंड द मनी टू ऑल द यर होल्डर्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको यहां पे भी जॉइंटली एंड आता है नहीं कर पाता परिणाम का इंटरेस्ट आ जाएगा प्राइसिंग कंपनीज फ्री टू इन द प्राइस डिफरेंशियल प्राइसिंग प्राइसिंग चलिए डिफरेंशियल जनरली अलाउड है क्या नहीं लेकिन इन तीन केसेस में एक्सेप्शन डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं कभी भी तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं टेन परसेंट का रिटेल डिज इन्वेस्टर रिटेल शेयर होल्डर और इंप्लाइज अगर आप बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर भी डिस्काउंट नहीं दे सकते ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग हो रही है तो इसके अंदर परसेंट का डिस्काउंट दे सकते हो एम्प्लॉय को अगर कॉम्पोज इशू हो रहा है तो राइट इशू प्राइस एंड पब्लिक इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट बट रैशनल टू बी गिवन बहुत अच्छा है. उसके बाद में प्राइस एंड प्राइस बैंड प्राइस प्राइस बैंड कहां डिस्कोज करोगे अगर फिक्स प्राइस है तो प्रोस्पेक्टस में अगर प्राइस बैंड है तो या तो रेड हेर प्रोस्पेक्ट में या फिर न्यूज पेपर में न्यूजपेपर में डिस्कलोज करोगे टू डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू इन केस ऑफ आईपीओ वन डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इन केस ऑफ एफपीओ लाइफ इज इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहीं भी बात कर लेते हैं प्राइस और प्राइस बैंड एक बार बन गया प्राइस बैंड कैसा बनेगा प्राइस बैंड के अंदर अपर बैंड हैजू बी मैक्सिमम

इश्यू प्राइस तो भी वो एन एलिजिबल हो जाएगी इसके तीन क्यों फर्स्ट इफ दे रेडी टू पेन द डिफरेंस सेकेंड गवर्नमेंट कंपनी है अथॉरिटी है या उनकी एसपी भी है जो कि एंगेज है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो भी कंडीशन नहीं आता नेता है।, है अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी एंटिटी है जो कि स्कीम के तहत कोई भी स्कीम अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के तहत उनसे उनकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो वन ईयर तक होल्ड कर रहे थे वो लेकर और ये शेयर्स दिए गए थे तो भी उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं आएगी एफपीओ की दो कंडीशन कॉपी पेस्टर पर हो जाती है इजी बीजी फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आती है वो थोड़ी सी सिमिलर है सेकेंड से क्या कह रहे हैं लोग इफ दी प्रमोटर है पार्टनरशिप एंड देर इज बीन नो चेंज ऑफ मैनेजमेंट और लास्ट पॉइंट सबसे आसान है क्लच इजी फिर आ जाते हैं किस केस के अंदर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ही नहीं है दर्ड यूज इज एग्जामशन फॉर्म प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पहला नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर सेकंड तीन कंडीशन कंपनी होनी चाहिए द शेयर आर फ्रिक्वेंटली ट्रेटेड फॉर लास्ट थ्री इन नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंस इज रिस अपल दफ द लास्ट क्वार्टर है

इज़ इजी और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में एटीन और सिक्स जो है वो बन जाते हैं थ्री ईयर और वन ईयर इफ द सब्सटैंशियल मनी रेज इज यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मिनिमम ऑफ एंड रिजर्वेशन हम सबको बताया रिजर्वेशन ने भिन्न भिन्न प्रकार से देखा बट मुझे इतना बता दो बस कि रिजर्वेशन किन फेवर में नहीं कर सकते लीड मैनेजर्स सिंडिकेट मेंबर रजिस्ट्रार टू एन इश्यू ये और इनसे किसी भी प्रकार से रिलेटेड लोगों के फेवर में रिजर्वेशन नहीं हो सकता रिजर्वेशन इंप्लॉय के फेवर में करो एग्जिटिंग शीलो या किसी और फेयर में करो तो भी चलेगा इंप्लॉय के फेवर में रिजर्वेशन करते हैं तो मैक्सिम रिजवेशन करते हैं चलो फाइव परसेंट ऑफ वॉट पोस्ट इशू कैपिटल और अगर एग्जिस्टिंग शील्ड के फेवर में कर सकते हैं टेन परसेंट ऑफ इशू साइज कॉम्प्लेक्स है जो दे रखा है वो हमने पढ़ा ठीक है उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग यहीं पे अगर मिनिमम ऑफर टू पब्लिक की बात कर लेते हैं इफ योर कैपिटल बेस ऑन द इशू प्राइस इज अप टू सिक्स करोड़ देन द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड बी ट्वेंटी सोलह सो करोड़ से चार हजार करोड़ फोर हंड्रेड करोड़ फोर थाउजेंड करोड़ टू वन लाख करोड़ टेन परसेंट एंड मोर देन वन लाख करोड़ फाइव परसेंट लाइफ इज इजी फिर ऑफर टू पब्लिक तो इसमें तीन कैटेगरी आती है पहले के अंदर मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट टू आ रहा है मिनिमम 15% परसेंट टू एनआईआई एंड नॉट मोर 50% परसेंट टू क्यू आई बी कौन सा केस है? जब आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी हो, हो तो कंपलसरी बुक बिल्डिंग टू क्यू आईबी नॉट मोर देनिफ्टीन परसेंट टू एन आई आई नॉट मोर देन टेन परसेंट टू आर आई आई और तीसरा आता है अगर आप फिक्स प्राइस इश्यू से कर रहे हो तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट टू आर आई आई एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट टू आर आई आई बैलेंस आपको जैसे देना है, वैसे दो और एक और चीज आ जाती है कि जो भी क्यूआईबी पोर्शन है उसका सिक्सटी परसेंट जा सकता है एंकर इन्वेस्टर को एंकर इन्वेस्टर का वन थर्ड टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जबरदस्त

पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम थ्री मैक्सिमम टेन उसके बाद अगर कभी भी इस बीच आपने क्या कर लिया है प्राइस बैंड को रिवाइज कर दिया है तो पीरियड एक्सटेंड्स बाय थ्री डेज सब्जेक्ट मैक्सिमम टेन डेज और फोर्स मेजोर के कुछ केस हो जाते हैं तो भी पीरियड पीरियड एक्सटेंड्स बाय एडिशनल टॉपिक साथ में जाओ ऑफ सब्सक्रिप्शन पे कैसी गाड़ी है आपकी कहीं भी रस्ते बंद पड़ जाती है

किसी भी एंटिटी ने अपना पीरियड तो नहीं। नहीं क्योंकि प्राइस बैंड रिवाइज होता है तो पीरियड ऑफ्सक्रिप्शन एक्सटेंड बाई थ्री सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टेन डेज उसका मतलब अगर हमारा सिक्स डेज होता सब्सक्रिप्शन और हम इस बीच प्राइस बैंड रिवाइज कर देते तो ये नाइन हो जाता लेकिन अगर हमारा पहले से नाइन है और इस बीच हमने प्राइस प्राइजमेंट रिवाइज कर दिया तो ये टेन ही हो सकता है उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है और हमारा अगर पहले से पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन टेन डेज है और प्राइस प्राइजमेंट रिवाइज कर दिया तो ये टेन ही रहेगा बढ़ेगा नहीं लेकिन लॉ पढ़ने से ऐसा लगता है कि अगर हमारे पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन टेन है और फोर्स के केसेस के कारण थ्री डेज बढ़े तो ये थर्टीन हो सकता है आर गेटिंग अ फेयर आइडिया तो ऐसा लगता है सर ऐसा लगता है तो आप सही बताओ ना क्या है आज तक ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए नो बड़ी नोस जो लॉ में लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन यही बनता है और आज की तारीख में आप जितना देखो तो थ्री डेज ही रखते हैं तो टेंथ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है कभी अरे तीन में ओवर हो जाता है समझ में आ रहा है जब तीन में हो जाता है तो उनको क्या सर होते है पांच दस गेम खेलने की

10 डेज और लास्ट पॉइंट यहां पर आ जाता है बेटा जी इन केस ऑफ फोर्स मेजर द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड्स बाय थ्री डेज यहां एक और चीज है यहां पे भी कभी कभी बच्चे गलत सोचते हैं सुना अच्छे से मान लीजिए आपका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन था फिफ्थ सिक्स सेवेंथ जनवरी सही बात है आपने सिक्स को भी अगर प्राइस बैंड को रिवाइज किया इसका मतलब वो यहीं से प्लस थ्री डेज होता है ऐसा नहीं होता है कि सिक्स को रिवाइज किया तो वहां से सेवन एट नाइन ऐसा हो जाएगा नहीं जितना भी पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन था वहां से प्लस थ्री होता है फॉर एग्जांपल बैठे तरीके से समझेगा अगर मान लो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन सिक्स डेज था हमने रखा था फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और टेंथ ये रखा था आपने सेवेंथ को भी प्राइस बैंड रिवाइज किया है, तो भी वो यहां से प्लस होगा

विद इन टेन डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मैलिटीज कहा इंग्लिश हिंदी रीजनल क्या पब्लिसाइज करेंगे ऑल द डिटेल्स विध रिपेक्ट अलॉटमेंट कितने अलॉटमेंट हुए कितने रिफंड किए हमने कब रिफंड कर दिए हैं डिस्पैच कर दिए हैं क्या अनब्लॉक कर दिया है क्या पूरे डिटेल यहां पर दिए जाते हैं ताकि पब्लिक को पता चलता है इनका पूरा का पूरा इश्यू कंप्लीट हो चुका है लिस्टिंग कब होने वाली है पूरी डिटेल्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू एक बार आपने अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है वहां से लेकर जब तक आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं हो जाती लिस्टिंग नहीं हो जाती इस बीच आप कोई भी नया पब्लिक इश्यू प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट आप कोई भी प्रकार का इशू इस बीच लेकर नहीं आ सकते सिर्फ हां जो आपके इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन वो सब चलते रहेंगे उसका प्रॉब्लम नहीं है अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है सर अगर हमारा फास्ट्रेक इशू है फास्ट ट्रेक इशू में तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है ना हा भाई तो वहां पर ऑफर डॉक्यूमेंट से लिस्टिंग के बीच में आप कोई भी इशू लेकर नहीं आ सकते आर वी ऑल गुड तो ये सब चीजें थी इसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें आती हैं दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट है is, issues, उसको हम लोग आज ऑफकोर्स नहीं लेंगे ये सब चीजें कल ही लेक्चर के डिस्कस किए हैं यहाँ पे आपका आईसीडीआर पूरा एंड टू एंड कम्प्लीट होता है आई फेयर गैटिंग जब भी आपको लगता है कि आपका आईसीडीआर वीक है तो वॉट यू शुड डू यू शुड सिट विद दिस चार्ट एंड मार्क द पॉइंट्स जो आपको नहीं आ रहे आईसीडीआर वीक नहीं हो सकता कोई पॉइंट याद नहीं आ रहे हो बस तो अगर आपको लगता है पूरे फोर्टी टू पढ़ लिए सर मुझे तो इसमें मुझे फास्ट ट्रैक याद नहीं आ रहा है मुझे इशू ऑफ वारेंट याद नहीं आ रहा था मुझे ओपनिंग इशू और मुझे ओवर सप्शन याद नहीं आ रहा था तो देन आईसीआर इज गुड सिर्फ एक चार टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा सिर्फ चार टॉपिक तो पढ़ने नहीं रहा है दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अभी क्लियर ही है फ्रेश टॉपिक चलिए यस कोई सवाल यहाँ पे जी बिल्कुल होगा आईसीडीआर में ढूंढो वो प्रोविजन है कि नहीं अभी भी सिलेबस में है या नहीं है दैट इज अ डिफरेंट इशू और प्रोविजन एक्चुअली है नहीं है दैट इज अ डिफरेंट इशू तो आईसीडीआर में ढूंढो अगर आईसीडीआर मिल जाता है तो प्रोविजन अभी भी एग्जिट करता है और वैसे भी वो प्रोविजन का इतना परेशानी क्यों नहीं आता आप कोई भी कंपनी की फेस वेलो देख लो वो दस से ज्यादा है ही नहीं।, तो नहीं, तो नहीं बिल्कुल तो आप कोई भी कंपनी रिलायंस किसी की भी फेस वेलो देख लो ना वो दस रुपए ज्यादा नहीं है तो ये जो कंपनी के शेयर्स ऐसे दो ढाई पांच दस हजार है फेस वेलो दस रुपए लेके बैठे हैं वो ऐसा है बट फिर भी आप इसलिए मैं ढूंढ लो प्रोविजन कहीं कोई कंफ्यूजन होता था मुझे बोल सकते हो अभी गुड हियर चलिए जबरदस्त चलिए चलिए तूफान तरीके से शुरू करेंगे इस दर्दनाक चैप्टर को और कैंप कर करेंगे हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो उसको, उसको छोड़ सकते हैं ना तो जिंदगी में पूरे आ रहे हैं और ना ही वो जिंदगी से पूरे जा रहे हैं ये परेशानी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तो हम इनकी बात करते हैं फटाफट से रैपअप करते हैं हम लोग बात हैं रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

फेयर आइडिया अगर हम यहीं पे बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की भी, तो उसमें सब कुछ सेम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर सिंपल भाई बड़ी बात नहीं है हम वापस आते रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर हमने पूरे पूरे चैप्टर का समरी टाइप दिखता है सबसे पहले अगर हम लोग शुरू कर लेते हैं सेल फीचर्स गवर्निंग कोर्ट कौन सा रहेगा इसका रहेगा सेबी रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। लीगल स्ट्रक्चर ट्रस्ट के फॉर्म में होता है पार्टीज कौन से रहते हैं स्पॉन्सर मैनेजर ट्रस्टी हर एक स्पॉन्सर को कम से कम फाइव परसेंट खरीदना जरूरी है एंड ओवरऑल सारे साल के लिए हम लोग बात करते हैं आता है एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्टी ट्रस्टी शुड बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी अंडर द डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन थ्री ओके लिस्टिंग अनिवार्य है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की लिस्टिंग मैंडेटरी होती है

फिर आगे आते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज इट इज दिखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश कैशलेंट एज इट इज दिखते हैं तो यहां पे अलग से जो हमको दिखता है वो दिख रहा है क्या पॉइंट हमारा अनयूटिलाइज एफ एस आई एंड टीडीआर फॉर दर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन ऐसा तो एफ एस आई और टीडीआर जो है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्वेंटी परसेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बिल्कुल ठीक है चलो तो जो ये मैंने हाईलाइट किया ये वो पॉइंट है जो रीट में ही है और अगर हम बात करते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करते हुए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है डेवलपमेंटल की जगह क्या हो जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेकिन वहां पे मैक्सिमम टेन परसेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट असर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर आता है लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट ये एज इट इज आता है वहाँ पे, बस वहाँ पे इफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ कम लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया नॉट लेस देन सेवेंटी फाइव किसी का हो जाता है एटी वर्मेंट सिक्योरिटी एज इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश यूकलेंट लिक्विड म्यूचुअल फंड कैशलेंट एज इट इज मोरलेस चलो बहुत आसान वैल्यूशन ऑफिस वैल्यूशन करना होगा कैसे ईयरली अब हम रीट की बात करते हैं अच्छे से फिर इंफ्रा की बात करेंगे वैल्यूशन करना होगा आपको ईयरली बेसिस और एलिस्ट सिक्स मंथ के अंदर क्या करना होगा उसका अपडेशन और जैसे अपडेशन हुआ है वैल्यूशन उसके कितने दिन के अंदर 15 डेज के अंदर आपको उसको क्या करना होगा एनवी डिक्लेयर करना होगा तो मान लीजिए जैसे ही सिक्स मंथ हुआ अपडेट करना है लास्ट वैल्यूशन को और पंद्रह दिन में एनएवी डिक्लेयर करना है वन ईयर हुआ फुल वैल्यूशन करना है पंद्रह दिन में एन डिक्लेयर करना है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम शुड डिस्ट्रीब्यूटेड कितने समय में हाफ ईयरली बेसिस पे और उन्होंने क्या कहा है कितने दिनों में फिफ्टीन डेज के अंदर तो जैसे ही सिक्स मंथ एंड हुए आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है विद इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज लाइफ इज इजी हियर आल्सो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चाहे तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा या फिर वो थ्रू एसपीवी भी कर सकता है अगर एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट करेगा तो दो रूल आएंगे 80 रुलाएंगे सपीवी के टोटल असेट्स का एटलीस्ट एटी परसेंट शुड बी इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड एसपीवी के टोटल शेयर्स का इक्विटी शेयर्स का विद वोटिंग राइट का एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट शुड बी विद होल्ड को और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओके फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन यूनिट साइज कम से कम जो सब्सक्रिप्शन होगा दस हजार से पंद्रह हजार होगा ये अमेंड हो चुका है पहले फिफ्टी थाउजेंड वन लै को अलग हुआ करते थे अब टेन थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड कर दिया गया है उसके बाद में कम से कम ट्वेंटी फाइव परसेंट जो होगा ना यूनिट शुड बी ऑफर टू पब्लिक ओके ट्रेडिंग लॉट क्या कर दिया है वन यूनिट

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के असेट्स कम से कम होने चाहिए 500 करोड़ के और कम से कम जो पार्टीज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 200 हंड्रेड एक्सक्लूडिंग स्पॉन्सर रिलेटेड पार्टी एसोसिएट्स उनको छोड़ दो तो कम से कम 200 पब्लिक होने चाहिए जबरदस्ती मन मेरा मान नहीं रहा है अगर यही मैं कंपेयर करता हूं वापस इंफ्रा के साथ में तो टू फिफ्टी टू फिफ्टी रहता है टू क्या हो जाता है ट्वेंटी हो जाता है चलो छोड़ो ये हमने सीलियट फीचर्स देख उसके लिए उसके बाद में कुछ डेफिनेशन आती है डेफिनेशन में से कुछ डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं ओवरव्यू पे वापस आता हूं तो हमने देख लिया सीलियंट फीचर्स हो गया स्ट्रक्चर हो गया डेफिनेशन साइड डेफिनेशन देख देखें लेकिन एसोसिएट कंप्लीटेड प्रॉपर्टी होल्ड को रियल स्टेट एसपीवी पे ज्यादा फोकस करना है तो एसपीवी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसपीवी के अंदर रूल क्या आता है कि एसपीवी के टोटल असर्स का एटलीस्ट एटी परसेंट शुड बी इन रियल स्टेट प्रॉपर्टीज एसपीवी के टोटल इक्विटी इक्विटीज रेड कर फिफ्टी परसेंस विद होल्ड को और इन्फ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या एक एसपी दूसरा एसपी में इन्वेस्ट कर सकती है नहीं एसपीवी किसी और एसपीवी में इन्वेस्टमेंट नहीं

ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो रेलिवेंट अथॉरिटी दे देती है चलो हम सारी डेफिनेशन को फटाउट से रीड कर लेंगे एसोसिएट सबसे पहले एसोसिएट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एसोसिएट डिफाइन किया गया है एंड साथ में इट विल इंक्लूड एनी पर्सन हु इज कंट्रोल्ड

आप अगर कंपनी है तो आपका जो भी प्रमोटर है वो भी आपका एसोसिएट कहलाएगा तो मान लीजिए होल्ड को एसपी उनके प्रमोटर भी उनके एसोसिएट है साथ में कोई और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें सेम व्यक्ति प्रमोटर है तो वो भी आपका एसोसिएट तो इसको डायग्राम से इजीली याद रहता है कि अगर कोई भी कंपनी है तो उसका प्रमोटर भी उसका एसोसिएट और कॉमन प्रमोटर है किसी और कंपनी के तो ये कंपनी भी एसोसिएट तो प्रमोटर के साथ भी एसोसिएट का रिलेशन कोई और कंपनी कॉमन प्रमोटर है वहां पे भी एसोसिएट का डेफिनेशन और कोई इंडिविजुअल है तो एसोसिएट मींस रिलेटिव इजी बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जैसा कंपनी सेक्टर बताया गया वैसा बोनस इश्यू जब आप एडिशनल यूनिट दे देते हैं अपने यूनिट होल्डर्स को फॉर फ्री टू एवरी वन एवरी यूनिट होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट इजी होल्डिंग यूनिट्स ऑन द रिकॉर्ड डेट चेंज इन कंट्रोल चेंज इन कंट्रोल का मतलब क्या है जैसा कंपनी में बता रखा है वैसा चेंज इन कंट्रोल और चेंज इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कंप्लीटेड प्रॉपर्टी हमने देखा जिसके अंदर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है ऑक्युेंसी सर्टिफिकेट मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि रेलवेंट अथॉरिटी देती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफ एस आई बिलडेबल एरिया ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड जैसे कि मैंने आपको example दिया बहुत बड़ा फार्म लैंड है लेकिन मैं पूरे में बिल्डिंग नहीं बना सकता सिर्फ उसके अंदर वन फोर्थ पार्ट है वहीं पर हाउस बनेगा बाकी को मुझे ओपन लैंड रखना जरूरी है एफ एस आई कितना बिल्डेबल एरिया है उसको एफ एसआई कहते हैं फॉलो ऑन ऑफर जब एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सब्सिक्वेंटली सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम पे कभी भी यूनिट्स को इशू करता है उसको फॉलोन ऑफर बोलेंगे जैसे आईपीओ का एफपीओ होता है वैसे यहां पे इनिशियल ऑफर के बाद कॉलो ऑन ऑफर होता है होल्ड को हमने ऑलरेडी देखा होल्ड को में क्या कंडीशन रखी है कम से कम फिफ्टी ऑफ द द्स ऑफ होल्ड को शुड बी विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यहां पर ऐसा आ गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओके सो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट होना चाहिए विथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि इवेंचुअली प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और ये जो होल्ड को कोई भी और बिजनेस नहीं कर सकते अदर देन होल्डिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और अंडरलाइंग एसपीवी एन एवी एन एवी मतलब आप क्या करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कर देंगे उसमें से रिड्यूस कर देंगे आप एक्सटर्नल डेट को और उसको डिवाइड कर देंगे ऑफ आउटस्टैंड यूनिट एज ऑन पर्टिकुलर डेट इसके बाद तो बात करते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मींस मीनस कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ सच द सर्टिफिकेट एज मे बी गिवन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी फिर आता है एक रियल एस्टेट का मतलब रियल एस्टेट की डेफिनेशन क्या है तो रियल एस्टेट की डेफिनेशन का मतलब हो गया कि लैंड ये तो रियल एस्टेट है ही है और उसके साथ में जो भी चीजें अटैच्ड हैं वो भी रियल एस्टेट है रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड एनी परमानेंटली अटैच्ड इंप्रूवमेंट्स टू इट जिनको आप निकाल नहीं सकते तो अगर हम इस बिल्डिंग की बात करते तो ये जो पोडियम है ये रियल एस्टेट नहीं है लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं ये जो फिक्सर्स है ये रियल एस्टेट का पार्ट है ये जो इलेक्ट्रिसिटीज है ये ये रियल एस्टेट का पार्ट है ये जो हमने पीओपी के अंदर लाइट्स को लगा दिया रियल एस्टेट का पार्ट है मतलब मैं जितना डिस्कशन करूंगा उतना हो सकता है फॉर एक्साम्पल यहां तो लगा नहीं है बट क्लास मान लीजिए कोई बल्ब -बल

फिटिंग्स फिक्सर्स वेयर हाउस कार पार्क एक्सेट्रा एंड एनी अदर अट इंसीडेंट दोनों से ठीक है तो इसका मतलब है रियल एस्टेट के अंदर लैंड एंड एनी परमानेंटली अटैच्ड इंप्रूवमेंट तो जो फॉल्स सीलिंग लगी है ये भी रियल एस्टेट है फिक्सर है ये भी रियल एस्टेट है साथ में दो कार पार्किंग मिली है वो भी रियल एस्टेट है गैरेज वो भी एस्टेट है एक शेड लगा रखा है वो भी रियल एस्टेट है

एंड प्रमोटर डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ पर्सन रिफर्ड एंड क्लॉज मतलब पार्टी के जो भी प्रमोटर या फिर डायरेक्टर है वो पार्टी कौन होती है वही बात स्पॉन्सर ट्रस्टी मैनेजर इनके जो भी पार्टनर्स हो गए प्रमोटर हो गए वो भी क्या हो जाते हैं वो भी हो जाते हैं हमारे रिलेटेड पार्टी रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपने ऑलरेडी अग्रीमेंट एंटर कर लिया और वो ऑलरेडी जनरेट कर रही है लीज रेंट उसे कहते हैं रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी एसपीवी वही कंडीशन आ जाएगी 50 परसेंट वाली कंडीशन 80 परसेंट वाली कंडीशन और वो किसी भी और एसपीवी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है sponsor, एक ऐसा व्यक्ति जो सेटअप करता है ट्रस्ट को ग्रुप के अंदर तो आ गए अगर बॉडी है तो उसके बाद में जो कि उनको कंट्रोल करता है वो जिनको कंट्रोल करते हैं और एन पर्सन विच आर कंट्रोल पर्सन वही कॉमन होल्डिंग वाले जिनको कॉमन लोग कंट्रोल करते हैं स्पॉन्सर ग्रुप में कौन कौन आते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर जो आपको कंट्रोल करता है आप जिसको कंट्रोल करते हो और जो आपको कंट्रोल करता है वो अगर किसी और को भी कंट्रोल करता है तो वो भी आपके स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आई एम ए लिमिटेड इज बी लिमिटेड बी लिमिटेड कंट्रोल्स मी तो वो भी स्पॉन्सर ग्रुप में आ रहा है बी लिमिटेड अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग मी बी लिमिटेड ऑल्सो कंट्रोल एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड तो एक्स और वाई लिमिटेड भी स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर मेरे साथ में आ जाएंगे ऐसा उसके बाद में अगर स्पॉन्सर इंडिविजुअल है तो उसके इमीडिएट रिलेटिव इमीडिएट रिलेटिव इमीडिएट रिलेटिव का मतलब क्या हो गया spouse, parent, brother, sister, person, आपका जो बच्चा है वो भी आपका रिलेटिव है और आपके पति या पत्नी का जो बच्चा है वो भी आपका रिलेटिव है बहुत अच्छी बात है बी एडीज और पर्सन विच आर कंट्रोल बाय इंडिविजुअल कंट्रोल करता है वही। वही। चले। यहां तक हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली पूरी की पूरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम कोशिश करेंगे इस रिविजन में सब कुछ ही कवर कर ले। ताकि अगली बार जब तो वीडियो देखोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ठीक है उसके बाद में आते हैं इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं बहुत सारी चीज हमने देखी थी यहां अगर अच्छे से देख लिया तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखना ही नहीं पड़ता है बहुत फास्ट हो जाता है चलिए इसका रिविजन अगर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट होगा इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी इशू एंड अलॉटमेंट करेंगे इनिशियल ऑफर विल ऑलवेज भी बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू सब ऑफर आप कर सकते हैं फॉलो ऑन प्रेफरेंशियल इशू क्वालिफाइड एसोशियमू बहुत सारे मीडियम है जब भी आप इशू करेंगे मिनिमम ऑफर साइज विल भी टू फिफ्टी करोर मिनिमम रीट के असेट सुड भी फाइव हंड्रेड करोर एंड मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटी शुड भी टू हंड्रेड एक्सक्लूडिंग स्पॉन्सर

इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट अलॉट कर सकते हैं इंडियन को भी और फॉरेनर को भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो अमेंड होगा कितना हो चुका है टेन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड पहले अलग अमाउंट था ऑफर पीरियड कैन बी मैक्सिमम थर्टी डेज टी डेज तक ऑफर पीरियड आपका ओपन रह सकता है विल यूनिटीसरी कंपलसरी डीमेट भी कंपलसरी है आपको हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एवरेज प्रोस्पेक्टस देना कंपलसरी है ओ एफ एस के आएगा जब जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं टेन नॉर्मल कंपनीज को ट्वेंटी फाइव अलाउड है याद आ रहा है 25 था अब लिमिट में 35 आ चुका है अन आडेंटीफाइड इन्वेस्टमेंट भी एड कर दिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मैक्सिमम आप रख सकते हैं फॉर जनरल कॉर्पोरेट सर एक काम करो ना इसको भी इनलाइन कर दो आईसीडीआर से जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू था इसको भी ट्वेंटी कर दो अरे नहीं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करने में पच्चीस परसेंट में कौन सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लग रहा है कंपनी को मैनेज करने में लग सकता है बिजनेस है वो लेकिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करने में पच्चीस लॉजिकली नहीं है टेन भी बहुत हो गया अपर एंड पे उसके बाद में आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट अगर आपने कोई भी यूनिट्स इशू नहीं किए फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन लिया था तीन साल तक कोई यूनिट्स इशू नहीं किए तो आपको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा यहां पे आपको सभी वन ईयर का एक्सटेंशन दे सकता है उसके बाद में ओ अगर कोई करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कम से कम एक साल तक उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा चले उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई और बॉन्ड थे कोई और सिक्योरिटी थी और उसके बदले में उसको कोई शेयर मिले तो वन ईयर का होल्डिंग पीरियड वहां पर आता नहीं है मतलब कंप्लाई हो जाता है अगर पहले वाली सिक्योरिटी अपने वन ईयर तक होल्ड करके रखी थी तो उसके बाद में अलॉटमेंट रिफंड जो भी आप करेंगे वो आपको करना होगा विदिन पीरियड ऑफ ट्वेल्ल डेज अगर आप ट्वेल डेज में अलॉटमेंट या रिफंड नहीं कर पाए तो आपके ऊपर इंटरेस्ट एट रे द रेट ऑफ फिफ्टी परसेंट पर एना सर रिफंड कब कब करना पड़ता है अगर नाइनटी परसेंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो रिफंड करना पड़ेगा टू हंड्रेड से कम लोगों ने अप्लाई किया तो रिफंड करना पड़ेगा और आपने जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन है द एक्सेस है यू कैन कीप सम अमाउंट लेकिन जितना रख सकते हैं एक्सेस उससे भी ज्यादा आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा रिफंड हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 25% of the issue size. 25% of the issue size हम एक्सेस भी रख सकते हैं लेकिन उससे भी एक्सेस आया है उससे भी ज्यादा आया है तो यू हैव टू रिफंड फॉर एक्जाम्पल थाउजेंड करोड़ का इशू है तो आप 1250 फिफ्टी करोर तक भी रख सकते हो लेकिन अगर 1400 हंड्रेड करोर आ चुका है तो आपको 150 फिफ्टी करोड़ का जो एक्सेस है वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा दिस रिफंड रिफंडन विद इन ट्वेल्टी डेज चलो ठीक है

अलॉटमेंट के अंदर एक कहानी नहीं इंक्लूड होती है ऑफर डॉक्यूमेंट की वही किसी पीट कहानी है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करेगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देगा सेबी को थर्टी डेज प्रायर टू फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विजेंट सर्टिफिकेट साथ में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी किसको देगा सेबी को भी देगा फिर साथ में वेबसाइट पर भी अपलोडेगा वेबसाइट पर अपलोड करेगा टू इन्वाइट पब्लिक कमेंट्स

फाइव डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू क्या जब भी इशू ओपन करने वाले हैं, उसके पांच दिन पहले और जब भी ऑब्जर्वेशन आया उसके ट्वेल्व मंथस के अंदर फाइल हो जाना चाहिए तो इशू ओपन कब हो जाना चाहिए इशू शुड ओपन विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन एंड जब भी आप इशू ओपन करने वाले हैं, उसके पांच दिन पहले यू हैव टू फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट याद आ रहा है ना प्रोविजन फाइव डेज वन ईयर वाला ठीक है देखो ओपनिंग ऑफू इट है ओपन आफ्टर फाइव डेज फ्रॉम फाइलिंग दी ऑफर डॉक्यूमेंट एंड विद इन ट्वेल मत फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन यहां पर थोड़ा सा अलग है कि हम कब 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 फाइल करें ऑफर डॉक्यूमेंट जिस दिन भी इशू ओपन करने वाले उसके पांच दिन पहले आपको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर देना सेबीयर स्टॉक एक्सचेंज के पास ये हो गया इशू ऑफ यूनिट्स काफी आसान था कोई कॉम्प्लिकेशन की बात ही थी फिर आते हैं लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स पे लिस्टिंग में कुछ भी नहीं है सबसे पहली चीज क्लियर कर देती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली या फिर ऑब्जर्वेशन लेटर विद्रॉ कर लिया है देन यू हैव टू रिफंड विद द इंटरेस्ट ऑफ फिफ्टीन परसेंट परिणाम फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो अगर आपका लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या फिर नो ऑब्जर्वेशन जो लेटर विड्रॉ हो चुका है आपका तो ऑब्जर्वेशन लेटर विड्रॉ हो चुका है तो उसके रिफंड करना होगा अंग्रेस्ट दिफ्टी परिणाम सेटल एज पर स्टॉक एक्सचेंजन से भी ट्रेडिंग लॉट विल बी वन यूनिट पहले ये कुछ और था अब इसको वन यूनिट कर दिया गया है रीट के यूनिट्स रिडीम होंगे या तो बायबैक के माध्यम से या फिर डीलिस्टिंग के माध्यम सेब्लिक आपको कंप्लाई है, तो सकते हैं लेकिन आपको कितने लिमिट में सिक्स मंथस का समय मिलता है टू विद इन द लिमिट और मान लीजिए एनी पर्सन देन स्पॉन्सर होल्डिंग यूनिट्स स्पॉन्सर के अलावा जो भी पब्लिक इशू के पहले यूनिट्स होल्ड करके बैठा है उसके ऊपर लॉक लग जाता है फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर वन ईयर का प्री इशू

सिक्स मंथ्स लेकिन अगर मान लीजिए आपके असेट ही नहीं है फॉर पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स और उसके बाद में नेक्स्ट सिक्स मंथ्स यूनिट होल्ड की परमिशन लेने के बाद में भी आपके पास असेट्स नहीं है तो आपकी कंपनी के यूनिट्स आपके रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स को कर दिया जाएगा डीलिस्टिंग तो पहला हो गया पब्लिक होल्डिंग वॉलेट किया है ठीक है दूसरा आपके असेट्स ही नहीं है उसके बाद में आ जाता है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज आपको डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट लिस्टिंग अग्रीमेंट और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर ये जो एक पॉइंट है इसी को अगर हम वहां जाकर देखें तो उन्होंने दो अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं एक पॉइंट के अंदर रखा गया है फॉर वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट लिस्टिंग अग्रीमेंट और एक पॉइंट बना दिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर ऐसा ठीक है यहां पे, तो पे दो पॉइंट बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से पॉइंट बनाए घूर घूर के देखो मेरे को इसे देखो थोड़ा सा ये आ जाएगा चलिए स यारो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था अगर पब्लिक होल्डिंग को वॉलेट किया तो डिस्टिंग हो जाएगा दूसरा अगर नहीं फॉर मंथ्स प्लस एक्सटेंशन ऑफ सिक्स तक अट नहीं है तो आप लोगों की हो जाएगी डिलिस्टिंग उसके बाद में अगर सेबी या स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि आपने वॉयलेट किया है एक्ट को या रूल को रेगुलेशन को या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर तो भी डिलिस्टिंग कर सकते हैं उसके बाद में आपके मैनेजर ट्रस्टी स्पॉन्सर ट्रस्टीज आ रहे हैं फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर विद द अप्रूवल यूनिट होल्डर्स और लास्ट साइन यूनिट होल्डर्स खुद ही आ गए डिलिस्टिकॉइंट याद रखना पब्लिक होल्डिंग वॉलेट की बात करें तो बहुत है इनका कहना सिंपल कि कोई भी एप्लीकेट अगर डीलिस्टिंग एप्लीकेशन देगा तो सभी स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर की यूनिट होल्डर के लिए क्या सही है यह ध्यान में रखते हुए डिसीजन को देंगे उसके बाद में दे में प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम कुछ टाइम और है उसमें कर लो उसके बाद में दे में रिजेक्ट डिलिस्टिंग एप्लीकेशन एंड टेक

सुपर वंडरफुल इसके बाद में एक छोटू सा टॉपिक आता है लेकिन छोटे से टॉपिक ने मचा रखा है पहले डिस्कलोजर की बात करते हैं उसके बाद में स्ट्रेटिक इन्वेस्टर की बात करेंगे। डिस्कलोजर के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है हर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिस्कलोजर देना है इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट एस पर शेड्यूल टू शेड्यूल टू ऑफ रीट रेगुलशन जो दे रखा है वो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के देना है उसके बाद में आपको एनुअल रिपोर्ट और हाफ फिल्ड रिपोर्ट देनी है उसमें आपको देना है शेड्यूल फोर के हिसाब से डिस्कलोजर ओके okay. तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट शेड्यूल टू के हिसाब से डिस्कलोजर देना है एनुअल रिपोर्ट हाफ फिल्ड रिपोर्ट में आपको सारे एक्टिविटीज के बारे में बताना है शेड्यूल फोर के हिसाब से डिस्कलोजर देना है और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है हैज बेरिंग ऑन ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ रीट

जैसे कि कोई भी एक्विजिशन या डिस्पोजल हो रहा है जिसकी वैल्यू फाइव परसेंट ज्यादा अप्रूवल चाहिए लीगल प्रोसीडिंग हो गई है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है या फिर कोई भी नॉन कंप्लाइंस है नोटिस और रिजल्ट ऑफ मीटिंग सब चीजें एग्जाम्पल है जो मैनेजर को कंपल्सरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने स्टॉक एक्सचेंज इसके बाद में

टीलेटल बायोलेटल डेवलपमेंट फल सिस्टमिकली इंपॉर्टें एनबीएफसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड एक बार वापस नाम लेंगे एकदम अच्छे से देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक मल्टीलेटरल एंड बायलेट्रल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टमिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी फॉरिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड ये सात लोग होते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लेकिन ये डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं बनेंगे ये तब बनेंगे जब इन्होंने जॉइंटली या फिर सेवरली अप्लाई किया फॉर एटलीस्ट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ऑफर साइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड दे आर कंप्लाइंग विद फेमा के प्रोविजन एज वेल ओके इनको लेके कुछ रूल्स भी दे रखें क्या इनका होल्डिंग कम से कम फाइव परसेंट मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट पब्लिक अदर देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कम से कम ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम फाइव टू मैक्सिमम सेवेंटी फाइव सेवेंटी नाचो था तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को थाउजेंड या अब में दो क्या कम में नहीं दे सकते इट मज बी इन श्योर दैट दब्सक्रिप्शन सेपरेट अकाउंट इशूज ओपन लॉकेर पीरियड की बात करते लॉकेट लग जाता है यहां पर लिखा है चलिए और ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हमको शायद ट्वेंटी मिनट्स के आसपास लग गए कोई बात नहीं देखेंगे कितना समय लगा वो रेलिवेंट नहीं है आपको उसके बाद में आपने खुद से बैठ के देखना है कि मुझे कि कितना कितना याद नहीं आ रहा है उसको अच्छे से देखा विदाउटिंग टू वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सो जाएगी अब यहां पर हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा क्यों ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमने मेजोरिटी पढ़ ली है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा बस वहां पर मैनेजर की जगह यहाँ पे दो मैनेजर आते हैं एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर ओके फिर डेफिनेशन डेफिनेशन यही से बोलेंगे एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोट प्रोजेक्ट क्या-क्या होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले फॉर एग्जाम्पर एक्साम्पल कंप्लीटे रेवेन्यू जनरेटिंग कंप्लीटेड बट नॉट कंप्लाइंग विदेन्यू जनरेशन कंडीशन ऑफ वन ईयर एंड लास्ट इज वॉट प्री सीओडी

COD को डिफाइन कैसे करते हैं दे हैव अचीव द कमर्शियल ऑपरेशन डेट एज डिफाइंड इन द रेलेवेंट प्रोजेक्ट अग्रीमेंट इंक्लूडिंग पावर परचेज अग्रीमेंट इंक्लूडिंग कंसेशन अग्रीमेंट और सिमिलर अग्रीमेंट ठीक है they have the the पहला दूसरा दे ऑप्टेन ऑल द नेसेसरी अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन एंड दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग फिर आते हैं प्री सीओडी प्री सीओडी के अंदर क्या हो है प्री सीओडी सबसे पहला पॉइंट दे हैव नॉट अचीव्ड द कमर्शियल ऑपरेशन डेट

into person with the concessioning authority. Concessioning authority means a public sector concessioning authority. क्या explain करते हैं? Eligible infra पढ़ लिया. Infrastructure. इसका मतलब क्या है? हम यहाँ define नहीं कर रहे हैं. All the sectors which are defined by the government as infrastructure sector. यहाँ पे आपका NHI road बना रहा है, वो सब infrastructure में आ जाएगा. Power project infrastructure में आ जाएंगे. Dam बनाना infrastructure में आ जाएगा. ये सब चीजें infrastructure के अंदर cover हो जाएंगी.

पब्लिक कंसेशनिंग अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट एसपीवी कंसेशनर विच हेज बीन सिलेक्टेड ऑन द बेिस ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग सेलेक्ट करके प्राइवेट एसपीवी कंसेशनर लिया है उसका अग्रीमेंट जो होता है विद्लिक कंसेशनिंग अथॉरिटी दैट एज पीपीपी प्रोजेक्ट फिर प्रीसी ने पढ़ लिया उसके बाद में रिलेटेड पार्टी सेम जो कंपनी स्टैंड बताइए एंड इंक्लूड पार्टीज टू रीड डायरेक्टर एंड पार्टनर इन क्लॉस वन सेम कॉप से रिटर्न की रजिस्टर्ड वैल्यूर वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीस दूफ अस टोटल वैल्यू लेते हो वो सब हो गया वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है

टू हंड्रेड उसके बाद में इट मस्ट मजबिस्ट से, भी से, भी से भी, सेम, ये सब कुछ सेम चल रहा है कुछ भी चेंज नहीं है फिर आता है पब्लिक इशू होगा बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकिन हमको पता है कि भैया दो तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चालू हो सकता है एक पब्लिक इशू और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट

वो एक्सेस यू कैन कीप से भी ज्यादा का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो आपको वो भी रिफंड करना पड़ेगा एवरेज प्रस्पेक्टिस आपको देना पड़ेगा एवरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में इनिशियल ऑफर फॉलो ऑन ऑफर मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना रहेगा थर्टी डेज का रहेगा कंडीशन फॉर ओ एफ एस वन ईर का होल्डिंग रखना है अमाउंट फॉर जनरल कॉपर मैक्सिम टेन परसेंट अगर तीन साल तक आपने इशू नहीं किया तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा यहां पर वन ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है सब कुछ कॉपी पेस्ट है रीड जैसा तो यहां पे आपने क्या सीखा सिर्फ ट्वेंटी वाला लिमिट अलग है बाकी कुछ भी अलग नहीं है आर यू आरियो मी अब इसमें जो नया है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट फोकस करेंगे अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पब्लिक इशू एक ऑप्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट भी इशू ये अनलिस्टेड भी रह सकते हैं हाँ, इसको प्रोविजन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इन इन से रेस कर सकती है थ्रू इशू ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट आप इशू मेमोरेंडम कहते हैं इसको आप किसे इशू करोगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बॉडी कॉर्पोरेट को करोगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति का कितना रहेगा वन करोड़ कुछ केस में वो 25 करोड़ हो जाता है बट नॉमल इट इज वन करोड़ मिनिमम इन्वेस्टर मैक्सिमम इन्वेस्टर ओके प्लेसमेंट मेमोरेंडम हैज टू टू बी फाइल सेबी डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू यहां पे ड्राफ्ट का लॉजिक ही नहीं है जिस दिन आप इशू ओपन करने वाले उसके पांच दिन पहले सीधा प्लेसमेंट मेमोरेंडम फाइल कर दो फाइनल ऑल्सो हैज टू बी फाइल फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम हैज टू फाइल विद इन टेन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग एंड में प्रो लिस्टिंग होने के बाद में दस दिन के अंदर आपको फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी फाइल करना है एंड ऑपर इन प्रिंसिपल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज इशू टू ओपन थ्री मंथनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसको याद रखने के लिए हमने ऐसे कर दिया था कि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है तो सबसे पहले वो अप्लाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया फिर वो प्लेसमेंट मेमरेंडम सेबी के पास फाइल कर देगा ठीक है फिर उसने इश्यू मान लीजिए ओपन कर दिया प्लेसमेंट मेमरेंडम पब्लिक को दे दिया पब्लिक मतलब जो भी उसके प्राइवेटली प्लेस लोग कम से कम फाइव होनी चाहिए मैक्सम थाउजेंड होने चाहिए वो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट उनको हमने दे दिए ये जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनका कम से कम इन्वेस्ट वन का। और हमको पता चलता है यूनिट्स को हम अनलिस्टेड भी रख सकते हैं दिस इज स्टार मार्क टॉपिक अगर मैं अभी तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पढ़ाया उसमें क्या याद रखना है तो एक तो वो डेफिनेशन

सेंट ज्यादा नहीं दे सकते आपको 25 25 परसेंट तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को देना ही है अब यहां पे आता है एंकर इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो आईसीडीआर में क्या एंकर इन्वेस्टर पहले पढ़ लेते हैं एंकर इन्वेस्टर रिफर्स टू एन एप्लीकेशन फॉर टेन करोड़ मोर इन बुक बिल्डिंग इशू यहाँ पे एक और आपको बता देता हूं अगर मेन बोर्ड पर आ रहा है तो वो टेन करोड़ होता है वहीं अगर मेन बोर्ड के बाहर बात करें तो इवन टू करोड़ से भी एंकर इन्वेस्टर बन सकता है ऐसा बट हम लोग यहां पर आते हैं हम बोर्ड की बात करते हैं तो एंकर वैसे रिफर्स टू तो अ पर्सन हु इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट टेन करोर

तो कुछ रिफंड तो नहीं करेंगे लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर को कम पे अलॉट कर दिया था तो उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए जाएंगे सुपर फिर आता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में इन्वेस्टर पार्टिसिपेट एज एंकर इन्वेस्टर अलोकेशन अपू पॉइंट फाइव बिलियन हमने बात की थी मिलियन वन मिलियन इज हाउ मेनी लैक टेन लैख अब ऐसे ही ज्यादा जाना नहीं है यहां पे आप टू पॉइंट फाइव बिलियन लिखेंगे हंड्रेड करोर्स ध्यान रखेंगे थोड़ा सा फटाफट से आ जाता है इतना यहां तो डायरेक्टली काम नहीं आएगा बट कभी भी ध्यान रख लेना आपके लिए सिंपल सा लॉजिक है वन मिलियन टेन लाख टेन मिलियन हंड्रेड लैख्स हंड्रेड मिलियन टेन करोर सही है सही है वन बिलियन हंड्रेड करोड़ दिस इज हाउ दे यूज इट इंटरनेशनली से वन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन एंड देन वन बिलियन डायरेक्टली और हम लोग यहां पर जो यूज करतेट इज टेन लैक वन करोड़ टेन करोड़ हंड्रेड करोड़ समझ मार बात ठीक है तो million, 10 million, million, 1 billion. 1 billion ठीक है नहीं भी पता तो चलेगा बट पता हो तो बेटर है ना क्योंकि हमारे सिलेबस में रिलेवेंस नहीं है लेकिन इट इज जस्ट नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए तो याद बस इतना से रख लो कि वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लैख और वन बिलियन इज इक्वल टू ंड्रेड करोर ऐसी याद करना चाहते हो तो रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं जिस बच्चे को आज तक नहीं पता था पहली बार पता चला है इसको एक स्टिक नोट पर लिखना और अपने जहां बैठते हैं चिपका देना जब तक दिमाग में नहीं बैठता है, उसको चिपके बनाने दो तो। फिर दिमाग में बैठ जाएगा उसे हटा लेना चलो यहां लोग सो एंकर इन्वेस्टर के ऊपर लोकेशन होगा टू टू पॉइंट फाइव बिलियन मिनिमम टू रखना है और मोर देन टू पॉइंट फाइव मिनिमम फाइव लोगों का लोकेशन करना ही पड़ेगा लॉक इन थर्टी डेज का रहेगा लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर तो वन डेज नहीं ईयर का लॉक इन होगा ऐसा प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेगुलेशन में ओके, okay. इसके अंदर छोटे मोटे और पिद्धु पॉइंट आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा बस वहां पर देखना होता है कितना वन परसेंट यहां पर कितना देना है पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द साइज ऑफ द यूनिट्स और फिफ्टी मिलियन विच एवर इज लोअर मिलियन बिलियन के पास में डॉलर नहीं लगाएंगे ध्यान रखना है सिक्योर डिपॉजिट देना होगा बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम थर्ट तो बताते हैं यहाँ पर बता दिया मिनिमम थ्री डेज कम से कम दिन के लिए ओपन रहेगा मैक्सिम थर्ट डेज के लिए ओपन रहेगा इन केस ऑफ ऑन प्राइस बैंड दी बैंडिंग पीरियड विल एक्सटेंड बाय वन डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम थर्टी डेज आईसीडी में एक्सटेंड होता है थ्री डेज सब्जेक्ट मैक्सिमम टेन डेज यहाँ के एक्सटेंड होगा वन डे सब्जेक्ट मैक्सिमम थ्री डेज प्राइस एंड प्राइस बैंड कहानी वैसी की वैसी थोड़ी सी कि आपका फिक्स प्राइस इशू है तो ठीक है अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो प्राइस प्राइस बैंड आपको डिस्कोज करना होगा फाइव वर्किंग डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू इशू ओपन होने के पांच दिन पहले आपको डिस्क्लोज करना होगा यही आईसीडीआर में आपको डिस्क्लोज करना होता है वन डे प्रायर एफपीओ आईपीओ तो दो दिन पहले यहाँ पे आपको पर होने के दिन पहले डिस्क्लोज करना कंपलसरी है कौन से न्यूजपेपर में, में शो एडवर्टीजमेंट दिया था आसमा यहां पे ऑप्शनल है लोअरिंग और विड्रॉइंग ऑफ बिड्स इज नॉट अलाउड बिड्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कैन बी रिजेक्टेड विद रीजन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बिड को रिजेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं बाई गिविंग रीजन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट सिंपल है एंकर इन्वेस्टर को तो कैसा होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे अदरवाइज लोगों को प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे विद इन द इन्वेस्टर कैटेगरी स्पिल ओवर इज अलाउड आपको कम्युनिकेशन करना सारा फेयर और थ्रूथफुल करोगे अदर कंडीशन में स्पॉन्सर ट्रस्टी इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो कभी भी डिबार्ड नहीं होने चाहिए विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और आपको एक कंप्लाइंस अपॉइंट करना पड़ेगा उसी के लिए चैप्टर तो पढ़ रहे हैं अब वापस ये बता देती है इट इज इंपॉसिबल फॉर देम टू आस्क्यू क्वेश्चन क्या है पब्लिक इश्यू के इम्पॉसिबल इतने पॉइंट क्या सिक्सटी मार्क आंसर बन जाएगा लेकिन 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 किसी भी एक के ऊपर वो सब क्वेश्चन टाइप बना सकते तो सारे आपको पता होने चाहिए

जरूरी डीमैट फॉर्म के अंदर होंगे और यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑफ द सेम क्लास एज ऑलरेडी इश्यूड अब एक्स्ट्रा कंडीशंस आती है कम से कम सिक्स मंथ्स तक लिस्टेड होने चाहिए तभी आप प्रेफरेंशियल इशू कर पाएंगे कम से कम कितने लोगों को कर सकते हो पर ईयर मिनिमम टू मैक्सिमम थाउजेंड उसके बाद में प्लेसमेंट मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए

लो ऑफ प्रोसीडिंग टू वीक्स रेस्ट्रिक्शन की अलॉटमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू स्पॉन्सर फॉर द दर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग उसके बाद में कि ये जो लोगों को यहां पे प्रेफरेंशियल इशू मिलता है वो एक साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते अदर देन ऑन स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया फिर आता है हमारा

अब उसके बाद में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स का ध्यान ज्यादा रखना है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स कितने होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं तो पांच पब्लिक इशू कर रहे हैं तो ट्वेंटी प्राइवेट प्लेसमेंट में कम से कम पांच पब्लिक इशू से कर रहे हैं तो कम से कम ट्वेंटी उसके बाद में अगर प्राइवेट प्लेसिंग की आप लिस्टिंग करेंगे ऑप्शनल लिस्टिंग करेंगे लिस्टिंग करेंगे तो कितने दिनों में हो जानी चाहिए अगर आप कर रहे हैं विद इन थर्टी डेज हो जानी चाहिए अलॉटमेंट आपका अगर प्राइवेटली प्लेस किया है तो विद इन थर्टी डेज जो है लिस्ट हो जाने चाहिए यूनिट्स और ट्रेडिंग लॉट कितना होगा वन करोर का ये वन करोर कब है अगर आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो फिर भी लिस्ट कर रहे हो तो वन करोर और उसमें भी अगर जहां पे एट्टी परसेंट आपने कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग क्या लिखा देखो अगर 80 परसेंट कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया है तो उसके अंदर ट्रेडिंग लॉट हो जाएगा टू करोड़ जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन वन करोड़ था और अगर आपने 80 परसेंट कंप्लीट एंड रेवन्यू जनरेट में इन्वेस्ट नहीं किया तो मिनिमम एप्लीकेशन भी कितना हो जाता है ट्वेंटी करोड़ वैसे ट्रेडिंग लॉट हो जाता है वन करोड़ उससे ज्यादा बढ़ के टू करोड़ ठीक है लिस्टिंग ऑफ पब्लिक रिलेटेड है तो विद इन ट्वेल्व डेज हो जाना चाहिए और इसके अंदर ट्रेडिंग लॉट वन यूनिट है तो हम प्राइवेट और पब्लिक को कंपेयर करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप लिस्टिंग करा रहे हैं तो थर्टी डेज के अंदर लिस्टिंग होनी चाहिए पब्लिक इशू की बात करें तो ट्वेल्ल डेज में होनी चाहिए ट्रेडिंग लॉट यहाँ पे हो जाता है वन करोड़ और टू करोड़ यहां पे ट्रेडिंग लॉट इज वन यूनिट एक यूनिट भी आप ले दे सकते हैं उसके बाद में जो भी व्यक्ति प्री इश्यू होल्डिंग कर रहा है उसके ऊपर वन ईयर का लॉक इन रहता है एज यूजुअल डीलिस्टिंग सेम कॉपी पेस्ट जाता है यहां बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे हमारा

राइट टू रिसीव रिटर्न फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इवेस्टमेंट थ्रू कैश डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू वोट फॉर एक्विजेशन ऑफ न्यूअसेट और बोरिंग राइट टू वोट ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इसको आप कंपनी से रिलेट कर सकते हो एक कंपनी में शेयर होल्डर को राइट right का मिलता है इन्वेस्टमेंट करना एक लिमिट से ज्यादा बोरिंग करो एक लिमिट से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं के एमपी का तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडक्शन हो रहा है डायरेक्टर का या एग्जिट हो रहा है डायरेक्टर का इंडक्शन ऑफ स्पॉन्स और एग्जिट ऑफ स्पॉसर तो ये सब किसी में राइट एक बार देख लेते हैं राइट टू रिसीव रिटर्न ओके okay. उसके बाद राइट टू वोट फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट और बोरिंग राइट टू वोट ऑन रिलेटिव पार्टी मैटर्स राइट टू वोट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर राइट टू वोट ऑन इंडक्शन ऑफ एनी स्पॉन्सर राइट टू वोट ऑन एग्जिट ऑफ एनी स्पॉन्सर इस प्रकार के आपके पॉइंट्स हो जाते हैं ये भी ऐसे हैं कि आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लेने नॉर्मल लॉजिक से भी जाओगे आप आराम से हैंडल कर पाते हो इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लो ये अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत इजी हमको पता है कि 90 परसेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश हैज टू बी गिवन ये हमको ऑलरेडी पता है तो हम क्या कहने है? सुनना अच्छे से अगर मान लीजिए मैं एसपी हूं तो जो भी मेरा नाइन ऑफ जो भी मेरा टोटल इनकम आ रहा है उसका नाइनटी परसेंट टू बी गिवन तो जो भी मेरा इनकम आ रहा है उसका नाइन परसेंट होल्ड को और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओके okay, मैं होल्ड कहूं जो भी मेरे पास खुद ने कमाया उसका नाइन्टी परसेंट गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेकिन जो मुझे एसपीवी ने दिया वो तो एज इट इज हैज टू बी गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास में जो जो से से आया जो से आया होल्ड को उसका टोटल नाइनटी परसेंट टू गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट होल्डर्स ये देना होता है पीरियडिकली पीरियडिकली क्या होता क्या है अगर पब्लिक इशू किया तो एवरी सिक्स मंथस और प्राइवेट प्लेसमेंट इवेस्टमेंट तो एवरी ईयर ईयरली बेसिस पे तो डैम इजी Our last topic of the chapter is इन्वेस्टमेंट कंडीशन इसमें कुछ भी खास पढ़ाई नहीं है हमने इन्वेस्टमेंट कंडीशन इतना सा कहता है कि कभी भी अगर इंफ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करेगा होल्डको में एसपीवी में या सिक्योरिटी में सिक्योरिटी कौन सा भरा याद है ट्वेंटी में लिस्टेड अनलिस्टेड डेट या फिर इक्विटी शेयर लिस्टेड तो इन जगह पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वेरी गुड अगर वो एसपीबी में इन्वेस्ट करेगा या होल्डको में इवेस्ट करेगा तो दो कंडीशन का ध्यान रखना है क्या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट right आपके पास होना चाहिए और जो दूसरी पार्टी है जो दूसरे इन्वेस्टर है दे शुड नॉट प्रिवेंट यू

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रिलेस्टेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है इसके अंदर दो पॉइंट्स दैट हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली वेल स्टडिंग कहाँ लिखेंगे कहाँ लिखेंगे कहाँ लिखेंगे कहाँ लिखेंगे छोड़ो पहले तो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूं पॉइंट टू रिमेंबर फोकस करना अच्छे से स्टडी With a timer of one hour for both real estate investment trust and infrastructure investment trust. जब भी आप इसको रिवाइज करने के लिए बैठे और इससे पता है क्या है आपको चैलेंज मजा आएगा इसको रिवाइज करने में हर बार कि टाइमर लगा है मोबाइल में वन आवर का और वन आवर में दर दर दौर दौर दर दूर दौर 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 दौड़ करके आपको रिवाइज करना है हर बार ध्यान रखना है कि कभी भी सेल्फ स्टडी के टाइम पर इस पर वन आवर से ज्यादा जाना नहीं चाहिए ये चीज का ध्यान रखना है दूसरी चीज सुनना इन एग्जामिनेशन In the examination, if a topic is asked for real estate investment trust, and you have not read the topic. अंडर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बट रेडिट अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राइट दंसर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पढ़ाया रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एग्जाम में आता है वॉट इज अट्रेटिक इवेस्टर एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यही लिख दोगे आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पढ़ा है डिस्कलोजर्स याद आ रहे ऑफर डॉक्यूमेंट का डिस्कलोर होगा ये 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 होगा 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 तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पूछ लेंगे तो भी सेम डिस्कलोजर लिख दोगे बस शेड्यूल मेंशन मत करना टू और फोर बिल्कुल ठीक है सेम लिख दिया मान लीजिए कोई प्रोविजन है कोई प्रोविजन है राइट ऑफ यूनिट होल्डर वो आपने किधर पढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट आर द राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स अंडर रिलेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स वो आपको लिख देना है विथ अकॉर्डिंग चेंज मतलब आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मत लिख दो बस उसी जगह रीट रिप्लेस करके और यहां पे लिख दो वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिखा है तो उसी जगह मैनेजर रिप्लेस करके यहाँ लिख दो मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है बस तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है एंड दिस टॉपिक इज सुपर सॉर्टेड फॉर यू गाइस ये टॉपिक आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा अब इसको आपके पास जहां पर भी जगह है वहां पर लिख देंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जहां शुरू होता है वहां पर जहाँ पे भी आपके पास जगह है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जहां इशू हो रहा है फर्स्ट पेज है वहां पर जितना भी नियरेस्ट टू दिस पेज इस पेज में जहां पे भी आपके जगह है वहां पे लिख लो फर्स्ट पेज पे रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड जहां जगह वहां लिख दो सर बिल्कुल जगह नहीं भर दिया हमने रंगोली बना बना के तो फिर स्टिक नोट चिपका के लिख दो बट जहां पर भी जगह वहां पर दो चीज़ें पॉइंट्स टूनो लिख दो और बस फिर खेलों को दैश करो हाँ जी सर जी आ जाता हूँ आ जाता हूँ देख लेते हैं उसको बिल्कुल देख लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है या चलिए चीज का ध्यान रखना कहां बच्चों की गलती हो जाती है मैं आपको बताता हूं एक दो बच्चे रो दिए थे ये करने आए एग्जाम के एक दिन पहले पेपर देकर आया पिछला पढ़ाई करना शुरू किया फंडिंग को उसके हिसाब से शुरू कर दिया सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आईसीडीआर आईसीडीआर दो ढाई घंटे खा गया बेर मिनिमम खाएगा वो एग्जाम के एक दिन पहले भी खा गया उसके बाद में वो चैप्टर टू पे आ गए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी ढाई तीन घंटे खा गया एग्जाम के एक दिन पहले फिर असंभव हो जाता है पूरा सिलेबस रिवाइज करना अभी करेंगे फेयर आइडिया तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको जब भी रिवाइज करते हो वन आर के टाइमर से करना है और एग्जाम के एक दिन पहले तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स के टाइमर से ट्वेंटी मिनट्स का टाइमर है उसमें जू करके पूरा का पूरा फोटाउट से रिवाइज करना है अगर हर सेल्फ स्टडी के टाइम में वन आर में कर पा रहे हो तो आप हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी मिनट्स में कर पाओगे एग्जाम के एक दिन पहले यस यार चलिए बस खेल को देश करो फटाफट से एक ग्यारह मिनट का ब्रेक ले लो एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलेंगे हम लोग फॉर आई बी सी खेल को दैश करो एंड जी डी बी डी श्योर कि इसको एक बार आप फटाफट से घर पर बैठ के वन आवर के अंदर दर 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 रिवाइज कर रहे हो तर बी सुपर सॉर्टेड क्या चलिए सबसे क्या करेंगे हम लोग चैप्टर फोर को धुआंधार तरीके से खत्म करेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे बहुत आगे जाना है हमको यस सीआर चलिए चैप्टर फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको सीधे जाना है उसके ओवरव्यू पे यस 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 ये सियारा चलो यस पीपल पे सब लोग राइट कभी भी किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आपको सबसे पहले उसके ओवरव्यू वाले चैप्टर पर रहना है ओवरव्यू वाले पेज पर पे रहना है वहां से एक बार पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझ लेना है और उसके बाद में आगे जाना है ओवरव्यू वाले पेज के अंदर हमने ये सब लिख दिया था इसमें से आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा और उसमें ऐसा कर सकते हैं अडिशनल टॉपिक्स और अडिशनल टॉपिक्स के अंदर जो भी है वन टू थ्री फोर फाइव

पज इन्वेस्टमेंट मेथोलॉजी ये चीजें चीजें होनी चाहिए और अगर आप कोई भी से चीज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इन लेना होगा बाय टू थर्ड इन वैल्यू वेरी इजी चलो ठीक है रेगुलेशन नंबर नाइन कंप्लीट होता है फिर हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर टेन पर रेगुलशन टन टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एआफ तो रेगुलेशन नंबर टेन और रेगुलशन फिफ्टीन को पूरा पर करके कंप्लीट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन ए आई एफ इन्वेस्टमेंट बाई एफ रेगुलशन टेन बोलता है, in सबसे पहली चीज़ आती है कि आप इंडियन तो से फॉरनर से, से भी ले सकते हो इंडियन फॉरिनर एनआरआई इनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं फिर तीन लिमिट आ जाती है मिनिमम कॉर्पस ट्वेंटी करोड़ मैक्सिमम इन्वेस्टर वन थाउजेंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टर करोड ये कुछ बेसिक चीज आती है कुछ एक्स्ट्रा केसेस देखते हैं जनरल पॉइंट एक जनरल बीच में तीन बड़े पहला जनरल पॉइंट था पैसा रेज हो इंडियन फॉरेनर या एनआर से फिर तीन स्पेसिफिक पॉइंट आ जाते हैं मिनिमम कॉर्पस ट्वेंटी करोड़ का होना चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय एवरी पर्सन वन करोड़ होना चाहिए यहां पे अगर आप ए आई हो डायरेक्टर या मैनेजर के डायरेक्टर तो आपके लिए फाइव लाख हो जाता है और मिनिमम जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर वन थाउजेंड हो सकता है

इन्वेस्टमेंट बाय मैनेजर और स्पॉन्सर शुड नॉट बी ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स और इससे याद आया दैनेजर स्पॉन्सर का एक continuing interest होना चाहिए हा तो याद रखना है कि मैनेजर स्पॉन्सर की पॉइंट दोनों तरफ है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे रटना नहीं पड़ेगा तो मैनेजर स्पॉन्सर के लेके यहाँ पे भी एक पॉइंट है रेगुलेशन नंबर टेन मेंजर स्पॉन्सर नीड्स टू है कंटिन्यूंग इंटरेस्ट इन दी एफ हाउ मच टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द इन्वेस्टिबल फंड ऑर 5 करोड़ विच एवर इज लोअर एंड इफ एट ऑल कैटेगरी थ्री हो जाती है देन इट इज 5 परसेंट और विच एवर इज लोअर इजी वापस यहां पर आते हैं कि इंडिया के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं को इन्वेस्टमेंट मोर फेवरेबल टर्म्स पे नहीं हो सकता तीसरा अब तीन पॉइंट उस पर आ जाते हैं कि कहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते विदाउट सेवेंटी का अप्रूवल कोई भी ऐसे एआईएफ में जो हमारे एआईएफ का

एक और पॉइंट था शायद आ जाओ उस पेज के ऊपर यहां पे पेज नंबर रेफरेंस दिया होगा फटाफट उस पे आ जाओ अनस्टेड वाला पॉइंट हो गया सारे पॉइंट्स हो गए कोई परेशानी की बात नहीं यहां पे चार ही पॉइंट्स हैं कौन सा बाकी है आ, एक एआईएफ किसी भी एक सिंगल कंपनी में मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है टेन परसेंट

लिस्टिंग ऑफ़ तो आप चाहें तो यू मेस्ट लिस्ट इफ्टिस्टिंग की बात कर लेते हैं पढ़ा था 16 के अंदर हमने पढ़ा <coughs> कि अगर कभी भी ए इन्वेस्ट करा कैटेगरी वन में नोट्स में मत देखो खुद से कितना आ जा है देखो पहले सबसे पहले कैटेगरी वन के अंदर हमने जनरल पॉइंट में दो पॉइंट पढ़े कि कैटेगरी वन ए इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी इन्वेस्टी कंपनी में एसपीवी के अंदर किसी भी वेंचर कैपिटल टेकिंग के अंदर जनरल पॉइंट इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट बहुत स्पेसिफिक था कैटेगरी वन के जनरल पॉइंट सारे कैटेगरी के ऊपर दैट कैटेगरी वन ए आई एफ कैन नॉट इंप्लॉय लेवरेज बट इट कैन बोरो फंड फॉर टेम्पररी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट टेम्पररी फंडिंग रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू थ्री कंडीशन थर्टी डेज मैक्सिमम थर्टी डेज मैक्सिमम फोर टाइम से जनरल दोनों अंदर और यहां पर एक और चीज पढ़ी हमने कैटेगरी वन इन्वेस्ट कर सकता है अनदर कैटेगरी या फिर कैटेगरी टू में याद आ रहा है ठीक है यह पिक्चर क्लियर हुई

सोशल इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चारों की मेन कंडीशन पहले के खत्म करते हैं सबसे पहला दूसरे पे जाते हैं एस एम ई फंड एटलीस्ट से इन्वेस्टेबल फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन टू अनस्टेड सिक्योरिटीज और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ अ वेंचर कैपिटल टेकिंग और एसएमई कंपनी एन इन्वेस्टिंग कंपनी विच इज एसएमईर कंपनी इच लिस्टेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म एसएमई सेगमेंट और कंपनी प्रपोज टू लिस्टेड ऑन एसएमई सेगमेंट एसएमई प्लेटफॉर्म इजी तीसरे सोशल इंपैक्ट फंड एटलीस्टी फाइव इनवेस्टिबल फंड शुड भी इवेस्टेड इन टू अन सिक्योरिटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ अ सोशल वेंचर Units of social venture, securities of social enterprise. Life is easy. Fourth page, at least 75% infrastructure fund. At least 75% of the investable fund should be invested into unlisted security or partnership interest of a venture capital undertaking or investee company or a SPV, which is engaged in operating, developing, holding the business infrastructure projects. थ स्टैंड एनीथिंग स्टेटेड इन द फर्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे दे केन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट और डेट सिक्योरिटी ऑफ वापिस वही एसपीवी और इन्वेस्टेंट इन्वेस्टिंग कंपनी विच इंगेज इन ऑपरेटिंग होल्डिंग डेवलपिंग ऑपरेटिंग होल्डिंग डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी तो जाते हैं यहां पर अब आते हैं इनके अदर पॉइंट्स में चलिए अदर पॉइंट में सबसे पहले कैटेगरी वन की जो फर्स्ट सब कैटेगरी है और सेकंड सब कैटेगरी है दैट इज वेंचर कैपिटल फंड एंड एस फंड उसमें वो दो दो एडिशनल पॉइंट आ जाएंगे मर्चेंट बैंक वाला पॉइंट भी आ जाएगा और एग्जामेशन वाला पॉइंट भी आ जाएगा वो पॉइंट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं <coughs> वो पॉइंट ये कहता है दैट यू कैन अपॉइंट अ मर्चेंट यूर एंटर टू एन अग्रीमेंट टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर फॉर मार्केट मेकिंग एंड फॉर अंडर राइटिंग अंडर राइटिंग के लिए क्या कहेंगे फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफ अनसब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ So you can enter into an agreement with a merchant banker to appoint him to subscribe for the unsubscribed securities and to handle market making as per chapter 9, nine of SEBI ICDR regulation. This a proper point. The point jata hai that you will be exempted from Regulation 3.1, Regulation 3.2 and Regulation 4.1 of SEBI Insider Trading Regulation 2015 if you trade trading in the securities at which are listed at एक्सचेंज और एस एम ई प्लेटफॉर्म एंड यू कंप्लाई फॉलोइंग टू कंडीशन इज यू हैव टू डिस्कलोज द ट्रेडिंग डन विद इन टू ट्रेडिंग डेज एंड लॉक इन ऑफ वन ईयर ये दो पॉइंट आ जाते हैं बिल्कुल ठीक है ये कैटेगरी वन के फर्स्ट सब कैटेगरी में आ जाएंगे और सेकेंड सब कैटेगरी में भी आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ सब कैटेगरी में आने वाले नहीं है यहां पर टॉपिक क्लोज हो जाता है ठीक है अब देखते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या आ सकते हैं तो कैटेगरी वन की फर्स्ट सब कैटेगरी वेंचर कैपिटल फंड में हाँ यही लिख दिया बस हमने काफी है तो हमारा मेन पॉइंट हो गया उसके बाद दो सब पॉइंट हो गए एस फंड में आया मेन पॉइंट हो गए दो सब पॉइंट हो गए ठीक है उसके बाद में तीसरा आ रहा है सोशल इंपैक्ट फंड बहुत केयरफुली यहाँ पर मेन पॉइंट आ गया सेवेंटी वाला उसके बाद में यहाँ पर मर्चेंट बैंक वाला और एग्जामेशन वाला पॉइंट तो आता नहीं है तो यहां पर क्या आता है देकर ग्रांट ध्यान रखना सोशल इंपैक्ट तो दे कैन एक्सेप्ट ग्रांट एंड दे कैन ऑल्सो गिव अ ग्रांट बट जब वो ग्रांट एक्सेप्ट करें तो मिनिमम टेन लाख का मिनिमम ग्रांट वो लेंगे उससे कम नहीं लेते लेकिन ये अप्लाई नहीं करता है अक्रेडिट इन्वेस्टर के ऊपर सोशलट इन्वेस्टर लार्ज वैली फंड के ऊपर अप्लाई नहीं करता है ठीक है इजी बीजी कोई और पॉइंट यहां पे ईजी उसके बाद में आ जाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो मोरलेस वही वाला सब्सैशियल पॉइंट हो जाता है और यहीं पे चीजें खत्म हो जाती है अवी गुड हियर डन

कॉपी पेस्ट हो जाएगा वो वाला पॉइंट भी बोरिंग वाला पॉइंट भी ऐसे कि वो इंप्लॉय नहीं कर सकते बोरिंग अनलेस फॉर टेम्प्ररी फंडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग थ्री कंडीशन थर्टी डेज फोर टाइम्स टेन परसेंट एकदम ईजी और कोई पॉइंट ईजी पीजी ओवर फिर आ जाते हैं कैटेगरी थ्री के ऊपर कैटेगरी थ्री एकदम नलायक लोग ठीक है तो सबसे पहले ये कहा इन्वेस्ट कर सकता है सेवेंटी फाइव परसेंट वगैरह कुछ नहीं बट उन्होंने चार पांच चीजें बोल दी पहला तो ब्रह्मांड वाला पॉइंट लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्ट कर, कर सकता है उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है उसके बाद में एनी अदर एनी अदर ए आई एफ कैटेगरी थ्री पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना कैटेगरी थ्री किसी भी एफ में इन्वेस्ट कर सकता है ये हो गया उसके बाद में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है एक पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूं आप लोगों से फिजिकल डिलीवरी Yes, ध्यान रखना थ्री इन्वेस्ट कर सकता है, कर सकता है? एक और बात सबसे ब्रह्मांड वाला पॉइंट आ जाएगा ठीक है फिर आया डेरेवेटिव उसके बाद मेंनी अर ए आई एफ ये भी ठीक है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ठीक है

स जाने सो दीज आर रेगुलेशन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन तक यहां पर हम लोग आ जाते हैं अभी हियर चलिए बाकी बाद में पढ़ेंगे अब नोट्स में आते हैं जल्दी से नोट्स में नोट्स में नोट्स में नोट्स में फंडिंग, फंडिंग, फंडिंग. देखते चलिए चलिए अब हम नोट्स में बार फटावट से रिवाइज कर लेते हैं हमारा सबसे पहले हम लोग जैसे कि गए थे तो सबसे पहले रेगुलेशन नाइन में रेगुलेशन नाइन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं नोट्स में अब नोट्स में देखते देखते करो फटाफट से एक बार हमने बिना देखे कर लिया फटाफट से देखते हुए करेंगे और आगे बुक करेंगे ऑन जल्दी 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 रेगुलेशन शनर नाइन नोट्स में लिख रखा है बहुत ज्यादा इजी है इट सिंपली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तीन चीजें होती है यहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर्पस ये तीनों चीजें आपको प्लेसमेंट मेमरे में लिख के देनी होती है और यहाँ अगर कुछ भी चेंज करना टू थर्ड अप्रूवल चाहिए स्क्रीन पर मत देखो आपको दिख दिखा रहेगा बस ठीक है ये आपने नोट्स में देख देखे रेगुलशन नाइन में फिर अगर रेगुलेशन टेन इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ रेगुलेशन फिफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय एआईएफ अब आप नोट्स के अंदर देखो डायग्राम ड्रॉ किया आपके पास में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन डायग्राम को देख के फटाफट से कर रहे हैं कहा है डायग्राम रॉनी के पीछे इधर देखो सब लोग इन्वेस्टमेंट इन एफ इन्वेस्टमेंट बाई एफ अब सारे पॉइंट क... अब पिछले वाले में एक भूले तो चलता है बिना देखे कर रहे थे अब देख के कर रहे हैं, सारे पॉइंट याद आने चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एफ की बात करता हूं रेगुलेशन नंबर टेन सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि वो जब भी इन्वेस्टमेंट रेस करेगा इट कैन रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन फॉरनर बना है ठीक है सेकंड पॉइंट आ जाएगा मिनिमम कॉर्पस कितना होना चाहिए ट्वेंटी करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एवरी ये 25 हो जाएगा फॉर इंप्लाइज डायरेक्टर ऑफ ए आईफ या इंप्लॉइज डायरेक्टर ऑफ मैनेजर ऑफ ए आई एफ ओके मैक्सिम इन्वेस्टर कितने हो सकते हैं थाउजेंड ये मेजर पॉइंट हो गया साथ में हमने एक्स्ट्रा दो तीन चीजों के लिए और भी लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं हम बात करते हैं इसके बाद में कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट द मैनेजर और स्पॉन्सर हैव कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट कितना टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द कॉर्पस और फाइव करोड़ विच एवर इज लेस अगर यही कैटेगरी थ्री हो जाएगा फाइव परसेंट ऑफ कॉर्पस और टेन करोड़ ऑफ द दस फाइव परसेंट विच एवर इज लेस वे गुड हियर ठीक है उसके बाद लास्ट पॉइंट दे कैन रेस मनी ओनली बाय वे ऑफ वापस बोलते हैं तो से कैटेगरी वन एंड टू है टू पॉइंट फाइव परसेंट और फाइव करोड़ विच एवर इज लेस कैटेगरी थ्री है फाइव परसेंट और टेन करोड़ विच एवरेज लेस तो कैटेगरी और टू लिमिट डबल हो जाती है बिल्कुल ठीक है जब मैं स्पीड से बोलता हूं इधर उधर हो जाता है करेक्ट कर लो कोई परेशानी नहीं है ठीक है ये वीडियो आप में बार बार देखोगे ठीक है ना तो कोई चीज अगर गलती से बोल दी तो आप एग्जाम में गलत लिख सकते हो तो कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज इतनी स्पीड में नहीं बोलूँ अगर कहीं पर गलत हो जाती है तो आप करेक्ट कर लो उस टाइम परेशानी नहीं है चलिए ये हो गया लास्ट पॉइंट कि जब भी एफ रेस करेगा मनी दैट विल बाई वे ऑफ प्राइवेट प्लेस पर इजी सारे पॉइंट्स कवर हो गए अब हम बात करते हैं इधर के पॉइंट्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट बाय एआईएफ रेगुलेशन नंबर 15 चलो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जाता है कि कभी भी अगर आप, कर रहे हो, तो आप भारत के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट कंडीशन बाय डन को इन्वेस्टमेंट बाय मैनेजर स्पॉन्सर नॉट बी ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स ठीक है उसके बाद में जो भी आपका पैसा बचा हुआ है डायवेस्टमेंट प्रोसीजर जो भी पैसा बचा हुआ है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो लिक्विड म्यूचुअल फंड कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा सेफ जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे बस और लास्ट पॉइंट यहां पर एक आ जाता है आपका अहम सा कि कभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ए आई एफ अगर इन्वेस्ट कर रहा है किसी और ए आई एफ में जो कि इसका क्या है? अस्वेस्ट 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 है है या फिर कोई और ए आई एफ जिसके अंदर आपका स्पॉन्सर मैनेजर ही स्पॉन्सर मैनेजर है कॉमन स्पॉन्सर मैनेजर है या फिर आपके स्पॉसर मैनेजर का असोसिएट वहां पर स्पॉन्सर मैनेजर है यू कैन इन्वेस्ट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ऑफ इन वैल्यू टूड्यू अंडरस्टैंडिंग कोई पॉइंट रह गया यस वापस भूल गए हम लोग एक सिंगल कंपनी के अंदर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं 25 फाइव परसेंट केस ऑफ कैटेगरी वन एंड टू एंड टेन परसेंट केस ऑफ कैटेगरी थ्री आपके फेर आइडिया ये लिमिट डबल हो जाती है इन केस ऑफ अक्रेडिटेड इन्वेस्टर चलिए ये हो गया हमारा टेन और 15। हम आते हैं इलेवन इलेवन में कुछ भी देर का प्लेसमेंट मेमोरेंडम में क्या होता है इसमें बहुत सारे डिटेल्स होती है दे है 12 स्कीम इसमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि, कि कभी भी अगर आप कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च के थर्टी डेज पहले आपको उसका प्लेसमेंट मेमोरेंडम फाइल करना है सभी के पास सभी कुछ भी कमेंट्स कर सकता है वो कमेंट्स आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं और उसी के बाद आप स्कीम को लॉन्च करोगे और वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम किसी भी व्यक्ति को दोगे फिर आ जाता है टेन्योर टेन्योर इज टी कैटेगरी वन और टू के लिए टेन्योर इट हैज टू बी है

कैटेगरी टू एफ तो ये कहां इन्वेस्ट कर जनरल बताया उन्होंने कि किसी भी इन्वेस्टिंग किसी भी एल एल पी किसी भी एस पी में कर सकते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन कैटेगरी वन ए आई एफ ऑफ द सेम सब कैटेगरी और कैटेगरी टू ए एफ याद आ रहा है ना अच्छे समझा था हमने कि अगर कैटेगरी वन ए आई एफ कैटेगरी वन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी ऑफ द सेम सब कैटेगरी और अगर बाहर ही निकल रहे हैं तो कैटेगरी टू में कर सकते हैं दिमाग में बैठा हुआ अच्छे से पॉइंट ये जनरल पॉइंट में आ गया दूसरा बोरिंग वाली बात हो गई कि वो जनरली बोरिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी फंडिंग रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू दीज थ्री कंडीशन थर्टी डेज फोर टाइम्स टेन परसेंट आप गलती आप कर ही नहीं सकते ओवर अब आते हैं हम सब कैटेगरी वन में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मेन पॉइंट हमने पढ़ लिया एटलीस्ट ऑफ द सरप्लस फंड हैज टू बी ड इन अनलिस्टेड इक्विटी और इक्विटी लिंग इंस्ट्रोमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल सेगमेंट और एनी कम प्रोपोज टू बिस्टेड एन एस एम से प्लेटफॉर्म गुडियर ठीक है दो एडिशनल पॉइंट मर्चेंट बैंक वाला पॉइंट आ गया और एक्समशन वाला पॉइंट आ जाएगा आपका इन सैलो रेडिंग सब कैटेगरी टू एस एम ई एटलीस्ट सेवेंटी फाइव इन्वेस्टिबल फंड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल टेकिंग एनी इन्वेस्टिंग कंपनी विच इज एस और एनी कंपनी लिस्टेड ऑन एस एम प्लेटफॉर्मेंजनी प्रपोज टूर प्लेटफॉर्मेंज वे गुड हिलसो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात नहीं रही उसके बाद में जाते हैं सोशल इंपैक्ट फंड एटलीस इवेस्टल प्लस इवेंटेड इन टू अनिस्टेड सिक्योरिटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ सोशल सोशल यूनिट्स ऑफ सोशल और लास्ट आ जाता है क्या हमारा Of इसके अंदर point वो दो नहीं आते हैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट आते हैं कि वो चाहे तो ग्रांट ले भी सकते हैं और ग्रांट दे भी सकते हैं जब वो ग्रांट लेते हैं तो कम से कम दस लाख का लेंगे आसान है, है उसके बाद में आ गया कैटगरी फोर का सब कैटेगरी फोर कैटेगरी वन का इसके अंदर सेवेंटी कहां परिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल कहानी विच इज इंगेज इन of infrastructure project. not with standing anything said about you can also invest in listed securitized debt or listed debt securities. Again, wapas wahi kahani of investing company or SPV which is engaged in operating, holding, developing of infrastructure projects. Are we getting a fair idea? Life is easy up till here, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये दोनों point का explanation detail में हैं, ये हमने already पढ़ा हुआ है। अब आते हैं category two पे। Category two में अगर देखो आप एकदम आराम से, तो आपको पांच जो point दिख रहे हैं। उसमें से ये तो कॉपी पेस्टेड है ना दिमाग नहीं लगाना है वन टू थ्री आपको सिर्फ पहले दो पॉइंट याद रखने हैं कैटेगरी टू के अंदर एक अनलिस्टेड सिक्योरिटी थ्रूर ठीक है उसके बाद में आ जाती है तीन चीजें जो कॉपी पेस्ट आता है बोरिंग नहीं कर सकते लेकिन थ्री रूल बोरिंग कर सकते हैं उसके अंदर मर्चेंट बैंकर और एक्समशन फ्रॉम इन फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन सेम कॉपी पेस्ट तो पढ़ने का तो कुछ है ही नहीं फिर आता है हमारा कैटेगरी थ्री कैटेगरी थ्री के अंदर सिंपल ये इन्वेस्ट कहां कर सकता है मैंने किया था, कट जैसा क्यों लग रहा है? <laughs> चलो हमें इसकी जरूरत भी नहीं इधर दे इन्वेस्ट इन वर्ड फर्स्ट ब्रह्मांड वाला पॉइंट और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी ब्रह्मांड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स तीसरा यूनिट्स ऑफ अदर कोई लिमिट नहीं है जहां पर मनो वहां पे इन्वेस्ट करो और उसके बाद में चौथा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पीस है इट मे टेक फिजिकल डिलीवरी इन केस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव बस ये ध्यान रखना है उसके बाद में लेवरेज वाला पॉइंट आई जाता है कि इंप्लॉय कर सकते हैं लेवरेज सब्जेक्ट टू टू थिंग्स कि सेबी के लिमिट में करना है और इन्वेस्टर के कंसेंट के, के साथ करना है जितना भी लेवरेज करोगे आपको सेबी को इन्फॉर्म करते रहना खत्म हो गए बात कुछ है ही नहीं फेयर तो का वो पार्ट है जो याद रखने में परेशानी होती है बहुत ज्यादा तो ये चीजें अगर मल्टीपल रिविजन एंड नाउ 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 ये पॉइंट दिमाग में क्लियर हो चाहिए हुआ है, है कही ना कहीं ना कहीं पर ड्रॉ कर रखा ये चलिए गुड ये एक बार दिमाग में क्लियर कोई प्रॉब्लम कैटेगरी वन ए एफ जो होते हैं वो या तो सेम सब कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कैटेगरी टू में इन्वेस्ट कर सकते हैं कैटेगरी टू एफ जो होते हैं वो किसी भी कैटेगरी वन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैटेगरी टू में इन्वेस्ट कर सकते हैं कैटेगरी थ्री तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बस उसके बाद में बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक तो ए की और एक एकडिटेड इन्वेस्टर की चलो ए की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग की डेफिनेशन के अंदर कैसे फंक्शन करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड इन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया डायग्राम कैसे बन रहा है इस इंडिया स्टैब्लिश इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट एल हो गया एंड उसके विच ए पॉइंट आता है विच इज अ प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर इंडियन और फॉरेनर एंड इन इन्वेस्ट एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये डायग्राम ही बन रहा है उसके हिसाब से याद रखो उसके बाद में एंड विच इज नॉट सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन सेबी सीआईएस रेगुलेशन और एनी अदर रेगुलेशन

और फैमिली ट्रस्ट और एच यू एफ सोल प्रोप्राइटर देन द पर्सन नीड टू कंप्लाई विद एनी वन ऑफ थ्री कंडीशन स्वाम्य मैम एनुअल इनकम ऑफ टू करोर एटलीस्ट उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है दूसरा नीलम सर नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट सेवन पॉइंट फाइव सी आर आउट ऑफ विच थ्री करोर सेवेंटी फाइव लैख थ्री सेवन थ्री पॉइंट फाइव करोर तो थ्री करोड़ सेवेंटी फाइव लैख शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असेट या फिर या फिर या फिर दोनों का एक मिक्स हम लेके चलते हैं एनुअल इनकम ऑफ वन क्रोर एंड नेटवर्थ ऑफ फाइव करोर आउट ऑफ वेस्ट टू पॉइंट फाइव करोर शुड बीट इन तीनों में से एक कंडीशन कंप्लाई करोगे तो आप बन सकते हो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर ये तीनों में से कंडीशन करती है आप ऑटोमेटिकली अक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं बनते उसके बाद में भी अगर अक्रेडिटेशन एजेंसी ने आपको सर्टिफिकेट दिया तब जाके आप बनोगे बनोगेडिटेड इन्वेस्टर क्योंकि अक्रेडिटेड का मतलब है रजिस्टर्ड तो किसी को आके आपको अक्रेडिट तो करना पड़ेगा ना तभी आप बनोगे लेकिन ये पॉइंट करने में बॉडी कॉर्पोरेट एनी ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट बिकॉज फैमिली ट्रस्ट करोड़ कवर हो चुकी है उसके अंदर आपका नेटवर्क होना चाहिए कम से कम पचास करोड़ का कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म वेर ऑल द आर इंडिपेंडेंटली एलिजिबल टू बी अकेडिटेड इन्वेस्टर

चलो भगवान चलिए यहां से शुरू होती है दूसरी दुनिया सीड फंडिंग प्राइवेट इक्विटी अब ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं एकदम ही जनरलाइज टॉपिक्स हैं लेट्स रैप इट अप एज रैपेड पॉसिबल चलिए सीड फंडिंग सबसे पहले फंड सीड फंडिंग इसके अंदर आपको पांच छह पॉइंट याद रखने की कोशिश करना है सबसे पहला पॉइंट हो गया सीड इज द कैपिटल नीडेड मतलब जो इनिशियल कैपिटल आपको चाहिए होती है टू स्टार्ट बिजनेस टू एक्सपांड बिजनेस इज सीड कैपिटल ओके सेकंड ये जनरली आती है कंपनी के फाउंडर के पर्सनल असेट या फ्रेंड्स या फैमिली से पर्सनल असेट फ्रेंड्स फैमिली ज्यादा ठीक है तीसरा जनरली इसके अंदर जो स्टेज ऑफ मनी कम होता है नेक्स्ट जनरली कोई भी पैसा जो देता है वो बदले में क्या लेता है इक्विटी लेकिन यहां पे ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होते हैं रिस्की है बिकॉज वही है चले तो चांद तक वाला बाद। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग

आप डेट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हो कैसे मान लीजिए पांच करोड़ की कंपनी मुझे खरीदनी है मेरे पास दो करोड़ ही है तो तीन करोड़ मैं बोरो करता हूं और फिर पांच करोड़ की कंपनी को खरीदता हूं एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेट बाई यूजिंग डेट डेट यूज करने से मेरा रेट ऑफ रिटर्न और मैग्नीफाई हो जाता है ये मैंने आपको बताया था कैसे क्योंकि इंटरेस्ट जब मैं लूंगा डेट जब लूंगा उस उसमें तो इंटरेस्ट क्या छह सात आठ परसेंट का दूंगा और यहां पे रेट ऑफ रिटर्न अगर ट्वेंटी परसेंट भी है तो मेरे दो करोड़ पे ट्वेंटी परसेंट मिलना था अब जो ये तीन करोड़ लोन लेके दिया है उसका इंटरेस्ट मुझे सेवन परसेंट ही देना है रिटर्न ट्वेंटी परसेंट है तो वहां का भी तो थर्टीन परसेंट एक्स्ट्रा मुझे मिलने वाला है मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है गेस तो बाई यूजिंग डेट आप अपने रेट ऑफ रिटर्न को और मैग्नीफाई कर सकते हो ये पॉइंट आया उसके बाद में मेजर प्राइवर्टी के अंदर कौन होते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होते हैं जनरली वो लोग हु कैन कमिट लार्ज सम ऑफ मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट पीरियड भी ज्यादा रहता है इसके अंदर आपको डिमांड लॉन्ग होल्डिंग पीरियड टू अलाउ फॉर अ टर्न अराउंड ऑफ अ डिस्ट्रेस कंपनी जनरल पॉइंट्स ये करना है इसके तीन चार पांच पॉइंट्स ऐसे ही याद रहे फिर देन के तीन टाइप्स, इक्विटी के तीन टाइप हो जाते हैं सबसे पहला हो गया इन्वेस्ट करेंगे एक मेच्योर कंपनी में विच इज ऑलरेडी जनरेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐसी प्रैक्टिकली आप उसको पूरा पूरा बाय कर लेते हैं लेवरेज मतलब यहां पर आप डेट भी यूज करते हैं जो लेवरेज बायआउट एक ऐसी कंपनी जो कि मैच्योर है उसको पूरा आप खरीद रहे हैं पूरा कंट्रोल अपने पास में ले रहे हैं एंड यहां पे विद द यूज ऑफ लेवरेज नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल जनरली लेस मैच्योर कंपनीज होती हैं लेकिन उसके अंदर भी आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की इच्छा रखते हैं वेंचर कैपिटल थर्ड आता है ग्रोथ कैपिटल ग्रोथ कैपिटल ऐसा है जिसके अंदर आपको कंपनी का पूरा कंट्रोल मिलने वाला नहीं है एक कंपनी जो कि जिसका आपको माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है फॉर देयर ग्रोथ द कंपनी वांट्स टू ग्रो एक्सपांड बाहर देशों में जाना चाहती है अपने नए बिजनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है तो उसके अंदर आपको मिलता है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी फॉर ग्रोथ और एक्सपांशन तीनों में डिफरेंस की अगर कर बात करता हूं लेवरेज बाय आउट वेंचर कैपिटल में यू गेट सब्सेंशियल कंट्रोल ओवर द कंपनी ग्रोथ कैपिटल में आपको सब्सेंशियल कंट्रोल मिलता नहीं है वेंचर कैपिटल और ग्रोथ कैपिटल में जनरली वो लेस मेच्योर कंपनीज होती हैं लेवरेज बाय आउट में बहुत हाईली मेच्योर कंपनीज होती हैं जनरली इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं ऐसा आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये लिखना है जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी दिखेगा उसका एक फायदा है मिलेगा कि आप जब इसको बनाओगे आंसर तो आपके पास एक बना हुआ आंसर बन जाएगा एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड पॉइंट से एग्जाम में आए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीएस की तरह मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है

इंस्टीट्यूशन पेंशन फंड इंश्योरेंस फाउंडेशन कॉर्पोरेशन इंडविजल जनली टू टेन टाइम ओरिजिनल इवेस्टमेंट प्रब्लम आपको बताऊँ सबके अंदर सेम ही पॉइंट चल रहा है यहां पर जिसको मैं कहता हूं कि जनरलाइज आप रेगुलेशन नाइन ट्वेल्थी फोर्टीन फिफ्टी सिक्स वो लिख दो वहां पर मेहनत की तो आप पॉइंट को याद रख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने मेहनत क्या करो समझ में आता सबके अंदर वही कॉमन पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स लूज आउट होते हैं

फॉरन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर बन जाओ ऐसे तीन चार थे जब से फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का रेगुलेशन आया उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कर दिया तकरीबन 2015 के आसपास आया था उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन के ही करेंगे उसके बाद से इन सब की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है अभी क्लियर आज एज ऑन डेट अगर इंडिया में किसी को इन्वेस्ट करना है तो कंपलसरली उसको ये सब नहीं चलेगा उसको फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना होगा तभी वो इन्वेस्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा एफ पढ़ा होगा पहले तीन कैटेगरी हुआ करती थी अमेंड होकर दो कैटेगरी हो गई है हम लोग पढ़ेंगे जब सिलेबस में आएगा एकदम इजी बट पहले का है तो ठीक है उसके बाद में जब भी कोई भी बाहर से इन्वेस्ट करता है तो एफ में भी है यहां पर भी है तो उसको इंडिया में एक डोमेस्टिक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा कंपल्सरली और इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा विद एन इंडियन बैंक ताकि वो पैसा अच्छे से रूट होकर आ पाए विदीआई रजिस्टर्ड बैंक नॉट इन इन इंडियन बैंक तो आपको क्या करना है हु इज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर Any person from outside India who intends to invest in a venture capital undertaking in India and is registered with SEBI as a foreign venture capital investor. He has to enter into an agreement with depository. He has to enter into an agreement with a domestic custodian. Sorry, he has to enter into an agreement with a domestic custodian, and he has to open a bank account with a, with an RBI registered bank. Easy. Now, the important point? Investment condition. When we talk about investment condition, at least 66.67. थर्ड in so है इक्विटी ऑफ अ वेंचर कैपिटल एंडरटेकिंग विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड बस वो लिस्ट हो रही है डेट सिक्योरिटी कैपिटलिंग और इन्वेस्टिंग कंपनी इन विच यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इक्विटी जहां पे आपने ऑलरेडी इक्विटी इन्वेस्टमेंट रखा है उन्हीं का डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो फिर आता है लॉक वन ईयर का रहेगा और लास्ट आ जाता है एसपीवी जो स्पेशली क्रिएट हुआ है इन चार जगह पे आप रिमेनिंग वन थर्ड इन्वेस्ट कर सकते हो मैंने पहले भी कहा था वापस कह रहा हूं यहाँ पे टू मच फोकस नहीं करना है जिससे कि वहां का भूल जाओ बट लिमिट याद रखना है बहुत आसानी बड़ी बात नहीं अगर इसको छोड़ दो क्या है इन अनलिस्टेड इक्विटी इक्विटी लिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटलटेकिंग और इन्वेस्टिंग कंपनी इजी बैलेंस कहां पर कर सकते हैं नॉट मोर देन वन थर्ड नॉट मोर देन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट यू कैन इन्वेस्ट इन वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड आईपीओल आ रही है डेट इज सिक्योरिटी ऑफ अ वेंचर कैपिटलटेकिंग इन्वेस्टिंग कंपनी वेर यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इक्विटी प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी बट सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑफ वन ईयर और एनी अदर एस पी विच इज स्पेशली क्रिएटेड अंडर स्पेशन कैपिटल इन्वेस्टर रेगुलेशन ऐसा तो पीजी तरीके से याद हो जाता है और यहाँ पे पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है अब देखो तो चैप्टर में है क्या कुछ खास है ही नहीं बस इसका मल्टीपल रिविजन करते रहे तो हम सब लोग साथ में रहते हैं फिर आता है इसके अंदर एक और चीज जो आपको परेशान करता है दैट इज आइफ के एडिशनल टॉपिक्स एडिशनल टॉपिक्स में दम नहीं है इसको आते ही थोड़ा सा लाइट लेने लग जाओ इधर आना फोकस करना सबसे एडिशनल टॉपिक्स पे आते हैं एडिशनल टॉपिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या

ये नई कि जो भी आई हैं, उनको अपने असेट रिलेटेड अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने फॉर पीरियड ऑफ फाइव ईयर सर असेट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मतलब असेट और उनका वैल्यूएशन कैसा हुआ है? इन्वेस्टमेंट आपने

स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट यह पार्ट याद हो जाना चाहिए चलो स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक होता है अर्ली स्टेज एक होता है लेटर स्टेज अर्ली स्टेज के अंदर वन टू थ्री थ्री पॉइंट्स थे लेटर स्टेज में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पॉइंट्स थे चलो मुझे से अर्ली स्टेज के तीन एस 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 सीड कैपिटल स्टार्टअप सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग सीड कैपिटल स्टार्टअप सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग सीड कैपिटल स्टार्टअप सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग और वहीं अगर मैं बात करता हूं लेटर स्टेज की तो वहां पे रुको मेमिट डेट आर सही है चलो डी से डेवलपमेंटल कैपिटल ई से एक्सपेंशन कैपिटल बी से

रिप्लेसमेंट कैपिटल और लास्ट इज टर्न अराउंड रिप्लेसमेंट कैपिटल सिंपल की अगर मान लीजिए कंपनी के छह प्रमोटर्स हैं उनमें से कोई भी एक प्रमोटर वो कंपनी छोड़ना चाहता है तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आ जाते हैं उनके इन्वेस्टमेंट से उनकी प्रमोटर होल्डिंग को खरीद लेते हैं और रिप्लेसमेंट कैपिटल के नाम पर चले जाते हैं लास्ट इज टर्न अराउंड कोई भी ऐसी कंपनी जो कि डिस्ट्रेस्ड है लाइक वीडियोकॉन लाइक वोडाफोन जो कि एक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर खरीदते हैं स्पेशलाइज डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं खुद वहां पे काम करते हैं और उस कंपनी को डिस्ट्रेस से निकालते हैं फिर बेच के चले जाते हैं अब कैटिंग ए फेर आइडिया तो ये हो गया

कि किसकी जिम्मेदारी होगी लॉ देखने की ट्रस्टीज की और मैनेजर की इनकी जिम्मेदारी है, है, है।, है हाँ ये पॉइंट ध्यान रखो कभी भी अगर प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर चेंज हो रहा है तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं अब उसके दो रूट हैं भाई अगर आपका ओपन एंडेड है <coughs> अगर आपका ओपन एंडेड है तो दो तरीके से आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक तो ये कि सर आपको एग्जिट चाहिए क्या ठीक है हम इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं पैसे आ जाएगा आपके यूनिट्स के पैसे आपको दे देंगे एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूसरी एग्जिट अपॉर्चुनिटी वी विल लुक फॉर अदर बायर्स आपको यूनिट्स बेचने ना तो वो लोग आपसे आपके यूनिट्स खरीद लेंगे तो ये दो तरीके से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है इन केस ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ क्लोज एंडेड हम कॉर्पस को चेंज नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट बेचने का ऑप्शन नहीं है थ्री इस तो हम ये सब चेंज नहीं कर सकते तो उस में एक ही ऑप्शन से एक्सिट अपॉर्चुनिटी देंगे लुकिंग फॉर अदर बायर्स एंड उनको आपकी यूनिट्स बेच देंगे और आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा इस प्रकार से समझ लो कि दो तरीके से इन्वेस्टमेंट In बेच के और आपको प्राइमरी हमने एक्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी दूसरा सेकेंडरी मार्केट में आपके यूनिट्स को बेच के और आपको एक्जिट अपॉर्चुनिटी दी तो अगर यूनिट ओपन एंडेड है तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ऑप्शन है और यूनिट क्लोज एंडेड है तो सेकेंडरी का ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्पस चेंज करने का ऑप्शन नहीं है यहां पर यह आता है उसके बाद में आता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है कुछ भी नहीं कि सेबी ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रखा है कैसे आई ओ एस सी ओ का मल्टीलेटरल एमओयू का सिग्नेटरी सेबी तो इसके तहत बहुत सारे हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि यूएस का एस है यू का एफ है ये सब उनके उनके सेबी हैं जैसे इंडिया में सेबी है यूएस में एस है यूके में एफ है एफ है तो ये जो है ये उनके उनके सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर हैं तो ये सब लोग सिग्नेटरी हैं टू मल्टीलिटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई ओ इसके तहत हमारे ए को वहाँ इन्वेस्टमेंट करना ईजी जाता है उनके ए को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ईजी जाता है आई वी गेटिंग अ फेयर आइडिया एंड हियर इज पार्ट इज ओवर छोटी मोटी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी होगी वो सब हमने कवर नहीं किया है अदरवाइज एवरीथिंग इज कवर्ड हियर

एंजल फंड में जो इन्वेस्ट करता है वो एंजल इन्वेस्टर अब हम आ गए ऑन द टॉपिक ऑफ हुज एन एंजल इन्वेस्टर एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए भी डिपेंड करता है कि आपकी आप कौन है उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी आएगी चलिए यहां पर आ जाते हैं फटाफट से उसकी इन्वेस्टमेंट कंडीशन फैमिली कनेक्शन है, हमें जाने की जरूरत नहीं है एंजल फंड एंजल फंड में जो इन्वेस्ट करता है वो एंजल इन्वेस्टर एंजल इन्वेस्टर कौन होता है कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल नेट टेंजिबल असेट ऑफ टू करोड़ एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल रेसिडेंस कम से कम दो करोड़ का उनका नेट टेंजिबल असेट होना चाहिए एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल रेसिडेंस ओके एंड इसके साथ साथ इन तीनों में से एक चीज एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट या फिर वह होने चाहिए सीरियल ऑन सीनियर प्रोफेशनल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट इयर्स इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए और साथ में नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए उनके पास दो करोड़ का तब एक व्यक्ति इंडिविजुअल कहलाएगा एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल नहीं है सर अगर कोई कंपनी है तो मिनिमम नेटवर्थ ऑफ टेन करोड़ और अगर कोई भी ए आई एफ या वेंचर कैपिटल फंड है रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलेशन तो वो तो बनी जाते हैं एंजल इन्वेस्टर रुको इसके बाद में और चीज आती है एंजल फंड के अंदर कंडीशन इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड के लिए तीन चीजें आ गई मिनिमम कॉर्पस नॉर्मली ट्वेंटी करोड़ एंजल फंड के लिए फाइव करोड़ नॉर्मली वन करोड़ एंजल फंड के लिए ट्वेंटी फाइव लैक एंड मैक्म नंबर ऑफ इन्वेस्टर नॉर्मली वन थाउज एंजल के लिए टू हंड्रेड इस चीज का ध्यान रखना है उसके बाद में कैनरी मनी ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इट्स इजी एंजल फंड के यूनिट्स कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकते एक छोटी सी बात है चलो ते इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड एंजल फंड अगर कभी भी इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्टअप इन्वेस्ट करेंगे लेकिन दो चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोई भी ऐसा स्टार्टअप इज प्रमोटेड रिलेटेड स्पॉन्सर्ड टू एन इंडस्ट्रियल ग्रुप हाउ टर्न ओवर थ्री हंड्रेड करोड़ है इट कैन कोई भी ऐसा स्टार्टअप है इज प्रमोटेड रेगुलेटेड स्पॉन्सर्ड बाय एन बा टर्न ओवर तीन सौ करोड़ है यहां पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते और कोई भी ऐसा स्टार्टअप जहां पर एंजल फंड के एंजल इन्वेस्टर के फैमिली कनेक्शन है वहां भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फैमिली कनेक्शन का मीनिंग हमने देखा था वापस देख लेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति से कितना लेंगे ट्वेंटी फाइव लैख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टेन करोड़ आप लेंगे नहीं आप कितना इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो एंजल फंड मैक्सिमम इन इन सिंगल कंपनी एंड दे हैव टू है मैक्म ट्वेंटी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो भी इन्वेस्टेबल है उसका मैक्सिमम ट्वेंटी एंड नॉट इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएट्स कोई भी एंजल फंड अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है इस पर भी डिस्कशन किया था फोकस करना है पे अच्छे से ये एंजल फंड है है ये एंजल एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा दिया होगा और ये यहाँ पे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं सही है अब ये क्लियरली क्या बता रहे हैं समझना ये क्लियरली ऐसा बता रहे हैं कि एंजल फंड के जो एंजल इन्वेस्टर है उनका अगर कहीं पे भी फैमिली कनेक्शन है किसी भी स्टार्टअप में तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है और अगर मान लीजिए कोई भी स्टार्टअप ऐसा है जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रुप बिलोंग करता है जिसका टर्न 300 करोड़ है तो वहां पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसके बाद में लास्ट में बोलते हैं ए ये जो हमारा एंजल फंड है ये एंजल फंड का अगर कोई एसोसिएट है तो वहां पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते नॉर्मल ए में ऐसा रूल नहीं है एंजल फंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ ए ना मुझे बताओ ए में कौन सा कैटेगरी है यह कैटेगरी वन का भी सब कैटेगरी वन ये वाला होता है एंजल फंड ये वाला होता है एंजल फंड हमने बेर में देखा था तो नॉर्मल ए पे तो रूल होता है ना कि ए अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेवेंटी यूनिट होल्डर ए आई यूनिट्स लिस्ट हो सकते हैं ट्रेडिंग लॉट वन करोड़ तो एंजल फंड के लिए रूल्स अलग हैं ये अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता ए की यूनिट्स कभी भी लिस्ट नहीं हो सकते AIF के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टर 200 हो सकते हैं उससे ज्यादा अलाउड नहीं है ए इन्वेस्टमेंट अबाउट 25 फाइव लाख है तो इस प्रकार के कुछ डिफ्रेंसिएशन फैक्टर्स रहते हैं एंजल फंड के लिए अभी से अलग होता है एंजल फंड टू ऑल ऑफ दीज अराउंट चलिए ठीक है ये हो गया इसके बाद में फैमिली कनेक्शन चलिए इधर आ जाओ एंजल फंड के अंदर हम फैमिली कनेक्शन कब बोलेंगे कोई भी एंजल इन्वेस्टर है अगर एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल है तो वन टू और थ्री अगर एंजल फंड इंडिविजुअल है तो कोई भी अगर मान लीजिए ये व्यक्ति या उसका रिलेटिव अगर प्रमोटर है किसी भी कंपनी में तो ये कंपनी हो जाएगी कंपनी फैमिली कनेक्शन हमारा इन्वेस्टर या उसका रिलेटिव अगर डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो यह कंपनी भी हो जाएगी कंपनी फैमिली कनेक्शन और हमारा इन्वेस्टर या उसका रिलेटिव के पास कितना 15 परसेंट का कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट है किसी कंपनी के अंदर तो ये कंपनी भी हो जाएगी कंपनी कनेक्शन इजी चलिए फिर हमने देखा इन्वेस्टर अगर कंपनी है तो भी वन टू और थ्री उस कंपनी की जो भी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होगी वो भी बन जाएंगी हमारी कंपनी कनेक्शन सिस्टर कंसर्न अगर कोई है तो वो भी हो जाएगी कंपनी कनेक्शन सर सिस्टर कंसर्न मतलब अगर एंजल फंड अदर एंजल इन्वेस्टर और एक कंपनी इज अंडर द सेम मैनेजमेंट सेम मैनेजमेंट सेम ओनरशिप सेम पेरेंट कंपनी है तो उसे कहते हैं सिस्टर कंसर्न ऐसे देखेंगे अगर मान लो हमारा इन्वेस्टर है ए लिमिटेड तो ए लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी है और ए लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है वो हो जाएगी कंपनी फैमिली कनेक्शन सेकेंड पॉइंट सिस्टर कंसर्न में कैसा आता है ए लिमिटेड है यहां पे कोई बी लिमिटेड है और इन दोनों को होल्ड करते हैं टाटा सन्स या कोई भी एक्स लिमिटेड तो ये दोनों का डायरेक्ट रिश्ता तो है ही नहीं लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये रिश्ता कहलाता है सिस्टर कंसर्न क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन उनका कॉमन पेरेंट कंपनी है तो अगर ये भी आ जाता है सेकंड पॉइंट के अंदर अगर आपके कॉमन पेरेंट कंपनी है कॉमन ग्रुप आपको कंट्रोल करता है सेम मैनेजमेंट है तो वहां पर भी आपको कहा जाएगा कंपनी विद फैमिली कनेक्शन और लास्ट ऑफ कोर्स आ जाता है कि हमारा जो एंजल इन्वेस्टर कंपनी है वो अगर किसी भी कंपनी के अंदर फिफ्टीन कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट रखता है तो वो भी हो जाएगा हमारा कंपनी विद फैमिली कनेक्शन तो कभी भी कोई भी एंजल फंड अपने इन्वेस्टर का जो फैमिली कनेक्शन जिस स्टार्टअप में है वहां पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता अभी घटेगा फेर आइडिया अभी एंड दिस इज चैप्टर नंबर फोर कंप्लीटेड इस रिविजन के अंदर हमने मोरलेस दो बार रिविजन किया है पूरा इसको भी अगर आपने बार 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 देख लिया तो यू बी सुपर सॉर्टेड आई गेस विद चैप्टर नंबर फोर ऑलसो एंड विद दिस विद चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर फोर दो चैप्टर्स जो सबसे भयंकर चैप्टर्स कहते हैं दे आर डन एंड अब लाइफ थोड़ी सी आसान होगी कोई सवाल है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज वे मूव और यस प्लीज सर टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी वो आपको लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख लो ठीक है यस आप अभी लिख लो लेकिन उससे और बेहतर आपके लिए कब होगा जब जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए ना उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में साथ में जो मॉडल आंसर दे रखे हैं वहां पर जो आंसर है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा बड़ा अभी लिखने में कोई नुकसान तो है ही नहीं हाँ जी पूछो सर सब, सब तो आपका कहना है कि अगर कभी भी तो किसी तो. एक सब कैटेगरी पर अगर क्वेश्चन आए तो अगर किसी भी सब कैटेगरी पर क्वेश्चन आए तो आपको स्पेसिफिक फोकस तो उसमें इसी चीज पर रहेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट कंडीशन है और उसके जो पॉइंट्स हो गए अगर आपको लगता है कि आपका समय है तो आप ऊपर वाला वो पॉइंट भी लिखते हो बस कौन सा वाला बोरिंग वाला काफी है मैंडेटरी नहीं है मतलब अगर अपन बात करते हैं कि मॉडल आंसर में या फिर बेरैक में क्या तो बेरैक में वही पॉइंट दे रखे हैं क्योंकि ऊपर तो जनरल पॉइंट कॉमन आ गए ना और वैसे अगर अपन जनरल पॉइंट पे जाना चाहें तो तो फिर जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशन भी 15 में तो बहुत जनरल हो जाएगा लेकिन आई थिंक बोरिंग वाला पॉइंट भी लिख दिया तो वो इनफ हो जाता है चले वे गल हम लोगों ने शुरू किया था सबसे सब पहले के अंदर अंदर हमने bond. Bond में हमने में होता क्या जिसके अभी हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू फेस वैल्यू होती है वो पीरियोडिकली हमें क्या देता रहता है इंटरेस्ट दिस पीरियड कुड बी एनुअल द एंड ऑफ वी विल गेट आर प्रिंसिपल बैक ऑन मेच्योरिटी इजी फिर मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड बता दिए थे इन्होंने कौन कौन से बताए थे गवर्नमेंट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंक एंड फाइनेंशियल बॉन्ड टैक्स सेविंग बॉन्ड इसके अंदर कुछ फीचर्स हमें पता होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड है जिस बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट और इवन पीएसयू जो पीएसयू भी गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड्स होते हैं लेकिन फीचर है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बॉन्ड इश्यूड कंपनीज दीज कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बैंक इंस्टीट्यूशन बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा मार्केट ऑफ बॉन्ड इज बाय दीज बॉन्ड्स ओनली बिकॉज सरकार उतनी फ्रीक्वेंटली इशू नहीं करती है तो देन पब्लिक को इवेंचुअली इंस्टीट्यूशन बॉन्ड लेने पड़ते हैं ये सबसे बड़े पैमाने पे सबसे ज्यादा जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो ये होते हैं इसके अंदर क्या अनिवार्य होता है क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग लेना इनको अनिवार्य है तो क्रेडिट रेटिंग के बेस पे पब्लिक डिसाइड करती है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं और नेक्स्ट आते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड कि यहां पर इंटरेस्ट तो मिलता ही है लेकिन इंटरेस्ट साथ साथ आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट बहुत ईजी कभी सवाल एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड्स के अंदर ही मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड रिफर्स टू दो बॉन्ड्स जो कि आपको किससे प्रोटेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क एक्सचेंज रेट रिस्क से जो बॉन्ड प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं मसाला बॉन्ड एक्सचेंज रेट रिस्क का होगा आपको कि कभी भी आप मान लीजिए इंडिया के बाहर से लोन ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट इफ द रुपीट डेप्रिशिएट यू विल एंड अप पेइंग मोर मनी इवन इन केस ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट फिर इन्होंने कुछ मेच्योरिटी की बात की कि अगर मान लीजिए आपका हो रहा है लोन का अमाउंट यूएस डॉलर अप टू 50 मिलियन तो मेच्योरिटी कितना होगा थ्री इयर्स मोर देन फिफ्टी मिलियन मेच्योरिटी रहेगा फाइव इयर्स ऑल इन कॉस्ट सीलिंग रहना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड ईल्ड प्लस थ्री हंड्रेड बेसिस पॉइंट और लास्ट में कौन रेस कर सकता है ओनली एलिजिबल जो बॉरोवर्स हैं वही लोग रेस कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट डायरेक्शन फिर हम लोग टॉपिक चेंज करके जाते हैं बैंक फाइनेंस तो देखने फर्स्ट हो गया बॉन्ड बहुत इजी इस एग्जाम में सवाल पूछना कम है कम संभावना है आएगा तो मसाला बॉन्ड पे आएगा तो मसाला बॉन्ड के अंदर यही लिखना होता है कि एक्सचेंज रेट रिस्क से प्रोटेक्ट करता है और पूरा एक्सचेंज रेट रिस्क के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है फिर हम लोग आते हैं बैंक फाइनेंस को लेकर तो बैंक फाइनेंस के अंदर यहां पर उन्होंने बताया है हमको फंड बेस्ड फाइनेंस नॉन फंड नहीं बताया फंड बेड फाइनेंस के अंदर सबसे पहले आता है ओवर ड्राफ्ट ओवर के अंदर पढ़ते हैं हम सब लोग सबसे पहले उंग द कस्टमर टू ड्रॉ चेक ओवर एंड अब क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट मेरे क्रेडिट बैलेंस जितना मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा इश्यू कर सकता हूं नॉर्मली अलाउड टू करंट अकाउंट कस्टमर्स एक्सेप्शनल केसेस में हम किस को अलाउ कर देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट को भी उसके बाद में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली होता है और ये जनरली होते हैं क्लीन बट नीचे बताया दो टाइप के हो सकते हैं सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं मतलब क्लीन भी हो सकते हैं और सिक्योर्ड भी हो सकते हैं बहुत इजी चार पॉइंट ओवरड्राफ्ट फिर हम लोगों का आता है कैश क्रेडिट अकाउंट दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बोरो जनरली इसका टेन्य होता है ओपन कैश क्रेडिट एंड की कैश क्रेडिट की कैश क्रेडिट का मतलब सिक्योर्ड इसका लॉजिक ऐसा था कि हमने सारे गुड्स को एक जगह पर रख दिया है उसकी चाबी लगा दी हमने और ये चाबी हम लोगों ने दे दी जिनसे लोन लिया था इस प्रकार से कुछ चलिए ठीक है तो यहां पर आ गया कैश क्रेडिट अकाउंट तो कैश क्रेडिट अकाउंट इज ऑलसो टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट डिफरेंस इज जनरली ओवरड्राफ्ट में हमारा पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर हमारा जनरली नेगेटिव बैलेंस ही होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्स फाइनेंस बिल्स फाइनेंस में इन्होंने कॉम्प्लिकेट तरीके से दिया है हमने पढ़ा था कि यहाँ पे छह टाइप के बिल्स हमने पढ़े उन छहों को हमें एक्सप्लेन कर देना है बस सबसे पहले अगर बिल्स फाइनेंस की बात करते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एंड क्लीन डॉक्यूमेंट्री बिल्स वो होते हैं जिनके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं क्लीन वो होते हैं जिनके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है डॉक्यूमेंट्री फर्दर गु� दो टाइप के हो सकते हैं पेमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी अगर बिल्स एक्सेप्ट किया उसी समय पर सामने वाला पेमेंट दे रहा है अगर सॉरी डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अगर बिल एक्सेप्ट किया उसी समय पे मुझे डिलीवरी मिल जाती है मैंने बिल को एक्सेप्ट किया मुझे डिलीवरी मिल गई ये हो गया डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है कि मुझे डिलीवरी तभी मिलेगी जब मैंने एक्चुअल पेमेंट कर दिया है तो ये दो टाइप के हो सकते हैं बिल्स फर्दर हमने देखा कि बिल दो टाइप के और हो सकते हैं डिमांड बिल एंड यूजेंस बिल डिमांड बिल का होता है जिसके अंदर बिल इज पेमेंट ऑन डिमांड एट साइड जब मांगा तो पे करना होगा और दूसरा होता है यूजेंस बिल जिसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आपको बिल का कर रिपेमेंट करना है तो आपको अगर कभी बिल फाइनेंस आता है तो आपको छह के छह बिल फाइनेंस को एक्सप्लेन कर देना है बस एंड यू आर गुड टू गो और आप ऐसा लिख सकते हो डॉक्यूमेंट्री क्लीन डॉक्यूमेंट्री दो टाइप के होते हैं डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट और सेपरेटी बिल ऑफ एक्सचेंज दो टाइप के हो सकते हैं डिमांड बिल एंड यूजेंस बिल अभी कटिया आप उसमें रीड करने जाएंगे तो वो कंफ्यूज कर देंगे आपको उनका क्या लिखा है उन्होंने उन्होंने लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं डिमांड और यूसेंस फिर डिमांड होता है डॉक्यूमेंट्री क्लीन फिर डॉक्यूमेंट्री होता है डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट और एंड में बोल दिया डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट ही होता है यूसेंस पर वापस बोलता हूं उन्होंने क्या लिख के दिया उन्होंने लिख के दिया है ऑफ एक्शन दो टाइप का होगा डिमांड यूसेंस डिमांड दो टाइप का होगा डॉक्यूमेंट्री क्लीन डॉक्यूमेंट्री दो टाइप का होगा डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस इज ओनली नोन एज अगेंस एक्सेप्टोन एजेंस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं आपको चलिए तो हमें इस प्रकार से लिखना है इजी जाएगा इसके बाद में आ जाते हैं हमारा लीज फाइनेंसिंग इसमें सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए द बिजनेस ऑफ लीजिंग वॉट इज द बिजनेस ऑफ लीजिंग वेर एनी पर्सन इज पेइंग द मनी टू द सप्लायर द सप्लायर डिलीवर्स द गुड्स टू द लेसी द लेसी यूजेज इट एंड गिवज द लीज रेंटल टू द लेसर दिस इज लीजिंग And when this lesser is taking a loan from a bank, that is known as lease फाइनेंसिंग तो बैंक लोन दे रहा है लेसर को टू बाय asset ये जो असेट है यही एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखी गई है

ट दी कॉन्ट्रैक्ट और फिर यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था डिफरेंट एंड लीज फाइनेंसिंग जब बैंक एक लेसर के बिजनेस को फाइनेंस करता है is, कुछ चीजें पड़ी थी हमने सिक्योरिटी के तौर पर क्या होता है सिक्योरिटी के पास है, वही बैंक ने सिक्योरिटी जनरली रहता है और इकोनॉमिक लाइफ विच एवर इज लेस विच एवर इज लेस इसके बाद हम सब चले जाते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर फाइनेंस ठीक है तो बॉन्ड्स हो गया उसके बाद में हम लोगों ने बोलिया बैंक फाइनेंस पढ़ लिया अब आगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को किस प्रकार से फाइनेंस ऑप्शन दिए गए इंपोर्टर पहले खत्म करते हैं तीन ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट एंड ईसीबीबी चैप्टर नाइन में पढ़ेंगे परचेज ले कर, कर लेना है बायर्स क्रेडिट तो बायर को अपने हिसाब से ओवरसीज बैंक से लोन लेना है सप्लायर्स क्रेडिट बायर जिससे गुड्स खरीद रहा है उसी को यह बोले कि हम आपको डाउन पेमेंट दे देते हैं और आप ही को इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे सप्लायर्स क्रेडिट

रिसोर्सेस एलिजिबल रिसोर्सेस फिर आता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ये भी शॉर्ट टर्म एडवांस है जो कि आपको बाद में मिलता है आफ्टर द शिपमेंट इसको आप रिपे कर सकते हैं दो सोर्सेज से या तो आप इसको रिपे कर सकते सकेंगे फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट जो गुड्स बेचे हैं उसके प्रोसीड से या फिर अगेन एलिजिबल रिसोर्सेस से इसके बाद में आ जाता है आपका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट बस यहां पे यही चीज ध्यान रखिए कि किन चार चीजों को डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर किया गया सब है सबसे पहला आता है इफ इट ऑल यू सप्लाइंग गुड्स टू प्रोजेक्ट इन इंडिया विच आर फंडेड बाय इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज़ उसके बाद में गुड्स टू यूनिट्स एसिजेड नेक्स्ट फॉरेन शिपिंग कंपनी होते हुए जा रही हैं अगर हमने कोई भी वगैरह को जहां पे मैं पैसा मिल रहा है foreign currency में ये चार चीजें डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होती हैं क्या चार चीजें सबसे पहला हो जाता है हम जो गुड्स सप्लाईड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया फंडेड बाय इंटरनेशनल मल्टीलिटर एजेंसी सप्लाइड टू SCZ फॉरिन शिपिंग कंपनी कॉलिंग इंडियन पोर्ट्स एंड लास्ट इज कोई भी हमने अगर गुड्स सप्लाई की तो फॉरेन टूरिस्ट एक्सेट्रा जहां पे पैसा मिल रहा है हमें फॉरेन करेंसी में ओके okay. ये भी सिमिलर है इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना फिर आता है फॉरेन एक्सपोर्ट यही प्री शिपमेंट के लिए मिलता है या तो हम लोन ले, ले लेंगे इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट कर देंगे या फिर लोन ही लेंगे फॉरन करेंसी में या फिर तीसरा जबरदस्ती बोलते हैं शिपमेंट ले लो फॉरन करेंसी में पोस्ट शिपमेंट लेना बली रुपीज या फॉरन करेंसी में उसके बाद में जनरली मिलता है फॉर मैक्सिम पीरियड ऑफ थ्री सिक्सटी डेज ये लिक्विडेट हो जाता है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हो बाय डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल जब भी हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी की वहां बार बार हर पॉइंट में आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल

पॉइंट है है ये पार्ट है जो याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है और इसी के साथ में खत्म हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंसिंग तो अगर हम देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा बॉन्ड इजी है बॉन्ड के चार टाइप इजी है मसाला बॉन्ड इजी है उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं बैंक फाइनेंसिंग ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बिल फाइनेंस लीजिंग फाइनेंस हायर परचेज इजी है फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बायर्स क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट ईसीबी एक्सपोर्ट के अंदर भी रुपी क्रेडिट स्कीम रुपी डीम क्रेडिट स्कीम फॉरेन करेंसी स्कीम प्रीपोस्ट 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 ओके इजी बहुत कठिन नहीं है यहाँ तक का इसके बाद में यहां से हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स प्रोजेक्ट फाइनेंस सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराना है तो उसके दो तरीके हैं वन इज कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, वन इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में कंपनी एज अ होल विल बी रिस्पॉसिबल टू द पेमेंट कंपनी के पेमेंट बट कंपनी के लोन री यहां पर जनरली दे आर कॉस्टलियर सी एफ वाई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कॉस्टलियर बिकॉज बैंक के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क होता है इसलिए फिर यहां फाइनेंसिंग जनरली कैसी होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है सिक्योर्ड के सेट्स एंड कैश फ्लो द बैंक ऑफ फाइनेंशियल कैन एज्यूम कंट्रोल ओवर दिस प्रोजेक्ट इफ इट ऑल वी आर नॉट पेंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन लोकेशन इज अ कॉम्पोनेट यहां पर टेक्निकल इनवा मेंटल इकोनॉमिक पोलिटिकल रिस्क हैव टू बी असिस्ट लेंडर्स में डिसाइड दैट प्रोजेक्ट इज अन फाइनेंसियबल उनको लगता है तो वो कह सकते हैं अनफाइनेंसियबल है okay. यही सब चीजें वापस उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से बोली थी फीचर्स में फीचर्स में इट इज कैपिटल इंटेंसिव जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट फाइनेंस लगता है ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट फाइनेंस लगता है है हाईली इसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट होता लॉन्ग टर्म से 20 साल का होता है इंडिपेंडेंट एंटिटी विदाइनेट लाइफ इनके कहने का मतलब यही है कि प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो अपने कैश फ्लो से और असट से लोन का रीपेमेंट करने वाला है नॉन रिकॉर्स और लिमिटेड रिकॉर्ड होता है जनरली यहां पर नॉन रिकॉर्स रहेगा मनी पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर नेशनल पार्टिसिपेंट्स रह सकते हैं अलोकेटेड रिस्क बहुत सारी रिस्क होगी जो आपको चेक करनी है अलोकेट करनी है जो हमने मेजर चार ऊपर पड़ ली वो कौन सी थी मुझे बताओ इकोनॉमिक रिस्क टेक्निकल रिस्क इन्वायरमेंटल रिस्क पॉलिटिकल रिस्क उसके अलावा हमें भर भर के और भी रिस्क दे रखी कंट्री रिस्क मार्केट रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क प्रोडक्ट रिस्क सप्लाई रिस्क फंडिंग रिस्क करेंसी रिस्क इंटरेस्ट रिस्क जो इनमें से आता थी वो भी हाँ पे ऐड कर लेंगे और लास्ट में आ जाते हैं हमारा कॉस्टली जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऑप्शन से प्रोजेक्ट फाइनेंस थोड़ा सा महंगा रहता है तो ऊपर जो भी पढ़ते हैं वो ये वापस रिपीट टेलीकास्ट में में फीचर्स बता देते हैं एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस तो पूरा लिखेंगे उसमें फीचर्स भी लिख सकते हैं हम या फिर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है वट आर द फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस उसमें से फीचर्स लिखने होंगे चले उसके बाद में आ जाता है अगला हमारा गरीब सा टॉपिक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यहां पे क्या होता है कोई भी व्यक्ति बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं, वो प्लेज़ पे रखकर और पैसा ले सकता है। एलिजिबल सिक्योरिटीज़ बैंक बैंक डिफर करती है, लेकिन जनरली देखना मत नोट्स में डिमेट्राइज बॉन्ड्स किसके नाबार्ड के होने चाहिए डिबेंचर्स कैसे होने चाहिए नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए सर्टिफिकेट कौन से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र ये होने चाहिए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होनी चाहिए पॉलिसीज कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए ऐसे करोगे तो याद इजीली रहेगा कि इनके साथ में कुछ एक एडजेक्टिव बोल दो उनको कि इनके एडजेक्टिव्स कुछ तो हैं जो साथ में ऐड होते हैं वो सब भी याद करना है तो ये सब जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज हैं फिर उनके फीचर्स आ जाते हैं कुछ जैसे कि सिक्योर्ड होता है ऑब्वियसली बात है ना लोन अगेंस सिक्योरिटी सो सिक्योर तो है यही आपका लोन टेन्योर इसका जनरली वन ईयर ही होता है लॉन्ग टर्म नहीं होता है लोन प्रोजेक्ट जो होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वो लॉन्ग टर्म होता है लोन अगेंस सिक्योरिटी लॉन्ग शॉर्ट टर्म होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली कम होता है एज कम्पेयर टू पर्सनल फाइनेंस तो भी ट्वेल्व टू फिफ्टीन तो यहां पर रहता है प्रोसेसिंग फीस अप्रोसीमेटली 2% लोन का अमाउंट डिपेंड करता है कि मार्जिन कितना कट करेंगे यहां पर उन्होंने बताया था कि 50% कट कर लेते हैं जनरली हमने अभी जब आरबीआई के गाइडलाइंस पढ़े तो वहां पे तो क्या लिखा था कि अगर शेयर्स फिजिकल में हैं तो 50 टू 60 परसेंट मार्जिन कट करेंगे और अगर शेयर्स डीमेट में है तो 25 टू 40 कट करेंगे फिर आता है प्रीपेमेंट चार्जेस कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं ये हो गया फीचर्स ऑफ लोन अगेन सिक्योरिटीज फिर आता है हमारा टॉपिक ऑफ फैक्टरिंग 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 के अंदर तीन पार्टीज होती है सेलर बायर और फैक्टर वेरी इजी फैक्टरिंग के प्रोसेस पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फैक्टरिंग के प्रोसेस के अंदर आपको पहले ढूंढना पड़ता है हमारे लिए फैक्टर उसके बाद में ढूंढ के उसके साथ में अग्रीमेंट कर लेते हैं फिर होते हैं बाद में फैक्टरिंग प्रॉपर तो फैक्टरिंग के प्रोसेस के प्रोसेस अंदर टू में तो हाउ डू फाइनलाइज योर फैक्टर वही था और ट्वेल्व टू फिफ्टीन में बताया था कि फैक्टरिंग कैसे होती है तो हम यहां पर आते हैं सबसे पहले सेलर अपने सारी डिटेल सीधे फैक्टर को बताते हैं पंडित जी को बताता है पंडित जी पंडित जी मतलब यहां पर क्या होते हैं ब्रोकर या फिर फंडिंग स्पेशलिस्ट तो जो भी सेलर है वो अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट डिटेल्स बताएगा एक फंडिंग स्पेशलिस्ट ब्रोकर को ब्रोकर उन सबको ऑर्गेनाइज तरीके से पेंडाउन करवा लेगा फिर वो अपने जो भी फैक्टर्स होंगे उन सबको फंडर्स भी कहते हैं जिनको उन सबको डिटेल्स भेजेगा उनमें से जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अप्रोच करेगा उसके बाद में अगर प्राइमा फेसी फंडिंग स्पेशलिस्ट को लगता है कि हाँ ये एक दूसरे की नीड सर्व कर सकते हैं तो उनको मिलाया जाएगा मीटिंग की जाएगी वहां पर देके ना क्वेश्चन टू इच अदर उनके एक दूसरे के सवाल जवाब होंगे हाँ यहां पे उसके बाद में अगर वो प्राइमा फेसी रेडी होते हैं तो वहां पर सेलर को एक बेसिक पेमेंट देना होगा फंडर को ताकि वो क्या कर पाए ड्यू डिजेंस लीगल फीस को कॉस्ट कवर करने के लिए एक पेमेंट करना होगा अब वो डिटेल में ड्यू डिलीजेंस करेगा चेक करेगा कि कोई भी उनके फर्दर सवाल वगैरह है क्या वो सब सवाल अगर उनके जवाब हो गए दे दे आर देन एंटर इनटू अ फाइनल अग्रीमेंट वहां पे सब कुछ लिख लेते हैं कि एडवांस कितना दिया जाएगा फंडिंग का कौन सा टाइप होगा रिकॉर्स होगा नॉन रिकॉर्स होगा यह सब चीजें लिख के अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है दिस इज हाउ डू यू फाइंड अ फंडर उसके बाद में एक बार आपका चीज इसको ध्यान रखना डायग्राम को भी अच्छे अच्छे से से रीड रीड करोगे करोगे पूरे प्रोसेस को भी अच्छे से क्योंकि तो में मार्क्स में फिर आ जाता है, है फिर तो नॉर्मल होता है कि जैसे ही कोई भी सेल हुआ क्रेडिट तुरंत फैक्स कर देगा फैक्टर को फैक्टर उसका पेमेंट कर देगा और डेट पे फैक्टर कलेक्ट कर लेगा दिस इज आउ फैक्टरिंग विल बी हैपनिंग थ्रू आउट फिर अप्रेजल मेथड कि कोई भी जो लोन होता है अप्रेजल मेथड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कोई भी अप्रेजल मेथड होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड क्रेडिट प्रोडक्ट वो किस प्रकार से होगा कोई भी बायर है हमारी बायर थी यहां पे संस्कृति संस्कृति को यहां से एक घर खरीदने के लिए बैंक लोन चाहिए था तो सबसे पहले उसने एप्लीकेशन दी बैंक में एप्लीकेशन के साथ में उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए बैंक को बैंक सबसे पहला जाता है प्री सेंशन विजिट पे कि प्राइम इनको लोन देना है नहीं देना है प्री सेंशन विजिट हो गया अब उनको लगता है है कि हाँ, इनको लोन दे सकते हैं हैं बैंक चेक करता आरबीआई का डिफॉल्टर लिस्ट लिस्ट जो भी आपके बड़ी बड़ी ऐसी हुई जिसमें भी जो भी लोगों ने नॉन पेमेंट किया है सिविल डेटा स्कोर ये सब अच्छे से चेक करके डिसाइड करता है कि लोन देना है या नहीं अगर यहाँ पे प्राइमाफेसी अग्री करते हैं तो फिर तीन डॉक्यूमेंट और मांगे जाते हैं पहला टाइटल क्लियरेंस फ्रॉम एम्पेनल्ड एडवोकेट्स वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम इम्पैनल वैल्यूअर्स एंड फाइनेंशियल डेटा ये सब आ जाता है तो इसके बाद में वो उनकी जो भी लोन सेंशनिंग अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट सेंशनिंग अथॉरिटी वो डिसाइड करती है कि उनको लोन देना है या नहीं और यहां पे डिसाइड हो गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉर्डी जिस खुशियां ही खुशियां और यहां पर पूरा पूरा चैप्टर एट एंड हो जाता है रुक जाना एक बार चैप्टर एट के हमने एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़े एक बार देखते हैं हम लोग हाँ जी

इनको ऐसा कह रखा है कि ये लोग जब भी इनका सेंशन वर्किंग कैपिटल लिमिट है सेंशन वर्किंग कैपिटल फंड है उसका एटलीस्ट फोर्टी तो परसेंट इनको वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ेगा रिमेनिंग के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो भी इंडिविजुअल्स लोन अगेन सिक्योरिटी लेने आएंगे उनको दस लाख या बीस लाख तक की ही दी जाएगी इंडिविजुअल्स को फिजिकल और डीमैट के उनके शेयर से अकॉर्डिंगली तो फिजिकल है तो दस लाख डीमैट है तो बीस लाख इतना दे देंगे और वहां पे मार्जिन जनरली कितना चलेगा अगर फिजिकल है तो फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट का मार्जिन लेंगे और डीमेट है तो ट्वेंटी फाइव टू फॉर्टी परसेंट का मार्जिन लेंगे ये पढ़ा फिर पड़ा फोर फेटिंग क्या होता है इट इज एक्जैक्टली लाइक फैक्ट्री बट डिफरेंस इतना है यहां पर एक्सपोर्ट बिल्स जो होते हैं एक्सपोर्ट बिल्स को हम क्या करते हैं डिस्काउंटिंग कर लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों ने यहां से हल्दीराम हल्दीराम कोई भी गुड्स बेच रहा है उससे पैसे लेने बाकी है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है मीडियम थ्री टू फाइव ईयर्स लॉन्ग टर्म टेन ईयर्स तक तो उससे हमें पैसे लेने बाकी हैं वो अपने बैंक से को एक्सेप्ट करा के कराकर डॉक्यूमेंट हमको देता है ताकि हम भारत में किसी से भी किसी से भी मतलब एग्जिम बैंक से एग्जिम बैंक से जाकर उसको क्या करा सकते हैं डिस्काउंट करा सकते हैं दैट इज फोर फिटिंग ईजी फिर हम लोग हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस की पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट का नाम बोलो पूरी खिचड़ी बना दो स्पॉन्सर कस्टमर सप्लायर बैंक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट कंपनी ये सब हो गए हमारे की पार्टिसिपेंट फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पॉइंट वापस खिचड़ी बना दो इंट्रोडक्शन पेज समरी पेज चीफ रेशियो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रमोटर्स डिटेल क्वालिफिकेशन लोकेशन प्रोजेक्ट का क्या रहेगा

स ये सब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते फर्दर दे डू नॉट इवन टेक शेयर ऑफ द प्रॉफिट और वही वो अपने इन्वेस्टर्स को भी देते हैं इस तरह सी एम ए डेटा सी में बोलते क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा इसमें तीन चीजें होगी आपके पास फाइनेंशियल हिस्ट्री करंट फाइनेंशियल पोजिशन फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग पास में कितने साल का डेटा थ्री इयर्स का ऑडिटेड डेटा होगा करंट फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट प्रोजेक्शन के साथ होगा और फर्दर फाइव टू सेवन इयर्स का आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी रहेगा फिर हमने अप्रेजल ऑफ वर्किंग कैपिटल में फाइव मेथड से पढ़े नहीं है अभी तक और अप्रेजल ऑफ टर्म लोन के अंदर हमने पढ़ा टर्म लोन को अप्रेज करने के लिए चार चीजें पड़ी थी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखेंगे टेक्निकल वायबिलिटी देखेंगे मैनेजल कॉम्पिटेंस देखेंगे एक चीज और देखेंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी देखेंगे तो ये चारों चीजें यहां पर आती है गुड हियर बस अगर ऐसा आप कर पाते हैं, कर पाते कर पाते तो कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे हंड्रेड एंड परसेंट विल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स फटाफट हम लोग एक बार एडिशनल शीट पे जाके नजर घुमा लेते हैं चलिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैंडल अंडर एल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं मैं नहीं 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 मैं स yes. यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमने वही पड़ी कि ऐसा कहता है कि जो भी लार्ज बोरोवर्स हैं मतलब जिनका वर्किंग कैपिटल लिमिट पंद्रह सौ मिलियन या उससे ज्यादा है उनका जो भी वर्किंग कैपिटल फंड वर्किंग कैपिटल लिमिट उसका एटलीट फोर्टी परसेंट उनको क्या करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल लोन लेना ही पड़ेगा बैलेंस के लिए वो क्या कर सकते हैं कैश क्रेडिट फेसिलिटी ले सकते हैं ठीक है वन पार्ट ओवर सेकंड पार्ट लोन अगेंस्ट शेयर जब भी होता है तो उनको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम दस लाख का मिलेगा और मैक्सिमम बीस लाख का मिलेगा डीमैट दस लाख का मिलेगा इनकेस ऑफ फिजिकल शेयर और मार्जिन रहेगा फिजिकल के केस में फिफ्टी टू सिक्स परसेंट का और मार्जिन रहेगा डीमैट के केस में टू का मार्जिन वो है जो बैंक कट करता है आपको लोन देते हैं एक करोड़ का घर है ट्वेंटी मार्जिन है तो वो एट्टी लाख का ही लोन देता है ऐसा फिर आता है फोर फेटिंग जैसे कि हमने पढ़ा ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म रहता है मीडियम मतलब थ्री टू फाइव ईयर लॉन्ग टर्म मतलब टेन ईयर्स तक के लोन होता है उसके जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब हम डिस्काउंट करा देते हैं दैट इज नोन एज फोर फेटिंग फोर फेडिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लिखा है एकदम अच्छे से फोर फेडिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए भारत का एक्सपोर्टर है वो अपने बिल को पहले तो इंपोर्टर उस व्यक्ति को बोलता है कि आप अपने बैंक से या किसी भी रेप्यूटेड बैंक से उसको को एक्सेप्ट करके देखो अविलाईज डॉक्यूमेंट दो हमको फिर हम भारत में एक्सिम बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करवा लेते हैं दिस इज फोर इसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंस इन इसके की पार्टिसिपेंट्स में गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर कस्टमर कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर में फर्दर इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर पब्लिक स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्टर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कोई भी आपको पॉपुलर फाइव टू सेवन टू एट पॉइंट्स याद रखने इजिली याद रहते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग आ जाता है इसके बाद में नॉन रिकॉर्स रिकॉर्स जहां पर बेडेट्स विल बी बॉर्न बाय फैक्टर दिस इज नॉन रिकॉर्स बेडेट विल बी बॉर्न बाय सेलर रिकोर्स मेच्योरिटी फैक्टरिंग एडवांस फैक्टरिंग फैक्टर अगर हमने जैसे ही उसको बिल दिया वो तुरंत पैसे दे देगा एडवांस फैक्टरिंग वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो ड्यू डेट पे ही पैसे देंगे दैट इज मेच्योरिटी फैक्टरिंग हमने जो रेगुलर बैच के पढ़ते समय जब डिस्कशन करते समय पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि एग्जाम्पल जो मॉड्यूल ने दे रखा था कि बिल आएगा उसका 80 परसेंट अभी दे, दे देंगे 20 परसेंट बाद में दे देंगे तो तो, तो वो पार्शियली एडवांस हो गया पार्शियली मेच्योर हो गया नहीं उसको ही एडवांस कहते हैं उसी को एडवांस फैक्टरिंग कहते हैं मतलब कुछ पैसा तो अभी दे रहे हो ना सेवेंटी परसेंट इज एडवांस फैक्टरिंग बाकी तो आप रिजर्व करके रख लो बाद में okay. फिर है हैं फैक्टरिंग फैक्ट्रीज फैक्टरिंग मतलब कस्टमर को बताया नहीं है इन वॉइस डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग हमारे पास कोई भी बिल है हम लेके गए इन डिस्काउंटिंग एडवांटेजेस फॉर सेलर एडवांटेज सबसे पहले भैया फंड्स इमीडिएटली आ गए पेपर वर्क संभालना नहीं पड़ा फॉलोअप करना नहीं पड़ेगा ये तो इमीडिएट दिमाग में आ आ जाना चाहिए कि हमें हमें फंड्स इमीडिएटली मिल गए नहीं नहीं करना पेपर वर्क हमको है है बहुत जबरदस्त अब गया इंटरेस्ट रेट भी जनरली कम होता है, हम दूसरे फंडिंग से कंपेयर कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी जनरली कम होता है ये तो दोनों जगह फिट हो जाएगा पॉइंट और उसके बाद में ना तो कोई एडिशनल डेट आई बैलेंस शीट के ऊपर ना हमारा क्रेडिट रेटिंग चेक होता है और ना ही हमें कोई असेट देना पड़ता है नाउ इन दीज पॉइंट्स वी आर कंपेयरिंग थ अदर डेट मतलब अगर मान लो हम फोरफिटिंग हम फैक्टरिंग नहीं करते और हम लोन लेते तो बैलेंस शीट में डेट आता हमारी क्रेडिटिंग चेक की जाती और हमारे कोई सिक्योरिटी पे देने पड़ते फैक्टरिंग में और नहीं करना पड़ता इस तरह से सेलर के बेनिफिट आ जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एलकोहल ड्रग्स वॉर वेपन्स में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे प्रॉफिट में शेयर लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको एडजस्ट नहीं है अभी उसके हिसाब से सी डेटा क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी ये चेक करेगा आपका पास्ट हिस्ट्री करंट पोजिशन फ्यूचर प्लानिंग ये सब ध्यान में रखते हैं आपको देना है इसके अंदर आपको पास्ट में थ्री इय का ऑडिटेड प्रोजेक्शन फाइव टू तो एन सेवन टू तो सेवन ईयर का देना है और करंट ईयर का पूरा प्रोजेक्शन के साथ में देना है और इसके साथ में ये चारों तो हमें न्यूमेरिकल्स के साथ में पढ़ने होंगे और हमने पढ़ा है अप्रेजल ऑफ टर्म लोन टर्म लोन के अप्रेजल की अगर हम बात करते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी फीजिबिलिटी फाइनेंशियल एंड फीसिबिलिटीजल कॉम्पिडेंस टेक्निकल फीजिबिलिटी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी मैनेजर कॉम्पिडेंस आपको अकेले देखना है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कोशिश पता है क्या करनी चाहिए पहले तो सांस लेते रहनी चाहिए आपको उसके बाद में आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि आप चैप्टर नंबर सेवन को बिना बुक ओपन करे अगर आप याद कर पा रहे हैं तब आ रहा है मजा कि बुक ओपन ही नहीं किया पूरा चैप्टर याद आ जाता है कि हाँ सबसे पहले बॉन्ड है हाँ बॉन्ड में ये पड़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं और ये मसाला बॉन्ड होता है ठीक है सर उसके बाद में बैंक फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पांच टप के बैंक फाइनेंस के पॉइंट्स ओवरड्राफ्ट याद आ रहा है कैश क्रेडिट अकाउंट याद आ रहा है बिल्स फाइनेंसिंग याद आ रहा है लीजिंग हायर परचेज इनके पॉइंट्स भी आ रहे हैं सिर्फ कि पूरा चैप्टर ऐसा इनके पॉइंट में ये याद आ रहा है यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं इम्पोर्ट के तीन एक्सपोर्ट के तीन तीनों के अंदर दो 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 फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट के याद आ रहा है आपको सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप बिना बुक को ओपन कर याद कर लेते हैं तब हम एम करते हैं जैसे हम बच्चों को देखते हैं तब आ रहे हैं जो को बिना बुक को ओपन करे पढ़ पा रहे विदर 7

एट कंप्लीट इसलिए करना है ताकि मैं फिर आप लोगों के मुंह पे क्वेश्चन मार्कूंगा सेवन और एट के ठीक है चलिए कोई बात नहीं लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर एट कोई प्रॉब्लम ही नहीं चैप्टर एट इज अ वेरी स्मॉल सा चैप्टर इसके फोटोज ले लीजिए आप लोग है ना ताकि आप लोग इसको पेंट डाउन कर पाओ तुरंत कंपल्सरली ओवरव्यू लिखना है कौन से पेज पे कौन सा चार्ट होता है उसके पेज नंबर रेफरेंसिंग भी दे देनी है गॉड नोज हाउ इट वर्क गॉड नोज हाउ इट वर्क बट वेन यू डू दिस के साथ में वो आपको ऑटोमेटिकली याद बहुत आराम से होता है ताकि ये टॉपिक समझ में नहीं फटाफट उस स्पेज पे गया और देख पाए तो सेल्फ स्टडी के दौरान वंडर्स की तरह काम करेगा ठीक है यार सब ठीक है हे भगवान चलिए कोई बात नहीं हो गया बस छोड़ दो अब हम लोग आ रहे हैं है? एट पे जब कैमरा निकाली रखें तो इसका भी फोटो ले लो कि क्या चैप्टर कुछ है ही नहीं एट और नाइन पूरा सेवन में मर्ज हो सकता था पर होता क्या फिर आप लोगों की फटके हाथ में आ जाती <laughs> तो ऐसा ना हो इस कारण से उन्होंने चैप्टर्स डिवाइड किए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े चैप्टर से डरते हैं तो प्रैक्टिकली हम देखें तो सेवन एट नाइन वही है ना क्योंकि सेवन के ही चार्ट में 8 की भी जगह और की भी जगह है चलिए विदाउट टाइम रिवाइजिंग चैप्टर चैप्टर का की बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी अदर कंसेप्ट सबसे लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर हमने पढ़ा पार्टी चलो सुना मेरी बात सबसे के अंदर कि चार पार्टी बिल्कुल बिल्कुल अरे तोड़ दो डोरेमोन बनो सब निकाल निकल के फेंको इधर उधर से इधर आओ पढ़ा लिखा भी ध्यान देते हैं हम लोग हम लोग यहाँ पर बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे पहले बात करते हैं चार पार्टीज रहती हैं सबसे पहले एकदम इजी मुझे बाहर से कुछ खरीदना है आई एम दी एप्लीकेंट आई एम द इंपोर्टर आई एम दी बायर ये सब अलग अलग मेरे ही नाम है मैं मेरे बैंक के पास जाता हूं दैट बैंक इज दी ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक वो एलसी सी करती है वहां पर वहां पर जो बैंक एलसी में जिस बैंक का नाम लिखा होता है दैट बैंक इज नॉमिनेटेड बैंक नेगोशिएटेड बैंक बिल्कुल सही ये दो नाम है उसके अब ये वहां पे जाता है वहां पे एल मिल जाती है हमारे सप्लायर को सेलर को एक्सपोर्टर को बेनिफिशियरी को ठीक है उस एलसी में लिखा है कि जैसे इसने गुड्स भेज दिएगा तो उसको उसको तो अगर इशुंग भरोसा नहीं है तो कौन सा बैंक आएगा कन्फर्मिंग बैंक वेरी गुड अब यह इशुंग बैंक ओपनिंग बैंक कंफर्मिंग बैंक के साथ में बोली एक एलसी देता है पहले रुकना एक ऐसे बैंक को जो बैंक वहां पे चेक करता है क्रेडिट वर्तीनेस ऑफ द एक्सपोर्टर और वो देखता है कि एक्सपोर्टर क्रेडिट वर्ती है या नहीं है और फिर हमें बताता है कि हमें उसे एलसी देना चाहिए ये बैंक कौन सा है एडवाइसिंग बैंक बिल्कुल ठीक है एडवाइसिंग बैंक कुड बी आर बैंक ब्रांच और एनी करस्पोंडेंट ओके ये हो गया इसके बाद में मान लीजिए उस लोकेलिटी में हमारा बैंक है ही नहीं नॉमिनेटेड तो बैंक जो हमें अपॉइंट करना है वो हमारा है ही नहीं तो हमें किसी और बैंक को नॉमिनेटेड बैंक करना पड़ता है तो हमारा बैंक जो वहां पे उसको पेमेंट करता है उसे क्या कहते हैं फिर रीमवरसिंग बैंक ये हो गई सारी पार्टी जबरदस्ती एड करने के बाद में इसके बाद में आना चालू होता है टाइप्स ऑफ एल सी चलिए पार्टी में वे हिटिंग टाइप्स ऑफ एलसी

चलिए सब चीज ठीक है अभी तक तो नेक्स्ट इज रिवोकेबल एलसी रिवोकेबल एलसी इर ऐ ऐसे समय पे ये सब क्या हो रहा है यार वेरी केयरफुल रिवोकेबल एलसी इिवोकेबल एलसी रिवोकेबल एलसी एक ऐसी एलसी होती है जो कि इशुइंग बैंक बिना बेनिफिशियरी को नोटिस दिए कभी भी रिवोक कर सकता है बट इसमें एक पॉइंट पड़ा था वो ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमने एलसी रिवोक कर दी हमने नेगोशिएटिंग बैंक को बताया ही नहीं और नेगोशिएटिंग बैंक ने पे कर दिया तो वी आर लायबल टू स्टिल पे फिर आता है इरिवोकेबल हैलसी विच कन नॉट बी रिवोक्ड विदाउट दर्मिशन ऑफ बेनिफिशियरी ऑफकोर्स उसका कंसेंट लेना पड़ेगा सारी एलसी बाय डिफॉल्ट क्या होती है इरिवोकेबल होती है उसके में आ गया बैक बैक टू एलसी एलसी और ट्रांसफरेबल अगर एक्सपोर्टर हमारे ओरिजिनल एलसी को अगर एक्सपोर्टर हमारे ओरिजिनल एलसी को सिक्योरिटी के तौर पर के उसके ओन बैंकर से एक और एलसी ले, ले लेता है और इस एलसी को अपने सप्लायर को दे देता है तो इसे कहा जाता है बैक टू बैक एलसी ठीक है ना पॉइंट का ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति अपने खुद के बैंकर के पास जा रहे नेगोशिएटिंग बैंक के पास नहीं जाता ओन बैंकर के पास जाके ओरिजिनल एलसी को सिक्योरिटी के रूप में रख के एक और एलसी लेके अपने सप्लायर को पेमेंट कर देता है तो दैट इज नोन एज बैक टू बैक एलसी इसी का एक और होता है ट्रांसफरेबल एलसी अगर वो अपनी ओरिजिनल एलसी को ही नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाके पार्शियली ट्रांसफर करा देता है टू सप्लायर टू रिसीव द गुड्स और रॉ मटेरियल दैट इज नोन एज ट्रांसफरेबल एलसी ठीक है फिर आता है हमारा रेड क्लॉज एलसी ग्रीन क्लॉज एलसी एक ऐसा एलसी जिसमें रेड कलर में लिखा हुआ क्लॉज होता था दिस अप्रूव सम प्री शिपमेंट एडवांस कि वो व्यक्ति जैसी है एलसी दिखा के प्री शिपमेंट एडवांस मिल जाता है तो होता है रेड क्लॉज एलसी ग्रीन क्लॉज एलसी प्री शिपमेंट तो मिलता ही है साथ में जैसे ही गुड्स को में जमा करा दिया वहाँ पर एक पार्ट एडवांस मिलता है दैट इज ग्रीन क्लॉज एलसी तो ग्रीन क्लॉज एलसी के अंदर जैसे ही एलसी मिला प्री शिपमेंट एडवांस मिल गया प्री शिपमेंट का काम किया जैसे ही हमने गुड्स को हाउस में डलवाया सेकेंड पार्ट ऑफ एडवांस मिलता है और फिर जब हम बिल ऑफ लीडिंग दिखाते हैं तब तो पूरा पूरा पैसा मिल जाता है तो ग्रीन क्लॉज एलसी में दो बार एडवांस मिल रहा है तीसरी बार पेमेंट मिल रहा है रेड क्लॉज में एक बार एडवांस प्रीशिपमेंट और पेमेंट मिल रहा है और रेड और ग्रीन दोनों ही दिए क्लॉजी में मतलब कोई एडवांस नहीं मिलेगा बिलोफ लेडिंग दिखाने पर पूरा पैसा मिलेगा एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट स्टैंड बाई एलसी नया टाइप ऑफ एलसी जिन कंट्रीज में क्या अलाउड नहीं है

2007 जुलाई टू थाउंड में था टू रिड्य क कन्फ्यूजन एंड टू रिड्यूज कॉन्फ्लिक डिस्प्यूट बिटवी द पार्टिसिपेंट्स पार्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ठीक है इसमें बताया वैन पेमेंट विल हैपन हमको पता है भाई कि जैसे ही एक्सपोर्टर गुड्स जो भी एल सी के अंदर टर्म्स हैं उनको कंप्लाई कर देगा उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा एग्जाम्पल एल सी में लिखा है कि हमने गुड्स जमा करा दिए और उसके बाद तो तो में बिल ऑफ लीडिंग दिखाएंगे तब पेमेंट मिलेगा तो तब पेमेंट मिलेगा झगड़ने वाली कौन सी बात है इसमें? फिर आता है बीजी, बीजी, बीजी। बीजी जो बी का बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस बीजी एक्सप्लेन कर दिया जनरली एक गारंटी देते हैं टू होम गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिड्स इनवाइट करती है और वहां पर आप साथ में गारंटी देते हैं कि इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल नॉट विदड्रॉ That to ट टू a you give a BG that is known as financial BG. अगर कल को आपको select किया और फिर आप विड्रॉ करना चाहते हो कि नहीं नहीं आप कंप्लीट नहीं करना चाहते कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में गवर्नमेंट कैन एनफोर्स द फाइनेंशियल पी नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस बीजी इस केस में आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है अब नाउ यू विल कंप्लाई टर्म्स के नहीं किया, में नहीं किया तो सामने वाली पार्टी उसे एनफोर्स कर सकती है परफॉर्मेंस बीजी अगर कोई भी ऐसा अगर कोई भी ऐसा बैंक गारंटी है जिसके अंदर एक डिफर्ड पेमेंट को अश्योर किया जा रहा है तो वो हो जाता है deferred, deferred payment, एग्जाम्पल बायर ने परचेज की मशीनरी इंस्टॉलमेंट सैलर डिमांड कर रहा है बैंक गारंटी सिक्योरिंग है तो बायर्स बैंक अग्रीज टू गिव अ बैंक गारंटी ऑन द डिफर्ड पेमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट पे होगी इन्होंने नहीं किया तो आप हमसे आके मांग सकते हैं यहां पर दो चीजें हो सकती है इन्होंने नहीं दिया तो हम ऑटोमेटिकली दे देंगे और इन्होंने नहीं दिया तो आप हमसे आके मांग सकते हैं अगर आप हमसे आके, हम आके मांग सकते हैं इन्फोर्स कर सकते हैं, तो वहां पर एक और पॉइंट आ जाता है इसका

क्यों बैंक गारंटी चाहिए ये आपके मेन बिजनेस से रिलेट करता है क्या इनका फ्रीक्वेंट है या वन टाइम है पास गारंटीज को लेकर इन्होंने कैसे परफॉर्म किया आज तक अभी कितनी गारंटीज आउटस्टैंडिंग चल रही है इनकी और सोचो और सोचो क्या पॉइंट बैंक गारंटी को लेकर क्या सोचो मार्जिन कोलेटरल सिक्योरिटी और सिक्स तो हो गए चलिए फटाफट से देखते हैं सबसे पहले हो गया कि बैंक गारंटी क्यों चाहिए ये इनके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है क्या वन टाइम है रेगुलर है क्या अरे फाइनेंशियल है या परफॉर्मेंस है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है पास रिकॉर्ड कैसा है प्रेसेंट आउटस्टैंडिंग कितना है मार्जिन कोलेटरल बताओ कौन से भूल गए हम लोग हम लोग लो दो पॉइंट याद नहीं रख पाए एक तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भूले हम लोग और उसके बाद में हम लोग भूल गए फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस तो जब भी आप कोई पॉइंट बोलते हैं जो पॉइंट याद नहीं उसको अलग से मार्क करके याद रखो कि यही आप जनरली भूल जाते हैं और इसी के साथ में चैप्टर एट के रेगुलर टॉपिक्स खत्म होते हैं हम लोग बात करते हैं इनके एडिशनल टॉपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं है पिद्दू 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 अदर कंसेप्ट सबसे पहले हम लोगों ने फंड बेस और नॉन फंड तो ठीक है इसमें कुछ दमदार बात नहीं है यूसीबीसी हो गया मेथोलॉजी हो गया अब डॉक्यूमेंट्स हैंडल्ड अंडर एलसी के एलसी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए जाते हैं तो एलसी के अंदर सबसे एक जबरदस्ती ऑप्शन आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज इनवॉइस इनवॉइस तो होगा ही होगा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा उसका एक एग्जाम्पल हो गया बिल ऑफ लीडिंग और जो गुड्स भेज रहे हैं उनका इंश्योरेंस होगा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आया कंडीशंस फॉर नॉन फंड फैसिलिटी अननेसेसरी टॉपिक है तीन पॉइंट कभी भी नॉन फंड बेस्ड फंडी उसकी तीन कंडीशन होगी कि इस व्यक्ति ने किसी से भी फंड बेस्ड फैसिलिटी तो नहीं ली है और इसने किसी और से नॉन फंड भी लिए तो कितनी ली है उसके बाद में हम फिर भी अप्रेजल करेंगे लाइक अ फंड और तीसरा जो भी इंफॉर्मेशन का क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को हम दे देंगे डिफरेंस बिटवीन एलसी एंड बीजी तीन डिफरेंस थे पहला डिफरेंस बता दो मुझको एलसी जनरली कौन से ट्रांजेक्शन का होता है इंटरनेशनल बीजी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किसके होते हैं बीजी के होते हैं और लास्ट में बोला ये इन्होंने कि देखो दोनों में थोड़ी तो सिमिलैरिटी है लेकिन, लेकिन 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 रोक लाला रोक लेकिन अगर मान लीजिए द ट्रांजेक्शन गोज एज प्लान बट बीजी अमाउंट विल बी पेड इफ पर्सन दर्सन ये यहां पर आ जाता है और नीचे एक हैिटी दे रखी है ऐसी सिमिलैरिटी उन्होंने ये दिया है कि दोनों फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन जो शायद नहीं हो पाता लेकिन अगर एप्लीकेंट उसे एल सी या बीजी के साथ करता है सो द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन कंक्लूडिंग इज जनरली इंक्रीजेस एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर एंड एट

चलिए शुरू करते हैं खेला yes, topics के टॉपिक फोकस yep. करेंगे अच्छे से यहां पे। एवर इन क्लास इस पूरे चैप्टर का फोकस एक ओवरव्यू आपके पास लिखने के लिए आएगा जो आपको पूरा लिखना होगा लेकिन उसके पहले

डिपोजिट रिसीट स्कीम है टू थाउजेंड स्कीम 2014 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की स्कीम है फॉरेन करेंसी करवर्टेबल बॉन्ड एंड इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म स्कीम 1993 नाइनटी और फिर आता है एफसीईबी एफसीबी की स्कीम है 2008. ओके 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 हम लोग छोड़ते हैं हम लोग लाइट लेते हैं हम सबसे पहले आते हैं हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के ऊपर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को हमने चार चार्ट्स के माध्यम से देखा था उन चार्ट्स के अंदर चार स्लाइड थी चार स्लाइड्स के अंदर हमने टॉपिक्स को पढ़ा है सबसे पहली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था क्या ए यारो बोलो एलिजिबल लेंडर पढ़ा था यस yes! ये देखा था हमने? तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हमने 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 यही पढ़ा था कि ये कोई भी व्यक्ति अगर रेस कर रहा है तो उसके पास से पहले तो दो रूट है दो रूट में आप ईसीबी रेस कर सकते हैं डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन आईना इसके अंदर हम लोग आए एलिजिबल बरोअर उसके बाद हमने पढ़ा था इज लेंडर फोकस अच्छे से एलिजिबल बोरोग्नाइज लेंडर यह दो चीज है इसके साथ में एक और चीज पड़ी थी end use. ये तीन चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट पेज के ऊपर हम अगर बात करते हैं रिकोग्नाइज लेंडर की या फिर हम बात करते हैं एलिजिबल बोरोवर की इन दोनों में एक जनरल पॉइंट है और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे हम लोग आज सबसे पहले आखिर कौन है जो भारत में बोरोइंग कर सकता है एलिजिबल बोरोवर की बात कर लेता हूं जनरल पॉइंट क्या है? जो कि एफ डी आई रिसीव करने के लिए एलिजिबल है एवरी वन उज एलिजिबल टू रिसीव रिस कैन रिसीव एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अपार्ट फ्रॉम देम स्पेसिफिकली उन्होंने पांच लोगों को इंक्लूड किया है पोर्ट ट्रस्ट यूनिट्स इन एसड सिडबी एग्जिम बैंक एंड रजिस्टर्ड एंटिटीज इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज ये पांच लोग हैं जो कि बाहर से बोरइंग कर सकते हैं अब आते हैं कि बोरिंग करें तो लेंडर किससे कर सकते लेंड कौन कर सकते हैं हु कैन बी रिकॉग्नाइज लेंडर पहला जनरल पॉइंट क्या है

एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल इंस्टीट्यूशन हो गया क्या इंडिया मेंबर कंट्री ये है तो इंडिया उससे भी ले सकती है अभी तो या तो वो क्या होने चाहिए फॉरेन इक्विटी होल्डर या फिर वो ले रहे हैं बॉन्ड या डिवेंचर्स आर लिस्टेड अब्रॉड तो इस केस में इंडिविजुअल ले सकते हैं और लास्ट आ जाता है कि इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी हैं तो वहां से भी आप इसी भी रेस कर सकते हैं कौन सी करेंसी वाले करेंसी वाले आयनर वाले रेज नहीं कर सकते और वो लोग market maker, की तरह भी आपके रह सकते सकते काम कर इसमें नेगेटिव लिस्ट के कहां पे इन्वेस्टमेंट होगा कि आपने जब पैसा लिया उसका एंड यूज क्या होगा उन्होंने कहा सुनो ये थ्री प्लस वन तो एंड कभी हो ही नहीं सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट ऑन लेंडिंग फॉर एक्टिविटीज इसके लिए तो कभी भी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता फिर हमने तो नहीं है लेकिन इक्विटी होल्डर क्या कैपिटल लोन जनरल कॉर्पोरेट परपज एंड लास्ट इज रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन तो पहले स्लाइड पर कंटस्त्र चलिए फिर हम लोग आते नेक्स्ट स्लाइड है, है नेक्स पे। फॉर्म तो स्पेशल प्रोविशन ऑफ ईसीबी सबसे साल मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी मिनिमम एवरेज मे्योरिटी बी थ्री ईयर इसमें वन ईयर और फाइव ईयर पड़ा था मुझे बता दो वन ईयर किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी मिलियन डॉलर वन ईयर और फाइव ईयर किसके लिए है फॉरिन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज जनरल कॉपोरेट पर्पज एंड रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन वहां पर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी फाइव ईयर ठीक है नेक्स्ट ऑल एल कॉस्ट सिलिंग बेंच मार्क रेट प्लस

लेंडर अगर लेंडर कंसेंट दे देता है तो एक लेसर रेट पे तो और अच्छी बात है दूसराजन हेजिंग प्रोविजन अगर हम उनकी बात करते हैं अगर हमने फॉरेन करेंसी के अंदर बोरिंग किया है तो, तो हमको हेजिंग करनी पड़ेगी ना तो आपको हेजिंग करनी है अगर आपने फॉरेन करेंसी बोरिंग किया है तो आपको हेजिंग करनी पड़ेगी हेजिंग आप कैसे करोगे अपने सेक्टोरल रेगुलेटर के हिसाब से फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था किसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी उनके ऊपर हेजिंग रिक्वायरमेंट कितनी है सेवेंटी परसेंट तो उनको अपने ईसीबी एक्सपोजर का हेजिंग करके रखना पड़ता है और कौन चेक करता है प्रॉपर्ली हेजिंग किया नहीं कि एडी कैटेगरी वन बैंक वो रिपोर्टिंग करता है आरबीआई को ठीक है चलो हेजिंग को लेके तीन और बातें मुझे आपको बतानी है तो वो भी जब बात निकली तो बताई देता हूं कि जब भी आप हेजिंग करनी है तो हेजिंग आप करेंगे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका टेन्योर कितना होगा वन ईयर और उनको आप रोल ओवर करते रहोगे जब तक आपका ईसीबी एक्सपोजर है बिल्कुल ठीक है दूसरी बात अगर आप कभी भी अगर मान लीजिए हेजिंग है, कर रहे हैं तो उसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाता है नेचुरल हेजिंग का नेचुरल हेजिंग पे पैदलता तो चलो ठीक है पहले हमने ये बता दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल थ्रू करेंगे आप उसके बाद में वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसको एक्सटेंड करते रहेंगे इसके अलावा नेचुरल हेजिंग के अलावा एक और पॉइंट कोई हेज करेंगे हम बिल्कुल ठीक है वन ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट जब भी आप हेजिंग करेंगे हेजिंग शुड बी फॉर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट तीन पॉइंट याद रखने हेजिंग जब भी करेंगे विल बी फॉर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया अभी जस्ट

ये रेशियो अप्लाई नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति का डेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है अप टू फाइव मिलियन डॉलर तो रेशियो अपलाई नहीं करेगा उसके बाद में आ गया पार्किंग ऑफ इसी प्रोसीड्स अभी पढ़कर रुपये एक्सपेंडिचर है तो कौन सा केस आएगा डोमेस्टिक अगर आपका एक्सपेंडिचर ही फॉरेन करेंसी में देन अब्रॉड डोमेस्टिकली आप कहां पे पार्क कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट ऑफ एडी कैटेगरी वन बैंक स्टोरी ओवर लेकिन ये टर्म डिपॉजिट होना चाहिए अनकंबर्ड पोजिशन के अंदर ठीक है ट्वेल्व का मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए हम लोग इधर आ जाते हैं वापस अब्रॉड के अंदर करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन है पहला डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ एनी है इंस्ट्रूमेंट द टेन्योर ऑफ टू वन ईयर विथ मिनिमम रेटिंग एज प्रिस्क्राइब और लास्ट में आ जाएगा किसी भी डिपॉजिट बाय सब्सिडी फॉरिन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक और मिनिमम प्रेस्क्राइब रेटिंग क्या है ए ए माइनस बाय बी सी ए एंड ए ए थ्री बाय मोडीस ये उनकी प्रिस्क्राइब रेटिंग है लाइफ इज इजी हर ईसी भी फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ठीक है और स्टार्टअप्स हमने कुछ जनरल पॉइंट्स यहां पे पढ़े थे फिर हम लोग आते हैं प्रोसीजर फॉर इंगी बी चलो दो हैं एक तो ऑटोमेटिक रूट एक अप्रूवल रूट अगर ऑटोमेटिक रूट है तो आपको कुछ नहीं करना सीधे एडी कैटेगरी वन बैंक के पास जाना और वो आपका काम करवा देगा अगर अप्रूवल रूट है तो आपको एप्लीकेशन देना एडी कैटेगरी वन बैंक के पास ये एप्लीकेशन जाएगा आरबीआई के पास साथ में एक रिपोर्ट जाएगी किसकी एम्पावर्ड कमिटी की रिपोर्ट जाएगी फिर आरबीआई डिसाइड करेगा कि आपको अप्रूवल देना है नहीं देना है और दे देगा तो वहां से आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ाई सही लोन रजिस्ट्रेशन नंबर सबके पास होना चाहिए दिन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मंथली ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे और जो भी अनट्रेसेबल एंटिटीज है उनके लिए भी एसओपी है और लेट फाइलिंग फीस ये यहाँ ये पॉइंट हमने पे थे चलिए पूरा कंप्लीट हो जाता है वैसे तो वैसे तो आईडी हमें आगे जाना चाहिए लेकिन मैं क्या करता हूं ऐसे ही इधर आ जाओ एडिशनल टॉपिक में पहले चले जाता हूं पेज को कंप्लीट कर लेते हैं गुड पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स ये हमने पूरा पढ़ लिया क्या पार्क कर सकते हैं के अंदर भी और पार्क कर सकते हैं डोमेस्टिकली भी फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं पांच चीजें पढ़ी हमने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लोन रजिस्ट्रेशन नंबर हैज टू बी ऑप्टेन ये कैसे ऑप्टेन करेंगे इन्होंने लिखा है कि आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए डुप्लीकेट में कॉपी देनी है किसको एडी कैटेगरी वन बैंक को और एडी कैटेगरी वन बैंक उसकी एक कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगा रबीआई को और इस तरह से आपको अपना लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा पहला पॉइंट कवर सेकंड चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई तो आपको सात दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना है अपने आरबीआई को इन्फॉर्म करना थ्रू है कैटेगरी वन बैंक फिर आता है मंथली रिपोर्टिंग

एसओपी बना रखे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से वर्किंग तो कैपिटल के लिए मिनिमम एवरेज मेरिटी थ्री ऑटोमेटिक रूट से रेस कर रही है तो इसके उनके ऊपर लिमिट नहीं आएगी इंडिजुअल लिमिट नहीं है नहीं है तो ओवरऑल लिमिट कितनी है टेन बिलियन पूरे चैप्टर में एक ही जगह बिलियन लिखा है तो ध्यान रखना है टेन बिलियन डॉलर की यहां पे लिमिट दे रखी है बिकॉज दिस लिमिट इज वॉर्ड ओवरऑल देर इज नो इंडिविजुअल लिमिट सर टाइम वेस्ट नहीं करो ऑयल मार्केटिंग पे रफ आइडिया दे रहा हूं बस आपको एग्रीगेट सबका लिमिट है इंडिविजुअल लिमिट नहीं है उसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपके सोनी चाहिए बोर्ड अप्रूव्ड इजी

कोई भी फॉरेन ब्रांच और सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक से पैसा नहीं ले सकते कोई भी ऐसी जहां पे ने FDI, ने किया है उनसे भी हम पैसा नहीं ले सकते उसके बाद जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होगा लोन हो सकता है या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रिफ्रेंशियल हो सकते हैं करेंसी दोनों अलाउड है आई भी अलाउड है और अमाउंट में लिमिट बताया थ्री मिलियन पर स्टार्टअप यूएस डॉलर के लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर हर फाइनेंशियल ईयर में हर स्टार्टअप ले सकता है यूएस डॉलर थ्री मिलियन का लोन फिर आ गया एंड यूज एंड यूज जितना जो आपका बिजनेस है उसके लिए यूज उस कर सकते हो कन्वर्जन इन टू इक्विटी आप बिल्कुल कर सकते हो अगर वो एफ डी आई के नॉर्म्स को कंप्लाई करते हैं तो और सिक्योरिटी के रूप में आपको जो ठीक लगता है वो आप दे सकते हो कोई यहां भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है गारंटी वारंटी भी दे सकते हो हैजिंग आपके ऊपर अगर हैजिंग के प्रोविजन है आपने फॉरन करेंसी में लिया है तो अप्लाई होंगे तो करो अगर आयन में लिया है तो सामने वाली पार्टी करने वाली है अब गेटिंग अ फेर आइडिया तो बहुत खास चीज यहां पर भी नहीं थी एकदम ईजी पीजी है आपने आई थिंक इन दोनों को तो हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा होगा इसे भी हाईलाइट कर दो पर स्टार्टअप पर फाइनेंशियल यूएस डॉलर थ्री मिलियन बस 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 वी डन डन बे डन जल्दी से हाईलाइट करेंगे आप में से कोई व्यक्ति अगर यह लिखने की भी इच्छा रखता है तो फोटो ले सकता है चलिए तो हम लोगों ने क्या कर लिया हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पूरा हो चुका है नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वे हेडिंग हिटिंग टुवर्ड्स डिपॉजिटरी रिसीट चलो इस चैप्टर के चार ही तो पार्ट हैं और हमने इसी प्रकार से एक-एक करके चारों पार्ट को कंप्लीट कर देना है यस यस फोकस

और जो भी माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इंगेज है इजी यहां पे तीन पॉइंट सेपरेटली आ जाते हैं पहला पॉइंट रीजनल फाइनेंशियल सेपरेट आ गया दूसरा इंडिविजुअल जो इक्विटी इन्वेस्टर है या फिर जो लिस्टेड ले रहे हैं और तीसरा इंडियन बैंक की जो ओवरसीज ब्रांच सब्सिडी कुछ है ही नहीं ना खत्म हो गया नेक्स्ट पॉइंट पेज के अंदर बन जाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स दिखते हैं हमको यहाँ पे तो उसके अंदर हमको सबसे पहले यहां पर दिख लेता है एवरेज मच्योरिटी थ्री ईयर वन ईयर फाइव ईयर वे गुड इयर उसके बाद में ऑल इन कॉस्ट सीलिंग बेंचमार्क प्लस 450 फिफ्टी पेनल्टी वेनोल्टी मैक्सिमम नॉट मोर देन टू परसेंट फिर यहाँ पे तीन चीजें आई अगर फॉरेन करेंसी में करोगे तो कौन सी रेट लगेगा रे, रेट ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट अगर आईन में कर रहे हो तो एक्सचेंज होगा रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट क्योंकि भाई हम तो कन्वर्ट कर ही नहीं रहे ना। सेटलमेंट के हिसाब से होगा फिर आ गया हेजिंग कराना पड़ेगा क्या अगर फॉरेन करेंसी में है तो आपको अपने सेक्टोरल रेगुलेटर के हिसाब से हेजिंग कराना पड़ेगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ा हमने फिर अगर मान लीजिए आपने आयना डिनोमिनेटेड लिए इसी भी तो आपको थोड़ी ना हेजिंग कराना है वो ईडी कैटेगरी में बैंक से करवाना चाहे तो करवा सकता है फिर लास्ट पॉइंट आ गया क्या हमने बोरोइंग की उसके बाद में हम उसकी करेंसी चेंज कर सकते हैं अगर फॉरन करेंसी में बोरोइंग किया तो आप करेंसी चेंज कर सकते हो आयनर में किया है तो आप करेंसी चेंज नहीं कर सकते डैम इजी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इधर ऑयल मार्केटिंग इधर स्टार्टअप आ गया उसके बाद में यहां पर दूसरा टॉपिक आ गया और एक ही टॉपिक इसके अंदर मेन है दैट इज पार्किंग ऑफ प्रोसीड इंडिया अब्रॉड डोमेस्टिकली यू कैन पार्क इट इन टर्म डिपॉजिट ऑफ एडी कैटेगरी बैंक अब्रॉड में यू कैन पार्क इट इन थ्री पॉइंट पहला डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद मिनिमम प्रिस्क्राइब रेटिंग ट्रेजरी बिल्स और मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट विद वैलिडिटी ऑफ थ्री सिक्स ईयर विद मिनिमम प्रिस्क्राइब रेटिंग एनी डिपॉजिट ऑफ फॉरिन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक अब्रॉड खत्म और लास्ट में जाते हैं हम लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह की बात करते कि आपका ऑटोमेटिक है या फिर आपका अप्रूवल है ऑटोमैटिक्रूवल है, तो है तो आप जाएंगे आरबीआई से अप्रूवल लेगा इसी बीच इम्पावर्ड कमेटी का रिपोर्ट भी जाएगा और आरबीआई डिसाइड करेगा कि आपको अप्रूवल देना है या नहीं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में पांच पॉइंट पढ़े हमने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए मतलब चाहिए दिन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए तो बताना है सेवन डेज के अंदर मंथली रिपोर्टिंग होनी चाहिए लेट सबमिशन फीस का प्रोविजन भी है और लास्ट में आता है स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज अनट्रेसेबल एंटिटीज एंटिटीज आर नॉट रिपोर्टिंग फॉर एट क्वार्टर्स और, और मोर खत्म ना कुछ है ही क्वार इसी भी कंटेस्ट सबको वंडरफुल डिपॉजिटरी वनडरफुलट्सिटी डिपॉजिट रिस समझने के पहले उसके टाइप्स क्लियर कर लेते हैं डिपोजिटीट होता क्या टाइप्स के पहले इसका एक्सप्लेनेशन कोई भी इंडियन कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू कर रही है टू Bank. ये Bank, अपने नाम पे रजिस्टर करता है और फिर ये जो देता है डोमेस्टिक कस्टोडियन तो भारत में इंडियन कंपनी है उसने शेयर्स इश्यू करे इंडिया के बाहर उन शेयर्स की फिजिकल जो कॉपी है वो इंडिया के ही डोमेस्टिक कस्टोडियन को दी है ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो इसके ऊपर डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रहा है डिपॉजिट रिसीट है हमने बड़े दो टाइप अनिपॉजिट रिसीट बैंक हैव गॉट स्टॉक अग्रमेंट बिटवीन इफ देर इज स्टॉक अग्रीमेंट स्पॉन्सर्ड इफ नो स्टॉक अग्रीमेंट अनस्पॉन्सर्ड स्टॉक अग्रीमेंट के अंदर स्पॉन्सर्ड के अंदर दो केसेस बच जाएंगे कैपिटल रेजिंग नॉन कैपिटल रेजिंग इफ अ कंपनी

डिपॉज ओवरसीज डिपॉजिटरी ही बनता है डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर कभी भी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बनता है लेकिन उसका जो अग्रीमेंट किया है उसमें उसको क्लियरली वोटिंग राइट्स देने होंगे आपको कि वो वोट बताएगा और फिर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक करेगी ये एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन है थैंकफुली इसके बाद में यहीं से आगे बढ़ते हैं रिसीट यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स को आपको बहुत सारे एक -एक का दिया था मैंने. अच्छे आप अपने के के ध्यान रखें। एक -एक करके से समझेंगे बता रहा हूं सबसे पहला इतना से कहता है कि जब भी आप आपको डिपॉजिट रिस कैन भी कन्वर्टेड टू अंडरलाइन परमिसेबल सिक्योरिटी रिसीट्स को, को आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है इसी को तो हम लोग कहते हैं वन वे फंजिबिलिटी टू वे फंजिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है depository के पास क्या होगा टू वे फंजिबिलिटी तो कभी भी डिपोजिट रिस इन टू शेयर एंड शेयर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू डिपॉजिटरी डिपोजिटी चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि फॉरेन डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी रिसीड को इशू कर सकता है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू और एनी अदर परमिसेबल मेथड नेक्स्ट इश्यूअर

उसको अपने शेयर देने हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी को वापस सब लोग मेरे साथ में हैं अनस्पॉन्सर्ड इशू है कंपनी पिक्चर में ही नहीं आई है मैं शेयर होल्डर हूं मुझे मेरे शेयर देने ओवरसीज डिपॉजिटरी को तो मुझे इसके लिए कंपनी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है यह पॉइंट है उसके बाद में आ जाता है हाँ सिक्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी इंडियन कंपनी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को शेयर इशू कर रही है इट विल नॉट बी एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज कैन बी इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया तो अगर आप क्वालिफाइड क्वालिफाइडेंशियल प्लेसमेंट करते हैं तो भारत में जिस प्राइस पे करते उससे कम में उनको नहीं कर सकते आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो भारत में जिस प्राइस से करते उससे कम में उनको नहीं कर सकते हो उसके बाद में आ जाता है कि जो भी अप्रूवल नेसेसरी है वो सारे अप्रूवल तो आपको लेने ही होंगे होगा सेवन पॉइंट्स और यहां पे यही चीज इन्होंने रिपीट कर करके करके कर, कर, आगे भी दे रखी है नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा ऑब्लिगेशन आपको एक अच्छा सा डायग्राम होगा यहां पे हम लोग बात करें दो लोगों की ऑब्लिगेशन का सबसे पहले ऑब्लिगेशन की बात करते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन की क्या ऑब्लिगेशन है फिर आता है कि इंडियन डिपोजिटरी की क्या ऑब्लिगेशन ए गुंडो याद है इंडियन कंपनी ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक इशू कर रही है यहां पर जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है ना इसका काम क्या है हम पढ़ रहे हैं तो इसका काम क्या है सबसे पहले भैया ये अच्छे से आपका सारे प्रोविजन कंप्लाई करेगा टू इंश्योर द ऑफ ऑल द प्रोविजन की जितने भी लॉ है जितने प्रोविजन है उन सबको अच्छे से कंप्लाई कर रहे हो ना आप इशू ऑफ कैंसिल इशू के टाइम कैंसिलेशन के टाइम ये ध्यान रखेगा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेगा फिर जो भी मांगेगा उसको देगा ठीक है इंफॉर्मेशन डेटा देगा अगर सेबी आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर किसी भी अथॉरिटी ने मांगूंगा सेबी आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसी ने मांगा तो देगा और सेबी को सारी फाइलिंग करता रहेगा एज एन वैन रिक्वायर्ड तो ये सब काम कौन करेगा हमारा डोमेस्टिक कस्टोडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा लॉ कंप्लाई करेगा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेबी उनको इन्फॉर्मेशन देगा उसके अलावा टाइम टू टाइम सेबी को जो फाइलिंग करना है वो तो करेगा ही सही

अप्रूवल जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा प्राइसिंग जिस प्राइस आप भारत में सिक्योरिटी इशू करते हैं उससे कम प्राइस में आप ओवरसीज डिपॉजिट बैंक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते अगर आप भारत में कर रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो उससे कम प्राइस में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं कर सकते उनको अगर आप उनको कर रहे हो क्वालिफाइड इंसूशियल प्लेसमेंट तो भारत में अगर क्वालिफाइड इंस्टूशियल प्लेसमेंट करते तो जिस प्राइस में करते उससे कम प्राइस में उनको नहीं कर सकते ए <sighs> जीडीआर

आपको क्या याद रहेगा फंक्सीबिलिटी में बताता हूँ आपको बस ये याद रहेगा कि कोई भी शेयर सिक्योरिटी है वो डिपॉजिटरी सीट में कन्वर्ट हो सकती है और कोई भी डिपॉजिटरी रिसीट है वो वापस शेयर में कन्वर्ट होती है सकती है दिस इज टू वे फंजिबिलिटी एक पॉइंट है जो आप भूल जाओगे मेरी बात को अच्छे समझना वट इज टू वे फंजिबिलिटी दैट अ शेयर कैन बी कन्वर्टेड इन टू डिपॉजिटरी रिसीट एंड एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू गेट द डिपॉजिटरी सीट रजिस्टर्ड इन हिज ओन नेम शेयर टू बी रजिस्टर नेम ही कैन कन्वर्ट द डिपॉजिटरी रिसीट इंटू शेयर ये आपको याद रहेगा ये सही है एक पॉइंट आप भूल जाएंगे सुनना अच्छे से द मोमेंट अर्सन डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर डिसाइड्स टू कन्वर्ट द डिपॉजिटरी फंसिबिलिटी है बट साथ में एक पॉइंट ध्यान रखना है एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक गेट्स राइट टू री इश्यू डिपॉजिट रिसीट टू दिस एक्सटेंट वापस रिपीट करता हूँ मैं कह रहा हूँ आप भूल जाओगे ठीक है ना आपको हमेशा याद रहेगा टू वे विलिटी का मतलब क्या है डिपॉजट रिसीड कैन भी कवर्टेड इंटू शेयर्स एंड शेयर्स कैन भी कन्वर्टेड इन टू डिपॉजिट रिसीट इनका एक मतलब क्या है इसका समझना कि आज मान लीजिए एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है उसने वन लाख डिपॉजिट रिसीट इशू किए ये दो लोग जो थे इनके पास थे फाइव थाउजेंड डिपॉजिट रिसीट्स इन्होंने कहा कि नहीं यार हम तो रजिस्ट्रेशन करके खुद के नाम पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन्होंने रिडीम कर लिया इनके जो डिपोजिट रिसीट नाउ दे आर कन्वर्टेड इन टू शेयर एंड इन्होंने अपने नाम पे शेयर्स को रजिस्टर करा दिया तो मैं जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक हूँ अब मेरे तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड डिपॉजिट रिसीट्स ही बच गए ना तो मैं क्या कर सकता हूँ पाँच लाख शेयर्स इंडियन मार्केट से खरीद के फाइव थाउजेंड शेयर्स इंडियन मार्केट से खरीद के फाइव थाउजेंड शेयर के फाइव थाउजेंड डिपॉजिट रिसीट्स फ्रेश भी इशू कर सकता हूँ तो जैसे जैसे लोग रिडीम कराते जाएंगे उतने शेयर्स में मार्केट से वापस खरीद के और वापस उनके डिपॉजट रिसीट इशू कर सकता हूँ दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू वे फिलिटी

री इशू कर सकता हूं मैं डिपॉजिट रिसीट के नाम से एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ टू वे एंजिबिलिटी आर यू ऑल विथ मी चलो फिर एलिजिबिलिटी ठीक है फिर हमें ध्यान रखेंगे मैनर एंड फॉर्म इसमें भी कुछ भी नहीं यही सब लिखा है कि आप डिपोजिट रिसीट जब भी इशू करेंगे तो जो भी परमिसेबल मोड है प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह जिससे भी कर सकते हो जितने परमिसेबल मोड है सबसे कर सकते हो ये सब हमने पढ़ा है वोटिंग राइट ये हमने केयरफुली पढ़ा था अच्छे से ध्यान देना इन्होंने क्या बोला वोटिंग राइट right को लेकर इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके पास डिपॉजिटरी रिसीट है वो उन्हें अपने नाम पर कन्वर्ट कर लेता है तो उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा वो वो रजिस्टर्ड मेंबर बन जाता है, लेकिन जब तक कोई वो अपने नाम पे कन्वर्ट नहीं करता अंटिल कन्वर्जन तब तक क्या होगा वोटिंग राइट एज पर अग्रीमेंट ये लिखा हुआ है वेरी क्लियर चलो प्रोसीड्स ऑफ द इशू जो भी आपका इशू प्रोसीड्स है वो आपको ध्यान रखना है के साथ में आएगा, जो भी भारत में रूल्स है प्रोविजन है वो भी अप्लाई नहीं होंगे प्रोस्पेक्टस के जो प्रोविजन है वो भी अप्लाई नहीं होंगे और रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है नाम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का एंटर होता है तो ये बस बता रहे हैं कि आपके जो बहुत सारे प्रोसीजर हैं वो डिपोजिट रिसीट के अंदर अप्लाई नहीं होंगे बहुत ईजी से था उसके बाद में वेसिंग टाइम लेट्स स्पीड प्रोसीजर फॉर डिपॉजिट रिसीट क्या क्या प्रोसीजर है एकदम इजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल शेयर होल्डर का अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल रुको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक चीज पता होनी चाहिए

अग्रमेंट एंड कस्टोडियन अग्रीमेंट जेड में रहते हैं तो याद रखना ही हो जाता है सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन इश्योर एंड द लीड मैनेजर इंडियन इश्यूअर और लीड मैनेजर के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट इंडियन इश्योर लीड मैनेजर जिसके थ्रू इंडियन इश्योर लीड मैनेजर को बोलता है दट इट इज योर रिस्पॉसिबिलिटी टू सेल ऑल ऑफ दीज डिजिटिट रिस इफ एट ऑल यूर अनेबल टू सेल द डिपोजिट रिसीड यू हैव टू सब्सक्राइब देम बायोर सेल्फ लेकिन मॉड्यूल में हमारे नोट्स में इतना सुंदर तरीके से लिखा है यू विल हैव टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज इफ इट ऑल देखो विद द कंपनी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन टू सब्सक्राइब फॉर जीडीआर ये जीडीआर खरीदेंगे सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन उसका मतलब यह है कि अगर वो बेच नहीं पाए तो वो लोग खरीदेंगे तो सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन जीडीआरमेंट to to तो फर्द हमने जी डी आर इशू हो रहा है अपू स्पेसिफिक टाइम आप इस दौरान कोई भी नया इशू ऑथोराइज नहीं करेंगे कोई इशू नहीं करेंगे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे किसी भी डिपोजिट रिसलिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे सो so दट हम लोग इन डिपॉजिट रिसीट को अच्छे से बेच पाए डिपोजिटरी अग्रीमेंट इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन दी स्टिकोडियन एंड ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है एग्जाम में अगर कभी आता है तो अग्रीमेंट बिटवीन डोमेस्टिक कस्टोडियन एंड इंडियन कंपनी अरे कैसे इट इज बिटवीन द कस्टोडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन एंड ओवरसीज डिपॉजिटन के बीच का अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं कस्टोडियन अग्रीमेंट इसमें कस्टोडियन के सारे ऑब्लीगेशन हो वगैरह होते हैं इसके बाद में दो अग्रीमेंट है फुद्दू से एकदम एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्टी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ इसको कंप्लीट कर लेते हैं इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड सब लोग मेरे साथ में इन केस ऑफ करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कंपनी हैज टू एंटर एन एजेंसी अग्रीमेंट विद सर्टन पर्सन नोन एज कन्वर्जन एजेंट सब क्या हो रहा है अरे मैं बताता हूं रुको इन टर्म्स ऑफ दिस अग्रीमेंट दीज एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू द होल्डर ऑफ एफसी बी फ्रॉम द फंड प्रोवाइड बाई द कंपनी दे विल ऑल्सो लाइज विद कन्वर्चन एंड ऑप्शन ऑप्शन टू बी एक्साइज बाई इन्वेस्टर एट मेच्योरिटी पूरी क्लास का फोकस यहां पर इंडियन कंपनी है यहां पर इशू कर रही है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड यहां पर ये लोग इस बॉन्ड को खरीदेंगे ना अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली जब भी यह बॉन्ड ऐसा आ रहा है ये कंपनी जो इशूंग कंपनी है इशूइंग कंपनी विल बी गिविंग टाइम टू टाइम इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी एंड आफ्टर फाइव इयर्स दीज पीपल विल बी इंप्लीमेंटिंग वन ऑफ द ऑप्शन गिवन टू देम ना दो ऑप्शन होते हैं इनके पास या तो ये क्या करा लें अपने पैसे को रिडीम करा लें या फिर कन्वर्ट करा लें शेयर्स को एक्सरसाइज कर लें ठीक है फोकस करना अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया जा रहा है इन लोगों को डर है ये लोग बोल रहे हैं अरे यार आज हम बॉन्ड तो ले लेंगे आपने कल को इंटरेस्ट पे नहीं किया तो हम क्या दूसरे सात समुद्र पर आएंगे कि आपके पास इंटरेस्ट लेने के लिए यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री वेर इन डिफरेंट कंट्री इस कारण से एक और इंटरमीडियट यहां पे पिक्चर में आती है इनका नाम है कन्वर्जन एजेंट्स लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोल्ड है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करना है

ये भी वो किसके पास जाके करेंगे इसी व्यक्ति के पास तो कल को कन्वर्ट और रिडीम ये काम भी कन्वर्जन एजेंट के थ्रू होगा अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया और कंपनी और इस व्यक्ति के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं एजेंसी अग्रीमेंट और आप बच्चे अब छोटे नहीं है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है इसको एजेंसी अग्रीमेंट क्यों कहते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज एक्टिंग एज कंपनीज एजेंट अब्रॉड तो होता यह है इससे कि इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा भरोसा आ जाता है कि हाँ हाँ ये रिलायंस अच्छी कंपनी है और उसने हमारी कंट्री में ये मिस्टर ए को एजेंट अपॉइंट कर रखा है ना कोई तो टेंशन नहीं है टाइम टाइम इंटरेस्ट भी यहाँ से आ जाएगा और कल को रिडम्पशन करना है इन क्या हमें रिडीम करना है कन्वर्ट करना है वो भी हम इनके पास जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कन्वर्जन एजेंट एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है जो कि टू फोल्ड काम है टाइम टाइम इंटरेस्ट भी देगा वो और ड्यू डेट पे कन्वर्जन या फिर रिडम्पशन जो भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उसकी भी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराएगा कन्वर्जन एजेंट सर जब इसका काम है इंटरेस्ट देने का और कन्वर्जन करने का तो इसका का नाम सिर्फ कन्वर्जन एजेंट क्यों लिखा है कन्वर्जन एंड इंटरेस्ट एजेंट लिखो अरे बिकॉज प्रैक्टिकली इंटरेस्ट देते रहे उसका कोई रोल ही नहीं है कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने उसमें उसको क्या करना है लेकिन कन्वर्जन के टाइम पे ही इज गॉट अ बिगर रोल टू प्ले इसलिए उसका नाम दिया गया कन्वर्जन एजेंट अब गेटिंग अ फेयर आइडिया रुक जाओ ट्रस्ट डीड रिस्पेक्ट ऑफ फॉरन कर कंपनी एंटर्स इंटूअ कोविनेट कोविनेट का मतलब अग्रमेंट नॉर्मल कोई हैवी वर्ड नहीं है कंपनी एंटर्स इंटू एविनेट कोविनेंट को टू फोल्ड यूज किया जाता है या तो अग्रीमेंट या अग्रीमेंट के किसी प्रोविजन को भी कोविनेंट कहा जाता है अग्रीमेंट ऑल्सो कोविनेट मींस एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द अट ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ सीसीबी दस इन विद ट्रस्टीज द होल्डर ऑफ एफसीबी गैरेंटिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एफसीबी एंड टू कंप्लाई विद्लिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच एफसीबी देखो देखो सो इंडियन कन्वर्टेबल बॉन्ड वि कन्वर्जन एजेंट जो कि प्रैक्टिकली टाइम टू टाइम पे इंटरेस्ट देगा ड्यू डेट पर कन्वर्जन कराएगा बट जनता को भरोसा दिलाने के लिए यह अब्रॉड में अपॉइंट करते हैं अपने ट्रस्टीज भी समझना बहुत अच्छे से तो जैसे ही एजेंसी अग्रीमेंट होता है उसी प्रकार से ये लोग अब्रॉड में अपॉइंट कर रहे हैं सर्टन पीपल एज द ट्रस्टी सो कंपनी एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विथ दिस पीपल एंड दिस इज नोन एज ट्रस्टीड अब सुनना थोड़ा सा अच्छे समझना सर ये ट्रस्टीज को अपॉइंट कर रहे हैं अलग से कन्वर्जन एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं अलग से क्यों सर ट्रस्टीज बिकम अ फेस ऑफ यंपनी देर यू नीड समेरी ट्रस्टी वो प्रैक्टिकली कुछ करने वाला नहीं है उनका रोल है सिर्फ ध्यान रखना देयरप इज देर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू सुपरवाइज उनका काम यह है कि उनके भरोसे पे ट्रस्टीज यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं अब्रॉड में और वो ट्रस्टीज पे बोलते हैं कि इंडियन कंपनी है रिलायंस वो इश्यू कर रही है फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और हम ट्रस्टीज हैं वी विल इंश्योर दस ऑफ ऑल द प्रोविजन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बी डन बाई कन्वर्जन एजेंट कन्वर्जन एजेंट आपको पैसे देंगे सब काम करेंगे लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं कि वी विल एंश्योर कि सब चीज़ें टाइम पे हो जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक ट्रस्टी होता है और एक मैनेजर होता है इंप्लीमेंटेशन का सारा काम मैनेजर का है लेकिन ट्रस्टी की अपॉइंट करते हैं टू एंश्योर कि सब चीजें अच्छे से हो रही है सो एवरी कंपनी करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हैज टू टू अपॉइंट पीपल अब्रॉड वन इज ट्रस्टी इनका पर्पज इतना सा है कि ये इंश्योर करेंगे दे गारंटी द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह वो खुद देंगे नहीं देने का काम तो कौन करेगा एजेंसी अग्रीमेंट देखना अच्छे से मेक द प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिख रहा है कितना केयरफुल लैंग्वेज यूज किया है इनका काम क्या है दे गारंटी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वो कर नहीं रहे हैं, बट वो खड़े हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं कि होगा वी विल एंश्योर द पेमेंट वेर एज द एक्चुअल पर्सन मेकिंग द पेमेंट आर दी कन्वर्शन एजेंट तो ये दो अग्रीमेंट एंटर होते हैं एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्टीड टेक टू मिनट्स रीड इट अप नोट्स में से ये पूरा एक बार रीड कर लो सडनली एकदम से गर्मी बढ़ गई क्या पर ऐसे सडनली कैसे ये क्या हो रहा है ये क्या बोल रहा है ये क्या किया पर बस ठीक है ओके okay, वो पी थ्री था पावरफुल चलो कोई बात नहीं बस बस ठीक है ठीक है इतना गुस्सा मत करो यार ठीक है ये क्या तरीका होता है क्या मशीनगा नहीं चला दी दर 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 मर गया आदमी रुको अब थोड़ा समय दो उसको चलिए आप लोग रीड करो रीड करो यू गॉट टू मिनट्स हाँ जी डायग्राम तो मैं फोटो दे दूंगा आराम से कर ड्रॉकलना कोई टेंशन नहीं आप देखना चाहते हो डायग्राम तो देख लो राइट नाउ आई वांट यू गाइस टू रीड सो देर आर टू अग्रीमेंट्स विच इन टू पिक्चर वैल इशूइंग फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड ट्रस्ट डीड से अपॉइंट होते हैं ट्रस्टीज ट्रस्टीज गारंटी देते हैं कि प्रॉपर पेमेंट होगा और कन्वर्जन एजेंट्स एक्चुअली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं और कन्वर्जन के टाइम पे कन्वर्जन करते हैं एक मुझे मत देखो यार पढ़ा लिखा भी ध्यान दो आप लोग क्या हो गया एकदम से यार चलिए यस डिड यू गाइस रीड चलिए फटाफट से एक दिन फोटो ले लो उसका कोई बात नहीं मैं ही दूंगा उसको फोटो आप लाइट लो आप लोग इधर आते हैं हम लोग नहीं टॉपिक से नहीं भटकना फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग Yes. इसके बात, बात करी थी अबाउट अदर रिलेटेड पूरा ऑफरिंग सर्कुलर रिसर्च पेपर प्री मार्केटिंग टाइमिंग प्राइसिंग इश्यू रोड शोज बुक बिल्डिंग क्लोजिंग ऑफ द इशू इन्वेस्टर रिलेशन प्रोग्राम इसके अंदर हमने एडिशनल नोट्स के अंदर बात की थी प्री मार्केटिंग और रोड शोज में क्या क्या कंटेंट तो होता है मुझे बताओ कि जनरल कंटेंट किस होता है जनरल इन नेचर रोड शोज वो आपकी कंपनी में बस क्या इंटरेस्ट डेवलप करा रहे हैं दैट इज रोड शो तो रोड शोज में क्या होगा आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी की शेयर का वैल्यूएशन कैसा है आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है आपकी कंपनी का इंटरनेशनल नेशनल के अंदर पोजिशन क्या एकदम जनरल बात जिससे कि लोग इंप्रेस होते हैं जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंपनी लेकिन डिटेल्स के अंदर जाते हैं इन ऑफरिंग सर्कुलर कि डिपोजिट रिसीट कितने में इशू करोगे हमारे पे कोई लीगल मैटर चल रहा है क्या हमने अप्रूवल्स लिए हैं नहीं लिए हैं ये सब होते हैं डिटेल्स जो कि दिए जाते हैं हमारे ऑफरिंग सर्कुलर के अंदर आते हैं हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं सबसे ऑफरिंग सर्कुलर इ अ मिरर थ्रू विच एन इन्वेस्टर कैन अंडरस्टैंड द कंपनी दिस इज द डॉक्यूमेंट बाय विच अ पर्सन विल टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि उसको डिपॉजिटरी रिसीट खरीदना है या नहीं खरीदना है यह सब यहां पर आएगा उसके बाद में रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर प्री मार्केटिंग प्री मार्केटिंग आप करते हैं इमीडिएटली बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू जब इशू ओपन होने वाला होता है उसके जस्ट पहले जो आप करते हैं उसे कहते हैं प्री मार्केटिंग प्री मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजों को समझते हैं लोगों का ओपिनियन वगैरह तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है आपकी इधर इससे आपकी वायरल फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू टाइमिंग प्राइसिंग एंड साइज ऑफ़ द इशू तो आप प्री मार्केटिंग में जो सीखते हैं उससे आपके इशू की टाइमिंग प्राइसिंग और साइज को लेके बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हैं टाइमिंग प्राइसिंग एंड साइज क्या होता है नॉर्मल टाइमिंग आपको ऐसा रखना है जब आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ओवरऑल भी शेयर मार्केट की स्थिति अच्छी है अभी अदानी का खेल चल रहा है अभी आईपीएल आना वुड बी अ बैड टाइमिंग जनता का भी इंटरेस्ट ही नहीं है शेयर मार्केट के ऊपर कि भाई अभी तो लग रहा है लोग लूट गए बर्बाद हो गए तो दिस बी अ बैड टाइमिंग तो अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने और ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देखना है और और उसके टाइमिंग प्लेस करनी है इन्होंने प्राइसिंग साइज के लेकर ऐसा बोला है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा अगर आपका साइज बहुत बड़ा है तो आपको प्राइस थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी अगर आपका साइज छोटा है तो आप प्राइसिंग ज्यादा रख सकते हैं फिर आता है रोड शो रोड शो रिफर्स टू अ मीटिंग ऑफ थ्री पीपल कौन कौन इश्योर इश्योर इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट पोटेंशियल वेस्ट एनालिस्ट बुक बिल्डिंग एंड प्राइसिंग बुक बिल्डिंग क्या है विलिंगनेस ऑफ पीपल इज रिकॉर्डेड एज ऑर्डर एंड दैट इज नोन एज बुक बिल्डिंग इस समय मेकिंग में हेल्पफुल रहता है प्राइस आपको केयरफुल लेना है हर एक चीज प्राइस को इंपैक्ट कर सकती है क्लोजिंग ऑफ द एंड अलॉटमेंट क्या आप जब भी क्लोज करेंगे आपको सारे फॉर्मालिटीज कंप्लीट करनी है फॉर्मेलिटीज़ आपको शेयर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देना है और उसके बाद आप अलॉटमेंट करेंगे अलॉटमेंट करते हैं आप इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक और फिजिकल कस्टडी देते हैं आप टू कस्टोडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन इन्वेस्टर रिलेशन प्रोग्राम यू हैव टू रन वीरियस इन्वेस्टर रिलेशन प्रोग्राम सो दैट आपके सारे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे पाए अपने डिपॉजिट रिसीट होल्डर को भी दे शुड ऑल्सो फील इन्वॉल्व कि आपकी कंपनी का बिजनेस कहाँ चल रहा है जो आपने पैसा रेस किया उसका आप कहाँ यूज़ कर रहे हो इसको लेकर आपको टाइम टाइम उनको इन्फॉर्म करना है उनको अगर कोई ग्रीवेंस तो उनको ग्रीवेंस एड्रेस भी स्ट्रॉ होना चाहिए और यहाँ पर डिपॉजिट रिसीट कंप्लीट हो जाता है हमारे चैप्टर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो डिपॉजिटरी रिसीट यह सबसे बड़ा हिस्सा

फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल है मतलब होल्डर को एक चॉइस मिलेगी या तो वो रिडीम करा सकता है फिर वो कन्वर्ट करा सकता है अब कुछ पॉइंट अलग से हमको ध्यान रखने पड़ते हैं ये कॉस्ट सिक्योर्ड होता है अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट कैन बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इसके अलावा एक और पॉइंट था वेरी गुड ठीक है एंड का ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बाद में हम लोग फीचर्स के बाद सीधा नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ लिए थे प्रोविजन मुझे बताओ क्योंकि कभी हम बात करें फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की तो उसका मेच्योरिटी कितना होगा नॉट लेस देन फाइव इयर्स मिनिमम फाइव इयर्स रहेगा जो उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन है पुट पुटन कॉल ऑप्शन वो भी कब रहेगा आफ्टर इयर्स इसके साथ में वॉरंट नहीं जा सकता है और इशू रिलेटेड एक्सपेंसिस प्राइवेट प्लेसमेंट में नॉट मोर देन टू ऑफ इशू साइज और पब्लिक इशू में नॉट मोर देन

नहीं होती है इजी जाता है फास्ट रेजिंग होती है मनी कि यहां पे यू कैन रेज मनी वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और लास्ट हमने पढ़ लिया था इसके अंदर के होल्डिंग टैक्स भी इसके अंदर काफी कम रहता है ऐसे करके चार पांच पॉइंट हमने बना के पढ़े थे बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर की अगर बात करूं तो पहले वही घुमा फिर के इक्विटी और डेट दोनों का बेनिफिट है इक्विटी का बेनिफिट में हमें क्या होता है पोटेंशियल जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उसका पोटेंशियल मिलता है एकदम आराम से और फिर जो डेट है उसके अंदर हमको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाता है लोअर टैक्स आ जाता है हमारा और दोनों के बेनिफिट्स के कारण हमारा जो वाई होता है वो काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है तो इस प्रकार ये पॉइंट इजिली बन गए थे एक स्पेशल केस मैंने आपको पढ़ाया था वो याद है क्या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी

ज हमारा फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड कुछ खास नहीं था फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के अंदर हमने सबसे पहले तीन चीजें पढ़ी थी कि कौन सी कंपनी है जो फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर सकती है तो इशुअर कंपनी क्या होनी चाहिए शेल बी अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ ऑफर्ड कंपनी तो ऑफर्ड कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट होनी चाहिए कंपल्सरली उसके बाद में ऑफर्ड कंपनी कंपल्सरिल लिस्टेड होनी चाहिए और एफडीआई में एलिजिबल होनी चाहिए फॉरन करेंसी कन्वर्टिव बॉन्ड में एलिजिबल होनी चाहिए या ईसीबी में एलिजिबल होनी चाहिए तो ऐसी ही कंपनी है जो इशू कर सकती है फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड जो ईसीबी या फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में एलिजिबल हो और एफडीआई रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो सर एफडीआई को रिसीव करना है अरे कल को कन्वर्जन एक्सचेंज का ऑप्शन सारा है तो एफडीआई भी एक्सेप्टेबल है कौन सी एंटिटी एलिजिबल नहीं है इंडियन कंपनी इज़ नॉट एलिजिबल टू रेज फंड फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसी कंपनी जिसको भारत में ही शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं है डिबार्ड है वो कंपनी रेज नहीं कर सकती एंड कोई भी कंपनी को रिस्ट्रेन कर रखा है बाय से भी वो भी फॉरन का एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू नहीं कर सकती तो जो एक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है इंडिया में शेयर इशू करने के लिए या फिर सब एक्सप्रेस डिबार कर रखा है तो वो लोग भी इशू नहीं कर सकते फॉरन बॉन्ड इन्वेस्टर कौन होना चाहिए तो इन्वेस्टर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि एफ सेटिस्फाई करे और अगर जरूरत है तो फॉर प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल भी ले सेबी ने अगर किसी व्यक्ति को प्रोहिबिट कर रखा है तो वो आपका इन्वेस्टर नहीं हो सकता एंड यूज एंड यूज के लिए इन्होंने क्या बोला कंपनी जो है द प्रोसीड कैन बी इन्वेस्टेड इधर इंटू प्रमोटर ग्रुप कंपनी या फिर इन्वेस्टेड ओवरसीज बाय वे ऑफ डायरेक्ट और और तो इन्वेस्टमेंट तो भी कर सकते हैं प्रमोटर का जो भी बिजनेस की ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितना होगा जो आरबीआई बताए उतना होगा ऑपरेशनल प्रोसीजर आपको आरबीआई का अप्रूव लेना होगा इफ रिक्वायर्ड नॉट ऑलवेज प्राइसिंग ऑफ ईसीबी में आपको बता रहा हूं सच बताया सिर्फ हमने सारे टॉपिक्स के अंदर सिर्फ यही एक चीज है जिसको केयरफुल पढ़ना है बाकी रिपीट टेलीकास्ट दिख रहा है पहले पांच पॉइंट इजीली याद हो जाते हैं किन किन को अलाउड है किनको अलाउड नहीं है अब यहाँ प्राइसिंग थोड़ा सा स्लो डाउन इन वे लास्ट टॉपिक है इसके बाद में लिखा है हैज टू मेंच्योरिटी फाइव ईयर लाइफ इज इजी प्राइसिंग ऑफ फॉरन करजेबल बॉन्ड आप कभी भी फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो वहां पे कम से कम एक्सचेंज प्राइस होनी चाहिए किसकी प्राइस इक्विटी शेयर जिसमें मिलेगा ऑफर्ड कंपनी का मिनिमम एक्सचेंज प्राइस शुड बी एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रोसीडिंग सिक्स मंथ्स और एवरेज high हाई एंड लो ऑफ whichever विच higher हायर बिकम्स द price प्राइस एट विच एक्सचेंज विल और इसके साथ में आपका पूरा मेन बुक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं अगर एडिशनल टॉपिक की बात करूं तो हमने वहां पर ऑलरेडी देख लिया है ईसीबी के उसके बाद में आता है आपका pre and पोस्ट लॉन एडिशनल की एक्शन फॉर डिपॉजिट रिसीटिट रिसीट को सक्सेस बनाना है तो क्या करना होगा तो रिसू करेंगे, 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 करेंगे तो ये सब करने से हमारे डिपोजिट रिटी का जो इशू है वो सक्सेसफुल होगा ऐसा फिर हम सब कमिटीज भी बना देंगे हम प्रॉपर टास्क फोर्स बनाएंगे हम इन डिपोजिट रिसीट को लिस्ट भी करवा देंगे तो यह सब चीज अगर आप अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिपोजिट रिसीट का इशू क्या होगा

एंड प्रमोट शेयर्ड शेयरिटी साथ में इसका ये लार्जेस्ट ग्लोबल बैंक है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इनके फंक्शंस क्या हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और एडवाइसरी फंक्शन देते हैं सेकंड ये आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट देते हैं ये आपको एडवाइसरी देते हैं ये आपको मिक्स देते हैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और एडवाइसरी सर्विसेज

189. इनका भी objective यही है 1945 के अंदर ये हुआ था और आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है टू गिव असिस्टेंस वो आई ही है. इसके फंडामेंटल मिशन क्या है तीन ट्रैक करना है ग्लोबल इकोनॉमी को और हमारे मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी को उनको ट्रैक करेंगे दूसरा लेंड करना है वैसी कंट्रीज को जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है और लास्ट गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प प्रैक्टिकल हेल्प का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिर्फ पैसे नहीं देना उनको दूसरे तरीके से भी मदद करना एसोसिएशन दिलवा देना etc., etc. क्या है कि जो भी कंट्रीज में क्राइसिस सिचुएशन होती है उनको ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए किया जाता है आई एम एफ लैंडिंग और यहाँ पे भी सिर्फ लोन नहीं दिया जाता उनको दूसरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हेल्प किया जाता है ताकि उनको वापस वो फटाफट से अपने पैर पर पे खड़े हो सके और यहां पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर नाइन इस चैप्टर को स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ में हमने पढ़ा है क्योंकि ये चैप्टर याद रखना कठिन है थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करोगे अच्छे से सेवन एट नाइन को एक स्लैट एक ही स्लॉट में लेके पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे दैल बी ऑल फॉर दिस सेशन एंड यू टू एंश्योर साथ में रिवाइज करो खूब खूब पढ़ो खूब 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 आगे बढ़ो बाय बाय चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर टेन को बहुत ज्यादा आसान चैप्टर यस पीपल चैप्टर टेन वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर सिलेबस इससे कॉम्पिटिशन करने के लिए चैप्टर ट्वेल्व आया है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा ज्यादा आसान है बाकी कुछ दम नहीं है चार चीजें पड़ी थी हमने 186 कमर्शियल पेपर डिपॉजिट्स एंड एडवांस फॉर कस्टमर इसमें एक्चुअली सिर्फ कमर्शियल पेपर में कुछ दम था कुछ नया पड़ा बाकी सब हमारे इजी विजी टॉपिक्स थे विच वी ऑलरेडी न्यू समय 186 में सबसे पहले आते हैं 186 186 के बहुत सारे सबसे पहले आता है

गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना है किसी और पर्सन में या बॉडी कॉर्पोरेट में तो उसको लिमिट फॉलो करनी होगी इस सेक्शन की। रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एक अमाउंट आएगा हंड्रेड परसेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एक और अमाउंट आएगा विच एवर इज हायर This is limit under 186 इतने अमाउंट तक तो आप मसी से लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मिला के कर सकते हो कोई परेशानी नहीं है सर इससे अलाउड नहीं है अलाउड है दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है अगर आप विद इन दिलिट करना चाहते हो रोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए रिक्वयरमेंट है यूनानिमस बोर्ड रेजो्यूशन प्लस प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टील्यूशन लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा करना चाहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूवल ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड स्पेशल रेजोल्यूशन एडिशनल स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है अगर आप उस लिमिट से ऊपर है तो पता नहीं एक अलग ही प्रॉब्लम बच्चों के प्रोफेशनल तो इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है एग्जीक्यूटिव जब भी लिमिट पर क्वेश्चन आता था पता नहीं दस में से दो तीन बच्चे आंसर ऐसा देते थे कि लिमिट कैलकुलेट करते थे और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर पूछा इस लिमिट से ज्यादा दिया है तो द एग्जिटिंग लोन गारंटी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इज एक्सीडिंग द लिमिट एंड इज नॉट अलाउड पता नहीं कि उनको अंदर से ऐसी आवाज आती है कि लिमिट के ऊपर अलाउड नहीं है लिमिट के ऊपर अलाउड है इट इज जस्ट के एडिशनल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा दिमाग में क्लियर उसके बाद में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर आप विद इन द लिमिट है और आपने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट्स वगैरह कभी डिफॉल्ट भी नहीं किया और लिमिट के अंदर है तो आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल नहीं चाहिए फिर आ जाता है छोटे छोटे पॉइंट कि अगर जो भी सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर सेबी ने जो भी रिकॉग्नाइज कंपनीज हैं उनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप दे सकते हैं दैट नॉट एक्सीड द प्रिवेलिंग ईल्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ सिमिलर टेन्योर उसके बाद में आप कभी भी अगर एक कंपनी ने लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देना चाहती है वो नहीं दे सकती नॉट अलाउड अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या इंटरेस्ट उन्होंने डिपॉजिट इंटरेस्ट में कभी भी डिफॉल्ट किया है तो वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वन एटी सिक्स नाइन और टेन बात करता है कीपिंग रजिस्टर कि आप जब भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देंगे तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है बी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इट हैज टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन और मेंबर चाहे तो इसमें से मांग सकते हैं ये हमने पढ़ा है इसके बाद में छोटी मोटी और चीजें पड़ी कि ये जो पूरे लिमिट्स है वो अप्लाई नहीं करते हैं अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी हो रही है बाय बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनी कंपनी इंगेज इन फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्योंकि इनको अलग लिमिट दी गई है विच इज वे हायर देन द दे गिवन लिमिट उसके बाद में अगर कोई भी एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी लिमिट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी फॉर एनबीएफसी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है एनी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एंड राइट इशू तो इन केसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी और इन केसेस में लोन गारंटी सिक्योरिटी के टाइम लिमिट अप्लाई

186 चली। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर के अंदर सबसे पहले हम लोग यहां पे इस चार्ट में सब कुछ एग्जॉस्टिवली कवर करते हैं हम लोग कमर्शियल पेपर एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले ब्लू पॉइंट्स कवर के फीचर्स कमर्शियल पेपर जो होता है उसके अंदर नीचे से जाते हैं कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट मिनिमम सेवन डेज मैक्सिमम वन ईयर पास क्वेश्चन देखा वन ईयर से ज्यादा टू ईयर का था अलाउड नहीं है कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ सेवन डेज टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन ईयर उसके बाद में इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपने बचपन में पढ़ाया तो उस प्रकार से कमर्शियल पेपर इशू किया जाते हैं ट्रेजरी बिल भी भारत में इसी प्रकार से इशू किए जाते हैं दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू एंड दे आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट हो गया ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट चलिए उसका नाम इट इज इशूड इन मल्टीपल ऑफ फाइव लैक पांच दस पंद्रह बीस एग्जाम में क्वेश्चन चार करोड़ के इशू की जा सकते हैं है, क्या बिल्कुल कर सकते हो, फिर आता है, प्रोमिसरी नोट देआर राइटिंग कैन बी हेल्ड इन फिजिकल और इवन डी मैट लेकिन एनी आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी उनके लिए इट इज टू होल्ड इट इन डी फॉर्म एंड गवर्नमेंट एनकरेज करती है टू यू यू फॉर होल्ड इट इन फॉर्म और मिनिमम क्रेडिटिंग आपको चाहिए इसके लिए ए टू आरबी अंडरस्टैंडिंग चलिए कैसा होता है कि जब जब आप इतना सारा पढ़ते हो तो सारे चैप्टर में कुछ चीजें एक जैसी लगती है तो मिनिमम क्रेडिटिंग है यह आपने मल्टीपल चैप्टर में पढ़ी है सर मूडी हो या स्टैंड पुअर हो तो अलग आ जाती है वहां पे कम से कम आपको दो लोगों से लेनी पड़ती है और अनएक्सेप्टेड भी बतानी होती है तो इस प्रकार से प्रोविजन अलग अलग होते हैं दैट इज नीड टू रिवाइज इट मल्टीपल ताकि दिमाग में क्लियर रहे कमर्शियल पेपर के अंदर मल्टीपल फाइल एक का होता है और मिनिमम क्रेडिटिंग रेटिंग दे रखी है ए टू की भी क्लियर ये हो गया हमारे ब्लू पॉइंट ब्लू पॉइंट के बाद में आते हैं कमर्शियल पेपर के हम लोग आ जाते हैं ग्रीन पॉइंट के ऊपर कि कमर्शियल पेपर कौन सी कंपनी इशू कर सकती है सिर्फ एक ऐसी कंपनी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है टेंजिबल नेटवर्थ टू बी ऑफ फोर करोर देर हैज टू बी अ सेंशनड वर्किंग कैपिटल लिमिट और बोरोर अकाउंट होना चाहिए एक स्टैंडर्ड अकाउंट पॉइंट एलिजिबिलिटी कि आपका नेटवर्थ टेंजिबल नेटवर्थ कम से कम फोर होना चाहिए यू नीड टू हैव अ सेंशन वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड योर बोरोर्स अकाउंट हैज टू बी अ स्टैंडर्ड अकाउंट ओनली देन यू कैन इशू अ कमर्शियल पेपर उसके बाद में लिमिट से कुछ लिमिट्स में कुछ एक्जेक्ट लिमिट नहीं बताई कि आपको आरबीआई की अम्ब्रेला लिमिट में भी ध्यान रखना है आपको सीआरए की लिमिट का भी ध्यान रखना है और आपको बोर्ड की लिमिट का भी ध्यान रखना है अपने तो आपको रहना यू टू इंश्योर दैट यू आर इशूइंग कमर्शियल पेपर विद इन द अम्ब्रेला लिमिट ऑफ आरबीआई यू यू टू इंश्योर आर इशूइंग द कमर्शियल लिमिट र्शियल पेपर विद इन द लिमिट गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड यू टू इंश्योर दट यूर इशूंग द कमर्शियल पेपर विद इन द लिमिट गिवन बाईर बोर्ड तो इसका ध्यान रखना है बहुत आसान हो गया उसके बाद में आईपीए जब भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल पेपर इशू करने की कोशिश कर रहा है इट हैज टू इशू थ्रू आई पी ए अनिवार्य है इशूंग एंड पेइंग एजेंट एंड इट हैजू बी अड्यूल्ड बैंक Easy. और में यहाँ पर आ जाता है कि इन्वेस्टर अगर कोई भी इन्वेस्टर है यहां पे कमर्शियल पेपर का तो सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड अगर कोई भी होती, तो 15 yes. किसको करना है कंपनी का नाम याद करो क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड क्लियर कॉर्ट डीलिंग सिस्टम लिमिटेड क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड इंडिया की कंपनी है क्लियर कॉप डीलिंग इंडिया

Yes. इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है डिपॉजिट्स हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन डिपॉजिट्स दो टाइप के हो सकते हैं

अब आता इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के तीन फीचर पहला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हाई रहता है एंड इट इज कंपल्सरी हमेशा अनसिक्योर्ड फिर आता है डिपोजिट फ्रॉम पब्लिक और एनी कि अगर कभी भी हम पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है तीन का, पहला तीन तरह से आप उनको सिक्योर करते हो डिपॉजिट इंश्योरेंस

बचे हुए जो आपने डिपॉजिट इंश्योरेंस में कवर नहीं करवाया क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस बेसिक लिमिट होता है, जो, जो नहीं होता है उन सब के आप क्रिएट करते हो चार्ज ऐसा कुछ लिखा हुआ तो तो सिंपल से आपको चार्ज भी क्रिएट करना है

ये सर्कुलर आप अपने मेंबर्स को देते हैं उसकी कॉपी आप आरो के पास फाइल करते हैं एंड उसको न्यूज़पेपर में भी देते हैं भले ही आप डिपॉजिट मेंबर से रेस कर रहे हैं या पब्लिक से आपका जो सर्कुलर है वो न्यूज़पेपर में जाता है बस आप जब पब्लिक से रेस करते हैं दैट इज नोन एज सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर उसके बाद में छोटे मोटे और चीजें डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व तीन चीजें हैं डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व के अंदर क्या करते हैं ट्वेंटी ऑफ द डिपॉजिट मिच्योरिंग इन द फॉलोइंग ईयर हैज टू बी डिपॉजिटेड इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक बिफोर अप्रेल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन डिपॉजिट अगर आपने कभी भी डिफॉल्ट किया है तो आप फिर वापस आप डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते लेकिन अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया था उस डिफॉल्ट को आपने करेक्ट भी कर दिया तो उसके पांच साल बाद अगेन यू कैन इशू हैव इलेप्स उसके बाद में इसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है फ्रॉम स्ट्री ऑडिटर आपको सिक्योरिटी देनी इन द फॉर्म ऑफ देनीट अगर कभी भी आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो हर जगह पे लिखा होगा दैट दीज डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड अनसिक्योर टू एंटर इनटू अ ट्रस्ट डीड एंड दिस इज ऑल अबाउट डिपॉजिट्स चैप्टर शुरू होता है चैप्टर बात करता है सबसे पहले हमारी बात करता है ये चैप्टर 186 सुपर इजी फिर बात करता है कमर्शियल पेपर वो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया तो वही पड़ा फिर आता है डिपॉजिट्स और लास्ट में गरीब सा टॉपिक आता है कस्टमर एडवांस मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति जवाब दे रहा मैं मैं मनाली मनली हाँ। आपके आगे कर, दो बेंचेस खाली है ना तो इसलिए के तीन बेनिफिट्स क्या हैं और तीन डीमेरिट्स क्या हैं देख के तो मैम बहुत अच्छी इच्छा है आपकी कोशिश करो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो बता पाओगे सब लोग दिमाग पे जोर डालो पेज पे देखने का मतलब नहीं है दिमाग पे जोर डालो कि कस्टमर एडवांस के तीन मेरिट्स और तीन डीमेरिट्स क्या है। कनेक हैं कनेक्ट करते हुए पढ़े थे हमने ताकि याद रहेंगे जंबल वर्ड्स जो पॉइंट याद आता था फेंको और आप लोग स्ट्रक्चर करो आप में से किसी के ऊपर भी फेंक सकता हूँ मैं अगला और अलीबाग टू अलीबाग की संभावना ज्यादा है हाँ तो आप लोग दिमाग में रिवाइज कर लो क्या कोशिश करो यही तो पॉइंट है तीन मेरिट से तीन डीमेरिट्स है कौन फ्लिप कर रहा है भाई कोशिश करो सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज कर पा रही थी अमाउंट कंट्रोल में नहीं था हमारे लिमिटेड होता है उसी पे ही नहीं करना पड़ता इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया यस वेरी गुड कोई चिंता नहीं है इंश्योर करो, रिवाइज कर क्या हो मेरिट्स तो इतने अच्छे मेरिट्स से है कि बात ही क्या करें भैया इंटरेस्ट फ्री कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं कोई रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं कि भैया इंटरेस्ट फ्री है बहुत ही जबरदस्त है इंटरेस्ट ही पे करने की जरूरत नहीं है, हमको टेंजिबल सिक्योरिटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की कोई जरूरत है उसके बाद में आ जाता है हमारे लिमिटेड अमाउंट प्रॉब्लम कि आप सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही ले पाते हैं उसके बाद में लिमिटेड पीरियड कि आप सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए कस्टमर एडवांस मिलेगा और मान लीजिए आप कल को नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनॉल्टी भी लगने वाली है आर वी अंडरस्टैंडिंग इजी पीजी तो ये है आपके तीन मेरिट्स और तीन डीमेरिट्स इससे आसान प्रोविजन हो ही नहीं सकते एंड इसके साथ में खत्म होता है लेकिन उसके पहले उसके पहले आपको ले जाता हूं मैं यस yes. ए गुस्से में क्यों आ रहा है वो नहीं नहीं वो इलेवन लिखा था वही ओपन करना था हाँ बहुत गुस्से में था वो यार जितने गुस्से में वो बंद हुआ और वो इलेवन ये बन चुका अभी है अभी क्या कर रहा है अरे नहीं बेटा जी नेमिंग है ना वो ऊपर से गलत है तो चैप्टर नंबर इलेवन की जो नेमिंग है ना वो है अरे हाँ वही होना चाहिए था लेकिन वो कुछ तो खेल हो गया यहाँ पे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के पास में है इलेवन मुझे दो ना वैसे भी इसके अंदर तो चेकलिस्ट वाले सारे पॉइंट्स हैं इलेवन किसी के पास होगा फोल्डर बना के रखे ना कुछ ना बहुत अच्छे से कोई भी व्यक्ति दे दो थैंक यू सो मच क्या बात है यार जी डी ऐसे काम करो ठीक है बाकी कामों में आप हो जैसे काम मत करो बट इस काम में आप कर सकते हैं ठीक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है बाकी में भी करेंगे बस ठीक है इलेवेंथ ओ यस यहाँ पे गलत थोड़ी ना होगा आपके इसमें टेन नहीं मिला तो मैं आपके साथ क्या करूँ देखो ट्वेल्व है ट्वेल्व के पहले तो नाइन है सीधा सीक्वेंसिंग आगे पीछे क्या तो मिल गया नहीं सेवन है यस yes. दे दो यार कोई भी थैंक यू चलिए तो लखनऊ को एक काम में कॉन्फिडेंस के साथ करने की कोशिश की पर लखनऊ ने वहां पे कुछ कर दिया <laughs> चलिए इधर आते हैं हम लोग सो टॉकिंग अबाउट एडिशनल टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर टेन इसके अंदर सबसे पहले दो चीजें मैंने आपको सिर्फ रीड करने के लिए दी थी एक था प्रोसीजर जब आप 186 के अंदर लोन देते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और एक आपका था कि जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी चेकलिस्ट क्या है मुझे बताओ चेकलिस्ट अगर एग्जाम में किसी भी टॉपिक की पूछी जाएगी तो अपन सारे पॉइंट्स को किस फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन वेदर इट्स अ चेकलिस कि वेदर ये किया क्या वेदर आपने बोर्ड का अप्रूवल लिया क्या वेदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया क्या वेदर आपने एडवर्टीजमेंट इशू किया क्या क्या वेदर न्यूज़पेपर के अंदर इसको इशू किया क्या, तो जब भी एग्जाम में फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टॉपिक वही लिखना है बट उसको एक क्वेश्चनिंग छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में वेदर करके छोड़ देना है और फिर यहां पे प्रोसीजर है तो प्रोसीजर में जो हमने पढ़ा है का वही यहाँ पर आप लिखते हैं कि आप चेक करोगे कि लिमिट के अंदर है कि बाहर है अगर लिमिट के अंदर है तो सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लो अगर लिमिट के बाहर है तो इसके साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी लो अगर लिमिट के अंदर है और साथ में कोई आपने डिफॉल्ट भी नहीं किया है तो आपको पब्लिक फाइनेंशियल के लोन के रीपेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो उनका प्रो लेने की आवश्यकता नहीं है ये सारे जो पॉइंट्स पड़े यही यहां पे लिखने बुक्स मेंटेन करो यहां यहां पे रखो बुक्स पे भी रखी वो बुस उनको बतानी होगी वहां से कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है वहां से कोई भी कॉपी ले सकता है एक्स्ट्रेक्ट ले सकता है तो जो प्रोविजन पढ़ा है वही यहां है उसके बाद में एक टॉपिक जो पढ़ा दैट रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी अंडर कमर्शियल पेपर सबसे पहले आता है ईश्वर की बात करते हैं ईश्वर की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बहुत अच्छी बोला ईश्वर की रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी में जो भी लॉस से कहेगा वो सब ईश्वर को करना है तो उसका काम क्या है पूरा गाइडलाइन और प्रोसीजर फॉलो करने का फिर हमने पढ़ा इशुंग एंड पेइंग एजेंट ये ध्यान रखना है इशुइंग एंड पेइंग एजेंट की यहां पे चार रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए सबसे पहले मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है या नहीं है ये इंश्योर करेगा इशुंग एंड पेइंग एजेंट दूसरा पॉइंट उसको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई कराएगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी वो व्यक्ति अपने पास में रहेगा और उसका और इश्यूअर का वैलिड अग्रीमेंट होना चाहिए तो याद रखना कुछ ऐसा तरीका था कि आईपीए की जो रिस्पॉन्सिबिल उसमें तीन तो डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट आ जाते हैं और एक पॉइंट आ जाता है कि वो क्रेडिटिंग एजेंसी का ध्यान रखेगा मिनिमम रेटिंग है तीन डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट में पहला डॉक्यूट पॉइंट आ जाता है ही ही विल चेक्स ऑल द डॉक्यूमेंट सेकंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कस्टडी अपने पास में रखेगा एंड ही नीड्स टू हैव अ वैलिड अग्रीमेंट इश्यूअर फिर लास्ट आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है उनको ध्यान रखना है कि जो भी उनकी जो भी क्रेडिटिंग इश्यू कर रहे हैं उसकी रेटिंग की वैलिडिटी टेन्योर उनको बता के रखना होता है और टाइम टू टाइम उसके अंदर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन लेके वापस वैलिडिटी वापस क्रेडिट रेटिंग अगर इशू करनी है तो इशू करनी है रिवाइज करके आप क्रेडिट रेटिंग को रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी

क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन तो एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि इंश्योर करती है भारत में कोई भी बैंक अगर कभी भी डिपॉजिट ले रहे हैं तो मुझे आप बताओ अमाउंट 5 लाख तो हर व्यक्ति का डिपॉजिट अप टू 5 लाख इज इंश्योर मुझे केयरफुली बताओ बिना देखिए बता सकते हो क्या इसके अंदर कौन कौन सी बैंक कवर होती है इसके अंदर कौन कौन सी बैंक कवर होती है सोचो ऑल कमर्शियल बैंक उसके बाद में स्टेट सेंट्रल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी को ऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट कवर्ड यह हमको ध्यान रखना है उसके बाद डिपॉजिट की बात की हम डिपॉजिट वैसे सारे कवर कर लेते हैं लेकिन अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट है तो कवर नहीं करते उसके बाद में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट तो कवर नहीं करते इंटर बैंक डिपॉजिट हैं तो उसको कवर नहीं करते स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक का कोई डिपॉजिट है उसको कवर नहीं करते एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया तो वो भी डिपॉजिट के अंदर कवर नहीं होता है और किसी भी एक्सप्रेस के किसी अमाउंट को अगर उन्होंने कवर नहीं किया एग्जाम किया तो वो भी कवर नहीं होता है याद करो जो हमने प्रोविजन पढ़ा था मैंने इस प्रकार से पढ़ाया था कि ये इंडियन इन्वेस्टर हिस्ट्री से शुरू किया था हमने कि लोग बिना सोचे समझे एफ करा लेते थे तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट के पास ये रिस्क आ गया था कि कोई भी बैंक ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा हट हाँ जाएगा तो आरबीआई ने ही इसको अपनी सब्सिडी की तरह स्टार्ट किया इस कारपोरेशन को विच एन्श्योर्स कि हर बैंक में कोई भी आप किसी बैंक में डिपॉजिट करा दो जो कवर्ड बैंक है यहां पे अगर आपने डिपॉजिट किया और कोई डिफॉल्ट होता है तो फाइव लाख तक की गारंटी हम देते हैं तो इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को तो इंटर बैंक गारंटी बोल दो गवर्नमेंट का जो हो गया फॉरिन गवर्नमेंट का जो हो गया इंडिया के बाहर से किसी फॉरिनर का जो हो गया ये सब इसके अंदर कवर्ड नहीं होते हैं ये यह हमने यहाँ पे पढ़ा था फिर हमारा ये ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी वही हमारे जो रेगुलर ड्यूटीज होते हैं ट्रस्टीज के वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो इनफ होना चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को रीपे करने के लिए उसके बाद में आपको सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर आप इशू कर रहे हो इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सही लिखी गई है उसके बाद में यूव टू इन्श्योर कि कोई भी प्रोविजन का वॉयलेशन नहीं हो रहा है आपको कॉल कर लेनी है मीटिंग ऑफ डिपोजिट होल्डर जब भी आपको नीड फील होती है यूव टू टेक एक्शन एक्सरसाइज इन केस रिकवरी करना है तो अगर मान लीजिए सिक्योरिटी को हमें एक्सरसाइज करना है इन्फोर्स करना है तो उसके एक्शन पे डिपॉजिटर को लेने होंगे एंड जो भी आपको और कोई भी एक्शन लेना है टू सिक्योर द डिपॉजिटर उनके इंटरेस्ट में आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो ले सकते हो मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर मुझे बताओ कितने डिपॉजिटर ने अगर बोल दिया राइटिंग में तो मीटिंग होती है न टेंथ अगर वन टेंथ डिपॉजिटर बोल देते हैं तो आपको मीटिंग करनी होगी या फिर अगर डिपॉजिट ट्रस्टी को कभी भी लगता है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है कि मीटिंग करनी चाहिए तो वो तो मीटिंग कंडक्ट करवाई सकता है इट इज समथिंग लाइक कंपनी लॉ में मीटिंग बाय रिक्वेजेशन शेयर होल्डर बोल सकते हैं और मीटिंग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो जब चाहे तब कर सकते हो डिबेंचर ट्रस्टी को कभी भी लगता है कि डिपॉजिट ट्रस्टी को कभी भी लगता है कि मीटिंग करनी तो वो करवाई सकता है और अगर उसको मेंबर से पूछ के मीटिंग करनी है तो वन टेंथ इन मेंबर ने जब बोला तब मीटिंग होगी उसके बाद में हमने केस पढ़ा था Swift Limited ROC. मुझे बताओ कि एक बार अगर अगर मान लीजिए पुराने 1956 के के अंदर CLB ने मुझको extension दे दिया, दिया, मैं वापस आता हूं, NCLT के उन्होंने extension दिया, आप भी दो? नहीं, दे, नहीं।, नहीं। देंगे भैया, पहले एक बार एक्सटेंशन दे दिया तो वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं।, नहीं है और इस प्रकार से सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं कुछ है ही नहीं इसके अंदर चल क्या करेंगे यार फटाफट से क्विक रिविशन करेंगे फिर आप बच्चे इसे पैन डाउन कर लोगे ऑन ट्वेल्व पॉइंट इलेवन ट है ना बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप यहां पे लिखो ओवरव्यू ऑन ट्वेल्व पॉइंट इलेवन रिटन ओवरव्यू ऑन ट्वेल्व पॉइंट इलेवन उसके बाद में ट्वेल्व पॉइंट इलेवन पर ओवरव्यू लिख दो चैप्टर शुरू करोगे जब भी आप सेल्फ स्टडी के लिए पहले ओवरव्यू को देखो ओवरव्यू देखने के बाद तो आपको कुछ चीजें याद आएगी ऑटोमेटिकली कि यार ये ऐसा था, था इस टॉपिक में ये दिया इस टॉपिक में ए दिया है फिर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो बेटर तरीके से ग्रास्प होता है ऐसा मिनिमम मैक्सिमम के अंदर आप क्या लिख सकते हो यहां पे आज आपके लिए एक अच्छी चीज लाया हूं मैं वो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद आपको पिछले इतने अटेम्प्ट का एनालिसिस कि हर एक अटेम्प्ट में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आए हैं बट इस चैप्टर के रिविजन के बाद में चलिए अरे हाँ और एक और चीज़ ये एक्सपेक्टेड का अंदर यहाँ पे वर्ड ही एक्सपेक्टेड लिखा है क्योंकि आईसीएसआई हर अटेम्प्ट में एक आधा पेपर में क्या करता है डिफिकल्ट नहीं बस उनको एक्सपेक्टेड पैटर्न तोड़ना होता है तो जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं उससे पूछ लिया किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछते हैं उससे ज्यादा पूछ लिया ये वो कर सकता है तो अपन को ये जो अपना एक्सपेक्टेड होता है वो सिर्फ इसलिए करते, है, ताकि करते हैं ताकि एबीसी एनालिसिस करते रहें कि एग्जाम के एक दिन पहले जब पढ़ने बैठेंगे तो पहले कौन से चैप्टर्स करेंगे बाद में कौन से चैप्टर्स करेंगे बस उसके लिए करने तो सारे चैप्टर हैं ही है ऐसा

इसके बेस पे सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर देता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से बेच देता है वहां से जो पैसा आता है उस पैसे से एसपीडी ओरिजिनेटर का लोन रिपे कर देता है ये जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है पूरा Yes, this is in language, में क्या होता है, आए है, उन करती है उसमें के तौर देती है वही मॉडगेजेस एंड वहां से जो लोग खरीदते हैं उनका जो पैसा आता है उससे SPD पे कर देती है बैंक को ओरिजिनेटर को तो बैंक को अपना पूरा पैसा मिल गया

टू इन सिक्योरिटी गिवन एज एन इंस्ट्रूमेंट एकदम आराम से सिक्योरटाइजेशन इज प्रोसेस वेर इन दूल ऑफ मॉडगेजेस आर ट्रांसफॉर्म कन्वर्टेड इंटू एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज सिक्योरटाइजेड इंस्ट्रूमेंट सेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल असर्ट्स इन टू securities securitization is a process wherein the pooling of repackaging of homogeneous illiquid financial asset is done and that is converted into marketable securities securitization is a process wherein the income producing assets or pool of assets are converted into financial instruments and securitization is a process wherein pool of asset is issued ज ए कोलेटरल फॉर सिक्योरिटीजन किया यही तो अगर सिक्योरटेशन क्या है ऐसा पूछ लेते हैं तो हम हमारी लैंग्वेज तो करेंगे फिर यह चार पांच जो पॉइंट है से ही कोई दो -तीन points explain कर देंगे, तो हमारा आंसर की जो लैंग्वेज मॉडल से मैच कर जाती है चलो वे गुडिया उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे मोरी जैसे एक्साम्पल भी हमने पढ़ लियान सब चीज हम चीज देख चुके हैं अगर कभी पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फोर स्टेप के अंदर वो सिक्योरिटाइजेशन होता है स्टेप वन एसपीडी इज क्रिएटेड वी क्रिएट एसपीडी ठीक है एसपीडी इज क्रिएटेड स्टेप टू के अंदर द ओरिजिनेटर द बैंक सेल्स इट्स फाइनेंशियल असेट्स टू एसपीडी तो स्टेप वन एसपीडी इज क्रिएटेड स्टेप टू द बैंक सेल्स इट्स फाइनेंशियल असेट्स टू एसपीडी स्टेप थ्री एसपीडी उन्होंने करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर आर आंसर मॉड्यूल्स आंसर तो हमें चिपक के रहना है मॉड्यूल के आंसर से आप हो सकता है सिक्योरिटाजेशन को इससे बेटर स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हो

SPDE, all of your trustees must be registered under the regulation and you are complying with all the provisions with respect to this regulation and SEBI Act. Okay, फिर trustee वाले point में आते हैं कि trustee का registration regulation होना compulsory है but उसके कुछ exclusions हैं कि यहाँ पे जो लोग दिए हैं इनको वापस registration कराने की आवश्यकता नहीं होगी कौन? जो डिबेंचर ट्रस्टी की तरह रजिस्टर्ड है वो सिक्योरटेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सारफेसी नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट नाबार्ड अंडर उनका खुद का एक्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेबी इन लोगों को वापस रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है एक बार वापस रिपीट करते हैं कौन लोग डिबेंचर ट्रस्टी हाउसिंग बैंक, एक बैंक नाबार्ड एक्ट में नाबार्ड शेड्यूल एंड पब्लिक इनको याद रखना आसान कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं एकदम आराम से देखो ये दो तो साथ, -साथ ही चलते जहां कमर्शियल बैंक आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई जाता है ये दो भी जनरली साथ साथ रहते हैं जहां पर नाबार्डते नेशनल हाउस बैंक दिखी जाता है तो नाबार्ड और नेशनल हाउस बैंक आ गए फिर ये दो पॉइंट याद रखने रहे सिर्फ हमको सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और डिबेंचर तो वापस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है चलो ठीक है सर इन छह में कवर नहीं होते हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो क्या करेंगे तो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम टू करोड़ रुपीज और साथ में आपके पास एटलीस्ट दो लोग इंप्लॉइड होने चाहिए

एक्सपेंस अब स्पेसिफाइड लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट होगी नहीं चाहिए हर ट्रस्ट के अंदर रूल रहता है तो, ऐसे पांच कि स्कीम करेंगे तो ध्यान, ध्यान सबसे पहले स्कीम के हिसाब से होगा मल्टीपल स्कीम अगर आपकी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेपरेट डिस्टिंग अकाउंट के रखने मल्टीपल स्कीम चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन का करेक्ट एप्लीकेशन हो रहा है आप क्लीन कॉल ऑप्शन का प्रोविजन रख सकते हो और लास्ट में आपके एक्सपेंसिस लिमिट होने चाहिए बहुत

मैनेज एंड डू द कलेक्शन का वर्क ओके सेकेंड ही विल एडमिनिस्टर द कैश फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे लेकिन हर टाइम पे पढ़ते टाइम याद होना चाहिए कि, कि कलेक्शन के साथ में दो और वर्ड है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में एक और वर्ड है तो फर्स्ट सेकंड इसके अलावा क्या करेगा री इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा इफ एनी तो भी ये कर लेगा और एनी अदर इंसिडेंटल मैटर्स है तो भी ये संभाल लेगा कोई बड़ी बात नहीं सर सर फिर आया होल्डिंग ऑफ ओरिजिनेटर ओरिजिनेटर कभी भी किससे ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता है ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता है फिर उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन के वेन सिक्योरट टू पब्लिक और लिस्टेड तभी ये लिमिट आती है इट डॉट अपलाये अंडर राइटिंग और क्रेडिट इनहेंट के केस में एंड दिस पॉसिबिलिटी मस्ट बी मस्कलोज इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट और लिस्टिंग पर्टिकुलर थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक का है बट हमने एक बार एक ही पॉइंट है ट्वेंटी परसेंट उसको हमने गलपिन कर लिया जैसे तैसे चलिए फिर आई मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बहुत इजी है कि आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपके एक रजिस्टर होना चाहिए रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाज इंस्ट्रूमेंट होल्डर का

तीन पॉइंट है क्या कह रहे हैं कि जब स्पेशलेशन पास करके बीच में भी कभी रिडीम करना है तो कर सकते हो दूसरा जब लीगल मेच्योरिटी गई तब रिडीम हो जाएगी या फिर जब आपने सारे यूनिट्स को रिडीम कर ही दिया है रिडीम एज पर द स्कीम कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो यू हैव रिडीम्ड एज पर द स्कीम वंडरफुल वर्डिंग अप रिडीम रिडीम नहीं हुआ है लेकिन लीगल मेच्योरिटी आ गई आपने जो बोला था ना एक्सटेंशन होगी भी यहां तक पहुंचेगा वो मेच्योरिटी आ चुकी है तो तो आपको कंपलसरी पैसा देकर खत्म करना है और थर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर अगर मान लो यूनिट होल्डर यूनिट होल्डर्स सिक्योरट डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स ऐसा बोल देते हैं कि नहीं साहब हमें तो नहीं हमें अभी, के अभी बंद कर दो आप तो उस केस में भी आपको बंद करना होगा एकदम आराम से ये जनरल प्रोविजन आ गए फिर आए पब्लिक ऑफर के प्रोविजन ठीक है ऑफर टू तो पब्लिक सबसे पहला सवाल आता है कि कब बोला जाएगा कि पब्लिक ऑफर है मेन कंडीशन अगर कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है

अगर आपने आपने कंपलसरी ऑप्शन देना है हर एक होल्डर को सिक्योरट इंस्ट्रूमेंट में कि वो इसे फिजिकल में होल्ड करना चाहता है या डीमैट में तो उसके लिए पहले से आपको डिपॉजिटरी को एक अग्रीमेंट एक अरेजमेंट करके रखना होगा दैट बी इशूइंग इंस्ट्रूमेंट इन डीमैट फॉर्म ये कब करना है प्रायर टू गिविंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देने के भी पहले यू टू एंटर टू एन अरेजमेंट विद डिपॉजिटरी होल्डर्स चॉइस के वो जहां चाहे वैसे होल्ड कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी कम से कम दो रेटिंग एजेंसी से और आपके लिए जो अनएक्सेप्टेबल रेटिंग्स है उनको भी आपको कंपल्सरी डिस्कलोज करना है ऑफर पीरियड मैक्सिमम थर्टी डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो आपको पूरा पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा प्रोविशन ऑफ मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए मतलब ना तो आपका कुछ फॉल्स स्टेटमेंट मिसलीडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए ना ही मटेरियल स्टेटमेंट आपने ओमिट करने हैं ओवर सब्सक्रिप्शन आप रिटेन नहीं कर सकते हो लास्ट मत अलॉटमेंट अलॉटमेंट सिक्योरिटी हो जाना चाहिए विदिन फाइव डेज अगर आप कर रहे हैं डीमैट में विदिन एट डेज अगर आप कर रहे हैं फिजिकल में ये फाइव और एट में क्या हो जाना चाहिए अलॉटमेंट तो हो ही जाना चाहिए साथ में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाना चाहिए और यहां से सर्टिफिकेट डिस्पैच भी हो जाना चाहिए चलिए उसके बाद में छोट मोट इस बात आती है लिस्टिंग की लिस्टिंग को लेकर हमने क्या पढ़ा

पॉइंट्स में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है कि प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इश्यू डिफरेंस सिर्फ यहां है ऐसा तो इसलिए उसको केयरफुली पढ़ना है जैसे कि तो कब होगी आप लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो आपको को लिस्टिंग देना है लिस्टिंग अग्रीमेंट दोनों ही केस में आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ेगा अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है? ध्यान से समझना जब आप लिस्ट करना चाहते अपनी सिक्योरिटीज अगर आप पब्लिक इशू इश्यून लिस्टिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू एंश्योर यूव टू सेटिसफाई सेबी आपने एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में दो दिन का समय दिया था और फ्री आप लिस्टिंग कर रहे हैं और आपने अलॉटमेंट भी किया है एकदम प्रोविजन के कंप्लाइंस में ठीक है और वहीं अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करके और फिर लिस्टिंग करा रहे हैं तो यू हैव टू सेटिस्फाई से कि आपने क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन की थी

पब्लिक इशू जब करेंगे तब तीन कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए आरबीआई के सारे कंडीशन गाइडलाइंस सिक्योरिटी रिसीट के रेगुलेशन एंड इट हैज टू बी इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट फिर आ जाता है अगर लिस्टिंग तो बहुत सारी कंडीशन है देखते हैं कितनी याद है जितनी याद है उतनी बोनस अगर लिस्टिंग किया तो प्राइवेट प्लेसमेंट में होना चाहिए सिक्योरिटी रिसीट के सारे रूल रेगुलेशन कंप्लाई होनी चाहिए डीमैट में होना चाहिए क्वालिफाइड बायर का मिनिमम मैक्सिम टू हंड्रेड लोगों को कर सकते हो और मिनिमम अलॉटमेंट होना चाहिए टेन लाख का फिर नीचे के कुछ पॉइंट्स कंडीशन फॉर लिस्टिंग आपको कंप्लाई करनी है वैल्यूएशन क्रेडिट रेटिंग लेनी चाहिए इसी प्रकार के कुछ पॉइंट है आ जाते हैं एकदम आराम से ये yes. ओवर डिस्क्लोजर का एक पॉइंट रह गया बाकी सब कुछ कवर हो गया डिस्क्लोजर भी हो जाना चाहिए 2008 के के रेगुलेशन हिसाब से अब अगर हम यहां पे देखते हैं क्या लिखा है सबसे पहले इशूड एलिजिबिलिटी तो अगर हम बात करते हैं कि कब आप सिक्योरिटी रिसीड इशू कर सकते हैं तो आरबीआई के एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किया है हमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होना चाहिए और सिक्योरिटी रिसीट के सभी रूल्स और रेगुलेशन हमने कंप्लाई कर दिया है सेल टू ऑफ सिक्योरिटी रिसीड एक्सिस्टिंग होल्डर कुछ भी नहीं बताया इन्होंने कि आप सेल कर सकते हैं बट ये आपको करना है एज पर द रेगुलेशन कंडीशन फॉर लिस्टिंग तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस होना चाहिए सिक्योरिटी रिसीट के सारे रूल्स लॉस कंप्लाई होने चाहिए 200 लोगों से ज्यादा को नहीं कर सकते डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। करना होगा तो के हिसाब से। कम से कम टेन लाख ,00 का अलॉटमेंट होगा हर एक व्यक्ति को। होगा होगी और पिछले तीन महीनों के अंदर की होनी चाहिए अगर पुरानी नहीं चलेगी और और कंपलसरी करना है ऑफर डॉक्यूमेंट में भी कुछ भी नहीं आरबीआई के अंदर जो उनकी रिक्वेस्ट चीजें ऑफर में टेन लाख रुपीस टिंग 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 खत्म हो जाती बात कुछ है ही नहीं आप मस्ती से इतना तूफान तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप सिर्फ ये देखो और आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए मतलब यहीं से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कि कि यहीं पे देखो आपको याद आ रहा है इज सिक्योरिटाइजेशन तो इसमें हाँ ये सब अपने अपने जो वो बहुत सारे की टर्म्स कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये हो सकता है सब कुछ याद आ रहा है आपको उसके बाद में यहां पर आ रहे हैं एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी के आपको तीनों पॉइंट्स याद आ रहे हैं अच्छे से तीनों पॉइंट पता है ना एलिजिबिलिटी के कौन से तीनों पॉइंट है स्क्रीन पर देखो कौन से के तीनों पॉइंट पूछ रहे हैं एलिजिबिलिटी में

शेड्यूल कमर्शियल बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया हाउसिंग बैंक हो गया नबार्ड हो गया खत्म इनको नहीं करना है फिर अगर मान लो किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका दो करोड़ का नेटवर्क होना चाहिए उसके पास कम से कम दो लोग होने चाहिए जिनके पास पांच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनमें से एक लॉक ग्रेज होना चाहिए खत्म बात दट इज आई शुड भी एबल टू डू इट एलिजिबिलिटी नहीं हो गया फिर लॉन्च ऑफ स्कीम के अंदर क्या लॉन्च ऑफ स्कीम हमेशा स्पेशल जो भी सिक्योरटाइज इंस्ट्रेंट होगा स्कीम उसके हिसाब से लॉन्च होगा अगर मल्टीपल स्कीम है तो पूरा पैसा सेपरेट सेपरेट अकाउंट में रखना है और उसके बाद मल्टीपल स्कीम तो ध्यान रखना है कि आपका जो रियलाइशन हो रहा है वो करेक्ट अलोकेशन आपका हो रहा है आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से याद देना चाहिए

या फिर जिसके पास में क्या है एडिक्वेट ऑपरेशनल सिस्टम एंड रिसोर्सेज है यही सेल्डिंग ट्वेंटी आपको यहां से याद आ जाए तब आएगा मजा टॉपिक से हो सकता है बहुत बड़ी बात नहीं एकदम आराम से दिमाग में ऑर्गेनाइज स्टेटस बनाते चलो डिपार्टमेंट्स टाइप के चैप्टर ऐसे ऐसे चल रहा है पता भी नहीं चलेगा और के एक दिन पहले आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर पाओगे अगर आप एग्जाम के पाते हो तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता

ठीक है इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे हम लोग एंड देर आफ्टर विल स्टार्ट द फ्रेश चैप्टर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब जल्दी आओ गो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी डोंट हैव एनीथिंग मच टू स्टडी अब जो अगला चैप्टर भी मैं शुरू करूंगा आपको रिलाइज होगा कि अब हो गया सब प्रैक्टिकली जितना पढ़ाने का सबसेंशियल पोर्शन था यहाँ पे वो हम लोग कर चुके हैं लेकिन जो भी छोटे मोटू बाकी एक एक करके ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्कस करके क्लोज कर लेंगे फर्दर एक एक चीज भी मैं आपको बारीक तरीके से लिख के देने की कोशिश करूंगा सेल्फ स्टडी कैसे करना है एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है तो ये सब सेशंस लेके और हम लोग बोलेंगे अच्छे से चीजें कंप्लीट हुई है अभी के लिए स्टार्टिंग विध वॉट स्टार्टिंग विध इंटरनेशनल लिस्टिंग चलिए इंटरनेशनल के अंदर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमारे नोट्स को पूरा वापस अच्छे से देख लेंगे एंड देर आफ्टर जो हमने मेन नोट्स में हाईलाइट किया था उन पर नजर घुमा लेंगे दैट इज हाउ यू नीड टू आइडियली रिवाइज

कंपनी के लिए भी लिक्विडिटी बढ़ जाती है कि कंपनी को कभी भी पैसों की जरूरत है तो वो आराम से शेयर इशू कर सकती है किसी और जोजेक्शन में तो इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी एक कंपनी को अगर पैसे रेस करने तो अपने होम कंट्री में तो रेस कर ही रही थी अब वो जाके दूसरी दूसरी कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज पे भी शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी मार्केट सेगमेंटेशन 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 यू मीन बाय हम segmentation का मतलब होता है कि मार्केट को स्ट्रेटाज में तोड़ देना छोटे 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 पार्ट में तोड़ देना और सिक्योरिटीज जहां पर जिस सिक्योरिटी की डिमांड है वहां सिक्योरिटी इशू करके हम बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं नेक्स्ट इज सर्व कैपिटल नीड एंड फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारी कैपिटल

हायर विजिबिलिटी ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एम एन ए अगर आपकी कंपनी ने अगर आपकी कंपनी ने सिक्योरिटीज अब्रॉड में भी, भी इशू कर रखे हैं तो आपके एम एन ए में आप सिक्योरिटीज दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स के शेयर्स अगर नेस्डैक पे लिस्ट होते टाटा मोटर्स के शेयर्स अगर नेस्डैक पर लिस्ट होते और लैंडर ओवर को अक्वायर कर रहे होते तो उनको बोल सकते हैं कि जो नेक पे लिख के लिस्ट किए हमारे लिख किए नहीं लिस्ट किए हुए हमारे जो शेयर्स हैं वो शेयर्स हम आपको इशू कर रहे हैं आई वी गेटिंग ऐसा तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं एमएनए के लिए भी हायर विजिबिलिटी तो होती है ये सबसे फुदू टॉपिक इस चैप्टर का शुरुआत करता है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग जस्ट टू ऐसा

मेन बोर्ड एंड कैटलिस्ट अब इतना कंफ्यूजन नहीं होता यहां पे याद रहता है मेन बोर्ड है और एक कैटलिस्ट है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे मेन बोर्ड पे कंपनीज विद वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड जिनका बेसलाइन स्टैंडर्ड बहुत हाई है ऐसी कंपनीज लिस्ट होती है मेन बोर्ड पे कंपनीज विच हैव टू कंप्लाई विद एडमिशन क्राइटेरिया बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया करते हैं वो होती है कैटलिस्ट पे कैटलिस्ट हो या मेन बोर्ड हो दोनों पे यू टू कंप्लाई विद टिन्यूस डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट से करना है दोनों ही जगह पे एंड देन एस डी एक्स एस टी और मास्क का अप्रूवल चाहिए अगर आपको मेन बोर्ड पर लिस्ट कराना है और वहीं अगर आपको एस डी एक्स कैडलिस्ट पर लिस्ट कराना है तो इट विल बी अंडर सुपरविजन एंड अप्रूवल ऑफ क्वालिफाइड स्पॉन्सर एकदम आराम से हम बात करते हैं एसडीएक्स एसजीएक्स मेन बोर्ड और एसडीएक्स कैटलिस्ट एसडीएक्स मेन बोर्ड के ऊपर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहां पे कंपनीज कैसी होती है विद वेरी हाई बेसलाइन स्टैंडर्ड यहां पे बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया बोथ हैव टू कंप्लाई विद विस्कोजर रिक्वायरमेंट ओके एंड लास्ट पॉइंट आता है यहां पे कंपनी लिस्ट होती है विद द अप्रूवल ऑफ एसडीएस एससी एंड मास मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापोर और यहां पर कंपनी जब लिस्ट होती है दिस लिस्ट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ स्पॉन्सर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिफाइड स्पॉन्सर ठीक है केटर्स टू स्टेब्लिश एंटरप्राइज यहां पर छोटा नहीं बोलना था तो बोला फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज

दूसरा हो गया अपॉइंट अक्रेडिटेड इश्यू मैनेजर असेसमेंट अपॉइंट्रेडिटेडरियड ना यूर ऑलरेडी ए ऑफ लैब आपने लैब का सेक्शन ए फाइल कर दिया है ठीक है सेक्शन ए ऑफ लैब फाइल कर दिया है फिर हम लोग रुकते हैं यहां कि उनको अगर कोई कमेंट्स देने कोई भी एडवर्स ओपिनियन देना है उनको अगर अप्रूवल देना तो यहां पर चेक किया जाता है यहां पर जो अथॉर जो अथॉरिटी है या तो वो खुद यहां पे अप्रूवल दे देती है और आप आगे बढ़ जाते हो या फिर उनको अगर लगता है कि नहीं यार जरूरत है तो वो एक कमेटी को रेफर करते हैं वो कमेटी के पास आपका एप्लीकेशन रेफर हो जाएगा ऐसा अगर लैब के सेक्शन ए का अप्रूवल आ गया फिर जाके आप फिल करते हैं लैब का सेक्शन बी ठीक है सर सेक्शन ए भी कर दिया सेक्शन बी फिल कर दिया देन यू वेट फॉर द अप्रूवल अप्रूवल आ गया फिर वन टू वन टू वन टू वॉट लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक एक्सपोजर आपके डॉक्यूमेंट्स लॉज होंगे और पब्लिक एक्सपोजर होगा याद करो यहां पे डॉक्यूमेंट्स लॉन्च होंगे कौन सी वेबसाइट उसका नाम क्या है ओपेरा ओपेरा पे लिस्ट होते हैं यहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स और मास्क तो ठीक है यहां पर जाते हैं यहां की वेबसाइट का नाम क्या था कैटेलॉज यहां पे ओपेरा की वेबसाइट पे जाते हैं यहां पे कैटेलॉज की वेबसाइट पे जाते हैं तो पहला पॉइंट होता है लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर दूसरा पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च ऑफ ऑफर और ये सब हो चुका है देन अलॉटमेंट करना है आपको एंड देन द ट्रेडिंग कमेंसेस आर वी गेटिंग अ फेयर चलिए एकदम अस्सी से ये है पूरा का पूरा लिस्टिंग प्रोसेस सुंदर बात यही है कि एक लिस्टिंग प्रोसेस याद कर ले, दूसरा था यहां पे मीट विद क्वालिफाइड स्पॉन्सर अपॉइंट क्वालिफाइड स्पॉन्सर असेसमेंट पीरियड अब 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 वहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी फिल करना होता है नहीं प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन प्री एडमिशन नोटिफिकेशन तो हमें प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन करना है और प्री एडमिशन नोटिफिकेशन फिल करके देना है वापस सेम चीज है फिर लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर बस यहां पे वेबसाइट आएगी कैटेलॉज उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च ऑफ ऑफर एंड लास्ट पॉइंट इज सेम कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग कमेंसिस आर यू ऑल मी चलिए इसके बाद में जाते हैं हम लोग सजैक ये सबसे बात पहले बात हो गई सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की नोट्स के अंदर हमने देखा कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को लेकर कुछ और चीज भी हम लोग देख लेते हैं लेकिन यहां पे हम लोग अभी हैंड्रेडेड नोट्स को पूरा रिवाइज करें उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे नोट्स पे हाइलाइटेड पार्ट के ऊपर नेस्जैक सबसे पहले नेसडेक का फुलॉफॉर्म आना चाहिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन ने सुपर वंडरफुल नेसडैक की तारीफ में वो सिर्फ अपना लोकेशन ही बताते हैं Nasdaq एक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है एंड वेर इज इट न्यूयॉर्क में है सेकेंड पॉइंट के अंदर आते हैं कि इनिशियली एक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज था एंड अभी वो वर्ल्ड वाइड में है कितनी कंट्रीज ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज अक्रॉस सिक्स कॉन्टिनेंट यहां तक के यहां सबसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो नेस्डेक पे इन्वेस्ट करते हैं ऐसा उसके बाद में आता है नेस्डेक के तीन प्लेटफॉर्म्स नेस्डेक ग्लोबल सिलेक्ट Nasdaq Global, Nasdaq Capital. पहले Nasdaq Capital को निपटा देते हैं अगर तीनों को कंपेयर भी करना है तो जिनका सबसे लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है मॉडरेट है और वेरी हाई लिस्टिंग रिक्वायरमेंट तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में हाईएस्ट इनिशियल लिस्टिंग स्टैंडर्ड मॉडरेट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट लेस स्ट्रिंजेंट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एकदम आराम से हाइएस्ट लिस्टिंग स्टैंडर्ड के नीचे उन्होंने लाइन क्या लिख दी इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड के कह रहे हैं कि इन दोनों से कंपेयर करते हुए हाईएस्ट लिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड तो ऐसा ही है ठीक है? है, है, है जिनका पर्पस क्या है रेजिंग कैपिटल ठीक है अब इन दोनों की बात करते हैं लिस्टिंग ऑन नेसडेक ग्लोबल सिकल, ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट इज मार्क ऑफ अचीवमेंट एंड स्टेटस और वहीं अगर नेक्स्ट नेक्स ग्लोबल की बात करते हैं कि जो भी ग्लोबल लीडर कंपनीज होती है ग्लोबल लीडर कंपनीज है वो यहां पे लिस्ट होती है जनरली ये हो गया अबाउट नेस्टडेक ग्लोबल सिलेक्ट ग्लोबल एंड नेक कैपिटल याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा Nasdaq Global select हो गया. मॉडरेट वेरी है. उसके बाद यहां पे, के के पे जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं. और यहाँ पे वो कंपनी लिस्ट होती है सिर्फ कैपिटल रेस करना लाइफ इज वेरी ईजी इसके नीचे टाइम लाइन लिखी होगी टाइम लाइन नहीं टाइम लाइन किसके अंदर आएगी हमारी टाइम लाइन टाइम लाइन टाइम लाइन टाइम लाइन का टाइमलाइन दिख नहीं रही यहां पे आपके इसमें है ना टाइमलाइन ये yes, चलो आप लोग वहां से टाइमलाइन कितनी दिख रही है मैक्सिमम फोर टू सिक्स वीक के अंदर हो जाना चाहिए ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे रखोगे तो आपको टाइमलाइन एग्जैक्टली एग्जैक्टली याद हो जाएगी वन टू टू के अंदर क्या होता है आप क्या देते हैं एप्लीकेशन देते हैं और जो स्टाफ है वो एप्लीकेशन को यहां से रिव्यू करना चालू कर देता है थ्री टू फोर में क्या होता है टू, टू थ्री में टू टू थ्री में क्या होता है उन्होंने रिव्यू कंप्लीट करके हमें क्या दे दिए कमेंट्स दे दिए हैं। उनका रिव्यू हुआ है हमारे पास कमेंट आ चुके हैं थ्री टू फोर तो हमने सारे कमेंट्स को क्या दिया कर दिया है एड्रेस कर दिया है यहां पे फाइनली फिर फाइव टू सिक्स वीक के अंदर फाइनल अप्रूवल उनका आ जाता है याद रखने का तरीका ध्यान रखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबसे पहला वन टू टू है दूसरा क्या है टू टू थ्री है क्या टू टू थ्री है उसके बाद में थ्री टू फोर है क्या थ्री टू फोर है उसके बाद में फाइव टू सिक्स है पहला वन टू तो, टू है दूसरा टू पहला वन फर्स्ट वीक की बात करते हैं हम लोग एकदम आराम से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहला वन ही है फर्स्ट वीक के अंदर एप्लीकेशन दे दी नेक्स्ट क्या है टू टू थ्री नेक्स्ट क्या है थ्री टू फोर और नेक्स्ट क्या है फाइव टू सिक्स बस ये जो टू टू थ्री और थ्री टू फोर के अंदर थ्री आ रहा है कॉमन अब वैसे तो आइडियली उन्होंने ऊपर एक चीज बोली है कि ये जो टाइमलाइन है ये इससे भी रिड्यूस हो सकता है ये तो हमने बस बोल रहे हैं मैक्सिमम इतना लग जाएगा आइडियली तो अगर मान लीजिए आपके अंदर ज्यादा कमेंट्स आए ही नहीं है तो यहीं पे अप्रूवल हो जाएगा ना पूरा तो कम भी हो सकता है लेकिन हम लोग एकदम मॉड्यूल से चिपक करने चिपक के चलने की कोशिश करते हैं कि अगर गलती से भी टाइमलाइन टाइमलाइन पे टाइम पे सवाल आया के तो फोर टू सिक्स वीक लगते हैं और ये उनका लिस्टिंग का प्रोसेस है गुड चलिए इसी बात बात करते हैं लंडन स्टॉक एक्सचेंज सबसे लंडन स्टॉक एक्सचेंज को देखते ही तीन सर्कल्स दिमाग में आने चाहिए ये उनकी तारीफ के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज उसके आगे कितनी कंट्रीज ट्वेंटी टू हंड्रेड कंपनी फ्रॉम सेवेंटी कंट्रीज वंडरफुल उसके बाद तो में सेकंड पॉइंट आ जाता है वर्ल्ड के बेस्ट क्या इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर लिस्टेड आर और लास्ट पॉइंट आ जाता है ये कैसा रेगुलेशन फॉलो करते हैं इंटेलिजेंट रेगुलेशन जो कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल रूल्स रखते हैं ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच रखते हैं चलिए अब आते हैं प्लेटफॉर्म एट लंडन स्टॉक एक्सचेंज मेन मार्केट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी मार्केट दिमाग में क्लियर होना चाहिए एमएमएम एंड एस एम 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 मेन मार्केट ए आई एम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट पी एस एम प्रोफेशनल सिक्योरिटी सबसे ईजी जाता है पीएसएम प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट मार्केट इट्स एन इनोवेटिव सिक्योरिटी विद सिक्योरिटीज डेट एन डिपॉजिटरी रिसीट्स डिपोजिट रिसीट्स आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर एंड इशूड बाई डिपॉजिटरी बैंक एंड यहां पर जो भी कंपनीज है उनको लिस्टिंग पर्टिकुलर देने होते हैं यूके एल ए को और पीएसएम को इजी अब इन दोनों को बात करते हैं अच्छे से मेन मार्केट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट मुझे बताओ जैसे कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंजर कैटलिस्ट पे स्पॉन्सर होता है यहां पे एम पे क्या होता है नोमैड ये पॉइंट याद रखना है कि वहां पे स्पॉन्सर आता है साथ में यहां पर नोमैड आता है अब बात करते हैं मेन मार्केट इट इज फॉर लार्जर मोर स्टेब्लिश एंड इज होम फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज बिल्कुल ठीक है ज फॉर स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज यहां पर स्मॉलर ग्रोइंग कंपनीज है इट इज फॉर टॉप कंपनीज लार्जर कंपनीज मोर स्टैब्लिड कंपनीज बेस्ट कंपनीज यहां पर अर्ली स्टेज कंपनीज आते हैं वेंचर कैपिटल आते हैंज आर हि बिल्कुल ठीक है यहां पर जो भी कंपनीज आती है ये ज्वाइन करते हैं थ्रू नोमैड यहीं पर इसलिए अच्छे से लिख लेना ताकि दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि नोमैड कहां पर आता है नोमैड आता है लंडन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एम के अंदर आई होप ऐसे पढ़ा है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसके बाद में आ जाता है इट्स एन एस्पिरेशन फॉर मेनी कंपनीज वर्ल्ड वाइड कि मेनी कंपनीज उनके लिए एस्पिरेशन होता है अभी जैसे कि हमने नेसडेक देखा था तो वहां पे बोलते हैं इट्स मार्क ऑफ अचीवमेंट यहां पे कहते हैं एस्पिरेशन अरे इनका कहने का मतलब तो सेम ही है लेकिन ये अलग अलग बातों में अलग अलग लैंग्वेज में कह रखा है इसीलिए हमको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है चलिए उसके बाद में आ जाता है मेन मार्केट के चार सेगमेंट ये जनरली इजी जाते हैं आप लोगों को परेशानी नहीं आती है मेन मार्केट के चार सेगमेंट है प्रीमियम स्टैंडर्ड स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट एंड हाई ग्रोथ सबसे पहला जाता है प्रीमियम प्रीमियम के अंदर वही कंपनी लिस्ट होगी जो एफ सी की ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट है जो टॉप कंपनीज है वो यहां पे लिस्ट होती है एंड यहां पर जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस होता है वो कैसा होता है हाईएस्ट होता है हाईएस्ट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस ओके हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की तो स्टैंडर्ड के अंदर भी वही कंपनीज आती है जिन जो एफसीए की ऑफिशियल लिस्ट का पार्ट है लेकिन यहां पर जो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है वो कंपेरेटिवली कम है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन फिर आ जाता है स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट तीन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनली एडवाइज इन्वेस्टर लास्ट आ जाता है आपका हाई ग्रोथ सेगमेंट कंपनीज जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रही है अच्छा खासा लेकिन विच एस्पायर टू बी लिस्टेड ऑन प्रीमियम वो यहां पर लिस्ट रहती है बहुत ज्यादा आसान है उसके बाद में लोग बात करते हैं अबाउट नो नॉमिनेटेड एडवाइजर्स ये कौन होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं विथ लंडन स्टॉक एक्सचेंज प्ले अट्रल रोल इन कंपनी टू एम कोई भी कंपनी को अगर एम पे लिस्ट करना है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अ गुड वर्किंग रिलेशन बिटवीन द कंपनी नोमैड इज एसेंशियल तो यह क्या होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं यह सेंट्रल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी का लिस्ट होने पर एम पे और यह एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए कंपनी और नोमैड के अब फिर उसके बाद हमने तीन पॉइंट याद किए थे कि नोमैड हमें कैसा चाहिए नोमैड ऐसा चाहिए जो हमको समझता हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो और जिससे हमारा विजन मैच होता हो तो पहली चीज जो कंपनी को समझता हो बिजनेस को समझता हो जो कंपनी के विजन जो है उसके साथ उसका भी विजन मैच करता हो और उसके पास अप्रोप्रियट एक्सपीरियंस हो इस सेक्टर के अंदर ठीक है फिर आता है रोल ऑफ नोमैट हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि चार जो रोल है वो तो कंपनी की मदद कर रहा है दो में प्रैक्टिकली वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम कर रहा है तो यहां चार कंपनी के लिए क्या कर रहा है अंडरटेक एक्सटेंसिव ड्यू डिलीजेंस आपके लिए बहुत डिटेल में ड्यू डिलीजेंस करता है वो ताकि आप लिस्टिंग अच्छे से कर पाए सारे लॉस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये वो ध्यान रखता है सारे प्रोसीजर स्टेप्स अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये वो ध्यान रखता है प्रोवाइड्स गाइडेंस थ्रू आउट द फ्लोटेशन प्रोसेस ये आप किसी और कंट्री में जाकर शेयर्स इशू कर रहे हो ताकि पैसा रेस कर पाओ दिस फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर वो साथ में खड़ा रहता है थ्रू आउट द पीरियड और सही तरीके से पैसा रेस करने के लिए हेल्प करता है अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो वहां के आपको रूल्स नहीं पता है तो नॉर्मेड आपको गाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप थर्ड प्रिपेयर द कंपनी ऑन बीइंग अ पब्लिक मार्केट क्या आपको पब्लिक मार्केट में कैसे बिहेव करना है क्या क्या चीजों चीजों का करना है ये सब के लिए भी वही गाइड कर रहा है और लास्ट रहता है हेल्प प्रिपेयर द एम एडमिशन डॉक्यूमेंट तो ये क्या कह रहे हैं प्रैक्टिकली आपकी कंपनी को लिस्ट होते टाइम पब्लिक इमेज कैसे रखनी है डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल इन करना ये सब चीजों में जो हेल्प कर रहा है वो है नो no अब दो चीजों में ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से काम कर रहा है आपके प्राइमरी रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है और ये चेक करता है वेदर आपकी कंपनी अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है लिस्ट होने लायक तो आपकी चेक करता है और आपका प्राइमरी रेगुलेटर की तरह काम करता है जबरदस्त ये हो गया नोमैड और इसके बाद में आता है हमारा लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एकदम आराम से सबसे पहले जो हम देखते हैं वो आता है हमारा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड कैटलिस्ट अब इजी लग रहा होगा उसके बाद में आता है हमारा नेसडेक नेसडेक ग्लोबल सिलेक्ट ग्लोबल एंड नेक कैपिटल अब इजी लगता है लंडन स्टॉक एक्सचेंज मेन मार्केट एम और पीएसएम अब इजी लगता है तो इसके साथ अगर टच रखा बार 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 देखते गए तो फिर इजी लगने लग जाता है अब लगता है है ऑब्वियस बात ना ऐसा क्या है और लास्ट आता है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज सबसे इसकी तारीफ आती है इट इज फेमस फॉर इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग यहां पे लिस्ट होते हैं शेयर सिक्योरिटीज डीआर डेट सब कुछ लिस्ट होता है एंड लिस्टिंग हियर इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल तो हर जगह लिखा है इन्होंने सिर्फ इन्होंने

सबमिट योर प्रोस्पेक्टस लिस्टिंग एंड एडमिशन पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं एफर्टले है, है तो। फिर यहां पर एफर्ट्स देनेटेड मार्केट एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट अगर हम बात करते हैं ईयू रेगुलेटेड मार्केट का मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटर इसका दूसरा नाम है बीडीएल मार्केट एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट दूसरा नाम है यूरोमटीएफ ओके ईयू रेग्युलेटेड मार्केट के अंदर सबसे पहले प्रोस्पेक्टस अप्रूवल का जो पूरा राइट right किसके पास रहेगा क्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी एस सी एस एस एफ बिल्कुल ठीक है यहां पर लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के पास रहेगा एलिजिबल फॉर यूरोपियन पासपोर्ट नो यूरोपियन पासपोर्ट यहां पर दो डायरेक्टिव हैं जो एप्लीकेबल होंगे अगर आप ई यू रेगुलेटेड पे आते हैं पहला डायरेक्टिव यहीं पे दे रखा है प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन दूसरा डायरेक्टिव हमारे नोट्स के अंदर नीचे दे रखा है डिस्कलोजर्स को लेके चलिए तो यहां पर आ गया आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा Prospectus and transparency directive, प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव जैसे हम भारत में रेगुलेशंस बनाते हैं वैसे पे पे, पे. बनते हैं. Prospectus and transparency directive जो है, है, है वो होगा होगा नहीं तो तो वापस एक बार शांति से. रेगुलेटेड मार्केट एक्सचेंज रेगुलेट मार्केट प्रोस्पेक्टस अप्रूवल कौन करेगा एक्सचेंज में तो एक्सचेंज करेगा यू में लग्जमबर्ग कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी वो करेगी पासपोर्ट यहां मिलेगा यहां पे नहीं मिलेगा यार ये जो डायरेक्टिव है हमारे ऊपर यहां एप्लीकेबल होगा यहां पर एप्लीकेबल हो नहीं होगा इजी फिर आ जाता है हमारा लिस्टिंग प्रोसेस इन डिटेल अब यहां ये यह ऐसा हो जाता है यहां पर आ चुका है हमारा ईयू रेगुलेटेड मार्केट पहले ईयू को कंप्लीट कर लेते हैं चूज अ लिस्टिंग एजेंट ऑप्शनल है उसके बाद में प्रोस्पेक्टर सबमिट करना है सीएसएसएफ के पास जो अप्रूवल देंगे उसके बाद में हमें देखना है लिस्टिंग कंडीशन हम कंप्लाई करते हैं क्या चार लिस्टिंग कंडीशन आ जाती है सबसे पहली वन कैपिटल द कैपिटल शुड बी वन मिलियन यूरो सही है वन मिलियन है ना वन मिलियन यूरो सेकेंड थिंग पब्लिक फ्री फ्लोट शुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए सिक्योरिटी में चार फीचर होने चाहिए क्लियर सेटलमेंट नेगोशियेबल फंजेबल ये चार चीजें होनी चाहिए ठीक है सर तो ये एलिजिबल है तो उसके बाद तो आगे बढ़ जाओगे और यहां पर आएगा लिस्टिंग प्रोसेस लिस्टिंग प्रोसेस में आपको क्या करना है स्टॉक एक्सचेंज के पास सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देना है. ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर देना है प्रोस्पेक्ट फाइल कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर देना है, ये सब हमने स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज में फाइल कर दिया उसके बाद में stock exchange के पास फाइनल प्रोस्पेक्टस एंड इनिशियल जो फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस होता है ये भी हमें बता देना है ये होने के बाद हमें फीस पे कर देंगे यहां पर जब ई e रेगुलेटेड है तो दो लोगों को फीस पे की जाएगी एक सी को जो लग्जमबर्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको पे की जाएगी फॉर वॉट फॉर प्रोस्पेक्टस अप्रूवल और बाकी फीस पर की जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को फॉर लिस्टिंग कंटिन्यूस ऑब्लगेशन टू बी कंप्लाइड एंड स्टॉक एक्सचेंज टू ऑप्टेन एल ई आई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फ्रॉम कंपनी कंपनी को लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यह जो नंबर है यह नंबर स्टॉक एक्सचेंज को लेकर देना होगा वेरी सिमिलर यहां पर आता है बहुत ईजी जाता है अब हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू

फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस और जो हम फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस कहते हैं ये देना होता है है इसके वापस सब कुछ में फीस पे करनी है, लेकिन यहां पे दो लोगों को फीस पे करनी नहीं है सीएसएसएफ को क्यों फीस पे करेंगे तो हम लोग सिर्फ फीस पे करते हैं किसको स्टॉक एक्सचेंज को और लास्ट के दो पॉइंट सेम कॉपी पेटिन्यूसिकेशन को अप्लाई करनी है कंपनी टिंग टिंग अबाउट यूएसएससी US, SEC के बारे में क्या लिखा है सबसे पहले जैसे कि भारत में सेबी करता है वही सब चीजें यूएस में एस सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फिर जैसे इंडिया में कहते हैं हम प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट ये किस लैंग्वेज में कहते हैं मेंटेन फेयर ऑर्डरली एंड एफिशियंट मार्केट एंड फेसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन ओके उसके बाद में आता है एससी ओवरसीज द पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्रोकर डीलर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा कहने का मतलब सारे की पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उन सबको रेगुलेट एससी करता है जैसे भारत में सभी सारे इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करता है वैसे वहां पर एसीसी करता है इजी एसी इन्श्योर दी कंपनीज डिस्कलोज द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक जैसे सबी इंश्योर करता है हर लिस्टेड कंपनी कोई सारी चीजें हैं जो एलओडीआर में दी है वो सब बताना होता है पब्लिक को वैसे ही एसी सी करता है कि कंपनी को पब्लिक को सब चीजें बतानी है अरे भाई कुछ पढ़ना ही नहीं है जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है जैसे सेबी का ऑब्जेक्टिव है वैसे उनका ऑब्जेक्टिव बता देंगे जैसे भारत में सेबी सारी इंटरमीडियस को रेगुलेट करता है वो सारे की पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करता है जैसे भारत में सेबी सारी कंपनीज को बोलता है सारा दो वैसे यूएस में सारी कंपनीज को बोलता है सब कॉपी पेस्ट फिर कुछ लॉज हो गए देखो याद आ रहे हैं क्या सिक्योरिटीज एक्ट नाइनटीन सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट नाइनटीन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट नाइनटीन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्ट 1940 फोर्टी

ये तो सब ठीक है मेरा हाईलाइट वाला फाइल ही नहीं है पे। चलिए, मुझे आप में से कोई व्यक्ति इसने हाईलाइट कर रखे मेन नोट्स में जो भी हाईलाइट किया था जिसने हाईलाइट कर रखा नोट्स पे क्या मैम थैंक यू चलिए अभी मैं एलओडीआर का कुछ टॉपिक बोलना चालू कर देता हूँ इधर आओ इंटरनेशनल yes, सबसे सब पहला पेज देख रहा है उस पर हमें वही लिस्टिंग के दे हैं। उसको ऐसी बात कर क्या है इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी और ये कितना है? International listing. International listing, मतलब आप कहीं से भी पैसा कर सकते। company, आप किसी भी में जाओ किसी भी कंट्री में जाओ वहां पर अपनी सिक्योरिटीज इशू करो और वहां पर दो यू कैन रेज मनी तो बहुत बड़ा सोर्स है मार्केट लिक्विडिटी का इंटरनेशनल लिस्टिंग ठीक है सेकंड मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट इज डिवाइडेड अमंग सेगमेंट्स आप देख सकते हो कि आप कौन सी सिक्योरिटी कहां पर डिमांडेड है वहां पर सिक्योरिटी आप इशू कर सकते हो कैपिटल नीड एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जितनी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस हो चुका है आपके लिए जितना पैसा चाहिए आप ले सकते हो कंपनी इज गुड वाइडर शेयर होल्डर बेस बनेगा आपका बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिलता है सिक्योर क्लियरिंग एंड वेरियस अदर लाइक हायर विजिबिलिटी ब्रांड अवेयरनेस होता है ये सारी चीजें चले उसके बाद में हमने हाईलाइट किया था सबसे पहली चीज अब आ रहे हम लोग हाउ टू तो गेट लिस्टन ऑन एसजीएक्स मेन बोर्ड अगर मेन बोर्ड की बात करते हैं तो मेन बोर्ड हमने पढ़ा कि मेन बोर्ड के अपने रूल्स हैं यहां पर कैटलिस्ट के अपने रूल है बोर्ड के अंदर जब हम बात करते कि आपको क्या करना है तो अगर ऐसी बात फटाफट से यहां पे देखो याद करो बी ऑफ लैप अप्रूवल एंड लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिक एक्सपोजर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एंड पब्लिक इश्यू एंड अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग commences यही सब है ना अब इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सेक्शन ए सेक्शन ए में बता रहे हैं कि अगर हमने जब सेक्शन ए फाइल किया है और स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कुछ क्राइटेरिया मीट हो गए तो वो रेफर कर सकता है टू अ नोन एज लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी वो हाईलाइट कर रखा है लिस्टिंग कमेटी कि अगर मान लीजिए लिस्टिंग एडवाइसरी कमेटी को हमें रिकमेंड करना पड़ रहा है हमें रेफर करना पड़ रहा है तो आपका एप्लीकेशन हम अप्रूव नहीं करेंगे पहले उस कमेटी के पास जाएगा और फिर वो कमेटी अप्रूव करेगी तो ही बात आगे बढ़ेगी उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी में सेक्शन बी के अंदर भी वापस यह बात आ जाती है कि वहां पे भी लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी आ सकती है एंड एस डी एक्स इज कमिटेड टू प्रोवाइड एन इटरेटेड रिस्पॉन्स विद इन फोर वीक्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ स्टेज टू के फोर वीक्स के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करते ही है उसके एंड नेक्स्ट में अप्रूवल लिखा है अप्रूवल के अंदर लिखा है कि एसडीएक्स विल इशू एन ईटीएल

क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो तीन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है तीनों में से आपको कोई भी एक कंप्लाई करने की जरूरत है पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है योर प्री टैक्स प्रॉफिट शुड बी थर्टी मिलियन आपके थर्टी मिलियन होना चाहिए प्री टैक्स प्रॉफिट लास्ट ईयर का ठीक है और साथ में ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड इज ओके अगर आपका प्री टैक्स प्रॉफिट इतना नहीं है लेकिन कुछ तो है यू हैव प्रॉफिट एंड यू नीड टू यूनिटी मिनिमम मार्केट कैप ऑफ 150 मिलियन डॉलर सर प्रॉफिट भी नहीं है बट रेवेन्यू है क्या हाँ यू हैव रेवेन्यू बट देन योर मार्केट कैप शुड बी थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर डू यू कैस रिमेंबर चलिए उसके बाद में बात आ जाती है एमओ जी मिनरल ऑयल गैस कंपनीज की उसके अंदर ऐसा कहा है उन्होंने कि यार यहां पे अगर मान लीजिए आपकी मार्केट कैप थ्री हंड्रेड मिलियन भी है तो भी आपको लिस्टिंग का मौका मिलेगा यहां पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज यहां पे रेवेन्यू होना काफी कठिन हो जाता है तो उसके अंदर आपको अपने पूरे प्लान माइलस्टोन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे उसके बाद में आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होनी चाहिए जहां पर आपके पास में एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन राइट है एंड यू नीड टू हैव कंटिजेंट रिसोर्स और इंडिकेटेड रिसोर्स कंपल्सरी वर्ड याद रखना पड़ेगा कि आपके पास या तो कंटेंजेंट रिसोर्स या इंडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए मतलब आप यह सोच रहे हो कि हम तो देखेंगे कि कुछ रिसोर्स मिला तो नहीं आपके पास एक्चुअली कोई रिसोर्स मिल गया है आपको गैस का ऑयल का मिनरल का तब जाके आप सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकते हो तब तक नहीं यू नीड टू हैव सफिशियंट वर्किंग कैपिटल फॉर एटीन मंथ यू हैव एटलीट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद अप्रोप्रेट इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड यू हैव टू अपॉइंट एन ऑर्डिट फॉर्म ये सब एमओजी कंपनी के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में इसमें शेयर होल्डर स्प्रेड हमने पढ़ा था याद आ रहा है शेयर होल्डर स्प्रेड के अंदर शेयर स्प्रेड का हमने ऑर्गेनाइज तरीके से चार्ट बना दिया था शेयर होल्डर स्प्रेड के अंदर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं मेन बोर्ड का अगर आपकी मार्केट कैप कितनी है 300 मिलियन डॉलर से कम है देन 25 परसेंट होना चाहिए पब्लिक के पास इसके आगे का उन्होंने बताया एक रेंज दिया कि उसके अगर ज्यादा है तो 12 टू 20 परसेंट के बीच में होना चाहिए फर्दर यू नीड टू हैव एटलीस्ट फाइव हंड्रेड शेयर होल्डर्स कैसे वर्ल्ड वाइड फिर हमने उसको ऐसा पढ़ा था कि अगर होम कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के बीच में अग्रीमेंट है तो यू जस्ट नीड टू हैव फाइव हंड्रेड शेयर होल्डर्स वर्ल्ड वाइड लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है देन यू हैव हैव टू टू चॉइसेस यू नीड शेयर शेयर होल्डर्स इन सिंगापुर और होल्डर्स वर्ल्ड वाइड याद है नारो चलिए और मुझे बता दो कि कैटलिस्ट में क्या कंडीशन थी एक ही कंडीशन थी आप तो. सिर्फ फिफ्टीन परसेंट एंड हैव टू बी एटलीस्ट टू हंड्रेड एंड नंबर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दो होने चाहिए और दो सिंगापुर के रेसिडेंट डायरेक्टर होने चाहिए मेन बोर्ड पे पे और यही अगर बात कैटलिस्ट तो वन सिंगापुर रेसिडेंट डायरेक्टर चलिए फिर मॉरिटोरियम ये अच्छे से पढ़ना है ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से चार्ट बनाया था मॉरिटोरियम के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हम बात करते हैं मेन बोर्ड की केयरफुली समझना अच्छे से आपके सामने चार्ट होगा उसको देखते रहना अगर हम बात करते हैं मेन बोर्ड की तो मेन बोर्ड पे आपके ऊपर कितने समय का मॉरिटोरियम लगेगा मतलब लॉक इन कितने समय का लगेगा ये डिपेंड करता है इफ द द प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट अगर प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट कर आया है तो प्रमोटर सेल नहीं कर सकता फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है और अगर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन टेस्ट सेटिसफाई करके आया है तो वो सिक्स मंथ्स तक तो बेच ही नहीं सकता और नेक्स्ट सिक्स मंथ्स तक भी अपना फिफ्टी बेच नहीं सकता है ये बात सबसे क्लियर है उसके बाद में आगे जाते हैं जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं लेकिन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के अंदर ये किसके ऊपर अप्लाई हो जाता है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स में उनके लिए अप्लाई होता है जिन्होंने लास्ट मंथ्स में लिया है जिनके 5 है जिनके पास से ज्यादा उनका जो प्रॉफिट पोर्शन है दैट विल बी लॉकड इन फॉर सिक्स मंथ्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन सुनो अच्छे से प्री आईपीओ शेयर होल्डर में किन के ऊपर लॉक इन लगता है जिन्होंने ट्वेल्व मंथ्स में लिया है और जिनके टोटल शेयर होल्डर्स की टोटल शेयर का फाइव से ज्यादा है सिर्फ उनका लॉक इन होता है और वो भी सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन लॉक इन होता है चलिए उसके बाद में हम लोग बात करें आई आईपीओ डॉक्यूमेंट्स ठीक है ओपरा की वेबसाइट पे जाते हैं अकाउंटिंग सेंटर ठीक है डोमिसाइल ठीक है ट्रेडिंग ठीक है बिजनेस ठीक है, है उसके बाद में हाउ गेट इसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं यस yes. यहां पे टाइम पीरियड आपने हाईलाइट कर रखा होगा लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर के अंदर लिख रखा है इन्होंने दैट की वेबसाइट पे पब्लिक एक्सपोजर के लिए जाएंगे फॉर एटलीस्ट फोर्टीन कैलेंडर डेज और वेबसाइट कैटेलॉग्स की रहेगी दैट इज ओके okay. अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉरिटोरियम की ऑफ ऑर एस जी एक्स के अंदर कैटलिस्ट पे अगर कैटलिस्ट पे लिस्ट करते तो मॉरिटोरियम कैसे अप्लाई करता है यहां पे सबसे पहले आ गया विध रिस्पेक्ट टू प्रमोटर्स प्रमोटर सेल नहीं कर सकते अपनी शेयर होल्डिंग फॉर सिक्स मंथ एंड नेक्स्ट सिक्स परसेंट सेल नहीं कर सकते हैं उसके बाद में फर्स्ट आता है अगर प्रमोटर ग्रुप के पास फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर है सुनना अच्छे से बात ये कुछ और है ये बात लॉक इन की नहीं हो रही है ये हो रही है कि क्या प्रमोटर अपने शेयर्स जो हैं वो ऑफर फॉर सेल में बेच सकते हैं क्या यहां पे तो अगर प्रमोटर्स के पास टोटल शेयर्स का 50 परसेंट से ज्यादा है तो ये जो 50 परसेंट से ज्यादा वाला पोर्शन है ना ये वो सिक्योरिटी के रूप सिक्योरिटीज के रूप में बेच सकते हैं लेकिन अगर प्रमोटर्स के पास फिफ्टी से कम है तो वो सिक्योरिटीज के रूप में अपने शेयर्स बेच नहीं सकते ये लॉक इन की बात नहीं कर रहे ए, सब ये सब लोग आओ ऑन पेज नंबर फोर्टीन पॉइंट सेवन ये पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना याद है सबको डिस्कस किया था हमने ये भी एकदम शांति से इस पॉइंट को देखो एक बार दिस इज नॉट अबाउट ये लॉकिन की बात नहीं कर रहे हैं ये बस बता रहे हैं कि प्रमोटर्स खुद के शेयर्स नहीं बेच पाएंगे ये सारो याद आ रहा है तो हम बात करें कि मान लो मुकेश अंबानी साहब सोचते हैं कि मैं क्या करता हूं मैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट करा देता हूं और जो मेरे शेयर्स हैं ओ में ऑफर फॉर सेल में मेरे शेयर्स वहां पे बेच देता हूं नए शेयर्स नहीं बेचता मैं मेरे बेचता हूं तो क्या वो बेच सकते हैं क्या तो लॉ कहता है कि अगर मुकेश अंबानी के साहब के पास रिलायंस के 60 परसेंट शेयर्स हैं तो वो 10 परसेंट बेच पाएंगे 70 परसेंट है तो वो 20 परसेंट बेच पाएंगे लेकिन अगर उनके पास है ही फोर्टी परसेंट फिफ्टी तो वो शेयर्स नहीं बेच पाएंगे अभी क्लियर Yes. उसके बाद में बात करते हैं ओएफएस की ठीक है फर्स्ट सिक्स नहीं उसके बाद में बेच सकते हैं जो प्री आईपीओ वाले हैं उनके ऊपर मॉरिटोरियम लगता है कितने समय का ट्वेल्व का मॉरिटोरियम लग रहा है वो लोग लो सेल नहीं कर सकते उनकी शेयर होल्डिंग फॉर ट्वेल्व और उसके बाद में नेक्स्ट सिक्स के लिए डायग्राम से पढ़ने का उसमें सब चीजें एक साथ लिखी होती है तो हमारे लिए समझना ईजी हो जाता है उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन ठीक है अकाउंट के स्प्रेड खत्म एंड इसके साथ में हमारा खत्म हो जाता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा एफर्ट्स जिसमें लगते हैं वो है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज हमने सिंपल तरीके से सोचना है कि जो हैंड रिटन नोट्स है वो कंठस्थ होने चाहिए अगर वो कंठस्थ है तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी डैम क्वेश्चन लेकिन उसके बाद में हमें ये पूरा पढ़ के रखना है इसमें जो हाईलाइट कर रखा है उसको अच्छे से पढ़ के रखना है कि कहीं अगर हम डिटेल्स भी ऐड करना होगा तो सुंदरता से डिटेल्स भी ऐड कर पाएंगे और यहां पर खत्म हो जाता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का एक बार फटाफट से अगर मैं ओवरव्यू भी देखूं तो क्या है कुछ भी नहीं है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ये लिस्टिंग डेस्टिनेशन है वर्ल्ड वाइड सब लोग टारगेट करते हैं यहाँ पर आके लिस्ट होना इनके रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि डाइवर्स रेंज की कंपनीज यहाँ पे आके लिस्ट हो सकता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे दो प्लेटफॉर्म होते हैं मेन बोर्ड एंड कैटलिस्ट बहुत इजी है अब हम मेन बोर्ड और कैटलिस्ट के अंदर चले जाते हैं तो हमने सब चीजें पढ़ ली है कि स्टैब्लिश एंटरप्राइजेस के लिए हैं ये जो फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइजेस उसके लिए हैं मेन बोर्ड पे अगर आपको लिस्ट होना होता है तो आपके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स हैं यहाँ पर आपके ऊपर कंपेटी रूल्स कम है अगर आप कैटलिस्ट पर आते तो कंपल्सरली आपको क्या चाहिए एक स्पॉन्सर चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पे लिस्ट होंगे यहाँ पर ऐसे कोई स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है इशू मैनेजर वगैरह आगे आ जाते हैं अगर हम इनके लिस्टिंग प्रोसेस भी आ जाते हैं सीधा सा तो यहाँ पे, पे आता है मीट इशू मैनेजर्स मीट स्पॉन्सर्स अपॉइंट इशू मैनेजर अपॉइंट स्पॉन्सर नेक्स्ट इज असेसमेंट पीरियड उसके बाद में यहाँ पे आता है लिस्टिंग एप्लीकेशन पैक का सेक्शन ए फिल करेंगे लिस्टिंग एप्लीकेशन पैक का सेक्शन बी फिल करेंगे यहाँ पे प्री कंसल्टेशन प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन प्री एडमिशन नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद वापस वहां पर सेम गेम खेलना दोनों को लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इश्यू ओपन एंड देन अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग कमेंसेज बस यही तो गेम है हो तो जाती बात और इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं जैक पे जैक पे आई थिंक कुछ भी हैलेट नहीं कर रखा है कुछ भी खास नहीं है सब कुछ ईजी है फिर आते हैं हम लोग लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे टॉपिक आता है वाई ज्वाइन एम चलिए यस लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे टॉपिक है ये हमें यहां से पढ़ना होता है कि एम आखिर क्यों ज्वाइन करेंगे तो यहां पे इन्होंने प्रैक्टिकली सिर्फ एम की बात नहीं की इन्होंने बताया ऐसा कि लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों आएंगे लंडन स्टॉक एक्सचेंज में तीन प्लेटफॉर्म हमारे एंड एमएमएमएसएम चलिए अब एम की बात कर रहे हैं यहां पे आपको एक बहुत जबरदस्त सा हाईली नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स मिलते हैं आपको आपको मिलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाइब्रेंट कोहट ऑफ रिटेल इंडिविजुअल्स मिलते हैं और आपको एक अनपैरल पूल ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मिलता है जितना पैसा चाहो आप रेस कर सकते हो वो है यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया था याद आ रहा है yes. यस इसके बाद में एक बार आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए तो आपकी कंपनी की इमेज ब्रांड बहुत तूफान हो जाएगी इनके हिसाब से जबरदस्त उसके बाद में आपको बहुत अच्छे एडवाइजर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर मिलेंगे जो आपकी कंपनी को समझेंगे यहाँ पे ठीक है उसके बाद में यहाँ पे जो रेगुलेशंस भी है वो टेलर नीड है आपके हिसाब से आपके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लाइंस आता है मार्केट जहां पे एक बार आपने लिस्टिंग कर ली तो आपके शेयर करेंसी बन जाएंगे आप करेंसी की तरह आप जो खरीदना चाहो अपने शेयर से खरीद पाओगे बहुत जबरदस्त और उसके बाद में आप अपनी इंप्लॉयज को मोटिवेट करोगे शेयर देकर और ये ये जो शेयर है ना ये लंडन स्टॉक एक्सचेंज पर है ले लो और और जो इंप्लॉयज है वो दीवाने हो जाएंगे आपके बहुत बढ़िया और एक मार्केट ऐसा जहां पे फाउंडर और मैनेजमेंट बिजनेस रन कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स जो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं पांच छह परसेंट दस परसेंट शेयर खरीद लेते हैं वो फिर आपके बिजनेस में भी हेल्प करते हैं सेम लाइक यू सीन शार्क टैंक वगैरह कि हमारे शेयर्स के अगर टेन परसेंट किसने ले लिया तो बिजनेस में भी हेल्प करेगा वैसा ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हुआ हमारा वाई ज्वाइन एम ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको नोट्स में आके पढ़ना है इसके बाद बात करते हैं वगैरह की हमको 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 पता 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 है 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 और फिर आता हमारा लास्ट स्टॉक एक्सचेंज लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हाईलाइटेड पार्ट ज्यादा कुछ नहीं है बस एक सब कुछ ही हमने कर लिया सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ कवर्ड है वैसे एक्चुअली डन अब हमें कुछ भी हाईलाइटेड ऐसा है नहीं यस, हाउ यू शुड बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं बेयर मिनिमम बेयर मिनिमम इस चैप्टर में आपको हंड्रेड नोट्स नोट कंटस्ट होने ही चाहिए वो तो सबको योग है वो करते ही आपका एटी नाइनटी परसेंट चैप्टर सुपर सोर्टेड उसके बाद में एडोन में हम क्या कर सकते हैं हम आ सकते हैं इन नोट्स पर जो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ये इस प्रकार से बनाया है कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप चाहेंगे तो 20 मिनट 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाए इस तरह से इसको बनाया है आप अगर अभी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो उसमें तो पूरा चैप्टर भी नोट से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले हमें सिर्फ हैंड रिटन नोट पढ़ना है और ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है एंड दैट इज इट अब एंड दैल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर